तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष तो स्टूडेंट आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास टेन संस्कृत 2024 19 फरवरी को एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज जो है आपके भारी डिमांड पे ये वीडियो आपके सामने आया है आज इस वीडियो में फूल से वन वीडियो करने वाले हैं यानी एक ही वीडियो में पूरा सेमूसी बुक को फिनिश कर देंगे ठीक है तो एक दिन का आज का आपका ये काम बुक कर लीजिए ठीक आज बस इस वीडियो को दे दीजिए तीस नंबर आपका बोर्ड में संस्कृत में कन्फर्म हो जाएगा ध्यान से एक बात हमारी सुनिएगा सेमूसी बुक में स्टार्ट करने से पहले सारी बातें बताते हैं सेमूसी बुक में क्या है कि अगर आप सावधानी से नहीं पढ़ेंगे तो फिर बोर्ड में जाकर गड़बड़ होगा ठीक है तो इसलिए सावधानी से पढ़िएगा और स्टार्टिंग की जो बात करेंगे उसको भी सुनिएगा ये नहीं कि स्किप कर दीजिएगा तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए की क्लास में तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट तो आज जो है फूल सेमूसी इन वन वीडियो है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लंबा होगा इस नाते कि अच्छा वीडियो है अच्छा कंटेंट है इसमें बस इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग गया डोज वैक्सीन लगता था ना कोरोना वायरस का जी सर ये सेमूसी का वैक्सीन लग जाएगा उसके बाद आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो तो खून में सेमूसी दौड़ेगा ठीक है तो एकदम नंबर आपका इसमें कंफर्म हो जाएगा अब देखिए इससे आता क्या क्या है सबसे पहले इससे आता है प्रश्न उत्तर अरे सर प्रश्न उत्तर क्या होता है सर वही क्वेश्चन आंसर लिखने वाला वो टोटल पंद्रह नंबर का रहता है ठीक है उसके बाद पंद्रह नंबर का सर पांच पांच नंबर का तो रहता है पांच नंबर का स्टोरी वाले चैप्टर से तो स्टोरी वाला में तीन चैप्टर आपको पढ़ना है सदा जननी और विचित्र साक्षी पांच नंबर का श्लोक वाले चैप्टर से सूची पर्यावरणम सुभाषितानी सुकत्य और बारवा नंबर चैप्टर अनुकत्य नाटक्यांश यानी नाटक वाले चैप्टर से पांच नंबर का क्वेश्चन आंसर सूची शिशुलालनम और सौहार्दम प्रकृति शोभा चैप्टर नंबर सेवन शिशुललम चैप्टर नंबर फोर टोटल नौ चैप्टर आपको पढ़ना है बीच में से चैप्टर नंबर तीन और चैप्टर नंबर ग्यारह गायब है ठीक है तो चैप्टर का नाम पे यकीन रखें नहीं तो बुक में बहुत सारा अभी नया समोसिया है उसमें इधर नौ जो चैप्टर पढ़ना है वही दिया है ठीक है तो ये नहीं समझे कि नौ इंथ चैप्टर तक ही पढ़ना है ट्वेल्व भी पढ़ना है लेकिन टोटल काउंट कीजिएगा तो नौ ही होता है वो अलग बात है सब हम आज पढ़ाएंगे ही चिंता नहीं करना तो पंद्रह नंबर का वो आपका हुआ उसके बाद जो है घटनाक्रम आता है आपका चार नंबर का अब देखिए एक बात यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम चाहते तो यहां पर क्या करते दो मिनट में आते एक ग्रीन स्क्रीन पीछे डालते बुद्धिमती का कहानी सुनाते चैप्टर हो गया कंप्लीट आप भी कहते सर वाह वाह क्या बात है लेकिन उससे ना आपका घटनाक्रम बनेगा ना प्रश्न निर्माण बनेगा ना उचित अर्थ बनेगा ना क्वेश्चन आंसर बनेगा तो वो तो और बेकार चीज हुआ ठीक है इसीलिए हम इस वीडियो में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे ठीक है ताकि एकदम घटनाक्रम भी बने और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने से क्या होगा कि उचित अर्थ बहुत बच्चे नाम सुन के करेंगे कि एक कौन सा टॉपिक है जी तो उचित अर्थ नंबर का आता है स्मार्टनेस रहेगा तो इसमें तीन में तीन आएगा नहीं तो बिन बच जाएगा ठीक कहने का मतलब यह है कि इसमें स्मार्टनेस से नंबर जो है आता है तो स्मार्टनेस कैसे आएगा उचित अर्थ का मतलब हुआ सेम टू सेम मीनिंग ये भी पढ़ाएंगे घबराइए नहीं सब हो जाएगा चैप्टर पढ़े रहिएगा ये आपका बन जाएगा उसके बाद इससे आता है इससे और क्या क्या आता है इससे आता है अनवय चार नंबर का ये भी आपको सिखा देंगे श्लोक का मीनिंग आएगा तो चार में चार जो है आपको मिल जाएगा उसके बाद अनवय के जगह भाव भावार्थ भी आता है जो आपको मन वो कीजिए हम कहेंगे अनवय कीजिए ज़्यादा आपके लिए ईजी पड़ेगा ठीक ये हो गया उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न निर्माण पाँच नंबर का तो वो जो है एकदम जरूरी होता है ठीक प्रश्न निर्माण जो है आपका हो गया ठीक पांच नंबर का है तो ये जो है आपका है ठीक है हाँ ये जो है टोटल तीस नंबर जो है आपका ये कवर करता है तीस नंबर का सिलेबस ये कवर करता है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए तो ये हो गया हाँ यहां पर ये प्रश्न निर्माण जो है चार ही क्वेश्चन हम लोग को करना रहता है तो ये चार नंबर का ये हो गया टोटल तीस नंबर का ये सिलेबस होता है तो आज ये लंबा वीडियो है तो इसको टू एक्स में हो सके तो देखिए पूरा ठीक है जहाँ जहाँ आपको आ रहा है वहाँ बढ़ाते चलिएगा और एक कंप्लीट इसको कर लीजिए ठीक अब कंप्लीट जो है कर लीजिएगा आज तो अब जो है उसके बाद क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए देखिए लंबा इसलिए क्योंकि साल भर का चीज है ठीक फिर फूल संस्कृत हम बनाएंगे इस बार इस बार का भी बनाएंगे उसके बारे में बताते पहले ये समझिए तो तीस नंबर का ये आपका पूरा कवर हो जाएगा अब जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद आप सभी स्टूडेंट काम पे लग जाइएगा सर काम हाँ काम क्या करना है सुनिए आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो किसी भी बैच में हमसे नहीं जुड़े हुए किसी भी पेड बैच में नहीं है आप अभी टेस्ट सीरीज को ही ज्वाइन कीजिएगा और टेस्ट सीरीज ही आपके लिए रामबान है आप इस वीडियो को देखने के बाद टेस्ट सीरीज में घुस जाइए वो कहते हैं ना आजकल बंदे लोग घुस गए सामान लेकर आ जाओ तो बंदे लोग के तरह एकदम घुस जाना है प्रश्न निर्माण है जितना क्वेश्चन है उड़ा दीजिए हो गया प्रश्न निर्माण का एक क्वेश्चन भी बोर्ड में 19 फरवरी को आप छोड़ के आएंगे गलत बनाएंगे तो आप किएगा कि सर आप क्या बता दिए ऐसा हो नहीं सकता ठीक क्वेश्चन आंसर है वहाँ पे 2500 सौ वीडियो सोल्यूशन के साथ है तो कर लीजिएगा हो सके कि आप अभी 10 दिन पहले देख रहे हैं तो बहुत टाइम है हो जाएगा एक दिन पहले देख रहे हैं तो हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा कर लीजिए इसमें पूरा मैंडेटरी नहीं है थोड़े थोड़े कर लीजिएगा हो जाएगा बस हम इतना करा दिए कि आइडिया लग जाए किसी को दो ए सौ करने के बाद आइडिया लग जाता तो जितना के बाद आपको लग जाए कि ना भाई अब हो गया तो टाटा बाई -टा कीजिए नेक्स्ट टॉपिक में निकलिए और सारा कुछ को कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाँ एक क्वेश्चन होगा कि सर मैं बोर्ड बूस्टर बैच में हूँ मुझे टेस्ट सीरीज लेना है नहीं लेना है ठीक है आपका वही क्वेश्चन कराएं तो आप बोर्ड बूस्टर बैच में है ना तो वहाँ भी तो अनवय का सेक्शन है वहां भी तो पीडीएफ है आप उसमें घुस के कर लीजिएगा तो घुस जाना है ठीक जो किसी भी बैच में नहीं है उनको टेस्ट सीरीज एकदम मैंडेटरी है ले लीजिए ही ठीक उन्नीस फरवरी को आप कहेंगे आएंगे तो कहेंगे हाँ सर आप सही बोले ठीक है तो ये काम कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाँ फुल संस्कृत इन वन वीडियो भी आने वाला है तो ये बड़ा बड़ा वीडियो होता है तो इसमें मेहनत बहुत लगता है ठीक तो उसमें लग गए हैं वो भी आपका आ जाएगा ठीक है और ये पिछले बार का जो हट गया था चैनल से तो ए, हम देखे एक दो मैसेज आया कि सर आप डिलीट कर दिए अरे बाबू हम डिलीट नहीं किए उसमें शब्द रूप लगा दिए ना तो कॉपीराइट आ गया था गूगल के वेबसाइट से लगा दिए थे तो इसलिए जो है वो वीडियो प्राइवेट हो गया समझ गए कि नहीं समझ गए उसके बाद वो खोलेंगे वो चैनल डुबा देगा ठीक ऐसे भी वो पुराना था नया साल का तो हम दे ही रहे तो काहे चिंता कर रहे दो तीन दिन बाद वो भी आ जाएगा ठीक है सोचिए अगर हमको डिलीट ही करना रहता तो हम तो सब वीडियो डिलीट कर देते आ डिलीट ही करना रहता तो ई काहे बना रहे थोड़ा सोचिए आप ठीक है अब जैसे देखिए इससे मूसी का हम लिए हैं ठीक अब स्पेस स्ट्राइक नहीं आएगा क्योंकि यह सरकार का एन का वेबसाइट का एन स्ट्राइक देगा तभी होगा और अगर एन सी आर टी यूट्यूब चैनल को स्ट्राइक देने लगा तब तो सब चैनल जो ऐसी बंद हो जाएगा ठीक है अब देखिए यही हम गलती कर दिए वहाँ जो है इसी क्लास करा रहे थे शब्द रूप दिखाएँ लगा दिए हो गया खेल तो चलिए करते हैं स्टार्ट ठीक है और किसी भी कोने से हैं आप रेडी कीजिए और ये हो सकता है दस पंद्रह मिनट जो है एक्स्ट्रा ये इंट्रो हो गया होगा

जो जरूरत है वो कितना ज्यादा आज के दुनिया में बढ़ गया है ठीक है और क्लीन इन्वायरमेंट ही सब कुछ होता है ठीक चलिए तो इस चैप्टर में आपको मिलेगा श्लोक ठीक और श्लोक का जो है मतलब आपको समझ में आना चाहिए बस इतना ही काम आपको करना है ठीक है उसके बाद अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर सब करा देंगे बिल्कुल चिंता आपको नहीं करना है तो श्लोक को स्टार्ट करने से पहले जो है आपको शब्दार्थ एक एक श्लोक का बताते हैं और फिर जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं मतलब ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं तो पहले श्लोक का मतलब समझिए पहले श्लोक के वर्ड मीनिंग का मतलब समझिए और ध्यान रहे बिना वर्ड मीनिंग का नहीं काम चलेगा अगर आप सोचेंगे कि एक मिनट में आए वो समरी पढ़ के निकल गए कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे एग्जाम में ठीक जो कह रहे हो उसका विश्वास कीजिए चलिए दुर्बहम का मतलब होता है कठिन मुश्किल परेशानी ठीक जीवतम का मतलब होता है जीवन का मतलब होता है दिन रात ठीक जो दिन रात आप काम करते रहते हैं ठीक है वही काम सब जानता है बाबू सोना कालायस चक्रम का मतलब होता है लोहे का चक्र लोहे का चक्र मूल्य का मतलब है कि गाड़ी का पहिया लोहे का ना रहता है आयरन व्हील्स यानी सर आगे बढ़ते शोषियता का मतलब होता है सुखाते हुए सुखाते हुए यह बहुत बड़ा बात है इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे तनु का मतलब होता है शरीर पेशियादा का मतलब होता है पिसते हुए वक्रम का मतलब होता है टेढ़ा दुर्दांत्य का मतलब होता है भयानक दर्शन का मतलब होता है दांतों से अमुना का मतलब होता है इससे और जनग्रसनम का मतलब होता है मानव का विनाश यानी लोगों की बर्बादी ठीक है और कज्जल मनिनम का मतलब होता है काजल के जैसा यह अगले श्लोक में आपको पढ़ना है अब एक एक करके आपको बताते हैं सबसे पहले यह समझिए कि इस चैप्टर के राइटर कौन है तो इनका नाम याद रखिएगा हरिदत्त शर्मा अंकल तो जब भी आपसे पूछे कि सूची पर्यावरण कौन लिखे तो हरिदत्त शर्मा अंकल लिखे ठीक अंकल तो अच्छा लगता है ना बोलने में जी सर तो उनकी एक बुक थी लसल लतिका उसी से ये लिया गया है अब एक एक करके आपको बताते हैं आपके पास अगर बुक है बउआ तो आप बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए और अंडरलाइन कर करके जो वर्ड मीनिंग बताए उसको लिखते चलिएगा इससे क्या होगा कि बार बार आप रीडिंग दीजिएगा ना एकदम चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा और सूची पार्वर्णम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे क्वेश्चन आंसर भी बोर्ड में आएगा अनवैभवार भी आएगा ठीक है बहुत जरूरी है अब स्टार्ट कर रहे हैं श्लोक को ठीक है बाबू तो किताब निकाल लीजिए पेंसिल निकाल लीजिए और एक एक लाइन अंडर लाइन कर करके लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा चैटिंग से काम नहीं चलेगा ऑफलाइन में भी काम करना पड़ता है तभी तो काम होता है ठीक आगे आप खुद समझदार है देखिए कभी कहते हैं पहले आपको दो दो लाइन पढ़ेंगे और फिर समझाएंगे तो कभी कहते हैं अपने शर्मा अंकल दुर्वा मात्र जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पार्वरणम शांति से समझिए एक एक लाइन का मतलब दुर्बहम का मतलब अभी आपको क्या पढ़ा है? तो दुर्बहम का मतलब पढ़ा है कठिन मुश्किल ठीक है यानी कि आजकल के जमाने में बाबू सोना पालना काफी ज्यादा दुर्बहम हो गया है यानी काफी ज्यादा कठिन हो गया है ठीक इस तरीके से बोलचाल में रखेंगे तो याद रहता है तो दुर्बहम का मतलब क्या होता है कठिन और दुर्बहम में ही संधियों के यहां पे त्र नहीं है ये है अत्र तो सर ये कैसे है तो अभी के लिए आप फिलहाल समझिए अत्र ये जब हम संधि आप पढ़ेंगे हमसे तो उसमें डिटेल में यह पढ़ना ही है तो चिंता नहीं कीजिए तो दुर्बहम का मतलब हो गया कठिन ठीक है और यहां पर अत्र भी इसी में जुड़ गया है ठीक तो अत्र का मतलब हुआ यहां यानी कठिन यहां क्या तो जीवतम जातम यानी कि जीवन जीना हमारे कवि अंकल ने कहा क्या कहा कि दुर्बहम कहा भाग गया? कभी अंकल ने कहा कि दुर्बहम यानी कि कठिन अत्र मतलब यहां यहां कठिन है तो हम पूछे कि अंकल जी क्या कठिन है तो वो बोले जीवतम जातम यानी कि जीवन जीना कठिन है तो आपने बोला कि जीवन जीना कठिन है तब क्या करना चाहिए तो कभी अंकल बोलते हैं कि प्रकृति रेव शरणम यानी हमें प्रकृति के शरण में आ जाना चाहिए और सूची पार्वरणम ही हमारा एकमात्र सहारा है ये क्यों कभी बोलते हैं ये अगले लाइन में आपको पता चलेगा तो अभी के लिए क्या कि यहाँ पर क्या कठिन हो गया बाबू जीवन जीना कठिन हो गया है हमें प्रकृति के शरण में चले जाना चाहिए ठीक है प्रकृति मतलब नेचर ठीक प्रकृति से यहां पे कोई लड़की मत समझे प्रकृति मतलब नेचर ठीक है ये वातावरण तो कभी अंकल ने कहा कि और टीचर को तो बैंड बजा दीजिए पढ़ के जाके ठीक है अब पूछिए सर कहां से पूछिएगा ठीक आराम से रहना ठीक है बोर्ड में नंबर ला के सबको दिखा देना मोहल्ला वाला टीचर फैमिली उमली सबको ठीक है टेंशन नहीं लेना तो कभी ने कहा कि सूची पर्यावरणम में आप जाइए तो आप कहेंगे कि अंकल जी हम सूची पर्यावरणम में क्यों जाए आप कभी को कहेंगे तो कभी जी कहते हैं कि महानगर मध्य है तो महानगर का मतलब क्या हो गया बड़ा शहर बड़ा शहर का मतलब हो गया जैसे पटना है लखनऊ है दिल्ली है ठीक है चेन्नई है बेंगलोर है बंबई है ठीक ये सब क्या है महानगर है नगर मतलब शहर और महानगर मतलब बहुत बड़ा शहर ठीक दिल्ली है ये सब क्या है महानगर है तो कभी कहते हैं कि महानगर के मध्य तो मध्य का मतलब होता है बाबू बीच में ठीक बीच में वो जब आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो लिखा रहता है ना पूर्व मध्य रेल ठीक तो मध्य का मतलब क्या हुआ बीच में कहा तो महानगरों के बीच चला अनिशम तो चला अनिशम का मतलब समझिए चलद अनिशम जो है जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे बहुत ईजी होता है ये संधि में आपको हम पढ़ाए हुए हैं नहीं पढ़े संधि संधि का लेक्चर देखिएगा आपसे बन जाएगा तो अनिशम का मतलब होता है दिन रात और चलद का मतलब हुआ चलना तो ये प्रथम वर्ण है तथा तो, तो का प्रथम वर्ण है तो ये फर्स्ट लेटर के बाद स्वर वर्ण आ गया तो फर्स्ट लेटर का त तो थ द तीसरे में चेंज हो गया वही वाला है ठीक तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाइए चलद अनिशम का मतलब ये समझिए कि दिन रात चलता है क्या चलता है भाई तो कालायस चक्रम यानी कि लोहे का पहिया तो आप देखते हैं कि जितने भी बड़े शहर हैं वहां पे कभी भी गाड़ियां रुकती नहीं है दिन रात गाड़ियां चल ही रही है ऐसे ऐसे पी पी, 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 पी। एकदम दिन रात जो है गाड़ी चल रही है वो कभी को क्या है तो बहुत ज्यादा परेशान करती है कभी कहते हैं कि मना शोषियता मना शोषियता का मतलब हुआ मन को सुखाते हुए मना का मतलब क्या हुआ मन मेरा मन ठीक तो मन का मतलब क्या हुआ मन का मतलब हुआ मन और का मतलब हुआ सुखाते हुए तो मन कैसे सुखता है आपको हम बताते हैं जैसे ही आप अगर बड़े शहर में एंट्री मारेंगे तो आपका जो मन है वो एकदम सूख जाएगा ठीक जैसे अगर हमको यहाँ से सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाना हो तो सीतामढ़ी से हम जीरो माइल पे उतर जाते हैं बस पकड़ के मुजफ्फरपुर में और वहां से वहां से जाइए टावर चौक फिर वहां से रेलवे स्टेशन वहां से रामदयालू वहां से जेल चौक इतने देर में जो है ना लगता है कि मन सूख गया एकदम लगता है थक चुके हैं इतना ज़्यादा शहर में ट्रैफिक रहता है उसी के बारे में कभी बताए हैं कि यहाँ जो है मन जो है सूख जाता है तनु पेशिया तो तनु तो 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 का मतलब क्या हो गया शरीर ठीक है तनु तो तो का मतलब कोई यहाँ पे कुछ लोग पूछते रहते हैं इसलिए बताते हैं कि सर ये कोई लड़की थी कभी की तो नहीं कोई लड़की नहीं थी हर जगह लड़की ही चल रहा है आजकल ठीक है ऐसा नहीं है ठीक है माहौल जो है ठीक करना है वही कभी बता रहे हैं ठीक माहौल जो है बिगड़ रहा है इसलिए सूची पर्यावरण में जाना चाहिए आप लोग भी शहर में कुछ लोग माहौल बिगाड़ दिए हुए पूरा बुजुर्गों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है तो सब गांव में चले जाएंगे तो ठीक है तनु का मतलब हो गया शरीर पेशियदा पेशियादा का मतलब हो गया पिसते हुए पिसते हुए का मतलब है कि लगता है शरीर को तोड़ के रख दिया आप यहाँ से पटना चले जाइए पूरा दिन पटना में घूमिए फिरिए घूमने का मतलब हो गया कोई काम कराने चले जाइए यहाँ टेम्पू से जाइए वहाँ बस से जाइए लगेगा कि शरीर टूट गया ठीक है शरीर जो है पूरा दर्द कर रहा है वही कभी बताते हैं भ्रमती सदावक्रम सदावक्रम का मतलब है कि वही टेढ़ा चलता हुआ है वही गाड़ी जो घोड़ा होता है गाड़ी घोड़ा का मतलब हो गया जो कार बस है उसी पे कभी कटाच कहे हुए हैं दुर्दांतें दैस, मुना जन, अब यहां पे तीन वर्ड है समझिए दुर्दांते का मतलब होता है भयानक सर कैसे पता चला देखिए अभी आपको बताएं का मतलब हो गया भयानक दसने का मतलब हो गया दांतों से और अमुना का मतलब हो गया इससे तो सर ये तीनों जुड़ गया बिल्कुल जुड़ गया ये तीनों का संधि होके बना है दुर्दांते दैश नुमा एक के साथ संधि में आपको पढ़ाएंगे चिंता नहीं कीजिए तो सर ये कैसे होता है आजकल फैशन नहीं आ गया संधि करने का विराट प्लस अनुष्का क्या बन जाता है बिरुस्का ठीक है सिकेट प्लस विकेट टिकेट नहीं बन गया जी सर सिकेट विकेट कौन है हॉलीवुड के हेरोन है कोई दिक्कत क्या दुर्दांते का मतलब हो गया भयानक दसने का मतलब हो गया दांतों से इस यानी हो रहा है क्या हो रहा है तो जनग्रसनम यानी कि लोगों का नाश हो रहा है इसीलिए सूची पर्यावरण में हमें जाना चाहिए तो पहले श्लोक का मतलब स्टूडेंट यही था अब एक बात इसको प्रैक्टिकली समझिए जो भी बच्चे शहर में रह रहे हैं अभी आपका कहीं ना कहीं कोई लिंक होगा ना गांव में आपका या छोटे शहरों से आप बड़े शहर में रह रहे हैं मान लीजिए कि आप सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर से दिल्ली में रह रहे हैं आपका ओरिजिनल घर इधर है तो आप दिल्ली से यहाँ आते हैं तो कितना आपको मजा आता है क्यों मजा आता है क्योंकि वहां पे आपका मन पूरा दिन परेशान रहता है न हरियाली है ना कुछ भी है ठीक वही कभी बताना चाहते हैं कि जनग्रस्तम यानी लोगों का विनाश हो रहा है कभी का कहना है कि लोग समझ रहे हैं कि जितना गाड़ी घोड़ा अपार्टमेंट इल्डिंग बिल्डिंग बन जाएगा तो उतना ज्यादा एकदम बढ़िया हो जाएगा वो ऐसा नहीं होता है हरियाली खत्म हो गया तो लोग का विनाश जो है हो जाएगा और बड़ा शहर में हो रहा है ठीक है तो आप ही लोग इसको बचा सकते हैं पेड़ पौधा लगाइए अब अगले श्लोक में चलते हैं अब जो है आगे बताते हैं देखिए चलिए अब आगे बताते चलिए अब दूसरा नंबर श्लोक जो है वो आपको बताते हैं दूसरा नंबर श्लोक कहता है बाबू क्या कहता है ध्यान से समझिए और ओरिजिनल एनसीईआरटी से पढ़िए ठीक है आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो दो मिनट में ही सारा श्लोक का हिंदी मतलब पढ़ के बता देंगे आजकल ठीक तो वैसे तो कोई भी बता देगा वो बुक लेगा हिंदी बुक का इधर पढ़ रहा है उधर बता रहा है ठीक है वैसा काम मत कीजिए एन से पढ़िए क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन बनाते हैं ना उनसे ना हमारा बातचीत होता है काे चिंता करते है? तो उस अब हैं तो वो सब एन बुक लेके बैठते हैं ठीक है ये भी राज का बात जान लीजिए जो बोर्ड में क्वेश्चन बनाते हैं मैथ का चाहे साइंस का वो सब एन बुक लेके बैठते हैं और सिलेबस लेके एक ना उधर ना एक ना इधर और सी में तो एकदम हंड्रेड ठीक है तो टेंशन नहीं लेना पूरे साल संस्कृत पढ़िए जैसे हिलोरा पार्क के सब का शव आता है आपका भी आएगा ठीक है चलिए टेंशन नहीं मत लीजिए बुरा न मानो होली कभी कहते हैं कि हाँ पहले शब्दार्थ बता देते हैं अब दो मिनट का वीडियो हम भी चाहे तो ये कजल मनिनम धुआं मोती हाँ काजल के जैसा धुआं छोड़ रही उसे क्या फायदा होगा कुछ फायदा नहीं होगा ठीक लेकिन तत्काल जो है वो लगता है कि हाँ ठीक है दो मिनट में सीख तो लिए नहीं उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा कजल मनिनम का मतलब होता है काजल के जैसा कोई समान ठीक है तो फिर यहां पे काजल का मतलब हो गया कजरौटा लगाने वाला ठीक कोई उल्टा सुल्टा मतलब नहीं समझना धूमम का मतलब होता है धुआं ठीक है आप, आप लोग कहते हैं ना धुआं काट दिए मुचती का मतलब होता है छोड़ता है सतस कटियानम का मतलब होता है सैक्रो मोटर गाड़िया वास्प्यान माला का मतलब होता है रेलगाड़ियों की पंक्ति द रॉ ऑफ ट्रेंस रॉ ऑफ ट्रेंस वित्रंती का मतलब होता है देती हुई ध्वाव, ध्वा, ध्वावनम का मतलब होता है कोलाहाल संसरणम का मतलब होता है चलना ब्रीषम का मतलब होता है अत्याधिक ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये जो है आपका उचित अर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा का मतलब अत्याधिकम या अत्याधिक भक्ष्यम का मतलब होता है भोज्य पदार्थ यानी खाने वाला चीज समलम का मतलब होता है मल युक्त गंदगी से युक्त ठीक है जिसमें गंदगी हो अब कभी दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं ध्यान से समझिए ठीक है ध्यान से समझिए कभी कहते हैं कि कज्जल मनिनम धूममती सतस कटियानम इधर हो जाइए ना सर हो गए क्या कहते हैं एक बार और समझिए तो कज्जल मलिनम ठीक है तो कज्जल मलिनम का मतलब क्या हो गया काजल के जैसा कोई समान ठीक है काजल के जैसा कोई समान तो सर काजल के जैसा क्या तो धूमम धूमम का मतलब होता है धूम मचा ले नहीं धूमम का मतलब होता है धुआं ठीक है धुआं मुच्ती का मतलब छोड़ता है कौन छोड़ता है कभी अंकल तो सतस कटियानम यानी कि सैक्रो मोटर गाड़ी तो कभी कहते हैं कि जितने भी महानगर हैं, पे पे महानगर का मतलब हुआ बड़े सर, वहां पे क्या है तो गाड़ी जो है, सतस कि सैक्रो मोटर गाड़ी क्या करती है काजल के जैसा धुआं छोड़ती है आप लोगों का एक डाउट रहता है कि सर शब्दार्थ को कैसे याद करें एक बात आपको बता देते हैं शब्दार्थ आप सोचेंगे रट के याद करें तो नहीं होगा अच्छे ढंग से पढ़ाई करने से होगा जैसे यहां पे एक एक चीज का हम दो दो बार तीन तीन बार मतलब बता रहे हैं तो आपके दिमाग में सेट हो गया और पढ़ते वक्त आप इसका ऐसे हिंदी ऐसे लिख लेंगे काजल के जैसा ठीक है ऐसे ऐसे लिखते रहेंगे और महीने में एक दो बार बुक खुद से पढ़ेंगे ना आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ना आपको रटने की जरूरत पड़ेगी खुद ब खुद आपको शब्दार्थ याद हो जाएगा ठीक तो अभी हम चाहेंगे तो काजल मतलब काजल के जैसा धुआं मतलब धुआं मुस्ती मतलब छोड़ता है ऐसे पढ़ाने से नहीं होगा एक ही चीज को बार 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 क्यों बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला के क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए तो कभी क्या कहते हैं कि काजल के जैसा धुआं छोड़ती है सैक्रो मोटर गाड़िया ठीक है उसके बाद कभी कहते हैं कि मोटर गाड़ी तो धुआं छोड़ती ही छोड़ती है ठीक वास्प्यान माला, वास्प्यान माला का मतलब हो गया रेलगाड़ी स्टीम इंजन तो अब तो स्टीम इंजन बंद हो गया लेकिन जब कभी ये पोयम लिखे होंगे तो उस समय तो स्टीम इंजन चलता था भाप वाला गाड़ी आप लोग शायद नहीं देखे होंगे छोटी लाइन की गाड़ी होती थी ठीक है आ, अभी भी कोई कोई स्टेशन पे है ठीक जिसमें ऐसे धुआं निकलता था अब तो इलेक्ट्रिक इंजन आ गया है रेलवे में ठीक है तो वही कभी कहते हैं रेलगाड़ी ही समझिए रेलगाड़ी जो है एकदम हाँ एक बात आपको बताते हैं डीजल इंजन और बहुत कम धुआं छोड़ती है ठीक है लेकिन बास्प्यान वाला आप जो है ना यूट्यूब पर डाल के देख लीजिएगा एस्टीम इंजन ठीक है स्टीम इंजन ऑफ रेलवे तो आप देखिएगा हाँ एसटीम इंजन ऑफ रेलवे आप देखिएगा क्या बता रहे थे हाँ तो वो देखिएगा कि इतना बड़ा इसे लगा हुआ है ऊपर चेंबर और धुआं निकले जा रहा है ठीक तो कभी वही कहते हैं कि रेलगाड़ी जो है एकदम धुआं निकालती हुई आवाज करती हुई एकदम दौड़ती दौड़ती जा रही है ठीक है इससे लोग क्या हो हो रहे रहे हैं हैं तो परेशान हो रहे हैं। उसके बाद कभी कहते हैं यना नाम तो यना नाम का मतलब हो गया गाड़ी ये देखिए पंक्तियों हांता कठिनम संसरनम और कभी कहते हैं कि गाड़ियों की अनंत पंक्तियां पंक्तियों का मतलब पंक्ति यानी कि रॉ हंता ना यहाँ पे अनंता है यानी कि इनफाइनाइट गाड़ी जो है लाइन में लगी हुई है और यहाँ पर जीवन जीना क्या हो गया है कठिन हो गया है इसीलिए सूची पर्यावरणम ही क्या है हमारा जीने का सहारा है और ये एक्चुअली में है आप शहरों में देखते हैं गाड़ी है रोड प्लास्टर है जहाँ देखिए वहाँ पे एकदम सब डिजाइन विजाइन बना हुआ है लेकिन जिधर से जाइए पीछे से कोई गाड़ी पे पे कर देगा आप ठीक से नहीं रोड पार कर सकते हैं ठीक है चलने वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है देख के कहीं कोई चढ़ा ना दे गाड़ी हम पे ठीक तो गांव में आप आ जाइए तो गांव में तो ऐने मस्त चलिए रोड की इस पार चलिए उस पार चलिए बगल में नदी बह रही है पेड़ है ठीक है एक लोग इधर जा रहे हैं दूसरा उधर आ रहा है ठीक गांव में अपना खैनी लगा रहे हैं दोनों भाई बात किए अपना हँसी की किए शहर में किसी को कोई मतलब नहीं वही कभी यहाँ पे एक कहना चाहते हैं तो गांव की जो जिंदगी होती है वो ठीक होती है लाइफ जीने के लिए ठीक और पहले क्या था कि गांव में कोई सुविधा नहीं था सुविधा का मतलब कि गांव में न इलेक्ट्रिसिटी था न इंटरनेट था बहुत सारी चीज़ें अब नहीं थी लेकिन अब गाँव में आ चुका है ठीक है तो कभी यही कहते हैं कि आगे आपको बताएंगे कभी जो है यहाँ पे शहरों का जो समस्या है उसके बारे में कह रहे हैं तो ये देखे अब एक बार रिकैप आपको मार देते हैं तो सैकड़ो मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ रही है रेलगाड़ी भी एकदम धोनी छोड़ती हुई धुआं छोड़ती हुई घूम रही है आ रही है शहर के अंदर और यहाँ पे जो छोटी मोटी कार बस्ट्रक है इसका भी एकदम लाइन एकदम लंबा लगा हुआ है और जो है जीवन जीना कठिन हो गया ये था इसका समरी अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे उससे पहले जो है आपको फिर उस श्लोक का जो है शब्दार्थ आपको बता देते हैं ठीक है, है? चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाँ एक मिनट रुकिए शब्दार्थ कहाँ रह गया हाँ यहाँ पे देखिए कुछ कुछ शब्दार्थ जो है बुक में नहीं दिया हुआ है एन बुक में नहीं दिया हुआ है तो उसका हम क्या कर रहे हैं हम खुद से लिख के यहाँ पे दे दिए तो यहाँ पे हमसे उतना बेहतर हो नहीं पाया उतना हमको इसका जानकारी है नहीं ठीक है इसलिए क्या हो गया कि धुंधला हो गया तो चिंता नहीं कीजिएगा आपको दे देंगे तो उसमें आ जाएगा ठीक है अभी रुक जाइए कहाँ गया तो अब जो है तीसरे श्लोक पे आते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले एक बार शब्दार्थ पढ़ लीजिए जो सब कॉमन शब्दार्थ है देखिए अभी ये स्क्रीन पे शब्दार्थ है होगा तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक है हम जो जो एनसीआर बुक में कम दिया हुआ है ठीक है क्योंकि एनसीआरटी को लगता है ये सब आपको याद ही होगा लेकिन आप लोग तो नौवा में नहीं पढ़े हैं जी सर तो हम लिख दिए इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे घबराइए नहीं देखिए आगे आगा कुतिस सतम तो इसका मतलब होता है गलत धरातल धरातलम का मतलब होता है धरती जगती का मतलब संसार और शुद्धिकरणम का मतलब होता है शुद्धता और किस कश्चित का मतलब होता है कुछ ठीक तो इतना जो है सेकेंड वाले श्लोक में आपको पढ़ना है हम फिर यहां पे बता रहे हैं हैं चिंता नहीं कीजिए अब जो है आपके कवि अंकल कहते हैं, एक बार नाम याद कर लीजिए हरिदत्त शर्मा तो कभी कहते हैं कि वायुमंडलम दूषितम न ही निर्मलम जलम कभी का कहना है कि वायुमंडल तो गंदा हो ही चुका है गंदा मतलब कि पॉल्यूशन हो चुका है एकदम पॉल्यूटेड हो चुका है ठीक वायुमंडल यानी कि एनवायरमेंट ठीक है और आजकल बाबू सोना भी पॉल्यूशन फैला रहे हैं कम नहीं फैला रहे ठीक है बुजुर्गों का चलना मुश्किल हो गया है सर आप बुजुर्ग हैं हम तो यंग हैं बुजुर्ग हमारे घर में बुजुर्ग नहीं है क्या सबके घर में है ठीक है वायुमंडलम जो है वो क्या हो चुका है तो दूषित हो चुका है तो कभी कहते हैं कि वायुमंडलम भ्रीषम दूषितम हम भ्रीषम का मतलब अभी आपको बताए अत्यधिक बहुत ज्यादा यानी वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है न ही निर्मलम जलम न ही निर्मलम जलम तो कभी का कहना है कि वायुमंडल तो दूषित हो ही गया है और न ही जल जो है वो निर्मल है देखिए पानी है यहाँ पे ठीक हमारे यहाँ का पानी शुद्ध है क्योंकि गांव है ठीक है न ही निर्मलम जलम और न जल निर्मल बचा हुआ है तो सर कैसे कभी जी झूठ बोले कुछ झूठ नहीं बोले क्या आप अगर दिल्ली में रहते तो बताइए पॉल्यूशन वहां है कि नहीं ठीक आप गांव का हवा दिल्ली का हवा देखिए दोनों में फर्क है कि नहीं ये सर फर्क है तो वायुमंडल तो दूषित है और साथ में अब जल भी दूषित हो चुका है कैसे बताते हैं हम पटना जब सुबह में पाँच बजे उतरे तो देखे कि एक बड़का ट्रक में पानी आया सबके घर पानी बेच रहा था ठीक है तीस रुपया में ऐसे ऐसे आता है टोटी टोटी उसको बोलचाल के भाषा में कहते हैं सबके घर में पानी आता है ठीक है छाना हुआ क्यों क्योंकि आपके कल का पानी दूषित हो चुका है ठीक है वही वह कभी कहते हैं कि वायुमंडल तो दूषित है साथ में जो पनिया है वो भी ठीक है एकदम दूषित हो चुका है ठीक है तो कवि का क्या कहना है कि वायुमंडल तो दूषित है अब पानी भी दूषित है कुतिस वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम कवि का कहना है कि धरातलम धरातलम मतलब धरती पे ठीक है क्या तो कुतिष्ठ वस्तु मिश्रितम यानी कि जो भक्ष्यम भक्स्यम का मतलब क्या हो गया खाने पीने की चीज यानी कभी कह रहे हैं कि जो खाने पीने की चीज है वो भी जो है उसमें भी जो है लोग सब क्या कर दिया है तो गलत चीज़ सब मिला दिया है मिलावट कर दिया है ये कभी कहना चाहते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ है उसमें भी मिलावट हो गया है जैसे आप मार्केट में घी खरीदने जाएंगे घी आपको बोलेगा लेकिन उसमें एक्चुअली में डलडा रहता है ठीक है तो ये है जैसे आप बाबू सोना के साथ पिज्जा खाने गए वो बोलेगा कि इसमें ये मारे हैं वो दिए हैं ये दिए हैं गुपचुप खाने गए तो बोलेगा ये पानी है तो आर का पानी है नाली का पानी रहता है ठीक तो कभी ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो है खाने पीने की चीज में भी क्या हो गया है तो मिलावट हो गया है और यह आप लोग महसूस कर सकते हैं ठीक अब घी के नाम पे डाला दिया जाता है ठीक है दूध के नाम पे उसमें पानी मिला देगा वो भी निर्मलम जलम नहीं अनिर्मलम जलम ठीक है चलिए उसके बाद कभी कहते कि कर बही रंत जगड़ी तू बहु शुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम कभी कहते हैं कि अब करना होगा क्या करना होगा तो बहि अंत जगृति यानी बही का मतलब बाहर और यहीं पे अंतर संधि होकर बना है तो बही का मतलब बाहर अ, अ, अंतर का मतलब अंदर अंदर यानी बाहर दोनों जो है वह क्या है तो शुद्ध करने की जरूरत है और सूची पर्यावरण ही हमारा सहारा है तो कवि का कहना है कि देखिए यहां पर पेड़ वायुमंडल दूषित हो गया है समझिए एक बार और यह थोड़ा सा मुश्किल श्लोक है और अनबे इससे पूछेगा ही पूछेगा चार नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक ही बता रहे हैं ठीक इसीलिए बार बार फोकस कर रहे ताकि आपको याद रहे ठीक चलिए कभी कहते हैं कि करना होगा तो क्या करना होगा अंकल जी तो शुद्धिकरण करना होगा किसका तो बाहर का भी अंदर का भी तो बाहर बोलने का मतलब यह है कि जैसे वायुमंडल दूषित है तो पेड़ लगा देगी सरकार आप लगा देंगे काम हो गया लेकिन बाहर के साफ सुथरा से सा नहीं होगा अंदर का भी साफ सुथरा करना होगा ठीक है आजकल आदमी अंदर में भी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है ठीक है तो ये सब कभी पहली भविष्यवाणी नहीं कर दिए हैं कि उसको भी शुद्ध करने की जरूरत है सर अंदर कैसे गंदा हो चुका है अब आप खाने गए पिज्जा जीजा के साथ और आपको उसमें कुछ और मिला के अल्ट्रा सल्टर चीज खिला दिया डलडा में फ्राई करके बोल दिया घी में फ्राई कर दिए तो अब इसमें किसका दोष है बताइए पेड़ पौधा का दोष है वायुमंडल का दोष है या ये शहर में रह रहा है इसका दोष है शहर का दोष है नहीं इसके मन का दोष है कि यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहा है तिरछा वाला ठीक है तो ये भी सुधारना होगा तो अंदर से ये शुद्ध नहीं है ये क्या है अशुद्ध है इसको गंगा जी में फेंक देना है ठीक कोई ऐसा करे तो तो यहां पर कभी रहे हैं कि सब कुछ शुद्ध करने की जरूरत है ठीक है अब आगे चलते हैं अब जो है अगला श्लोक से पहले फिर आपको वर्ड मीनिंग की दुनिया में ले चलते हैं चलिए अब चलिए ग्रामंते का मतलब होता है गांव की सीमा पर ठीक है फिर सीमा आ गई ठीक पयापुरम का मतलब होता है जल से भरा हुआ तालाब ठीक है तो पुरम का मतलब होता है तालाब और पय का मतलब पानी तो पयापुरम तो तालाब में पानी रहेगा तभी तो तालाब ठीक है नहीं तो जुलाब हो गया कांतरे का मतलब होता है जंगल में जंगल में आज मैं मंगल करूंगी कुष्मावली का मतलब होता है फूलों की पंक्ति ठीक है वाली बहुत लोगों का नाम होता है गांव में समीर चालिता का मतलब होता है हवा से चलाई हुई रुचिरम का मतलब होता है सुंदर खग कुल कलरबा का मतलब होता है पक्षी के समूह की ध्वनि चाक चिके जालम का मतलब होता है चाक चौद भरी दुनिया प्रस्तर तले का मतलब होता है पत्थर के तल पे इतना ही शब्दार्थ इस श्लोक के लिए आपको बताएंगे ठीक है सर तो आगे नहीं बताइएगा आगे भी बताएंगे बाबू काहे चिंता कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये जो श्लोक है इसको ध्यान से पढ़िए यहाँ पे कभी क्या कहते हैं कभी कहते हैं कि किंचित कालम मामास नगर नगराद बहुदूरम ठीक है तो किंचित कालम किंचित का मतलब हुआ कुछ कालम का मतलब हो गया समय यानी कुछ समय के लिए माम माम मतलब मुझे मुझे मतलब कभी को आसमान नगराद दूरम इस नगर से बहुत दूर ले चलो तो कभी जो है ये पोयम किसी नगरे में बैठ के लिखे कभी का कहना है आप सभी से कि कुछ समय के लिए मुझे बहुत दूर ले चलो इस नगर से अब आप सभी कहेंगे पैसा दीजिए ना टैक्सी भाड़ा दीजिए तब तो ना ले जाएंगे साथ में हमारा भी भाड़ा खाना सब ठीक कभी आप लोगों से करें कि कुछ समय के लिए मुझे दूर ले चलो तो जो भी इच्छुक है कभी को लेके जा सकते हैं कभी कहते हैं कि प्रभ्यामी ठीक है पेप्सी नहीं ठीक प्रभश्यामी ठीक है मामी गौतम नहीं प्रपस्यामी ग्रामंते निर्जरा नदी परम कभी कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं प्रपस्यामी का मतलब होता है अब तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो ठीक से बोले नहीं करेगा एक शब्द में इसको पढ़ा जाता है प्रपस्यामी ठीक है ठीक पेप्सी की मामी नहीं प्रपस्यामी ठीक है यही पढ़ते शुद्ध शुद्ध डालिएगा तब ना पढ़िएगा प्रपश्यामी ठीक है पश्यामी पश्चामी का मतलब देखना कभी कहते कि मैं देखना चाहता हूं क्या तो ग्राम अंते यानी गांव की सीमा गांव का बॉर्डर देखना चाहता हूं जहां पे क्या हो झरना हो नदी हो तालाब हो ठीक ये क्वेश्चन भी आता है कि कभी क्या देखना चाहते हैं तो इसमें सब बच्चा लिखता है गांव देखना चाहते हैं नहीं कभी यहां पे गांव की सीमा पे जाना चाहते हैं यानी गांव का बॉर्डर पे जाना चाहते हैं ठीक सर गांव का बॉर्डर और गांव अलग है बिल्कुल अलग है बचपन में आप लोग छोटा भीम देखते थे ठीक तो छोटा भीम में कैसे बताता और कृष्ण भगवान आते थे कहते थे भीम क्या हुआ ठीक तो उसी तरीके से आपको पता होगा कि जब छोटा भीम ढोलकपुर से कहीं जाते थे छोटा भीम जी तो ढोलकपुर का सीमा के बाद एक जंगल टाइप का नहीं रहता था पहलमानपुर से पीछे जहा पे झरना उड़ना रहता था हैं कभी वही जाना चाहते हैं ठीक है वैसी जगह पे ही जाना चाहते हैं जहां पे ये सब हो कभी कहते हैं कि एकांत एक यानी कि एकांत एक में कांतरे मतलब जंगल में छन मपी यानी छन भर के लिए मे सयात संचरम यानी कि मेरा वहां पे क्या हो जाए घूमना फिरना हो जाए तो मजे आ जाए और आजकल का क्या हो गया है कि एक बाबू सोना मिल जाए पार्क में घूमना फिरना हो जाए तो मजा आ जाए ठीक कभी का क्या है कि मैं एक जंगल में थोड़े देर के लिए क्या करना चाहता हूँ घूमना चाहता हूं और सूची पर्यावरणम ही क्या है हमारा एकमात्र सहारा है और ऐसा जो चीज है ऐसा जो सिचुएशन है ये सूची पर्यावरणम यानी कि साफ सुथरे ही इन्वामेंट में मिलेगा ठीक अब आगे चलते हैं ठीक है तो इस श्लोक का मतलब क्या हुआ कि वायुमंडल पूरा दूषित हो चुका है खाना पीना में भी मिलावट हो रहा है जल भी शुद्ध नहीं है अंदर बाहर शुद्ध करने की जरूरत है कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से दूर ले जाओ मैं गांव की सीमा देखना चाहता हूं ठीक है गांव की सीमा पर क्या देखना चाहता हूं तो निर्झरा नदी पयपुरम ठीक है तो गांव की सीमा पर निर्झरा नदी पयपुरम यानी कि जंगल उंगल देखना चाहता हूँ तालाब वगैरह ठीक है एकांतिकांतर एक क्षण में वहां पर मेरा थोड़ा देर के लिए क्या हो जाए घूमना फिरना हो जाए अब जो है आगे का जो दो श्लोक है दो नहीं ना तीन सौ लोग का भी बचा होगा तो अब तीन सौ लोग आगे का बताते हैं उससे पहले एक बार फिर से शब्दार्थ की गलियों में आपका स्वागत है ठीक है <गण्ण> <गण> 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 कहाँ गया शब्दार्थ और यहाँ चलिए हाँ यहाँ आ गया ठीक है तो ये हम क्या एक बार बोलते हैं किंचित का मतलब तो आपको बताए कुछ ये तो बता ही दिए हाँ देखिए हरित तरुण नाम का मतलब होता है हरे भरे वृक्ष माला का मतलब होता है पंक्ति ये हम दे देंगे टेंशन नहीं लीजिए रमणियां का मतलब होता है सुंदर और अभी लिख भी देंगे वर्णिया का मतलब होता है वर्ण करने योग्य मिलिता का मतलब प्राप्त है संग संगमनम का मतलब होता है मेल और ललिता नाम का मतलब होता है सुंदर लताओं की ठीक अब चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं और एक-एक चीज -एक पढ़ाते हैं ठीक है चलिए कभी कहते हैं कि हरित तरुना नाम ललित लता नाम माला रमणीय यानी कभी कहते हैं कि नहीं ये पूरा पढ़ेंगे एक बार बताएंगे कुष्मावली समीर चालिता सियानवे वर्णिया मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सुचि पार्या वर्णम कभी का कहना कि हरित तरुणानम यानी कि वहां पे कभी जाना चाहते यहाँ पे क्या हो तो हरित क्या हो हरित तरुणानम यानी हरित मतलब हरा हो तो हरा क्या हो ठीक है गोरी है कलाया पहना दे मुझे हरी हरी चूरिया नहीं हरा क्या हो हरा हो क्या तो तरु तरुणा नाम तरुणा तरु का मतलब हुआ पेड़ और तरुणा नाम क्यों है बहुत सारे पेड़ ललित लता नाम यानी ललित यानी ललित का मतलब सुंदर क्या हो हो तो लता हो, माला और वहां का जो कॉम्बिनेशन हो वो क्या हो बहुत ही सुंदर होगा ये कभी कहते हैं कुष्मावली समीर चालिता सियानवे वर्णिया और कभी कहते हैं कि जब उन लता, लताओं पे झाड़ियों पे जब हवा ऐसे चलेगी वह देखना एकदम मजेदार सीन होगा ठीक है वो देखना एकदम मजेदार सीन होगा नौ मालिका रसालम मिलिता संगनम संग मनम सूची पर्यावरणम कभी का, कभी का कहना है कि नौ मालिका नौ मालिका जो होता है एक प्रकार का झाड़ी वाला फूल होता है ठीक है जैसे अपराजिता वगैरह टाइप नहीं होता है उस टाइप से एक फूल होता है जो झाड़ी उड़ी टाइप का रहता है एक प्रकार से इसको नौ मालिका का झाड़ी समझिए कभी कहते हैं रसालम रसालम का मतलब होता है आम तो आम आम का पेड़ हो उसपे आम लटके हो और उस पर झाड़िया लटकी हो वो सीन जो है बहुत मजेदार होगा उसको देखने में मजा आएगा और ऐसा जो चीज है वह सूची पर्यावरण में ही मिलेगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए अब जो है लास्ट दो श्लोक आपको पढ़ना है तो यहीं पर आपको बताएंगे ठीक है चलिए कभी कहते हैं कि अई बंधो अई बंधो अरे चलो बंधु बंधु का मतलब बंधु का मतलब बंधु यानी बांधना नहीं बंधु का मतलब बंधु मित्र सखा महोदय ठीक जो आजकल चलते चलते क्या बन गया है ए ब्रो, ब्रो, ठीक? तो कभी कैसे लिखते चल तो खग कुल कलर यहाँ पे जहां पे चिड़िया उड़िया जो है इस तरीके से आवाज कर रही हो गुंजित बंधे ठीक है यानी कवि का कहना यह है कि हे बंधु हे मित्र हे भाई आप कहाँ चलो तो वहां पे चलो गुंजित वंदेशम गुंजित वंदेशम का मतलब हो गया कि वही जो छोटा भीम का ढोलकपुर के बाद वाला इलाका एकदम शांत उसमें कुल। 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 इस टाइप से आवाज आए जहां पे खग कुल कलरव यानी जो चिड़िया है खच खच खचक -कर करे वहां चलो चलो पूर कलरव पूर कलरव का, का, मतलब का मतलब क्या होता है समझिए पूर का मतलब होता है शहर ठीक है पूर का मतलब क्या होता है शहर जैसे हम बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फर शहर समस्तीपुर यानी समस्ती शहर तो पुर का मतलब होता है सिटी यानी कि शहर तो कभी कहते हैं कि पुर कलरभ है यानी शहरों में जो कलरभ है शहर में कलरभ है पी पी, श, पी 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 श, पी 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 शय पी तो इस इस कलरभ से अच्छा है उन चिड़ियों का कलरभ कलरभ मतलब जो आवाज है सम्भ्रमित जनेभ्य यानी जो जन भ्रमित है ठीक है जिनको लग रहा है कि शहर का ही सुख सबसे बड़ा सुख है ठीक है बैठ के रील्स चला रहे वाई फाई चला रहे यही सबसे बड़ा सुख है उनको क्या दो तो सुख संदेश हम यानी संदेश दो कि ब्रो ये शहर की चाप चौबंद वाली दुनिया है ये सब फालतू चीजें गांव की तरफ लौट चलो जहां क्या हो तो क्लीन एनवायरमेंट हो ब्रो ठीक है संदेश देना है ठीक ठीक अगर ऐसे बोलेंगे महोदय कृपया शहरों की तरफ से गांव की तरफ लौट चले कोई नहीं सुनेगा ऐसे बोलो ब्रो यार रिमूव फ्रॉम सिटी गो टू डर गिलेज यार ब्रो ठीक है चलिए चाक के जालम नो कुरिया जी जीवित रस रस हरनम सूची पर्यावरण वही कभी बोले हैं कि चाक चिक्के जालम चाक चिक्के जालम का मतलब क्या हुआ ये चाक चौबंद से भरी दुनिया ये चाक चौबंद से भरी दुनिया शहरों की जैसे रिल्स है नेट है वाईफाई है इतना मतलब कचरा हो चुका है सर में गाड़ी दौड़ रहा है ठीक है इससे अच्छा है गांव का इन्वायरमेंट यानी क्लीन इन्वायरमेंट ऐसा नहीं कि कभी गांव जाने को बोले कभी बोले कि इन्वायरमेंट को क्लीन करना होगा सूची बनाना होगा साफ बनाना होगा पेड़ पौधा को बढ़ाना होगा ठीक और ऐसा अभी गाँव में ही मिलता है इसलिए यहां पे यह है ठीक नो कुर्यात जीव जीवित रस हरणम और एक्चुअली में आपके जीवन का रस हरण हो रहा है आजकल शहर में कहीं की देखा जाता है ठीक कभी ये बोले हुए कि बारह बजे एक बजे तक पार्टी शाटी हुआ और दस बजे सुबह उठा तो वैसे जीवन से अच्छा है कि आप पाँच बजे उठे दो चार सब्जी उब्जी में पानी दें ठीक है और दस बजे अपना काम पे चले जाए फिर आके नौ बजे खाना उना खा के गांव में घूम के सो जाए वो कभी बताना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपके जीवन बेहतर चल रहा है शहरों में लेकिन उसका क्या हो गया तो रस का हरण हो चुका है आपके जीवन का रस का हरण हो चुका है सूची पार्वरण में ही आपको आना है उसके बाद कभी कहते हैं कि प्रस्तर तले लता तरु गुलमा नो भवन तू पिस्टा प्रस्तर तले का मतलब क्या हुआ पथरीली चीज ठीक है कभी कहते हैं कि कहीं ये पत्थर के नीचे लता तरु गुलमा लता का मतलब हो गया झारिया तरु का मतलब हो गया लता का मतलब हो गया लता अभी आपको बताएं हैं हाँ। अभी नहीं पीछे बताएं लता ठीक है लता का मतलब वो जो पेड़ की लताएं रहती है वो ठीक है तरु का मतलब हो गया पेड़ गुलमा का मतलब झाड़ियाँ कभी का कहना है कि ये कहीं लता तरु गुलमा यानी कि शहरों में जो आज पथरीकरण हो रहा है पथरीकरण का मतलब हो गया कि हर जगह पत्थर ही पत्थर है हर जगह प्लास्टर ही प्लास्टर है कोई घर का ऐसा कंपाउंड नहीं जहाँ पे चिकना घास वूस मिलेगा हर जगह जो प्लास्टर हो गया कहीं इसके नीचे एक दिन ऐसा है कि पूरा पृथ्वी ही लता तरुगुल्मा समा जाए लता तरुगुलमा मतलब पेड़ पौधा झाड़ी सब पत्थर के नीचे न पिस जाए ऐसा दिन ना आ जाए पाशानी स निसर्गे स्यान समाविष्ट और कभी का कहना है कि पासानी सभ्यता यानी कि जो पथरीली सभ्यता था हो सकता है निसर्गे स्थान सॉरी निसर्गे सियानन तो निसर्गे का मतलब क्या हो गया निसर्गे का मतलब हो गया ऐसा स्थान जो खाली हो कहने का मतलब है कभी कहना चाहते हैं जंगल कि ऐसा ना आ जाए कि जंगल में भी पत्थर टाइल्स वगैरह बिछना सरकार या कोई आदमी शुरू करा दे ठीक सब समाविष्ट है यानी सब उसके नीचे समा जाए मानवाय जीवनम काम है नो जीवनम मरनम सूची पर्यावरणम और कभी कहते हैं कि मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ और नहीं चाहता हूँ कि कोई मरे क्लीन एन्वायरमेंट ही हमारा क्या है साधन है ठीक है तो ये चैप्टर से ये नहीं आपको सीख लेना है ठीक कि इस चैप्टर में आ, कोई अगर शहर के हों तो सोचेंगे कि आ, सर कवि सिर्फ और सिर्फ शहर का बुराई लिख दिया ऐसा नहीं है आपकी समस्या को लिखें ठीक है आप आज शहर में पले बढ़े होंगे बचपन से शायद हो सकता है आपके पापा गांव से हों ठीक जो दिल्ली आके बसे हों और आपको वहाँ पढ़ा लिखा रहे हो तो आप उनसे पूछेगा कि पापा दिल्ली में हम आए उससे पहले गांव का कैसा माहौल था वो बोलेंगे बहुत अच्छा था ठीक है तो आप भी कभी कभी आइए जैसे छठ पूजा है उसमें आइए कोई फैमिली फंक्शन उसमें आइए और देखिए कि माहौल कैसा है ठीक है चाहे आप दिल्ली के किसी गाँव में भी दिल्ली में भी गाँव सब है तो वहाँ भी आप जाके देखेंगे कि शहरों से माहौल जो है अलग है ठीक है तो वही कभी बताना चाहते हैं कि शहर ठीक है शहर कोई खराब नहीं है और शहर रहना जरूरी है ठीक शहर नहीं रहेगा तो इकोनॉमी ये नहीं चलेगा लेकिन शहरों में क्लीन इन्वायरमेंट हम कर सकते हैं अब मान लीजिए कि आप पिज्ज़ा खाने गए गाँव में आप किसी के यहाँ समोसा खरीदने जाएंगे तो आपको घी बोल के डलडा नहीं दे, दे देगा ठीक शहर में आपको कहीं कोई आप ही को घी बोल के डल्ला दे, दे देगा ठीक तो ये सब शुद्ध करने की जरूरत है कभी ये बोल रहे हैं कि हमको ठीक करना होगा ठीक है शहर में आप देख रहे हैं कि वही कभी बोल रहे हैं कि जो न, क्या कहते हैं महानगर में लोग क्या कर रहे हैं तो ग्यारह बजे तक पार्टी शाटी कर रहे हैं बारह बजे एक बजे तक दस बजे सुबह उठ रहे हैं ठीक तो कभी कहते हैं कि आपका जीवन का रस का हरण हो चुका है इसको समझिए और सूची पर्यावरण में आइए ठीक है आज रील्स वुल्स हो गया जब मन तब देखिए हम लोग बच्चा थे तो उस समय ही नहीं था उस समय गाँव में रेडियो पर प्रोग्राम आता था ठीक है प्रोग्राम नहीं आता था मतलब तो वही प्रोग्राम ही उसको कहिए ठीक तो उसको पूरा गांव सुनता था दस लोग बैठा और होता कुछ नहीं था लेकिन मज़ेदार चीज़ था जिसका नाम था आकाशवाणी ठीक आप अपने पापा से पूछेंगे वो बता देंगे आपको ठीक है तो उस समय जो था मोहल्ले अलग था ठीक आकाशवाणी आता था शाम सात बजे नमस्कार आपका स्वागत है आकाशवाणी सुन रहे हैं आप और ये है आकाशवाणी का पटना केंद्र एक सौ आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात आज अमेरिका के राष्ट्रपति से हुई दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हुई अब जानते हैं आज के खेल समाचार भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी दस विकेट से मात दी भारत की तरफ से सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए उन्होंने सत्रह चौके और चार छक्कों की मदद से पाकिस्तान के छक्के छुरा दिए और कुल एक रन उन्होंने नबाद पारी खेली इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया तो आज के समाचार में यही था आज के समाचार में ही था। नमस्कार। आज का समाचार यहीं पे समाप्त होता है रात्रि। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का पटना केंद्र चौतीस चार और मैं हूं आरजे जे फूफा और आपको छोड़े चलते हैं कुछ भूले बिशरो गीतों के साथ बरी मस्तानी है मेरी महेश सिग्नल गायब ठीक है तो उस समय ऐसा था अब तो रिल्स का जमाना आ गया ठीक है आगे पिल्स का जमाना आ जाए उसके दस साल बाद आपके बच्चे हमारे बच्चे सब टील्स चलाएं ठीक है फिर गिल्स आए ठीक तो ये आता रहेगा ठीक है लेकिन इसमें ये ना हो कि आपके जीवन का का हरण हो जाए ठीक चलिए तो एक बार और पढ़ा दे पूरा चलिए चलिए ठीक है अब जैसे हम इधर बोर्ड से हटें आप कहेंगे कि सर ये क्या लिख दिए ये है क्या तो यही है आपका ओरिजिनल एन बुक और यही पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपसे हर बनेगा ठीक है इसी को पढ़ना जरूरी है तो आप कहेंगे कि सर मेरे पास तो कोई दूसरा बुक है हेल्प बुक है तो एन की बुक ले लीजिए ठीक है यही आपको पढ़ना है ठीक और एन से ही पढ़िए तभी जो है फुल मार्क्स आएगा दो चीज से बच के रहिएगा दो मिनट में अगर कोई टीचर आपको वीडियो एक्सप्लेन करके दे देते हैं उनसे बच के रहिए और जो टीचर आपको ऑफलाइन स्कूल में हेल्प बुक से पढ़ाते हैं हेल्प बुक का मतलब हो गया कि एक बुक है जिसमें संस्कृत हिंदी दोनों लिखा हुआ है तो टीचर ऐसे ऐसे देख देख के पढ़ा दिए उनसे बच के रहिए अगर ये दोनों से बच गए तो आपका हंड्रेड मार्क्स आएगा ये बात लिख के दस्खत करके देने को तैयार है अरे आपके भैया दीदी को पढ़ा के सौ दिलवाए आपको भी दिलवाएंगे क्या चिंता करते हैं तो यही है बाबू ओरिजिनल एन बुक तो चलिए करते हैं स्टार्ट लेकिन जो चीज़ बोले हैं उस पर खास पकड़ बना के रखिएगा तो ये जो है दूसरा पार्ट है पाठ का मतलब हुआ द्वितीय चैप्टर यानी कि सेकेंड चैप्टर चैप्टर का नाम है बुद्धिर्बलवती सदा तो ये दो शब्द का जो संधि होकर बना है लेकिन उतना डिटेल में आपको अभी नहीं जानना है बुद्धि का मतलब होता है नॉलेज के एन ओ डब्ल्यू कनालोडगे यस सर नॉलेज और बलवती का मतलब होता है बलवान ठीक है तो बुद्धि बलवान और सदा का मतलब होता है हमेशा तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे जो बुद्धि यानी कि जो नॉलेज होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा बलवान होता है और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि एक महिला है जो अपने बुद्धि के दम पे शेर जैसे शक्तिशाली जानवर को भी हरा दी तो हमेशा कहा गया है कि बुद्धि जो होता है सबसे ज्यादा बलवान होता है अब जैसे ही चैप्टर में आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में ये थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है तो इससे एग्जाम में कोई लेना देना नहीं रहता है इस इंट्रो में ये बताया कि चैप्टर आखिर है क्या समझ लीजिए दो लाइन में चैप्टर को एक्सप्लेन किया है तो यही टीचर पढ़ा देते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आता तो हम भी आपको पढ़ा देते लेकिन वो चीज तो डिटेल में पढ़ना ही है तो ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को ठीक अब आपके पास बुक है ना यस सर बुक है पैंतीस रुपया तो सर बुक का दाम है खरीद लिए है तो आपने सामने निकाल लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए और जो जो शब्द बोल रहे हैं अंडरलाइन करते रहिए उसका हिंदी लिखते रहिए बार बार आप जब रीडिंग देंगे वीडियो देखने के बाद आज से एक महीना बाद पंद्रह दिन बाद तो सारा चीज अपने आप आपको याद हो जाएगा तो इतना तक आपको बताएं बेसिक इंट्रोडक्शन अब चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को पढ़ना तो बुक अपने सामने निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए एक एक चीज जो है उसका हिंदी मतलब आप लिखते रहिएगा तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका शब्दार्थ थोड़ा बहुत आना जरूरी है तो ऐसे तो एक एक शब्द का हम शब्दार्थ आपको बताएंगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे फिलहाल के लिए आपको कुछ शब्दार्थ जो है बता देते हैं तो जैसे देखिए भार्या का मतलब क्या होता है पत्नी वाइफी हबी बबी आजकल जो चला है पुत्र देव पिता का मतलब होता है दोनों पुत्रों के साथ विथ टू सन उपेता का मतलब होता है युक्त यानी कि एलोंग विथ सब बताएंगे चिंता नहीं कीजिए अभी ऐसी इंट्रोडक्शन दे रहे कानाने का मतलब होता है जंगल में दरदशा का मतलब होता है देखा धाष्ट्यार्थ का मतलब होता है ढिटाई से यानी कि रॉब से एकदम रॉबिनहुड की तरह चपेटिया का मतलब होता है थप्पड़ से प्रहत्य का मतलब होता है मारकर और जगाद का मतलब होता है कहा अभी के लिए बस इतना ही चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बुक जो है बाबू आप सभी निकाल लिए होंगे ठीक है और एन बुक ही लीजिए तभी आपका ड्रीम स्कोर आएगा ठीक है और क्लास में भी टीचर अगर हेल्प बुक से पढ़ा रहे हैं उनको एनसीआर बुक पकड़ाइए ठीक तब तो मजा आ जाएगा आपको भी उनको भी मजा आएगा ठीक है क्योंकि एनसीआर इज द बेस्ट बाकी सब अंडर एरेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये तो था इंट्रो जैसा कि आपको बता दिए अब जो है एक एक लाइन पढ़ते हैं पहला क्या कहता है कहानी कि अस्थि देवलाख्यो ग्राम आराम से समझिए <coughs> अस्थि देवलाख्यो ग्राम ग्रामा का मतलब क्या हो गया सर गांव हो गया ठीक ग्रामा का मतलब क्या हो गया गांव हो गया अस्थि का मतलब है देवलाख्य देवलाख्यो में क्या है समझिए यहां पे देवल अलग है देवल अलग है और प्लस में ये आख्यो जो है ये अलग है तो सर ये देवलाख्यव क्यों बना है ये बताइए तो ये जो है संधियों के बनाए दीर्घ संधियों के बनाए जो आपको विद्या संधि में सिखाए उसी तरीके से तो यहां फिलहाल के लिए इतना डिटेल में जानना जरूरी नहीं है अभी समझिए मतलब क्या होता है तो ग्रामा का मतलब गांव अस्थि मतलब है देवल मतलब देवल एक नाम है और आंखियों का मतलब होता है नाम यानी कहने का मतलब है कि इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि देवल नाम का एक क्या है तो गांव है कोई दिक्कत नो सर एक बार सर और बिल्कुल अस्थि देवलाख्यो ग्राम इसका मतलब हो गया कि देवल नाम का क्या है तो एक गांव है का मतलब होता है नामक ठीक यानी देवल नामक एक क्या है गांव है कोई दिक्कत नो सर तत्र मतलब वहां पे राज नाम यानी कि राज सिंह नाम का कोई राजपुत्र यानी कि राजा का बेटा वस्ती सम यानी कि कोई राजा का बेटा वस्ती मतलब रहता सम मतलब था स्टोरी है तो आपको पता है कि ये सब भूतकाल में होगा पास्ट टेंस में ठीक कोई दिक्कत वहां पे राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था एकदा मतलब एक बार किन्नापी यानी किसी आवश्यक कार्य किसी आवश्यक कार्यन एकदा मतलब एक बार किन्नापी मतलब किन्ही आवश्यक कार्यन का मतलब हुआ इंपॉर्टेंट वर्क सर क्या इंपॉर्टेंट वर्क तो जैसे आप लोग स्कूल से आते हैं बढ़िया से नहा लिए झरना में और जिसके पास नल कल है नल कल में नहा लिए एस शॉर्ट उजला पहन लिए नीचे ब्लू है डियो मार के मम्मी इंपॉर्टेंट काम से थोड़ा जा रहे हैं दोस्त के पास और कहीं और निकल लेते हैं ठीक है सर आपको कैसे पता चला तो हम तीन बजे जब पढ़ा के आते हैं तो हम देखते हैं कि डोमिनोज में काफी भीड़ लगी रहती है छोटे छोटे बच्चों की ठीक तो हम सब समझ जाते हैं क्या इंपॉर्टेंट काम है ठीक तो वही उस प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो ठीक उस इसी तरीके से एक आवश्यक कार्यन यानी कि इंपॉर्टेंट काम के वजह से तस्य मतलब उसकी भार्या मतलब पत्नी बुद्धिमती यानी उसकी भार्या यानी पत्नी का नाम क्या था बुद्धिमती था सभी लोग अपना अपना नाम लिखेंगे समझ रहे हैं चलिए पुत्र देव पिता पुत्र देव पिता का मतलब हो गया पुत्र द्वे यानी कि दो पुत्रों और उपेता मतलब साथिया यानी दो पुत्रों के साथ पितृगृह पितृगृह का मतलब हो गया पिता के घर प्रति मतलब की ओर चालिता था यानी कि अपने पिता की ओर घर की ओर चली एक बार और आइए देवल नाम का गांव था यस राजपुत्र नाम का राज नाम का राजपुत्र रहता था एक बार किसी आवश्यक इंपॉर्टेंट वर्क के वजह से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी ठीक है अब बुद्धिमती के पिताजी और कैसे लड़के से शादी कर दिए कि आपकी बेटी को अकेले ही जाने को कह दिया यस सर सर ये अच्छा काम नहीं हुआ यस मार्ग मार्गे का मतलब हो गया रास्ते में गहन कानाने तो गहन का मतलब हो गया घना ठीक है सुनसान। इस टाइप का कानाने का मतलब हो गया जंगल जंगल में आज मैं मंगल करूंगी तो कानाने का मतलब हो गया जंगल सा मतलब हुआ एकम मतलब एक व्याघ्रम मतलब बाघ और दरदशा का मतलब देखा तो मार्ग यानी कि रास्ते में गहन काना ने यानी कि जो रास्ता था वो क्या था घना काना ने यानी घना जंगल था और वह क्या देखी तो एक बाघ देखी ठीक है अब आप कहेंगे सर रास्ते में बाघ आता है आजकल तो नहीं आता तो आजकल क्या हो गया हाईवे बन गया रोड रास्ता बन गया गाड़ी में बैठे उसमें इंस्टाग्राम का लगाए लफ्जों में जो खाली पंथ था मानो जान तुझे शायर बना दूंगा चल दियो ऐसा थोड़ी था पहले जो था लोग जंगल होके जाता था ठीक है जंगल होके जाता था तो उसने क्या देखा बुद्धिमती ने रास्ते में एक बाघ देखा सा सा का मतलब हो गया वह अनुवाद में भी काम आएगा व्याघ्रम आग दो वर्ड है यहाँ पे व्याघ्रम अलग है जिसका मतलब हो गया बाघ और आग का मतलब हो गया आग का मतलब हो गया आते हुए कि कि देखकर एकदम रौब से ढीठ से ठीक है पुत्रो यानी कि दो पुत्र को सर कैसे पता चला तो पुत्र पुत्रो पुत्रा, पुत्रा, पुत्रा।, पुत्रा। है सर ये फंस गए शब्द रूप याद कीजिए ठीक है पुत्रो का मतलब हो गया दो पुत्र चपेटिया मतलब चाटी से ठीक है प्रहत्य जागात क्या की तो चाटी से प्रहार की मतलब की उसको मारी ठीक और जगात जगात का मतलब कही क्या कही अब सुनिए तो यहां पे कहानी कहां तक कि बुद्धिमती जा रही थी रास्ते में उसने एक बाघ को देखा बाघ को देख के बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्र को चाटी मार दी अब आपके मन में होगा कि सर चाटी क्यों मारी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा ठीक है ये न्यूज वाला की तरह नहीं चल रहा है शो

ठीक? तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए न्यूज़ वाला सब का यही है. अगर इतना कहानी बना दीजिए तो इसी पे दिन होगा. हाँ बुद्धिमती जा रही थी तो मैंने देखा था ये झूठ फूट का कहानी वही बात है अब आगे बढ़ते हैं. तो कहानी कहाँ तक पहुंची कि बुद्धिमती ने अपने पुत्रों को चाटी से मारा जैसे ही उन्होंने बाघ को देखा अब चलिए नेक्स्ट जो है शब्दार्थ आपको बताते फिर आगे बैठ बढ़ते हैं अब आप कहेंगे कि सर शब्दार्थ क्यों शब्दार्थ क्यों एक दो कहते रहते हैं तो बिना शब्दार्थ का बाबू दो मिनट में पढ़ा ही देंगे उससे कोई काम ही नहीं होगा तो ये भी दो मिनट बर्बाद हो गया ना आपका ठीक है जी सर इसलिए पूरा अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए और इस बार सेमूसी बुक से ही क्वेश्चन आने वाला है ठीक कोई भी क्वेश्चन हो ग्रामर हो संधि हो समास हो होते हो प्रत्यय हो सारा से बुक पर डिपेंडेंट रहेगा लिख के दे दिए तो काफी डिटेल में ना पढ़ाएंगे जी सर डिटेल में हर चीज़ में घुस जाएंगे ठीक है चलिए तो वीडियो को एक बार काटना भी पड़ा है अभी शादी का माहौल चल रहा है गाँव समाज का इलाका है ठीक तो यहाँ पे गाना उना खूब बज रहा है ठीक है और कुछ नया नया, नया लड़का सब है वो सब कुछ अलग गाना बजा रहा है श्लीलता फैला रहा है ठीक है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे चपेटिया का मतलब हो गया थप्पड़ से प्रहत्य का मतलब हो गया मारकर जगाद का मतलब हो गया कहा कलह का मतलब हो गया झगड़ा ठीक है विभाज्य का मतलब हो गया अलग अलग करके लक्ष्य लक्ष्यते लक्ष्यते का मतलब हो गया लक्ष्यते भी कुछ लोग बोलते हैं लक्ष्यते का मतलब हो गया देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा किसी को व्याघ्रमारी का मतलब हो गया बाघ को मारने वाली ठीक है नष्ट का मतलब हो गया भाग गया नष्ट का मतलब इस चैप्टर में नष्ट होना नहीं होगा नष्ट का मतलब भाग गया ठीक या पालियाता का मतलब भी भाग गया होता है ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक एक नंबर का ये बोर्ड में पूछता है वर्ड मीनिंग पूछता है ना वहाँ पे पूछता है नष्ट का मतलब या पालियाता का मतलब हर एक साल एक साल करके क्वेश्चन आता है बोलिएगा तो इस साल भी रहेगा ठीक है चलिए भामिनी का मतलब होता है रूपवती स्त्री ठीक है तो आपका कोई हो तो उसको आज से भामिनी बोले भामिनी दामिनी नहीं भामिनी ठीक चलिए जंबुका का मतलब होता है सियार ठीक सियार बीमार गुड प्रदेशन का मतलब होता है गुप्त प्रदेश में यानी कि, कि किसी खोपचे में कोने में एडजेस्ट होना ठीक अब जो है अब जो है ये बात तो आपको बता दी एक एस, कैसा का मतलब होता है एक एक करके अतुम का मतलब होता है खाने के लिए कलहा या मानव का मतलब होता है झगड़ा करते हुए प्रहरती का मतलब होता है मारती हुई बस इतना अभी के लिए याद रखिए और जो है आगे बढ़ते हैं ठीक चलिए कहाँ पे थे यहाँ पे थे तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही बुद्धिमती ने अपने पुत्रों को मारा ठीक तो इनका जो पुत्र था ये लोग शौक में था कि भाई मम्मी क्यों मारी लेकिन लगा होगा मम्मी है, मार दी होगी कोई हम कांड कर दियोगे इसलिए मार दी लेकिन आगे जो बात बताने वाली थी बुद्धिमती वो इनके पुत्र के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज था अगर इनका पुत्र ब्लॉगर रहता तो डाल देता मम्मी ने ये क्या कह दिया क्या कह दिया मम्मी ने कथमे सुनिये कैशो व्याग्र भक्स नो यहां पर क्या है इसका मतलब समझने के लिए आपको वृद्धि संधि आना जरूरी है सर नहीं आता कोई टेंशन नहीं फिलहाल के लिए समझिए एक एक करके क्यों एक एक क्यों एक एक कथम का यहां पे क्यों एक-एक ये टूटेगा वृद्धि व्याघ्र कि बाघ खाने के लिए कलह कर रहे हो यानी कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हो अब बुद्धिमती का पुत्र ये सुना होगा तो शौक हो गया होगा कि मम्मी मार भी दिया बोले बाघ खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो ये क्या प्लान है ये क्या है कोई भी आप ही की मम्मी रास्ता में आपको एक हाथ मारे और कहे एक एक मतलब बाघ खाओगे एक 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 शेर खाओगे तो आपको तो शॉकिंग लग जाएगा जी सर तो यही बुद्धिमती के पुत्रों को लगा होगा अब समझिए कि बुद्धिमती कह ऐसा क्यों करती है आपको जस्ट एक मिनट बाद पता चलेगा बुद्धिमती बोल बोलती है चाटी मार के कि एक एक बाग खाने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो ये में एक तावत विभज्य यह भी संधि में टूटेगा तो ये सतम संधि टेंथ में आपको हम पढ़ाएंगे अभी के लिए मतलब ये समझिए कि यहां पे जो भी है उसको क्या कर लो तो विभज्य यानी कि बांट कर भुज्यताम यानी कि खा लो यानी जो भी है उसको बांट कर खा लो पश्चात पश्चात का मतलब हुआ बाद में अन्य द्वितीय मतलब कोई दूसरा कश्चित लक्ष्यत यानी कि कोई दूसरा लक्ष्यत है यहाँ पे कश्चित अलग कश्चित का मतलब कोई लक्ष्यत यानी कि खोजा जाएगा या ढूंढा जाएगा तुमको दिला दूंगी तो बुद्धिमती जैसे बाघ को देखती है ये बात अपने पुत्रों को एक एक चाटी मार के बोलती है कि अभी क्यों लड़ाई कर रहे हो अभी एक है उसी में एडजस्ट कर लो आगे जो है दूसरा दिला दूंगी अब अब जो है ये बात बुद्धिमती क्यों बोली अब आपको पता चलेगा कि ये बुद्धिमती बोली क्यों तो बुद्धिमती जो है इस बाघ को सुनाने के लिए ही बोली क्यों बोली समझिए इति इति का मतलब यह श्रुतवा मतलब सुनकर यह सुनकर यानी कि जो बुद्धिमती अपने ये दोनों बेटों को बोली तो यह सुनकर जो बाघ है क्योंकि बाघ भी साइड में झाड़ी में सुन रहा था कि ब्याघ मारी यानी कि कोई बाघ मारने वाली काची दिए मित्री काची का मतलब हो गया दिए मती दिए का मतलब कोई और मतलब मतलब ऐसा मतवा कि जो बाघ था भयाकुल यानी कि भय के मारे नष्ट यानी कि वहां से भाग खड़ा हुआ ठीक तो बाघ क्यों भाग खड़ा हुआ बाघ को लगा कि कोई व्याघ्र मारी यानी कि बाघ मारने वाली महिला जो है यहां पे आ चुकी है अब बाघ को ऐसा क्यों लगा ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा तो बुद्धिमती यहां पे क्या लगा दी बुद्धि का इस्तेमाल कर दी बुद्धि ये लगा दी कि अपने बेटे को मार के ये बताएगी क्यों लड़ाई कर रहे हो एक एक बाघ खाने के लिए जो है उसी को खा के खत्म करो आगे दूसरा दिला दूंगी जोमेटो स्विगी का जमाना तो उस समय था नहीं नहीं तो जोमेटो स्विग्गी कर दूंगी बोल बेटा ठीक है तो ये सुनकर जो है बाघ वहां से क्या हुआ फरार हो गया ठीक अब आगे चलते हैं तो यहां पे जो है आपको सारा का सारा शब्दार्थ जो है वो ध्यान में रख रहेगा तभी आपसे बनेगा तो एनसीआरटी में जो है वो तो है ही जो जो एनसीआरटी में नहीं है उसको भी यहां पर हम क्या किए हैं लिख दिए हैं क्या किए हैं लिख दिए अब आगे चलिए कहानी जो है यहां तक पहुंची स्टूडेंट की बुद्धिमती जो है बाघ के भय से अपना दिमाग लगाकर क्या हो गई तो विमुक्त हो गई यानी कि मुक्ति पाली अब जो है बाघ फरार हो गया ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आंसर तो पाँच नंबर का आएगा ही आएगा घटनाक्रम भी इसी से आने का ज़्यादा चांस है और प्रश्न निर्माण के भी क्वेश्चन इससे बनता है तो किसी किसी साल बोर्ड में दस नंबर ये कवर करता है इसलिए डिटेल में घुस घुस के पढ़ा रहे हैं ठीक है अब आप कहेंगे कि सर शॉर्ट कहाँ से बदल लिए तो ये बार बार लाइन कट रहा है ठीक इसी वजह से जो है वीडियो रुक जा रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा देर बाद जो है शूट कर रहे हैं चलिए तो अभी फिलहाल लाइन कटे उससे पहले जो है सूट कर लेते हैं बैटरी है लेकिन उस पर यह बोर्ड नहीं चल पाता है अब जो है बुद्धिमती के बारे में ये दो लाइन कहा गया कि निज बुद्धिया विमुक्ता स भयाद व्याग्रस्त भामनी अब ध्यान से समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ भामनी का मतलब होता है स्त्री रूपवती स्त्री यानी कि कोई लेडीज के बारे में कहा गया है अब बुद्धिमती राजकुमारी थी ठीक है राजा के बेटा से शादी हुई थी तो राजकुमारी होगी इसलिए यहाँ पे भामनी का मतलब हो जाता है रूपवती स्त्री तो निज बुद्धिया का मतलब क्या हो गया निज मतलब निजी अपना पर्सनल पर्सनल बुद्धि से वह भामनी यानी कि वह जो स्त्री थी यानी बुद्धिमती क्या हो गई तो विमुक्त हो गई मतलब कि मुक्त हो गई फ्री हो गई किससे तो वह भयाद व्याघ्रस्य यानी कि व्याघ्रस्य मतलब बाघ के भयात यानी कि भय से वह अपनी बुद्धि लगाकर बाघ के भय से क्या हो गई तो विमुक्त हो गई यानी कि मतलब बाघ के भय से क्या हो चुकी थी फ्री हो चुकी थी इसीलिए कहा गया है कि अन्योपी यानी कि दूसरा कोई भी बुद्धिमान लोके के बुद्धि का मतलब हुआ बुद्धि नॉलेज ठीक है बुद्धि आप खुद समझ रहे लोग के मतलब इस संसार में मुच्चे बच सकता है महत्व भयात यानी कोई भी बड़ा से बड़ा भय से क्या हो सकता है दुनिया में कोई भी इंसान बुद्धि लगाकर बच सकता है यह आपके लिए था ठीक है और बुद्धिमती का बाल मतलब वो जो बेटा था अगर मान लीजिए ब्लॉगर ओला रहता रहा था तो मम्मी ने शेर को भगाया ठीक है आज का टाइटल ठीक इस प्रकार से तो इस प्रकार से आप समझेंगे उसके बाद भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा तो भयाकुलम का मतलब हो गया भय से आकुल यानी भय से परेशान मतलब किसी के अंदर डर बैठ जाता है किसी चीज़ को लेकर तो कैसा हो जाता है वही तो भयाकुलम व्याग्रम व्याग्रम का मतलब हुआ बाघ तो भयाकुल यानी कि परेशान डरा हुआ बाघ दृष्टवा यानी बाघ को देखकर कश्चित यानी कोई धूर्त मतलब चलाक श्रृंगाला मतलब चलाक सियार श्रृंगाला का मतलब हुआ सियार हंसना यहाँ पे हंसा ठीक है हंसने का काम किया तो कंप्यूटर टाइपिंग में जब भी आप आधा न और उसके बाद इसी टाइप का पूरा न लिखेंगे तो ये अजब प्रकार से ये त्र लिखा जाता है लेकिन बाबू ये त्र है नहीं तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर देता है तो कंप्यूटर है ठीक ये क्या समझे हिंदी संस्कृत तो ये इस तरीके से कर देता है तो कोई सियार जो है वो क्या किया हंसा और कहा भवान कु भयात पालियत भवान मतलब आप कुत मतलब कहां से भयात मतलब है पालियता का मतलब भय के कारण का हो गया भाग रहे कहां भाग रहे है? ये किसने पूछा तो सियार ने पूछा बाघ से से क्वेश्चन आंसर भी बनता है और देख लीजिए यहाँ से अव्यय भी बनेगा ये कुता वाला उसके बाद है व्याघ्र व्याघ्र यानी कि बाघ बोलता है गच्छ गच्छ जम्बू का जाओ जाओ जम्बू का तो जम्बू का मतलब क्या हुआ सर तो यहाँ पे सियारियार को संस्कृत में श्रिंगाला भी बोल सकते हैं और जंबुका भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो जब भी जंबुका या श्रृंगाला आए तो इसका मतलब हो जाता है सियार। तो जो बोलता है यहां उ वाला नहीं, नहीं, नहीं। देखिए त्वम और यहां पे अपी जो है ये अलग है तो अपी का मतलब होता है भी आपको अबे में पढ़ाएंगे ठीक है त्वम का मतलब तुम यानी तुम भी जो है क्या करो तो तुम भी जो है किंचित यानी कोई गुड प्रदेशम गुड प्रदेशम का मतलब होता है गुप्त स्थान खोपचा पे कोई ढूंढ ना सके गुड प्रदेशम में क्या करो चले जाओ य तो मतलब यहाँ पे व्याघ्र मारित या शास्त्रे सूर्यते तया हंतु मार परम गृहित कर जीव तो नष्ट शीघ्र तदग्रहत बता रहे ध्यान से समझिए तो बाघ ने क्या बोला जम्बू यानी कि सियार को कि गच्छा गच्छा का यानी जाओ जाओ सियार तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ क्योंकि यह या तो यानी यहां पर व्याघ्र मारी थी यानी कि बाघ मारने वाली शास्त्रीय सूर्यते जो मैंने शास्त्र में सुनी थी कि कोई बाघ मारने वाली होती है वह जो है आ चुकी है और वह तया हंतु मार यानी वो तो मुझे आज मार ही देती लेकिन परम गृहित कर जीवितों का मतलब होता है जान हथेली पर लेकर नष्ट का मतलब है यहाँ पे नष्ट होना नहीं हुआ नष्ट का मतलब भाग गया शीघ्र तदग्रत मतलब मैं वहाँ से उसके सामने से फटाक से भाग गया अब आपके मन में ये कहानी उठेगा कि बाघ को सर कैसे पता चला कि बुद्धिमती बाघ मारने वाली महिला है ऐसा तो कुछ था नहीं लेकिन बाघ कैसे कन्फ्यूजन में आ गया क्योंकि बाघ ने किसी शास्त्र में ये बात सुना था कि बाघ मारने वाली महिला होती है इस पे सियार जो है सियार तो आपको पते होता है तेज तरार होता है ठीक अगर कहीं भी कोई अगर आपसे चलाकी करता है तो आप कहते सियार बन रहा है ठीक है सियार समझता है अपने आप को तो सियार का मतलब ही हुआ चालाक तो सियार बोलता है कि व्याघ्र यानी कि हे बाघ तोया महत्व कौतुम यानी तोया मतलब तुमने महत्व कौतुकम यानी महत्व कौतुकम का मतलब हो गया बड़ी ही अनोखी चीज आश्चर्यचकित चीज तुमने क्या बताई तो यन मानुषादी विवेशी तुम जो हो मनुष्य से डरते हो सियार ने क्या बोला कि हे बाघ तूने तो बहुत आश्चर्यचकित बात बताया ये बताया कि तुम जो हो मनुष्य से डर रहे हो बाघ होके मनुष्य से डर रहे हो क्योंकि ये तो बाघ बोला था कि कोई स्त्री है तो बाघ इस पे बोलता है कि प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष सामने से देख, मतलब सुना है देखा है कि सा आत्म यहां पे टूटेगा देखिए सा का मतलब हो गया वह ठीक है संस्कृत में सा का मतलब होता है वह लेडीज के लिए और आत्म का मतलब अपने पुत्र को वह जो है हाँ यहां, यहां पे क्या बता रहे थे सा और आत्म जो है इसमें अलग अलग होगा संधि के यानी वह आत्म यानी अपने पुत्र को पुत्रा वह कह के, के मामन तुम कलह य मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा मैंने देखा है को अपने पुत्र को कह रही थी कि एक एक बाघ खा के लिए हल्ला मत करो कल्ला मत करो और एक चाटी भी वो अपने पुत्र को दी ये मैंने देखा ये किसने देखा ये बाघ ने देखा अब देखिए तो यहाँ तक कहानी पहुंचा कि बाघ क्या बोला कि बुद्धिमती ने बुद्धिमती को हम सामने से देखे हैं मतलब वो स्त्री को कि वो अपने पुत्र को चाटी मार रही थी ठीक है अब देखिए तोड़ तोड़ के समझना ही सही चीज़ है कहानी को दो मिनट में कोई अगर समझा दे उस पर भरोसा मत कीजिए बोर्ड में एक हमारी इधर कहावत है मुहे भरे गिरना वही आपका हो जाएगा क्योंकि इस ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए शांति से एक बार हम पढ़ा दिए फिर दोबारा आप वीडियो देख लीजिए अब फिर खुद से रीडिंग डालिए वो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक ये सब बात जो एग्ज़ाम टाइम में पता चलता है अभी तो अगर हम दो मिनट में पढ़ा दे तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा कि अरे सर कितने अच्छे दो ही मिनट में मेरा काम हो गया लेकिन एक्चुअली में जब आपका मेन जो काम होता है बोर्ड एग्जाम वहाँ पे दिक्कत हो जाता है स्कूल एग्जाम को तो हम ऐसे ही लेते हैं मेन एग्जाम है बोर्ड एग्जाम ठीक है इतना जिंदगी का तपस्या का पहला एग्जाम आपका होने वाला है तो ये कहानी एक बार और बता देते हैं कि इसमें क्या था कि ये जो बाघ है बाघ को देख घबराए हुए बाघ को देख जो सियार है वह हंसा और पूछा कि महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं तो बाघ बोला कि तुम भी कहीं पे छुप जाओ बाघ मारने वाली जो लेडीज है वह आ चुकी है जिसको मैंने शास्त्रों में पढ़ा है अब जैसे ही ये बात सियार सुनता है बुआ सियार को पता चल जाता है कि ये जो है बाघ को किसी ने बेवकूफ बनाने का काम किया है और सियार जो होता है बहुत चालाक प्राणी होता है बाघ से भी चालाक आप देखते हैं कि जनरल क्लास में भी आपके साथ कोई बदतमीजी करता है यानी कोई तेजी मारता है तो आपका तेरे सियार है ठीक है गांव समाज में बोलते हैं ये ये तो सियार 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 है वो का मतलब हो गया चालाक प्राणी अब सियार जो ये अच्छे ढंग से समझ चुका होता है कि यहां पर क्या है कि सियार जो अच्छे ढंग से समझ चुका होता है कि ये बुद्धिमती नाम की जो स्त्री है नाम तो पता नहीं रहता है मतलब ये जो स्त्री है यह बाघ को क्या बना रही है तो बेवकूफ बना रही है ठीक है अब देखिए सियार क्या रायता फैलाता है ठीक और यहाँ पर आप देखेंगे कि सियार जो है काफ़ी ज़्यादा बाघ को मोटिवेशन देता है कि चलिए फिर चलते हैं अब फिर जाता है दोनों और वहीं पे फिर बुद्धिमती दिमाग लगाकर भय से मुक्त हो जाती है ठीक है देखिए कैसी कहानी है आगे बढ़ते हैं ठीक तो एकदम मोटिवेशन जो है यहाँ पर बाघ का फेल हो जाता है और मोटिवेशन नाम का कुछ चीज़ नहीं होता है ठीक है मोटिवेशन ये कर लो वो कर लो कुछ नहीं होगा बाबू टेंथ में आए हैं पढ़ने का आदत नहीं है नौमा तक ऐसे वैसे पढ़े थे धीरे 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 रोज तीन घंटा पढ़िए कभी साढ़े तीन कभी चार इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते डेली सात आध घंटा पढ़ने की आदत डालिए ना कोई मोटिवेशन का जरूरत ना कुछ चीज़ों का जरूरत ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो जम्बू का मतलब क्या हुआ सियार हुआ सियार बोलता है कि स्वामीन यानी कि हे स्वामी स्वामीन क्यों बोलता है सर ये क्वेश्चन था आपका अरे सियार जो इससे तो बाघ ना है तो स्वामी नहीं बोलते थे पहले जमाने में ये सर स्वामी यत्रास्ते साधुरता तत्र गमित्याम यत्रास्ते साधुरता देखिए यहाँ पर क्या जहां है सा का मतलब वह धूर्ता मतलब चला ठीक है चला स्त्री वहां पर क्या किया जाए तो तत्र गमित्याम फिर से चला जाए ठीक है व्याग्रा तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पिछते यदि तहरी तो या अहम हंत अब ये बोलता है सार की हे बाघ तो पुनः तत्र गतस्य तो का मतलब मतलब जाने पे तो का मतलब जाने पे नहीं हुआ तो मतलब वो नहीं कहते तुम आप वो तो पुनः यानी कि दोबारा तत्र गतश्य मतलब वहाँ पे जाएंगे सा मतलब वह सम्मुख पिक्षते सम्मुख पिछते का मतलब क्या हो गया अगर वह हमारा सामना करती है मतलब आपका जो है सामना करती है आपको फेस करती है यदि तहरी तो या अहम हंतव्यती अगर ऐसा होगा तो आप मुझे मार देना ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ सियार कहता है सियार क्या कहता है कि हे बाघ हे महाराज आप फिर से वहां पे चलिए फिर से वहां पे चलिए जहां पे वो स्त्री है अगर फिर से अगर वो आपको फेस करती है आपका सामना करती है तो आप मुझे टिका देना ठीक है आप मुझे गोली मार देना गोली का उस समय जवाना नहीं था बाघ का एक पंजाही गोली के काफी है, ठीक है तो मार देना अब ये इसलिए कॉन्फिडेंस में कहता है क्योंकि उसको पता रहता है कि कोई जो है बाघ को बेवकूफ बना रहा है वो इंसान ही है ठीक अब जो है बाघ जो इस पे बोलता है कि ठीक है राजी होता रहता है श्रृंगाला यदि तुम मुक्तवा यासी तदा बेला पे बेला अगर जो है यदि तुम यानी कि यदि तुम मां मतलब मुझे मुक्तवा यानी कि मुझे छोड़कर अगर वहां से मतलब दोनों साथ ही जाने की बातचीत करते रहते हैं तो उस पर से बाघ बोलता है कि क्योंकि बाघ को भी पता रहता है सियार मतलब तेज तरार आदमी अगर कहीं बुद्धिमती हम पे अटैक कि तुम फरार हो गया तब तो मेरा जो है क्या हो जाएगा शपथ जो है वो टूट जाएगा अब मैं तुझे तोड़ दूंगा ये बाघ कहता अब जम्बूक जो है यानी सियारू देखता है कि बाघ जो है जाने के मूड में है नहीं ठीक है मूड बनाती हुई गाना था ना वो तो बाघ जो है जाने के मूड में है नहीं अब उस समय गाना बजाना पैक का तो सिस्टम नहीं था कि बाघ को दो चार पैक लगवा दे ऐसा तो था नहीं तो क्या कहता है जम्बुक जम्बुक जो है इसको जो है क्या अपना दिमाग लगाता सुनिए जम्बुक कहता है कि यदि एवं तहरी माम नीज गले बधवा चल सतम अगर यदि ऐसा है तो ध्यान रखिए यदि तहरी वाला ये जो अब बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा ये पूछता है में पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा यदि एवं तह यानी यदि ऐसा है तो माँ मुझे नीच गले बधवा अपने गले में बांध कर चलिए तो यही देखिए यही गला में जो है बांध कर क्या आया था बाघ सियार आया था स काननम यो।, यो यो का मतलब हनी सिंह नहीं हुआ यो, यो मतलब ये जो दोनों है सो सव्याघ्रह तथवा तथा कृतवा काननम यो यो यानी कि बाघ जो है सियार को अपने गले में बांध कर ऐसा ही कर कर कहाँ चल जाता है तो काननम यानी कि जंगल में फिर से चला जाता है बुद्धिमती के पास ठीक कहानी कहाँ तक पहुँची यहाँ तक पहुँची कि जो सियार था वो बाघ को क्या कहा कि चलिए फिर से वो वहाँ पर चलते अगर वो लेडीज आपका फिर से सामना करती है आपसे लड़ाई करती है आपसे आपको फेस करती है ठीक है अगर आप हार जाते हैं तो आप मुझे मार देना और इस पे बाघ जो है डगमगाता रहता है तो बाद में सियार जो है कहता है कि आप मेरे गले में दोनों बांध लेते हैं नहीं कहता गला में बांध के चलेगा मतलब साथे साथे आप भागेंगे नहीं तो यहां पर क्या होता है दोनों चल जाता है श्रृंगालेन सहितम यानी सियार के साथ पुनरायाघरम दुरात बुद्धिमती पुनः आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती आगे सुनिए बुद्धिमती चिंतित बती तो चिंतित बती का मतलब यहां पे यह नहीं हुआ कि बुद्धिमती टेंशन में आ गई पेंशन लेने के लिए टेंशन चिंतित बती का मतलब सोचती है चिंतन करती है ठीक है चिंतन करती है और बुद्धिमती सोचती है कि जम्बुक्रितो उत्साह व्याग्राद कथम मुचेताम यानी कि बुद्धिमती को ये पता रहता है कि जम्बुक यानी कि जो सियार है उसी के उत्साह बढ़ाने के कारण यानी कि उसी के मोटिवेशन के कारण तुम कर सकते हो तुम ये घर गिरा सकते हो मोटिवेशन के कारण यह जो बाघ है यहाँ पर क्या हो गया आ गया परम प्रत्युनपन्न मती प्रत्युनपन्न मती किसको कहा जाता है मति है जिसके अंदर बुद्धि रहता है तो ये बुद्धिमती के लिए यूज किया गया तो अब आगे बढ़ते हैं तो एक बात आपको और बता देते हैं कि देखिए चैप्टर में क्या है कि इतना ज़्यादा आपको बता रहे ताकि वर्ड सब आपके एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत नहीं हो लेकिन जितना वर्ड सब बता रहे उतना ही जानना जरूरी है ठीक है ये नहीं कि पूरा डिटेल में घुस जाइए उतना भी डिटेल में नहीं जानना है ठीक आराम आराम से पढ़िए और आपको पढ़ाने में क्या होता है कि कभी कभी कुछ कुछ वर्ड उल्टा बोला जाता है उल्टा नहीं बोला जाता है। मतलब ट्रैक से हट के जैसे मान लीजिए कि हम तो टीचर हैं टीचर कहने का मतलब जो भी इस कहानी को पढ़ रहे हैं जैसे आप ही पढ़ रहे हैं आप पढ़ेंगे रे रे धूलता तो यादम महाम व्याग्र तरियम पूरा लेकिन आप लोग क्या करते हैं आप लोग फटाफट बोल देते हैं तो आप भी आराम आराम से बोलिए ठीक है थीके? पहले आपका भी दबान जो है फैला गए थे दम्बुक माखी पंत्या अंगूला गया ठीक तो इस तरीके से बोलिए तभी होगा एक बार में फटाक से नहीं बोलिए इतना बड़ा वर्ड लिखा होता है इसका चार पांच वर्ड संधियों तो उतना ज़्यादा संधि डिटेल में नहीं मतलब प्रतिन तो पनमती का मतलब आपको क्या बताए हाँ, ये ये हाँ, तो मतलब बता कि बुद्धिमती के लिए यूज हुआ सा जम्बुक सा का मतलब हुआ जम्बु का माँ छी उंगलाया यानी जम्बुक जम्बुक का मतलब की सियार उंगली से संकेत यानी कि उंगली से इशारा करते हुए तर्जी उबाचा तो यहाँ पे तर्जंतिया का मतलब हुआ डांटते हुए उबाचा का मतलब होता है बोली तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर उबाचा में का वो कहाँ है तो ये आपको संधि में सिखाए हैं कि वो जो है ऐसे लग जाता है ठीक तो ये तो वहां जानना है सिंपल यहाँ समझिए वो कि डांटते हुए क्या की तो बोली ठीक है क्या बोली से सुनिए रे रे धूर्त तोया दत्तम रे रे धूर्त यानी कि रे रे चलाक यानी तू ने दत्तम दिए महाम व्याग्र त्रयम पूरा पहले तीन बाघ तू ने मुझे उधर मतलब लिखा हुआ है पूरा मतलब पहले व्याग्र तर मतलब तीन बाघ महा मतलब मुझे दत्तम मतलब दिए यानी बुद्धिमती बोलती है शार को कि रे शियर पहले तो तू हमको तीन बाघ दिए बुद्धिमती क्या बोली कि रे रे धूलता यानी कि पहले तो तूने चला का आदमी मुझे तीन बाघ दिए अब जो है विश्वास से दे का मानिए कथम यासी बाधुना यानी अब जो है तू बोला था कि मुझे तीन फिर से देगा लेकिन अब तो तू एक ही लेके आया है ठेका लिया तीन का लेके आ गया एक कौन बोली बुद्धिमती बोली ठेका ओका वाला बात नहीं बोली एक जनरल बात बोली कि पहले तो तू मुझे तीन दिया अब जो है एक ही बाग लेके आया है विश्वासघात करता है तू तू क्या करता है विश्वासघात करता है तू चीटिंग करता है जय सिकरे के साथ तू क्या कर रहा है चीटिंग कर रहा है अब देखिए ये क्यों बोली समझिए बुद्धिमती अब बुद्धिमती बोली सियार को कि पहले तू मुझे तीन भाग का ऑर्डर लिया तीन दिया जोमेटो है और अब जो है तू एक लेके आया दो कहाँ है बे तो को मन में लग गया कि ओ मतलब जो है, ये चलाकी के थ्रू हमको यहाँ पे लाया है ठीक है तो इससे देखिए क्या काम हो जाता है इतु धाविता तुरनम व्याघ भयंकरा और इसी तरह ये कहते हुए भी मतलब कहते ही हुए मतलब ये बात कहते ही हुए जो ब्याघ्रमारी थी यानी कि बुद्धिमती थी वह क्या हो गई तो उसके तरफ शेर और सीआर के तरफ दौड़ी ब्यागरोपी सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगाल का तो व्यागरोपी अब फिर तोड़ तोड़ के अब अब खुद से पड़ी अब आखिरी दौर चला सब का मतलब बता चुके ब्यागरोपी का मतलब ब्या, सहसा मतलब अचानक क्या हुआ नष्ट मतलब भाग गया गलवधा श्रृंगाल का गले में बंधा श्रृंगाल को यानी सियार को लेकर ही भाग गया तो देखिए बाघ जो है सियार को लेकर इसलिए नहीं भागा कि सियार को बचाना चाहता था सियार को इसलिए लेकर भागा क्योंकि वो तो खुद डरा हुआ तो, तो उसको होश ही नहीं था कि उसके गले में जो है कोई बंधा हुआ है ठीक और आगे चल कहानी क्या हुआ होगा सियार घंसटा रहा होगा आप खुद समझिए कि इसकी हालत कैसी हुई होगी अब आयुष्मान कार्ड इसके पास नहीं इलाज करा है ठीक है इसकी हालत कैसी हुई होगी बहुत खराब हुई होगी तो सियार ज़्यादा चलाकी मार रहा था अपने इसको तीन नंबर गियर में परेशानी हो गया ठीक है ओवर स्मार्ट बन रहा था एवं प्राकिरीन मतलब इस बात से इस कहानी से बुद्धिमती व्याघराजात व्यात पुनरअपि यानी बुद्धिमती बाघ के भय से पुनरअपि यानी कि फिर दोबारा मुक्ता भवदत्त यानी हाँ ये अयोग बा इसको उच्चारण नहीं करते मुक्ता भवत अब आप कहेंगे सर संधि में तो आप बोले को उच्चारण करके रखो इसलिए बोले कि मुक्ता भवत मुँह से ही रहेगा अन्योड पी अन्योपी तो ये छूट जाएगा लिखना इसलिए ठीक हम आपके बारे में सोच के बोलते हैं जो भी चीज़ बोलते हैं तो मुक्त मुक्त हो गई अतएव उचित बुद्धि बलबती तन भी सर्व कार्य सुसदा अत एव उच्यते इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि बलवती यानी बुद्धि क्या होता है सबसे ज़्यादा बलवान होता है तनवी सर्व कार्य यानी कि सभी कामों में बुद्धि जो है सबसे ज्यादा बलवान होता है अगर बुद्धि लगाएंगे तो सारा का सारा काम जो है निकल जाएगा ठीक है तो चलिए तो आज जो है ये बिजली जो है ये अपना बुद्धि लगा दी और काफी ज्यादा दिक्कत देने का काम किया हर दो मिनट पे लाइन कट जा रहा है ठीक अब आप कहेंगे सर लाइन क्यों कट जा रहा है ये भी बता दीजिए तो बता देते देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जो है वो लगने का काम हो रहा है तो बार बार चेक कट चेक कट ठीक है तो उसी की वजह से लाइन कट जा रहा है और मेरे पास कोई स्टप्लाइजर नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना तो रिस्के पे ही खोले हुए हैं ठीक कहीं उड़ उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा ऐसे गारंटी में टेंशन नहीं है इसलिए नहीं है कि गारंटी में है इसलिए नहीं अब गारंटी में भी रहता है खराब हो जाता है तो कितना परेशानी होता है लेकिन आप लोग का आशीर्वाद दुआ है कोई दिक्कत नहीं होगा तो कहानी जो है यहाँ तक पहुँचा ठीक है तो कहानी में क्या था कि फिर से एक बार समरी बता देते हैं कि एक राज सिंह नाम का राजकुमार था जो देवल नाम के गांव में रहता था बुद्धिमती उसकी पत्नी थी जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जा रही थी रास्ते में एक बाघ मिल गया बाघ को देखते ही बुद्धिमती ने अपने पुत्रों को चाटी मारी कही एक एक क्यों खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो आगे चल के दूसरा दिला देंगे अभी जो है उसी में काम चला ले बेटा ठीक है आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है माल ठीक तो अब है बाघ जो है ये बात जाके सियार को बोल दिया आ, मतलब सियार जो बाघ को देखा कि महाराज क्या बात है क्यों डरे उड़े हुए हो सियार को सारा कहानी पता चला फिर सियार को पता चली गया कोई चलाक स्त्री है सियार बाग को मोटिवेशन वगैरह देके फिर वहाँ लाया फिर बुद्धिमती ने सियार को बोला कि पहले तू मुझको तीन दिया अब कह रहा है कि एके लेके आया है ये क्या बात है जी तो बागी सुन के भाग गया उसको लगा कि सियार उसको प्लान के तहत यहाँ पर फंसा के लाया है और इसीलिए कहा गया कि बुद्धि जो है सभी कार्य में बलवान होती है ठीक है और सियार जैसा कोई ओवर स्मार्ट बनता है तो उसका भी हाल बुरा होता है ठीक है क्या हाल है जनाब का चैप्टर का नाम ध्यान से देखिए जननी तुले बदसला अब देखिए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ तो जननी तुल्य वत्सला का मतलब क्या होता है जननी का मतलब होता है मां और यहां पर वत्सला जो शब्द है इसका मतलब हुआ ममता प्रेम मोहब्बत प्यार यानी कि यह चैप्टर यह बताना चाहता है लेखक आपको हमको यानी कि सभी को यह बताना चाहते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि दुनिया में मां की तो संख्या आप देखी रहे हर जगह मां है यानी दुनिया में जितनी भी मां है किसी के एक बच्चे हैं दो बच्चे हैं तीन बच्चे हैं चार बच्चे हैं लेकिन माँ का जो ममता होता है सभी बच्चों के लिए एकदम एक, एक तुल्य होता है मतलब कि एकदम बराबर होता है अगर किसी माँ के चार बच्चे हैं तो पहला बच्चा से भी उतना ही प्यार करती है जितना दूसरे से तीसरे से चौथे से यानी माँ का जो ममता होता है वो सभी बच्चों के लिए एक समान होता है आप भी तीन चार भाई बहन होंगे आपकी भी माँ होगी सभी से उतना ही प्रेम करती होंगी जितना आपसे करती है लेकिन इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो कमजोर पुत्र होते हैं जो कमजोर होते हैं दुर्बल होते हैं उनमें थोड़ा सा मां का अधिक ममता रहता है यही यह चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है ठीक है चलिए तो अब जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे ढंग से आपको बताते हैं और जो नए बच्चे हैं आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है संस्कृत का सारा वीडियो जीरो लेवल से अपलोड है और आपके सेशन का धीरे धीरे अपलोड हो रहा है ठीक है तो एकदम जो जो टॉपिक में दिक्कत है क्लासेस कीजिएगा और अपना बोर्ड में फुल स्कोर कर लीजिएगा ठीक एकदम हो जाएगा अब देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको समरी बता देते हैं कि ये चैप्टर में है क्या फिर डिटेल में आपको पढ़ाएंगे तो इस चैप्टर में एक किसान रहता है जो अपने दो बैलों से खेत की जुताई करता रहता है एक जो है बैल इसमें से कमज़ोर रहता है वो चलने में फिरने में उसको दिक्कत होता है खेत जोतने में तो वो गिर जाता है फिर भी किसान उसको बहुत मारता है पीटता है अब यह देखकर सभी गायों की माता होती है मतलब बैलों की माता कौन होती है गाय होती है तो गाय जो है एक माता सुरभि होंगी जिन गाय का नाम है माता सुरभि वह रोने लगती है ठीक है कि ये बैल को मारा जा रहा है मेरे पुत्र को मारा जा रहा है तो भगवान इंद्र प्रकट होते हैं फिर पूछते हैं क्यों रो रही हो तो वो बताती हैं फिर बारिश हो जाता है फिर किसान अपने घर चल जाता है इस बैल को भी आराम मिल जाता है ठीक और आप देखेंगे कि इसी से पता चलता है कि माता सुरभि के तो सभी बहुत सारे पुत्र हैं यानी बहुत सारे बैल पुत्र हैं लेकिन इसी के मतलब कष्ट में माता को क्यों कष्ट हुआ तो वही कहानी में बताया जाएगा कि जो दुर्बल पुत्र होते हैं जो कमज़ोर बच्चे होते हैं माँ के उनमें माँ थोड़ा सा अधिक प्रेम दिखाती है हालाँकि माँ सभी बच्चों से एक बराबर ही प्रेम यानी कि ममता प्यार मोहब्बत करती है तो यह तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ इसको देखकर घबराना नहीं कि सर इसमें ये बैल कहाँ से आ गया किसान कहाँ से आ गया एक बेसिक समझ आपका हो गया अब कहानी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा ढंग से पता चलेगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह जो है ये तो इंट्रोडक्शन है मतलब एक समरी टाइप का बताया हुआ है जो आपको अभी बताएं और इसी में इसको कवर है तो इसको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो समरी आप समझ गए अब जो है लाइन बाय लाइन आपको जो है चैप्टर पढ़ाते हैं और एक बात का ध्यान में रखिए आप में से जो भी स्टूडेंट है, है एक बात जान लीजिए कि चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं डिटेल में इसलिए क्योंकि डिटेल में जब तक नहीं पढ़ेंगे आप क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं बनेगा पर्यायवाची विलोम में आपको हमेशा दिक्कत होगा अभी देखिए आपको बताएंगे कि चैप्टर पढ़ने से कैसे पर्यायवाची विलोम बनता है ठीक है घटनाक्रम में आपको दिक्कत होगा सर कैसे दिक्कत होगा घटनाक्रम में तो आप जब चैप्टर का लाइन ही नहीं देखे रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन लाइन किसके ऊपर है नीचे है तो घटनाक्रम कैसे आप कर पाएंगे ठीक इसलिए डिटेल में पढ़ा रहे हैं ठीक है तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे कि सर पाँच मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो पाँच मिनट में पढ़ाने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा वो भी पाँच मिनट आपका बर्बाद हो जाएगा इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए डिटेल वाला ये वीडियो है तो एकदम अच्छे ढंग से देखिए डिटेल में पढ़िए थोड़ा एक घंटा ज़्यादा ही लगेगा लेकिन वह फ़ायदा कर देगा आपको ठीक और अल्टीमेटली पढ़ने के लिए ही तो बोल रहे हैं जी सर अब सब बच्चे समझ गए होंगे जी सर इसीलिए डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो ओवरव्यू समरी क्या है वो आपको बता चुके हैं अब कहानी स्टार्ट करते हैं तो कहानी है कि कश्चित कृषिका तो कश्चित का मतलब हो गया कोई कृषिका का मतलब हो गया किसान वल्ली वर्धाभ्यायाम यानी कि अपने बैलों से दो बैलों से अब यहीं पे क्वेश्चन उठता है कि सर आपको कैसे पता चल गया कि दो बैल से हमको पता ही नहीं चल रहा है देखिए भ्याम लिखा हुआ है आप शब्द रूप पढ़े होंगे बालक शब्द रूप तो आप देखते होंगे कि बाल काभ्यायाम दुई वचन के लिस्ट में आता है तो भयाम जो है बीच में आता है दुई बचन यानी ठो बालक तो बल्ली भरदा भयाम यानी ठो बैल क्षेत्र कर्षनम तो क्षेत्र कर्षनम का मतलब हो गया खेत की जुताई सर कैसे तो क्षेत्र का मतलब हो गया यह जो खेत है वो और कर्षनम मतलब होता है जुताई करना तो खेत का जुताई गांव में आप देखे होंगे हल पे होता है हल मतलब वो जो एक हल चलता है वो होता है आप देखे होंगे ठीक है प्लाउजिंग कहते हैं जी सर इंग्लिश में बताइएगा तो खेतों की क्या कर रहा था तो जुताई कर रहा था ठीक अब आप कहेंगे सर ये सबका तो वर्ड मीनिंग पता चल गया सर आपको कैसे पता चला कहाँ लिखा हुआ था तो देखिए यहाँ पर संधि हो चुका है ठीक ये एक ही वर्ड को हम डिटेल में बता रहे हैं बाकी वर्ड जो है आप संधि बोलेंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा देखिए कुरबन यहाँ पर अलग है और यहीं पे आशित है वो तारक मेहता वाला भुतनी वाला आशित नहीं ये जो है अलग आशित है तो ई आशित का मतलब हुआ था ठीक था हुआ ठीक है था यानी वाज ठीक और यही जो है दीर्घ संधि हो के बन जाता है अ प्लस आ विद्यालय वाला बताए थे जी सर यही बन जाता है कुरबान कुर्वा, कर्बान आशित अच्छा सर ये बात है हाँ तो कर रहा था ठीक है कर रहा था ये आप समझे तो इसका मतलब हो गया कि कर रहा था तो अब जो है आगे ऐसे वर्ड में जहां भी बोले कि संधि हो रहा है तो समझ जाएगा कि यही सब खेल है ठीक और जो है शब्द शब्द बोल रहे हैं वर्ड मीनिंग सब जो है यहां पर ध्यान में रखिएगा जितना सेम उसी बुक में दिया हुआ है उसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जैसे बल्ली भरदा व्याम तो दो बैलों से क्षेत्र कर्षणम तो खेतों की जुताई तो देखिए एक आपको बताते हैं आजकल क्या हो गया क्लासरूम पैटर्न ही बदल गया है आजकल क्या हो गया कि आइए पाँच मिनट में पढ़ाइए और जाइए अब फटाफट बोलिए दो किसान खेत से बैल उससे नहीं होता है किन्हीं को लगे कि लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है तो ये यही पैटर्न ही है पढ़ने का कि एक चीज़ को दो बार तीन बार बोलेंगे तो दिमाग में बैठा रहता है ठीक है लेकिन आजकल ये ऑनलाइन आने के बाद टेक्नोलॉजी ही बदल गया है जो गलत है आजकल क्या हो गया कि एग्ज़ाम होता है तो एक रात पहले स्कूल में एग्जाम है तो एक रात पहले वीडियो देख के चले गए फिर वो भूल गए तो पढ़ाई दिमाग में रहेगा तभी जाके आप का फ़ायदा होगा तभी जाके आप आगे आई आई टी नीट में चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे वहाँ तो बहुत कुछ पढ़ना है इसीलिए बोले कि आराम से पढ़िए तो बल्ली वर्दा व्यायाम यानी कि दो बैलों से क्षेत्र कर्शन यानी खेत की जुताई जब एन मतलब तीव्र गति से फुल स्पीड तो देने न मतलब कष्ट देने से नूदन मतलब धकेलता हुआ ठीक बताएंगे आपको अभी हल मुडवा मतलब हल उठाकर पपाता का मतलब गिर गया कृषि बल्ला का मतलब किसान उत्या था का मतलब हुआ उठाने के लिए तो ये आपका हो गया रिवीजन तो कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था तयो मतलब उनमें से वल्ली वल्लीवर्दे यानी कि बैल तयो का मतलब यहां पर हो गया उन दोनों में से दो बैल था इसलिए उन दोनों में से कौन दोनों में से तो वल्लीवर्देव यानी कि बैल में से एक यानी कि एक शरीर यानी कि शरीर से सर कैसे पता चला शरीर से शरीर में क्यों नहीं होगा तो यही आपको अनुवाद में कारक में बताएं ठीक है इसीलिए आप कोई भी वीडियो देखिएगा तो उसमें बताते हैं कि अनुवाद पे पकड़ होगा तभी जाके सब चीज़ आपको समझ में आएगा अनुवाद में आपको बताए हैं कारक का अनुवाद में कि से लगा रहता है यानी करण कारक तृतीया विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से तृतीया बालकेन शरीरेन इसलिए से ठीक इसलिए नोट में यहां पर से कि शरीर से क्या था तो दुर्बल यानी कि दुर्बल था जबेन जबेन का मतलब हो गया वही तेज गति से चलने में गंतुम यानी वही तेज गति से चलने में गंतुम अशक्त आसित यहां पर देखिए वही है अ यहां पर क्या है गंतुम अशक्त यहाँ पर वही संधि टूटेगा आसित अलग हो जाएगा यहाँ पर तीन शब्द है ठीक है तो यहाँ पर जो है वही ध्यान रखिएगा कि संधि वाला है लेकिन उतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है यहाँ पर यह हो गया कि तीव्र गति से गंतुम यानी कि चलने में क्या था तो यहाँ पर असमर्थ था यानी कि अनकैपेबल था ठीक इंग्लिश भी बोलते ताकि आपको और अच्छा ढंग से समझ में आए कि वह चलने में क्या था असमर्था मतलब चल नहीं पा रहा था अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर वो क्यों नहीं चल पा रहा था तो वह इसलिए नहीं चल पा रहा था क्योंकि वह क्या था शरीर से बहुत ज्यादा दुर्बल था अब आगे बढ़ते हैं चलिए तो क्या आपको बताएं कि एक शरीर से क्या था दुर्बल था कमजोर था तो जबेन ठीक यहां पर क्या है तीन शब्द है कि वह असमर्थ था चलने में कि वह तेजी से चलने में जबेन का मतलब हो गया तीव्र गति से यानी कि तेजी से चलने में क्या था कि यहां पर असक्त यानी कि असमर्थ था वह तेजी से नहीं चल सकता था क्योंकि वह दुर्बल था कमजोर था ठीक डिटेल में यहाँ पर करते तो टाइम लग जाता और कन्फ्यूजन भी हो जाता बस इतना ही आपको जानना है अत कृषि का तम दुर्बलम वृषभम तोदने नुदना अवतरता ठीक है अत अब वो चलने में असमर्थ था चल नहीं पा रहा था ठीक से अतः तब क्या हुआ कृषि का यानी कि किसान तम दुर्बलमृषभम यानी कि उस दुर्बलम मतलब कमजोर वृषभम का मतलब हुआ बैल तो आप कहेंगे सर अभी आप बताए कि बल्ली वर्धा व्यायाम का मतलब बल्ली वर्देव का मतलब हुआ बैल यहाँ सर वृषभम का भी मतलब बैल बिल्कुल वृषभम का मतलब क्या हो गया बैल हो गया ठीक है जी सर तो अतः कृषि का यानी कि अतः किसान जो था तब तो मतलब कि उस दुर्बलम वृषभम यानी कि दुर्बल बैल को तोदने नूदन क्या लिखा हुआ नूदन अवतरता यानी कि तोदनेन यानी कि डंडे से हाँकने का क्या कर रहा था प्रयास कर रहा था ठीक तो सर ये डंडे से हाँकने का प्रयास कर रहा था मतलब तो आप देखेंगे अगर आप गांव में होंगे या गांव में कभी गए होंगे गांव से आपका रिलेशन होगा या बचपन में आप देखे होंगे कि गांव में एक टायर होता है यानी कि जिसको बैलगाड़ी गाड़ी बोलते हैं बिहार में हम सब उसको टायर बोलते हैं तो आप देखेंगे बैल धीरे 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 चलता रहता है जी सर तो जो चलाने वाला है उसको पता चल जाता है कि बैल जो है आलस कर रहा है आप सभी कहता रोज स्ट्रैटी बना रहा है फेल कर रहा है स्ट्रैटजी ठीक है फिर कल हो के नया स्ट्रेटजी जबकि सिर्फ पढ़ते जाइए स्ट्रेटजी की कोई ज़रूरत नहीं तो बैल को ऐसे 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 शट बस बैल एक किलोमीटर तक, तक एकदम तगड़ा तक भागता है ठीक यस सर तो वही काम ये किसान कर रहा था कि बैल भागे लेकिन वह तो पूरी तरीके से कमजोर था वो तो भाग नहीं सकता था सहऋष यानी कि वह सह का मतलब हो गया वह अनुवाद में बताएं इसीलिए बोले कि अनुवाद का लेक्चर देखिए उस पर पकड़ बनाइए ठीक स मतलब वह रिसभा का मतलब हो गया बैल सर रिसभ रिसभ का भी मतलब सर बैल रिसभ तो सर मेरा नाम है तो रिश्वा का मतलब होता है बैल आपको नहीं कह रहे हैं ठीक यह यहाँ पर रिश्वा का मतलब हुआ बैल अब देखिए आप लोग का जो एक क्वेरी रहता है व्हाट्सएप पे तो हमको लगता है कि इस टाइप का एक सेशन में हज़ार मैसेज से कम नहीं आता होगा सर आपको हज़ार मैसेज आ जाता है आपको किसी दिन मैसेज दिखाएंगे नंबर तो एकदम आउट है तो इतना सारे स्टूडेंट हैं तो सब मैसेज करते हैं कि सर हमको जो है ना चैप्टर का पर्यायवाची विलोम सर बनता ही नहीं है बनता ही नहीं है तो आप हिंदी वाला बुक पढ़ के चले जाइएगा तो कभी नहीं बनेगा इसीलिए बोले एन से डिटेल से पढ़िए ठीक है ऋषभा का मतलब बैल वृषभ का मतलब बैल बल्लीवर्द्यों का मतलब बैल वल्लीवरदाभ्याम का भी मतलब यहाँ पर बैल है तो यही बोर्ड एग्जाम में देगा कि वृषभम पर्याय शब्द अत्र किम प्रयुक्तम यानी वृष्वम के जगह अत्र मतलब कि यहाँ पर किम मतलब क्या प्रयुक्तम मतलब यूज किया गया है तो जो इस चैप्टर को पढ़ के गया रहेगा वही लिख पाएगा कि रिसभ प्रयुक्त किया गया है ठीक ये पिछले बार भी क्वेश्चन था यह उससे भी पिछले बार क्वेश्चन था अगर जननी वत्सला से क्वेश्चन आंसर पूछा तो निश्चित तौर पे पर्यायवाची में यही पूछता है अब हिंदी वाला बुक आप पढ़ के गए रहेंगे जो मार्केट में मिलता है जिसमें नीचे हिंदी लिखा रहता है या ऐसा वीडियो आप देख के एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में बैठ जाएंगे जिंदगी का पहला एग्जाम होता है माता पिता इतना खर्चा करके अभी तक आपको पढ़ाए हैं और वन शॉट देख के आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कितना गर्व की बात है यस सर कि पूरा अच्छा ढंग से मन लगा कर पढ़ना है सर मन लगा कर पढ़ना है बुरा लग गया होगा तो माफ़ी चाहते हैं लेकिन आप दिल पे हाथ रख के कहिएगा अच्छा लग रहा है जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी नहीं सर अच्छा तो नहीं लग रहा है पढ़िए अभी भी टाइम नहीं अभी भी मन लगाइए पढ़िए संस्कृत को या कोई भी सब्जेक्ट हो ठीक अब जो हिंदी पढ़ के गया रहेगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि शरीर एन होगा कभी कभी ई भर देते हैं कि कुछ भर देते हैं ठीक है और कोई भाषिक कार्य में एमसीक्यू इस बार मिलेगा नहीं हर बार पैटर्न चेंज होता है इस बार तो एमसीक्यू है नहीं तो जो पढ़ के गया रहेगा वो तुरंत फटाक से गया रहे। हम बुक में भी पढ़े थे सर भी बताए थे रिश्वत दिया हुआ है तो बृष्व मारते हैं और रिश्वत दिया हुआ है तो रिश्वत मारते इसीलिए पढ़ाए ठीक है इसीलिए बोले कि ये चैप्टर पढ़ने से ही नहीं हो रहा है कि सिर्फ चैप्टर ही आ रहा है कहानी अगर पढ़ के जाना रहता तो बुक से पढ़ के चले जाते कहानी थोड़ी ना पूछेगा उससे कंटेंट पूछेगा वो तभी कंटेंट आएगा जब चैप्टर में मेहनत होगा ठीक सह रिश्वत यानी कि वह बैल हल मुडवा गंतु मस्कत क्षेत्रे प पाता और हल मुडवा यानी कि हल को उठाकर गंतु मस्कत वही चीज़ यहाँ आ गया कि चलने में असमर्थ था तो क्षेत्र यानी कि क्षेत्र में क्या कर गया पपात यानी कि गिर गया ठीक क्रोधा कृषि बल्ला किसान जो है क्रोधित हो गया जी सर क्रोधित हो गया तमयु था पयु तुम करोत अभी आपको बताए हैं कि इसका तमु देखिए यहाँ पर उठा तुम मतलब उठाने के लिए और यहाँ पर आगे में क्या जुड़ा हुआ है तम जुड़ा हुआ यानी कि उसको उठाने के लिए ठीक है तम मतलब यहाँ पर उसको उठाने के लिए बहुबार हम यत्न मन करोत यानी कि बहुत बार क्या किया या मतलब कि प्रयास किया लेकिन वह बैल फिर भी नहीं उठा जो अगला लाइन में लिखा हुआ कि तथापि वृष नोत नोती था, था। यानी कि वह बैल जो है नहीं उठा तो यहां पर वृष का भी मतलब क्या हो जाता है बाबू बैल हो जाता है ठीक तो यहां तक आपको बताए तो कहानी कहाँ तक पहुंची कि एक किसान था अपने दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था एक उसमें कमजोर था जो गिर गया किसान उसको बहुत मारा पीटा लेकिन वह उठने को तैयार नहीं था ठीक है क्योंकि वह कमजोर अब कहानी में दूसरा पार्ट आगे चलते हैं। अब देखिए यह सिचुएशन हुआ तो भूमो यानी कि भूमि पर पतितम स्वपुत्रु नाम मातु सुरभे नेत्राभ्याम आश्रूनी आविरासन। भूमो पतितम यानी कि भूमि पर पतितम यानी गिरे हुए स्वपुत्र यानी अपने पुत्र को दृष्टवा देखकर सर्वधेनु नाम धेनु शब्द रूप याद किए होंगे नहीं किए होंगे बहुत बढ़िया गर्व की बात है सर नहीं करना चाहिए ठीक बालक लता फल तो मिनिमम है ना जी सर तब खुशी की बात है ठीक चलिए भूमो पतितम यानी कि भूमि पर पतितम यानी कि गिरे हुए स्वपुत्रम यानी कि अपने पुत्र को दृष्ट यानी कि देखकर सर्व मतलब सभी धेनु नाम धेनु नाम का मतलब हुआ गायो मातु यानी गायो की माता सुरभे यानी कि सुरभि नेत्राभ्याम आश्रूणी यहां पर भी वही आ वाला संधि हुआ वा। है नेत्राभ्याम मतलब हुआ नेत्रों में और आश्रूनी का मतलब हुआ यहां पर नेत्राभ्याम आश्रूनी का मतलब हुआ आंसू आविरासन यानी कि गिरने लगे ठीक है तो कोई भी माँ है अगर आप ही को कोई कष्ट होगा तो माता तो रोने लगेगी तो पतितम स्वपुत्र यानी कि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्रों को देखकर सभी गायों की जो माता थी सभी गायों की माता सुर माता ठीक आपको पता होगा बैल हो गाय हो उसका माँ जो है गाय ही होती है ठीक है गाय माता तो गाय माता जो है जिनका नाम सुरभि है वह रोने लगी सुरभे सुरभे सुरभेरी माम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिप ताम परीक्षित सुभे सुरभि इसका मतलब हुआ सुरभि की अवस्था को देखकर फिर वही संधि हुआ, हुआ हुआ है वही कुर्बानासित वाला अवस्था को देखकर यानी सुरभि के इस सिचुएशन को देखकर दृश्य यानी कि देखकर सुराधिप यानी सुराधिप का मतलब हो गया भगवान इंद्र इंद्र को कहा गया भगवान इंद्र को कहा गया ताम उनसे पूछा किनसे तो माता सुरभि से कि अई शुभ यानी हे शुभ लक्षणों वाली तो ऐसा क्यों कहा भगवान इंद्र ने तो आपको पता होगा कि हम लोगों के संस्कृति में कल्चर में हिंदू धर्म में गाय माता जो होती है उनको बड़ा शुभ माना गया है ठीक है गाय को शुभ माना गया है ठीक पूजा किया जाता है उनका तो वही भगवान इंद्र कहे कि तुम तो शुभ लक्षणों वाली हो तुम तो अच्छी हो लकी हो शुभ लक्षणों वाली हो ऐ शुभ कि मेवम रोदसी क्यों रो रही हो उच्चेताम इति उच्चेताम मतलब बोले इति का मतलब हो गया कि कोई भी स्टेटमेंट संस्कृत में या डायलॉग वगैरह बोला जाता है कोई भी स्टेटमेंट या कोई कथन हो गया बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो रहा है कोई भी स्टेटमेंट कोई दे रहा है तो उसके बाद इति लग जाता है साच यानी कि भगवान इंद्र बोले अब मतलब बोले अब उसके बाद साच सा का मतलब हो गया वह स्त्रीलिंग में अनुवाद में आपको बताएं अब माता सुर भी क्या बोलती है वो आगे पढ़ते हैं पढ़ाएंगे आपको अभी इसका मतलब क्या हो गया कि जैसी माता ने देखा कि मेरा जो पुत्र है बैल एक गिर चुका है तो माता को जो है आंसू आ गया आंसू देख भगवान सूराधिप यानी कि भगवान इंद्र पूछते हैं क्या पूछते हैं आगे मतलब पूछते हैं तो क्या माता सुरभि बोलती है आगे आपको पढ़ाते हैं तो ये तो आपका शब्दार्थ था अब देखिए कुछ शब्दार्थ यहाँ से याद कीजिए देखिए कहाँ गया हाँ देखिए अश्रूणी का मतलब हुआ ये तो आपको बता दिए आंसू यहाँ तक पढ़ा दिए हैं देखिए आगे यहाँ से आएगा वासव का भी मतलब होता है इंद्र तो यही आपको पूछेगा कि सूराधीपा का मतलब क्या हुआ तो अभी आपको याद हो गया वासवा क्रिस्क्रेन का मतलब होता है कठिनाई से उसके बाद धुरम का मतलब होता है कि धुरम का मतलब आपको बताते हैं जैसे आप गांव में देखते होंगे यहाँ फोटो भी दिया हुआ है ठीक है ध्यान से देखिए अभी वर्ड मीनिंग आपको बता रहे हैं यह जो दो बैलों के ऊपर रखा जाता है ठीक है दो बैल रहते हैं जैसे एक के कंधों पर ये वाला है एक के कंधे पे वो डंटा जो ऐसे रखा जाता है बैलगाड़ी में उसको कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं धुरम उसको यहाँ पर कहते हैं चलिए चलिए वो हो गया उसके बाद बोडूम का मतलब हुआ ढोने के लिए प्रत्योबोचत बोचत का मतलब होता है जवाब दिया नूनम का मतलब निश्चय ही एक बहुत इंपॉर्टेंट अव्यय भी है सहस्त्रम का मतलब हुआ हजार वात्सल्यम का मतलब होता है वात्सल्य प्रेम भाव ममता और अपत्यानी का मतलब होता है संतान चिल्ड्रन ठीक अब चलिए अब माता सूर भी बोलती है क्या बोलती है सुन सुनिए ध्यान से एक ये श्लोक के माध्यम से बोलती है कि बिनी पातो न वह कश्चित दृश्य त्रि दशाधिप अहम तु पुत्रम सोचा तेन रोद कौसिका यानी यानि कि माता सुरभि बोलती है कि बिनी पातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप तो देखिए श्लोक में क्या होता है कि शुरू से मतलब नहीं बताया जाता है श्लोक का मतलब हो गया एक प्रकार का आप मॉडर्न फॉर्म में रील के जमाने में शायरी बोल सकते हैं तो उसका मतलब कहना कुछ और चाहता है मतलब कोई और रहता है तो माता सूर्वी बोलती है कि हे त्रिदशाधिप माता सूर्वी क्या बोलती है कि हे त्रिदशाधिप त्रिदशाधिपा का मतलब हो गया है? इंद्र इंद्र भगवान को कहा गया है तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि इंद्र भगवान को त्रिदशाधिपा भी कहा गया है यहाँ पर सूरा सूराधिपा भी कहा गया है तो यही होता है अब ये पैसेज देगा बाबू तो इसमें से पर्यायवाची क्या पूछेगा कि सूरी सूरा अधिपा का पर्यायवाची क्या है तो आप फट से पैसेज दिया रहेगा उसमें पकड़ लेंगे रटना भी नहीं आप क्योंकि सी बी एस सी अंकल है आपको पैसे दे के क्वेश्चन आंसर पूछता है ठीक तो एक बार अभी पढ़े हुए तो वो दिमाग पे एग्जाम का प्रेशर रहता है तुरंत आप रिकॉल कर पाएंगे कि नहीं नहीं सर फोकस होकर ये बताए थे इस पर गौर करके बताए थे कि श्लोक है इसका मतलब ऐसे समझना है यही आंसर होगा ठीक अब आप बताइए हिंदी पढ़ के आप जाएंगे एक्सप्लेनेशन बुक से क्या आप लिख पाएंगे पर्यायवाची नहीं लिख पाएंगे तो आपका मैसेज रहता है कि सर हमको पर्यायवाची नहीं आता इसका कुछ बता दीजिए तो अब उस पर क्या काम करें तो आपका क्या कर रहे हैं आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं तो काम तो कर रहे हैं तो आपका तो समस्या का समाधान ही कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तब जो है आप लोग आलस मत कीजिएगा कि सर पाँच मिनट में ही चैप्टर बताइए ठीक है आराम से पढ़िए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है तो त्रिदशाधिप यानी कि हे इंद्र दृश्यते देख रहे हैं कस्टिद व, व न पा तो वह मतलब हुआ उसका ठीक है ये तो बहुत पुराना शब्द है अब तो इसका यूज भी नहीं किया जाता है उसका विनी पातो यानी कि इसका मतलब हुआ सहायक कोई भी सहायक नहीं है ये लाइन जो है माता सुर भी बोलती है कंफ्यूज हो गए। फिर से सुनिए हे त्रिदशाधिप श्लोक है इसका मतलब पहले बाद में रहता है शब्द इधर उधर रहता है मैं जिसे चाहता हूँ वो पानी है तो ऐसा थोड़ी कि पानी को कह रहा है वो किसी और को कह रहा है ठीक है वही है श्लोक है हे तराधि यानी कि हे इंद्र दृश्यते देख नहीं रहे कश्चिद कोई वह wow, यानी कि उसे न सहायक यानी कोई उसका सहायक नहीं है कोई भी नहीं बातों नहीं यानी कि कोई सहायक नहीं अहम यानी कि मैं तू मतलब तो पुत्र यानी कि पुत्र सोचामी मतलब सोचकर तेन रोदमी गौसीगा उसे देख कर क्या कर रही हूँ तो रो रही हूँ ये भगवान इंद्र पूछे तो ये माता सुरभि ने ये बात कहा चलिए तो आगे स्टार्ट करते तो यहाँ पर क्या बोले तीन रोदमी कौशिका यानी कि उस कारण रोद रो रही हूँ हे कौशिक तो कौशिका का मतलब कौशिक भी भगवान इंद्र को ही कहा गया तो सर इतना भाषा का इस्तेमाल कर दिया गया मतलब इतना नाम तो यही तो अपने यहाँ के संस्कृति है मतलब कल्चर है वो हम बताना चाह रहे हैं ठीक है कि आपका तो मनिका बुक नहीं है उसमें पढ़इएगा ठीक पहले होता था तो उसमें जितना था महाभारत का चैप्टर था तो सम्मानजनक होता है किसी भी व्यक्ति के उसके गुण से जो है उसको पुकारा जाता था कि उसके पास क्या गुण है ठीक है उस नाम से ठीक आजकल का जो छपड़ी जनरेशन मतलब कि जनरेशन नहीं कहेंगे क्योंकि हम देखते हैं बहुत बच्चा है जो अच्छा से सभ्य की तरह बात करता है लेकिन कभी कभी देखते हैं कि कहीं पे उसका फ़ोन कॉल से बात करता रहता है तो अजब भाषा में बात करता रहता है एक बच्चा मेरे घर के बगल का है हम उसको चिन्हते हैं तो अच्छा से बोलता है सर ये है वो है भाई जी भाई जी अब देखते मोबाइल में गेम खेलता है तो बोलता है अरे अड़ी अब यार क्या काट लिया गंदा वाली इसको मार तो वही हम कहें कि ऐसी भाषा पहले नहीं हुआ करती थी ठीक इसको लोग लोग हिंदी कहते हैं सब हिंदी भाषा है नहीं है तो देखिएगा त्रिदशा दीपक भगवान इंद्र को ही कहा गया क्यों तीनों दशाओं के स्वामी है भगवान इंद्र ठीक है देवताओं के राजा थे ठीक यस सर तो यही है, आप आपको पता चल गया भगवान इंद्र का पर्यायवाची पूछेगा तो कौशिक भी ऑप्शन में रहेगा तो आप क्लिक करेंगे आप कहेंगे हाँ सर ने बताया था ठीक कौशिक तो बहुत का नाम भी रहता है ये सर मेरा नाम है लेकिन पता नहीं था बताइए भो वास्वा, भो वास्वा, अब देखिए वासवा का मतलब अभी आपको बताएं कि वासवा का भी मतलब क्या हो गया भगवान इंद्र ही हो गया ठीक कि भो वास्वा और ये भो का मतलब होता है किसी को संबोधित करना किसी को एड्रेस करना तो यहाँ पर माता सुर भी एड्रेस कर रही है किसको भगवान इंद्र को तो एक्टोमेटिकली वास्बा का मतलब भगवान इंद्र हो गया ठीक है पुत्रस्य से दैनियम दृष्टि अहम रोदमी पुत्र से यानी पुत्र का दैनियम यानी कि दैनियम मतलब जो स्थिति है दृष्टवा देख कर अहम यानी कि मैं रोदमी यानी कि रो रही हूँ स यानी कि वह दीन दीन का मतलब हुआ ये वाला दिन का मतलब होता है डे और ये वाला दिन का मतलब होता है गरीब गरीब तो सर बैल के पास पैसा नहीं था फोन पे नहीं था गरीब का मतलब ये हो गया कमज़ोर वह कमज़ोर इति जानम पी इति जानपी जानन अपी यही फिर संधि हुआ यहाँ पर ठीक है फिर संधि उन्धि करने लगते हैं तो कन्फ्यूजन में आप चले जाते हैं और शब्द का डायरेक्ट बताते हैं फिर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं तो किया तो किया क्या जाए किया रे किया क्या किया गाना भी था तो जाना नपी यानी अपी का मतलब होता है भी अबे में भी आप पढ़ें इसीलिए बोल रहे कि सारा टॉपिक पढ़ लीजिएगा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब बहुत चीज़ आपको पता चल जाएगा छोटा मोटा प्रॉब्लम इसलिए छोटा मोटा डाउट है उसको इग्नोर कीजिए सह दीन इति जानपी यानी कि वह गरीब है यह जानते हुए भी कृषि का यानी किसान तम यानी उसे बहुधा बहुधा का मतलब हुआ बहुध बहुत ज़्यादा पीडियत यानी कि पीटता है सह यानी कि वह कृक्षण कृक्क्षण का मतलब है आपको बताएं कठिनाई से भारम उ दहती यहाँ पर देखिए भारम अलग हो गया और ई उ लगा हुआ है तो आपको संधि में बताएँ इसीलिए बोले कि संधि पढ़ना जरूरी है कि उ बीच में नहीं रहता है उसके जगह ये लग जाता है ठीक तो ये तो संधि का टॉपिक है भारम ऊ दहती का मतलब हुआ भार उठाने में वह कठिनाई से क्या कर रहा था मतलब कि उसको बहुत कठिनाई हो रही थी भार को उठाने में इतर में धूरम बोढ़ुम स न सकनोती और इतर मीव यानी कि दूसरों की तरह वह धूरम धूरम का मतलब वही आपको बताया कि आप देखेंगे बैल जो रहता है इस टाइप से दो बैल का कंधा रहता है इसे बीच में निकला हुआ और दोनों बैलों को जोड़ने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है उसको धूरम कहते ठीक है वह इतर मिवय यानी दूसरों की तरह धूरम बोढ़ुम यानी कि धूरम को बोढ़ुम यानी कि ढोने के लिए स यानी कि वह न सकनोती वह नहीं सक रहा था एतद भगवान पश्यति न यह आपको यानी भगवान आपको पश्यति यानी कि दिखता नहीं है यानी कि माता सुरभि जो है इंद्र भगवान को बोलती है कि हे स्वामी आप तो त्रिदशाधिप है यानी कि तीनों लोकों के भग देवों के देव हैं मतलब देवों के देव तो अपने महादेव भगवान है भोले बाबा है यानी देवताओं के राजा भगवान इंद्र थे यानी आप तो भगवान हैं आप तो स्वामी हैं क्या आपको दिखता नहीं है कि ये जो है कितना ज़्यादा मेरा पुत्र जो है कष्ट में है इति यानी कि यह प्रत्यो बोचत यानी कि यह माता सुरभि बोली अब जैसी भगवान इंद्र को माता सुरभि ये बोली भगवान इंद्र बोले भद्रे भद्रे का मतलब हुआ हे कल्याणी हे सुरभि सुरभि माता को भद्रे शब्द से यहाँ पर बुलाया गया है नूनम यानी कि निश्चय ही सह सहस्त्राधिकेशु यानी कि फिर संधि होगा सहस्त्र हो अलग हो जाएगा अधिकेशु अलग हो जाएगा वही विद्यालय वाला संधि ठीक है सहस्त्राधिकेशु का मतलब हुआ हजारों पुत्रेशु यानी कि पुत्र में सत्स्वअपी तब अश्विनव एकता दृश्यम वात्सल्यम कथम कि भद्रे नूनम यानी कि भद्रे यानी कि सुरभि माता नूनम मतलब निश्चय तो तो मतलब ही सहसत्राधिकेशु यानी कि हजारों पुत्र है हे सुरभि तुम्हारे तो हजारों पुत्र है तब मतलब कि तभी अश्विनव यानी कि इसी में एकदृश्यम यानी कि ऐसा वात्सल्यम यानी कि ममता कैसे तो भगवान इंद्र ने माता सुरभि से पूछा कि हे सुरभि तुम्हारे तो हजारों पुत्र है। हजारो पुत्र हैं हजारों कहने का मतलब है कि हजारों बैल हैं बहुत लोगों की इस तरीके से पिटाई हो रही है बहुत लोग काम कर रहे हैं कष्ट हो रहा है बैल को बैल जो है काम करता है तो आदमी ना बैल को नहीं गुदानता है गुदानता का मतलब उसका वैल्यू नहीं देता है। उसकी दर्द तकलीफ को नहीं समझता है। बैल को तो दर्द होता है वो भी तो काम करता है टायर में ऐसे तो बताए ना शट दिन मारा बस आगे बैल हो गया शुगर कैन लेके जो टायर जाता था बैलगाड़ी ईख लेकर ठीक गन्ना तो सब गन्ना पीछे से खींच लेता था यस सर याद है जी सर आप लोग अभी वो फील नहीं लिए होंगे बहुत पहले की बात है बहुत लोग लिए होंगे ठीक है जी सर तो वही है कि भगवान इंद्र तो बोलते बहुतों बैलों को कष्ट है इसी में तुम्हारे तो हज़ार पुत्र हैं हजार पुत्र है वही आपको बताया कि माता है उसके पांच पुत्र हो दस पुत्र सबसे माता उतना ही प्रेम करती है किसी से ज़्यादा कम आप नहीं कह सकते आपकी मम्मी आप तीन भाई बहन है पाँच भाई बहन है आप सबसे प्रेम करती है सबको प्यार करती है वही भगवान इंद्र पूछे कि अस्मी नेव यानी कि इसी में एता दृश्य में वात्सल्यम कथम ऐसा वात्सल्य क्यों ऐसा प्यार क्यों हे सुरभि माँ तो सबसे प्रेम करती है लेकिन इसी पुत्र के लिए तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है इति इंद्रेन पृष्ठा इति मतलब इति का मतलब फिर से बता रहे हैं यह यहां पर कह सकते वो भी ठीक नहीं होगा कोई स्टेटमेंट के बाद यह लगता है इंद्रेन पृष्ठा यानी कि इंद्र के पूछने पर इंद्रेन यानी कि इंद्र भगवान के पूछने पर सुरभि प्रत्यय बोचत यानी कि सुरभि बोली क्या बोली देखिए माता सुरभि बोली कि यदि पुत्र सहस्त्रम मे वात्सल्यम सर्वत्र समय में भगवान इंद्र को बोली माता सुरभि की यदि हजारों पुत्र है मेरे ठीक है आपने सही कहा हे स्वामी मेरे तो पुत्र सहस्त्रम यानी हजारों पुत्र है वात्सल्यम सर्वत्र समेब में वात्सल्यम यानी कि ममता जो है सर्वत्र यानी कि मे, सभी में समेब में यानी कि सभी में समेब का मतलब क्या हो गया समान इक्वल कि हे इंद्र मेरे तो हजारों पुत्र है सभी में प्रेम ममता सबसे मैं उतना ही प्यार करती हूं लेकिन दीने देव दीने देव का मतलब हो गया कि जो दीन है जो गरीब है जो कमजोर है दुर्बल है उसमें प्रकृत्याड यहाँ पर ये एन नया में चेंज किया है यहाँ पर अभ्यध्य का भी बहुत पुराना अगर आपके पास बुक होगा भैया दीदी का तो लिखा रहता है कि प्रकृत्याड इत्यादि का कृपा लेकिन यह प्रकृति का ही नेचुरली ही अधिक कृपा बनी रहती है ठीक यानी माता सुरभि इसका मतलब ये कहती है फर्स्ट लाइन में कि हे इंद्र मेरे तो बहुत सारे पुत्र हैं बहुत सारे का मतलब यहाँ पर पुत्र शास्त्र में लिखा हुआ यानी हजार पुत्र है हजारों पुत्र है सभी में वात्सल्यम प्रेम ममता एक समान है लेकिन जो दीन है जो कमजोर है उसमें प्रकृति यानी नेचुरली ही एक ये बताना चाहती है माता स्वरूप कि प्रकृतिया का मतलब यहाँ पर ये हो गया समझिए ना कि स्वाभाविक है जो कमजोर है उससे थोड़ा सा ज्यादा उसके प्रति प्रेम रहता है लगाव रहता है तो आप अपने घर में भी देखते जो होंगे जो कमजोर भाई बहन उन होंगे उनपे माता का थोड़ा सा अधिक प्रेम रहता है वो नेचुरली है वही माता स्वरूप यहाँ पर बोलती है ठीक है अब आगे लिखा हुआ है चलिए चल चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब जो है कि बहु बहुन पत्यानी में सत, संतति सत्यम बहुत अपत्यानी का मतलब हुआ यहाँ पर संतान अभी आपको वर्ड मीनिंग में बताया बहु मतलब बहुत सारे बहुत सारे संतान है ये सत्य बात है तथा पर हे मेति अस्मिन पुत्रे विशेष्य आत्मवेदा वेदाम अनुभवामी यतो तो ही अयमनभ्यो दुर्बल दुर्बल कहने का मतलब ये है कि माता सुरभि बोलती है कि मेरे तो बहुत सारे संतान है ये सत्य है लेकिन इसी में जो है मैं विशेष जो है आत्म भेद नाम यानी कि अपना जो कष्ट जो है अनुभव कर रही हूं यानी माता सुर भी जो कि यहां पर है माता सुर भी भगवान इंद्र को बोलती है कि जो बैल को कष्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा कि बैल को हो रहा है हमको हो रहा है अभी आप देखेंगे आपको चोट लगेगा तो माता जी को कष्ट होगा माता को दुख होगा वही माता सुर भी बोलती है माता सुर भी बोलती है कि सर्वेश व प तय सुजन तुलवत्सला वही बात सेम टू सेम माता सुर भी दुराती है कि सभी में जननी तुल्य बत्सला एवं मतलब कि सभी अपत्यसु यानी सभी संतानों में जननी तुल बत्सला यानी माता का प्रेम होता ही है तथापि दुर्बल सूते सूते का मतलब हो गया पुत्र जो दुर्बल है कमजोर है मातु अवैधि का कृपा सहजेब सहजेब मतलब नेचुरली निश्चित ही है उसमें थोड़ा सा अत्याधिक कृपा लगे उससे थोड़ा सा अत्याधिक प्रेम रहता है जो दुर्बल रहता है कमजोर रहता है इति स्टेटमेंट है इसलिए इति लगा सुरभि वचनम श्रुतवा सुरभि वचनम यानी सुरभि के वचन को श्रुतवा यानी कि सुनकर भ्रीषम भ्रीसम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है उचित अर्थ में भी पूछेगा भृषम का मतलब तो अत्यधिक वहाँ ऑप्शन रहेगा तो अत्यधिक मारिएगा यहां पर इतना बड़ा वर्ड है ठीक तो इसमें तोड़ तोड़ के समझाने लगे तो दसों मिनट निकल जाएगा ठीक है लेकिन क्लास कराएंगे कभी तो आपको लाइव में समझा देंगे इसका मतलब अभी ये याद रखिए इसका मतलब ये हो गया कि सुरभि के वचन को यानी माता सुरभि की बातों को सुनकर यानी कि अत्याधिक भगवान इंद्र का जो है हृदय जो है वह क्या हो गया पिघिल गया. हृदय जो है वो पिघिल गया ठीक हृदय हृदय मद्रवत यानी कि हृदय जो है द्रवत यानी कि यहाँ पर क्या हो गया द्रव्य हो गया सॉलिड लिक्विड गैस पर यानी कि लिक्विड हो गया दिल जो है भगवान इंद्र का पिघल गया सामे तामेव शांत तवायत यानी कि अब जो है वह सूर्भि माता को संतावना देते हैं गच्छावत्ते जाओ जाओ सर्वम भद्रम जाएत सबका क्या होगा तो कल्याण होगा ये भगवान इंद्र जो है माता सूरभी को बोलते हैं जैसे इंद्र जो है माता सूरभि को ये बोलते हैं अचिरा देव चंडवातेन मेघर वैश्च्य सप्रवस समाज वर्ड मीनिंग जो है एक बार देख लीजिए नहीं तो आप इसी तरह कन्फ्यूज होंगे इसलिए बोले कि सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखिए देखिए अचिरात का मतलब हुआ शीघ्र चंडवातेन का मतलब हुआ प्रचंड हवा से मेघर का वहाँ मेघर वैश्च्य मेघर वय का मतलब हुआ बादलों के गर्जन से प्रवर्षा का मतलब हुआ वर्षा जलोपलवा का मतलब हुआ पानी द्वारा तबाही ठीक तबाही का मतलब यहाँ पर जो है भर गया ठीक वो आपको हम बताएंगे यहाँ पर देखिए अचिरादेव चंडवातेन यानी शीघ्र ही तेज हवा चलने लगी मेघर वैश्य सप्रवशा समाजात और बारिश होने लगी लोका नाम पश्याम यानी देखते देखिए सर्वत्र जलो पल यानी सभी जगह जल भर गया ठीक तो भगवान इंद्र जो है यही आशीर्वाद दिए थे कि हे सुरभि तुम जाओ कल्याण होगा ठीक है देखिए किसान जो है बारिश होने पर खुश हो जाता है ठीक खेती में फायदा होता है तो अब देखिए कहानी में भगवान इंद्र के मतलब आशीर्वाद से सभी क्योंकि भगवान इंद्र मेघों के ही राजा है बादलों के ही राजा है भगवान जैसे कभी कभी गर्मी पड़ता है बारिश नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं भगवान इंद्र जल्दी वर्षा कराइए तो भगवान इंद्र जो है बोले अचिरा देव यानी शीघ्र ही चंड बातें घर वस् सौ प्रव यानी कि तेज गति से हवा चलने लगी देखते ही देखते सभी जगह जल भर गया कृषि का यानी कि किसान हर्ष हर्षती हर्षती क्या लिखा हुआ है लाइट पे दिख भी नहीं गया कृषि का हर्षती रिकन कर्सन सन नित्वा गृह कृषिक जो था किसान जो था हर्ष हर्ष यानी कि खूब ज़्यादा खुशी हो गया कृष्णा विमुख है यानी कि खेत की जुताई को छोड़कर सन भाव यानी कि भाव देखिए बालको भाव ठीक ये देखिए यहाँ से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये लास्ट चल रहा है तो लास्ट में कोशिश क्या है बेहतर पढ़ने की कि लास्ट में हम आपको यहाँ पर सिर्फ बताएं आप देखेंगे इह, पढ़ाने का टेक्निक होता है पहले जो है खूब ज़्यादा आपको एक एक चीज तोड़ तोड़ के बताया अब यहां से है आप को फिर से वही बात बताएं इफेक्टिव नहीं होगा अब आप क्या करेंगे क्लास के बाद इसको वर्ड मीनिंग के थ्रू खुद से पढ़ेंगे तब जाकर आधा काम अब इस पैराग्राफ में आधा काम हम किया आधा काम का मतलब जो जो वर्ड का मीनिंग नहीं दिया हुआ है या जो भारी भर कम वर्ड है उसी का मतलब आपको बताएं मतलब मतलब तो सब बताएं लेकिन पहले जितना डिटेल में नहीं घुसे क्यों क्यों सर नहीं घुसे इसलिए कि अब आधा काम वो आप करेंगे यही तो होमवर्क है कि आप लिख लिख के सारा चीज समझेंगे तब जाके आपका दिमाग में चैप्टर बैठेगा ठीक है चलिए तो बारिश हो रही थी तो किसान क्या हो गया खुश हो गया करसन भी मुखासन खेती को छोड़कर स सवृष्भ यानी कि वृष्भ बालको बालको मतलब बालका बालको बालक दुई बचन यहाँ भी दोनों बैलों को नित्वा गृमागत यानी कि घर को चल पड़ा घर गया इसीलिए कहा गया है कि अपत्यशु सूच सर्वेशु जननी सला सर्वेशु जननी सला माता का जो जननी का सला यानी कि जननी का जो प्रेम होता है सभी में क्या होता है सर्वेशु अपत्यसु यानी सभी संतानों में सेम टू सेम होता है लेकिन पुत्रे दीने तुषा माता कृपया ही भवेत लेकिन जो दीने दीने पुत्र हैं दीने का मतलब हो गया गरीब कमजोर दुर्बल पुत्र है पुत्र यानी कि पुत्र है उसमें तो सा माता कृपया हृदय हृदयता मतलब कि कृपा हृदयता का मतलब यहाँ पर ये हो गया हृदय का मतलब कि वही बात है कि जो कमजोर पुत्र है उसमें माता का थोड़ा सा अधिक प्रेम भवेत यानी कि होता है भू धातु यस सर तो यही चैप्टर था यही चैप्टर से ये पता चला कि माता सब बच्चों से बराबर प्रेम करती है लेकिन जो कमज़ोर दुर्बल पुत्र होते हैं, उसमें माता थोड़ा सा अधिक प्रेम करती है अब जो है आप चैप्टर पढ़े तो अब आपको कहानी भी याद हो गया होगा कोई राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे हैं आपका भी यही पढ़ना है यस सर आप में एक आता है कहानी लिखने का दो नंबर का है पूरा हिंदी में लिखने का अब वो भी आप लिख देंगे क्वेश्चन आंसर भी आपसे बनेगा अब जो है अब एक बार आधा काम हो गया अब एक बार खुद से रीडिंग दीजिए और फिर जाके आप क्या करेंगे कहानी पढ़ेंगे तब जाके जो है आपका देखिएगा कितना बेहतर होगा ठीक और आप देखेंगे कि शुरू देखिए पढ़ना तो बहुत अच्छा ढंग से डिटेल में चाहिए लेकिन हमारी कोशिश ये भी रहती है कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाए आप देखेंगे कि लास्ट वाला जो पैसेज है पैसेज जो है उसमें उतना ज्यादा क्वेश्चन आंसर पूछने का चांस नहीं है जितना ज्यादा ये पैसेज से चांस है देखिए ये पैसेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इसमें काफी जोर दिए आप भी जोर दिए बाकी जो है कहानी याद रखेंगे और जो है एक बार अपने से खुद से रीडिंग दे देंगे आपका काम हो जाएगा चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं शिशु लालनम का मतलब होता है स्टूडेंट बच्चों के प्रति लाड़ और प्यार जैसा कि आप जानते हैं कि आपके घर में भी कोई बच्चा आ जाए छोटा सा तो आप उसके साथ खेलने लगते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के ए बाबू कैसे हो मेरा बहुब खेलते हैं कि नहीं तो इस चैप्टर में यही आप देखेंगे कि शिशु जो है यानी कि बच्चे जो हैं वह सभी के लिए प्यारे होते हैं चाहे कोई बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो उससे कोई मतलब नहीं है जितना भी आदमी है दुनिया में उसको बच्चा प्यारा होता ही होता है आपको भी बच्चा प्यारा है मोदी जी को भी बच्चा प्यारा है हमारे नीतीश चाचा को भी बच्चा प्यारा है तो बच्चा सबको क्या होता है प्यारा होता है अब चलिए स्टूडेंट करते हैं नाटक को स्टार्ट तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाटक है तो नाटक में होता है क्या लाइट कैमरा एक्शन सीन तो उसी तरीके से ये भी चैप्टर में सीन सब है और उसको आपको पढ़ के समझना है अब रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास अगर बुक है तो सामने में निकाल लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और जो जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको समझते चलिए और कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो नीचे पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन करके उसको लिख दीजिएगा चलिए करते हैं स्टार्ट तो चलिए स्टूडेंट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए सिंहासनस्था रामा तो सिंहासनस्थ रामा का मतलब हो गया कि सिंहासन पे कौन बैठे हुए हैं सीन में तो भगवान राम बैठे हुए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंहासन पे भगवान राम बैठे हुए हैं तान मार्गो ताप सौ कुश लवो अब सुनिए ध्यान से सीन क्या है जैसा कि आप जान रहे हैं कि नाटक पढ़ा रहे हैं तो नाटक आपके स्कूल में होता हुआ तो देखते हैं, सीन होता है यस सर या आप कहीं का नाटक उटक देखते हैं, तो सीन होता है ना जी सर दृश्य जी सर तो इस दृश्य में क्या है पहले सीन में कि सिंहासन पे कौन बैठे हुए हैं तो भगवान राम बैठे हुए हैं तत्परवी परिविष मतलब उसी समय प्रवेश होता है किसका तो विदूषक के द्वारा रास्ता दिखाए जाने पर तपस्वी कुश और लव का ठीक और जैसा कि आप जानते हैं कि कुश और लव क्या है तो भगवान राम के ही पुत्र हैं सुनिए फिर से सुनिए क्या है क्योंकि देखिए सेमूसी बुक में नंबर लाना है इस बार तो आपको सेमूसी बुक का समरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी आपका सारा क्वेश्चन सही होगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि किस जगह से क्वेश्चन आंसर पूछ देगा कोई पता नहीं है किसी को इसलिए पढ़ना जरूरी है अगर पूरा नंबर लाना है तो तो सिंहासन पे कौन बैठे हुए हैं भगवान राम बैठे हुए हैं तभी प्रवेश होता है किसका तो विदूषक के द्वारा रास्ता दिखाए जाने पर तपस्वी कुशलभ का प्रवेश होता है समझ गए जी सर सर हम थोड़ा ही समझे थोड़ा सा और बताइए एकदम बताएंगे जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल है यस सर तो उसमें सिंहासन पे आपके प्रिंसिपल रूम में बैठे हुए हैं ना जी सर और आप लोग कोई काम से जाते हैं तो वो दरबारी रहता है ना विदूषक गेट पे ऐसे ऐसे रास्ता दिखाता रहता है इधर से इधर से यस सर तो वही सीन यहाँ पे है अंदर में सिंहासन पे कौन बैठे हुए हैं तो भगवान राम बैठे हुए हैं और विदूषक के रास्ता दिखाए जाने पर तपस्वी कुछ क्या करते हैं अंदर जाते हैं हो गया अब अगला है विदुष्का विदुषका का मतलब हुआ दरबारी दरबारी कहता है इत इत आर्य इत इत आर्यो का मतलब हुआ हे आर्य इधर से हे आर्य इधर से मतलब जैसे आप ही स्कूल में गए शांति से समझिए समझिएगा नाटक है तभी होगा स्कूल में आप गए जी सर आप देखें कि अंदर में प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं आप लोग गेट खोले थे वो आगे गेट पे रहता है कोई प्यून वगैरह क्या इधर से इधर से है स्टूडेंट इधर से जाओ इधर से जाओ तो उसी तरह विदुषक जो है कुछ लव को बताते हैं इत इत आर्यो आर्यो का मतलब हो गया जैसे इंग्लिश में मिस्टर हिंदी में श्रीमान उसी तरह यहाँ पे आर्यो मतलब किसी को सम्मानजनक भाषा से पुकारना ठीक तो उसी को कहा गया विदुषक जो है वह बोलते हैं इत इत, इत आर्यो यानी लव कुछ को बोलते हैं इधर से इधर से कुशलभ यानी कुशलव के बारे में बताया गया है अब आप कहेंगे सर कुश लवाओ क्यों लिखा हुआ है तो ध्यान से सुनिए दुई वचन है बालक इसलिए कुशलवाओ कुशल क्या है रामम उपश्रित्य परम्य च रामम उपश्रित्य परम्य च इसका मतलब हुआ कि भगवान राम के समीप आकर कुश और लव क्या करते हैं तो परणम्य यानी कि भगवान राम को प्रणाम करते हैं और आप भी कहीं भी जाते हैं प्रिंसिपल के पास तो आप प्रणाम ही ना करते हैं गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैडम या गुड मॉर्निंग मिस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करते रहते हैं करते रहते हैं कि नहीं यस सर तो उसी तरह कुछ लव जो है भगवान राम के पास जाकर क्या करते हैं प्रणाम करते हैं अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला देखिए रामम का मतलब भगवान आप उपसृत्य का मतलब अभी आपको बताया है क्या होता है पास जाकर और प्रणम्य का मतलब प्रणाम करना और सर च का मतलब होता है और जो संस्कृत में बाद में लगता है तो और तो बोल ही दिए कि भगवान नाम के पास जाकर कुशलभ क्या करते हैं भगवान नाम को प्रणाम करते हैं उसके बाद कुशलभ पूछते हैं कि अपि कुशलम महाराजस्य और कुशलभ पूछते हैं कि क्या महाराज आप कुशल हैं मान लीजिए कि आप ही किसी के घर पे गेस्ट बन के गए तो आप प्रणाम करके पूछते हैं ना क्या भाई साहब सब ठीक हैं तो उसी तरह कुशलभ जो है भगवान राम से पूछते हैं क्या कि अपि कुशलम महाराज क्या महाराज आप कुशल हैं उस पर भगवान राम कहते हैं कि युष्म दर्शनाथ कुशल मीब युष्म दर्शनाथ कुशल मीब हे हे कुशलभ आपके दर्शन से मैं क्या हूँ तो कुशल हूँ आप के यहाँ कोई गेस्ट आए तो आपके पिताजी गेट खोले तो आपके पापा से पूछते हैं ना गेस्ट क्या कुशलभ है मतलब जा क्या भाई साहब कुशल मंगल है सब ठीक तो आपके पापा क्या बोलते हैं अरे यारे आप दर्शन दिए महाराज और खुश हो गए हम तो उसी तरह भगवान नाम भी बोलते हैं कि आपके दर्शन से मैं क्या हूँ तो कुशल हूँ मैं क्या हूँ तो खुश हूँ ठीक हूँ भव तो किम वृ कुशल प्रश्न से अभाजनम एव और भगवान नाम कहते हैं कि भव तो किम मतलब आप क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पे हालचाल पूछने का जिम्मेदारी तो मेरा है जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आए तो आपके पापा कहते हैं ना कि यारे आप क्या पूछ रहे हैं आप अपना बताइए हम पूछेंगे ठीक तो वही भगवान राम पूछते हैं कि यहाँ पर पूछने का जो काम है वो मेरा है आप बताइए कि आप जो हैं कैसे हैं उसके बाद है न पुनर्तिथि जन समुचित कांठा सलस्य परिसवज्य अहो हृदय ग्राही स्पर्श और फिर भगवान क्या करते हैं भगवान राम तो दोनों को अपने गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि हृदय को छूने वाला क्या था स्पर्श था आप दोनों को गले लगाने के बाद मुझे बहुत ही क्या हुई तो खुशी हुई क्या हुई खुशी हुई, हुई? हुई। कांठा से का मतलब होता है गले लगाने का ठीक है तो आप जैसे अतिथि को गले लगाना ये मेरे लिए क्या है तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कोई दिक्कत यहाँ तक में नो सर अब चलिए यहाँ तक जो पढ़ा है इसका कर देते हैं एक बार रिकैप तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कहानी क्या है तो भगवान राम सिंहासन पे बैठे हुए हैं जितना कहानी बता रहे उतना दिमाग में रखिए कि भगवान राम सिंहासन पे बैठे हुए हैं कोई दिक्कत नो सर तभी जो है विदूषक रास्ता दिखाता है कि इधर से इधर से जाइए कुशल भगवान राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं फिर पूछते हैं कि क्या महाराज आप कुशल हैं भगवान नाम कहते हैं कि आपके दर्शन से मैं कुशल हूँ और यहाँ पर मैं हालचाल पूछने के पात्र हूँ मतलब मैं हालचाल पूछूंगा और आप जैसे अतिथि के आने से तो और खुश हो गया हूँ और दोनों को गले लगाने के बाद भगवान नाम कहते हैं कि अहो हृदयग्राही स्पर्श है यह जो स्पर्श था मतलब गले लगाने का जो सुकून था ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बनेगा इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि भगवान नाम का, का जो मतलब भगवान नाम बोलते हैं कैसा स्पर्श है तो स्पर्श जो है हृदयग्राही है, मतलब जो गले लगने का जो सुकून है वह एकदम दिल को छूने वाला है जिसको ही संस्कृत में हृदयग्राही हम लोग बोलते हैं अब चलते हैं स्टूडेंट आगे अब चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं अब क्या होता है सीन में तो सीन में अगला लाइन है आसनार्ध म आसनार्ध इसका मतलब ये हुआ कि अ देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए आसनार्धम और ई जो ऊ है संधि में पढ़ाए हैं उपवेश्यति ऐसे पढ़ाएगा तो यहां पे क्या हुआ कि अस्नार्धम यानी कि आधे आसन पर ठीक है आधे आसन सॉरी आधे सिंहासन पर भगवान नाम क्या करते हैं बैठा लेते हैं किसको लव और कुछ को अपने आधे सिंहासन पे यहां तक में कोई दिक्कत आगे नो सर आगे बढ़िए अब देखिए अब लिखा हुआ है उभव तो उभव जो है यहाँ पे लव और कुश के लिए एक साथ उभव का यहाँ पे यूज किया गया है तो जहां जहां उभव लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि लव और कुश के बारे में कहा जा रहा है या लव और कुश जो है कुछ चीजें कह रहे हैं तो उभव यानी कि लव और कुश कहते हैं कि राजासनम खलवे तत् न युक्त मध्य मध्यासितुम यानी कि यह जो आसन है राज आसनम यानी कि ये जो आसन है ये किसका है राजा का है और यहाँ पर बैठना क्या है उचित काम यानी कि उचित काम जो है नहीं है युक्त का मतलब क्या हुआ अभी बताएं युक्त का मतलब होता है उचित ठीक है नहीं बताएं तो नोट कर लीजिए कि यहाँ पर बैठना क्या है देखिए युक्तम का मतलब उचित यहाँ पर बैठना उचित नहीं है अब मान लीजिए कि आप ही गए कोई प्रधानमंत्री से मिलने यस सर या मुख्यमंत्री से और वो अपना आधा सिंहासन पे आपको बैठा लिए तो आप कहेंगे बड़ी मज़ा आ रहा है मुख्यमंत्री जी आधे पे क्यों बैठा है आप अगला कुर्सी पे बैठिए हम चतर के इस पर बैठेंगे लेकिन लव कुश कहते हैं कि राजा का आसन है और हम राजा नहीं हैं इसलिए हम लोगों का इस पर बैठना उचित नहीं है तो देखिए स्टूडेंट इस चैप्टर के थ्रू आपको यह भी सिखाने की कोशिश हो रही है कि संस्कार जो है वह सभी बच्चों में या कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो उसमें रहना चाहिए ठीक है और संस्कार बरकरार रहना चाहिए तो इस चैप्टर से ये भी शिक्षा दिया जा रहा है पढ़ाई का मकसद ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ लिए नंबर ला रहे हैं नंबर ला रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है आप कितना चीज़ सीख के एक अच्छा इंसान बन रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है आप अच्छा इंसान हैं आपका थर्टिए परसेंट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है आप ही दुनिया के टॉपर हुए असली दुनिया के ठीक तो ये दिमाग में रखना है तो नंबर तो लाइए अब इसका ये मतलब नहीं है कि नंबरें नहीं लाना है। नंबर भी लाइए और संस्कारी भी बनिए जो जो बात है अच्छी अच्छी चीज़ें उसको अपनाइएगा जैसे सुभाष सितानी पढ़ाएंगे उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है आप लोग को बताएंगे तो जो ये है लव और कुश वो कहते हैं कि हम इस पर नहीं बैठेंगे क्यों क्योंकि यह राजा का आसन है तो भगवान राम कहते हैं कि स्व व्यवधानम न चरि चारित्र लोपाए व्यवधानम तो स्व व्यवधानम का मतलब हुआ रुकावट जैसे आपको अभी बताएं तो भगवान राम कहते हैं कि रुके कुछ रुकावट पैदा कर देते हैं इससे आपका चरित्र का लोप नहीं होगा मतलब भगवान राम क्या कहना था कि आपको सिंहासन पर बैठने में दिक्कत हो रहा है तो कुछ इसमें रुकावट पैदा कर देते हैं इससे आपका चरित्र यानी संस्कार का खा, खात्मा नहीं होगा अब क्या करते हैं भगवान राम व्यवधान यानी रुकावट क्या देते हैं वो आपको बताते हैं देखिए चलिए भगवान राम कहते हैं कि तस्माद अंकम वे व्यितम मध्यस्थाम सिंहासनम अंक अंकम उपवेशती और भगवान राम क्या कहते हैं क्या करते हैं तो ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए भगवान राम जो हैं अध्यासितुम अध्यासितुम का मतलब हो गया बैठाना ठीक है यहाँ पे भगवान नाम का ये कहना है कि हम जो है कुछ रुकावट पैदा कर देते हैं इससे आपका संस्कार बचा रहेगा आपका जो प्रण है क्योंकि पहले के ज़माना में वचन होता था आदमी का सिद्धांत होता था उसके बाहर आदमी कुछ भी नहीं करता था आज तो सिद्धांत रहित व्यक्तियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है ठीक तो भगवान नाम क्या करते हैं अपने गोदी में दोनों को बैठा लेते हैं ठीक है किसको लव और कुश को अब देखिए अब आपको पता चल रहा होगा कन्फ्यूज मत होइए कहानी क्या है कि लव और कुश बोले कि भाई राजा का आसन है इस पर हम नहीं बैठूंगा तो भगवान राम कहे कि चलिए कुछ रुकावट पैदा कर देते तो रुकावट यह रहता है कि भगवान राम अपने गोद में दोनों को बैठा लेते हैं इससे भगवान राम की जो इच्छा रहती है कि ये लोग सिंहासन पर बैठे वो भी पूरी होती है और लव कुश का जो रहता है कि हम राजा के आसन पर नहीं बैठेंगे तो अब तो भगवान नाम के गोद में बैठे हुए हैं तो उनका भी मन दोनों का जो मन है उसको रख लिया जाता है अब ये तो हुआ काम चलाऊ बात मतलब कि सरकारी कोई टैक्स का छापा पड़ा कागज कुछ कुछ कागजी करवाई से जीत लिए तो वही वाला बात हुआ अभी भी तो दोनों जो है सिंहासन पे बैठी हुए हैं तो उभव यानी दोनों अनिक्षा नाट्यता और ऐसा दिखाते हैं कि वह उनकी जो है इच्छा इस सिंहासन पे बैठने की नहीं है उनकी जो इच्छा है इस सिंहासन पे बैठने की नहीं है राजनम अलमत अलमति दाक्षिण्यन हे महाराज अति अति कुशलता मत दिखाइए अति कुशलता मत दिखाइए यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप ही के यहाँ कोई गेस्ट आया अंकल जी आए फोफा जी आए कोई चाचा जी आए कोई मामी जी आए तो कोई भी आपके घर पे आया तो मान लीजिए कि आप कहें ना कि ए इस यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए बैठिए तो बोलते हैं ना अरे अरे रहने दीजिए रहने दीजिए ज्यादा ज्यादा खातिरदारी नहीं कीजिए अपना ही घर है तो उसी तरह जो है लव और कुश जो है और मतलब कि सिंहासन पर बैठने के बाद मतलब ऐसा भाव दिखाते हैं कि उनकी इच्छा नहीं थी और वो भगवान राम को कहते हैं कि हे राजन आप जो हैं अलमति दाक्ष्य दाक्षिण्यन मतलब कि ज़्यादा कुशलता ज़्यादा खतिरदारी उदारता नहीं कीजिए इस पे भगवान राम कहते हैं कि अलमती या भवती शिशुजनों वयोनुरा नुरोधाद, गुण महत्मा गुण महत्तामपी लालनीय एव हिम करोपी वाल भवात पशुपति मस्तक केत कच्छ यानी भगवान नाम कहते हैं कि हे बच्चे हे शिशु इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कोई आप अधिक कुशलता नहीं कीजिए आप ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लीजिए यहाँ पर क्या है कौन है तो भवती शिशुजनों भवती शिशुजनों का मतलब हुआ बच्चे भी वयो अनुराध वयो नूराद का मतलब हुआ वायो देखिए वायो वयो अनुराध नु, ये देखिए ओड वाला जो एक संधि पढ़ा है ना इसीलिए ना ग्रामर पहले पढ़ा दिए कि चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो तो इसका मतलब होता है अनुर अनु अनूर, अनुरोधाद इसका मतलब हुआ कारण से तो भगवान नाम कहते हैं कि बच्चे भी अपने कारण से यानी कि जो छोटे बच्चे है अपने कारण से गुण महता मपी लालनीय एवं जो गुणी लोग हैं जो गुणवान लोग हैं जो महान लोग हैं उनके लिए क्या होते हैं लालनीय होते हैं उनके लिए भी लालनीय होते हैं इसके कहने का मतलब ये हुआ इस लाइन का कि भगवान राम जो हैं लव और कुश को कहते हैं कि हे जैसे मान लीजिए कि आप ही के यहाँ कोई गेस्ट आए तो गेस्ट को आप कहें यहाँ बैठी हो हैं, तो कहते हैं ज़्यादा नहीं की ज़्यादा नहीं कीजिए तो आपके पिताजी कहते हैं ना कि अरे कौन बड़ी बात है खाइए ना बनवा देते हैं पूरी कचौड़ी तो उसी तरह भगवान नाम जो है कहते हैं कि जो शिशु हैं जो छोटे प्यारे बच्चे हैं वह कितने भी गुनी लोग हैं कितने भी महान लोग हैं सबके लिए क्या हैं तो लालनीय हैं मतलब सबके लिए वह प्यारे ही हैं दुलारे ही हैं उसी पर भगवान नाम एग्जाम्पल देते हैं कि व्रज वराज़त, व्रजति व्रजति हिमकरोपी बाल भवात यानी कि चंद्रमा भी अपने बाल भाव के कारण यानि अपने बचपना के कारण ही क्या है तो शिव जी के मस्तक पे विराजमान है और ऐसे विराजमान है जैसे क्या हो तो केतकी का फूल हो तो आप देखेंगे कि भगवान शिव जो है भोला बाबा के ये मस्तक पे बीच में चंद्र है है ना ललाट पे जी सर जहाँ पे चंदन लगता है है कि नहीं तो क्यों क्योंकि चंद्रमा के बाल भाव के कारण ही भगवान शिव वहाँ पे अपने माथे पे चंद्रमा को जगह दिए हुए हैं यही बात जो है भगवान राम कहते हैं उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं यहीं पे हो गया आपका ये फर्स्ट सीन द इंड ठीक है एक बार और ओवर दे देते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवेश होता है किसका लव और कुश का दोनों प्रणाम करते हैं फिर बातचीत होता है फिर भगवान नाम गले से लगाते हैं फिर सिंहासन पर बैठने के लिए प्रस्ताव आता है जिसको लव कुछ नकार देते हैं फिर बैठ जाते हैं फिर भगवान नाम चंद्रमा वाली बात को बोलते हैं अब जो है यहाँ से स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं अब चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं अब मान लीजिए कि आप ही कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के यहाँ गए क्योंकि पिछले ज़माने का राजा और आज का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों बराबर ही हैं और आपको उन्होंने अपना जगह कुर्सी दिया और आपने कहा कि नहीं इस कुर्सी पे हम नहीं बैठेंगे ये आपकी जगह है ठीक है तब तो वो देखेंगे कि अरे आजकल के ज़माने में इतना संस्कारी बच्चा इतना संस्कारी बच्चा कौन है जैसे कि आपके घर में अगर फूफा जी आ गए तो आप पढ़ रहे हैं तो फूफा जी कहेंगे एकदम बढ़िया बच्चा है हम बचपन से इसको देख रहे हैं हम कहिए रहे कि आई यश बने बहुत बेहतर बच्चा है तो उसी तरह जो है ऐसा संस्कार देखकर ऐसी बातें सुनकर भगवान राम क्या करते हैं लव और कुश से पूछते हैं क्या पूछते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि ऐशा भव तो सौंदर्या जनितेन कौतूहलेन पिक्छामी मतलब ऐसा इसलिए भगवान राम पूछते हैं उससे पहले कह देते हैं कि आप दोनों का जो व्यक्तित्व तो है नहीं कहते पर्सनालिटी जैसे कोई मान लीजिए आप कहते ना कि अरे क्या पर्सनालिटी था उसका जहाँ पे खड़ा था एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रहा था इंग्लिश में ये नहीं कहते हैं यस सर एकदम पॉजिटिव लग रहा था अरे क्या मोटिवेशनल स्पीकर था तो वही जो है भगवान नाम कहते हैं कि आपकी जो सुंदरता है आपका जो व्यक्तित्व है उसको देख कर मैं कौतूहलन कौतूहलैन का मतलब अभी आपको क्या पढ़ाएं जिज्ञासा से मैं जिज्ञासा से पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामयो सूर्य चंद्र को वाह भव तो वंश से करता आपके कुल के पितामय यानी आपके कुल के पितामह यानी कि आपके कुल के जो देवता हैं सीधा कह सकते हैं कौन है सूर्य है कि चंद्र है कौन है आपके वंश के कर्ता ठीक है नहीं कहते वंश के कर्ता कौन है सबके वंश का कोई ना कोई कर्ता होता है ठीक है आप इसको कुल देवता से रिलेट कर सकते हैं जैसे किसी का कुल देवते बनी गुरैया है किसी का सोखा नरसिंह है तो उसी टाइप से भगवान नाम कहते हैं कि आपके सौंदर्य को देखकर मतलब आपके जो पर्सनालिटी को देखकर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपके क्षत्रिय कुल में पिता मह यानी कि कर्ता आपके कौन है सूर्य है भगवान है या चंद्र है ठीक है इस पर लव कहते हैं ये हिंदी भी लिख दिए इसका पीडीएफ दे, दे देंगे आप पढ़ लीजिएगा खुद से इस पर लव कहते हैं अब आगे शब्दार्थ आपको बताते हैं फिर तब आगे पढ़ाएंगे देखिए स्टूडेंट सहस्त्र द्विधीति का मतलब होता है सूर्य यमलो का मतलब होता है यमला पगला दीवाना नहीं यमलो का मतलब होता है जुड़वा जुड़वा फिल्म आया था ना य सर स्वागतम का मतलब होता है मन ही मन समान भीजनौ का मतलब होता है एक कुल में पैदा होने वाले सम शन का मतलब होता है हो गए प्रतिवचनम का मतलब होता है उत्तर उसके बाद है सौदारियों का मतलब होता है सहोदर भाई या सगे भाई इसी को यमलोव भी कहा जाता है शरीर सन्निवेशक का मतलब होता है शरीर की बनावट बॉडी स्ट्रक्चर उदातरयमय का मतलब होता है अत्यधिक मनोहर समू समुद, समूदाचारा का मतलब होता है शिष्टाचार उपनयपदेसेन का मतलब होता है उपनियम की दीक्षा के कारण नामधेम का मतलब होता है नाम निरंकुरुषों का मतलब होता है दया रहित जिसके अंदर कोई भी दया ना हो तो जैसे ही भगवान नाम पूछते हैं कि लव और कुश से कि आपके जो वंश हैं उनके कर्ता कौन है आपके वंश के सूर्य हैं कि चंद्र है मैं ऐसे ही जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ तो लव जो है वो जवाब देते हैं कि भगवान सहस्त्र दिधीति यानी कि हमारे कुश के सॉरी हमारे वंश के जनक कर्ता कौन है तो भगवान यानी कि भगवान सहस्त्र दिधीति का मतलब होता है सूर्य यानी कि हमारे वंश के जनक कौन है तो भगवान सूर्य हैं भगवान राम कहते हैं कि कथम स मत सॉरी क्या कहते हैं कि कथम स मत समान भिजनो शन भगवान राम कहते हैं कि कैसा ये संयोग है कि हम लोग जो हैं एक ही कुल के हैं हमारे भी जो जनक है हमारे भी जो वन, आ, करता है वंश के वह भगवान सूर्य ही हैं अब यहाँ पे स्टूडेंट आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि सर भगवान राम का भगवान राम के जो तो वंश के करता है वो भी भगवान सूर्य और लव और कुश के भी वंश के करता भगवान सूर्य तो राम जी के ही बेटे थे लव और कुश तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भगवान नाम को पता नहीं था तो उन्हीं का तो सब लीला किया हुआ था तो उनको तो सारा बात पता था लेकिन यह क्या चल रहा है रामायण चल रहा है उसी का कुछ पाठ है ठीक है तो ये एक उनके मतलब इतना बड़ा भगवान नाम का लीला है तो उसी में से एक छोटा सा पाठ है जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ठीक है कैसे बताया जा रहा है कि संस्कार बच्चा में होना चाहिए और अभी भगवान नाम को तो पता ही है कि लव मेरे बेटे हैं लब को पता नहीं है कि अभी ये हमारे पिता है इस पर भगवान नाम कहते हैं कि कैसा मतलब कि अनोखा बात है कि हम दोनों एक ही वंश के हैं विदुष्का कहता है अब दरबारी का रोल आता है विदुष्का कहता है कि किम द्योर पे एक मेव प्रतिवचनम क्या तुम दोनों का प्रतिवचनम मतलब एक ही उत्तर है एक ही बात है अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों तो भगवान राम दोनों से पूछते हैं कि आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है तो सिर्फ लव का जवाब आता है कि भगवान सूर्य तो इसी पे जो है विदूषक पूछता है कि तुम दोनों का एक ही उत्तर है भाई एक मान लीजिए कि आप दो भाई गए ठीक है कहीं पे तो किसी को पता नहीं ना कि आप दोनों भाई है तो कोई पूछा कि आप कहाँ से आए तो आपने बोला कि हम सीतामढ़ी से आए तो आपके भाई तो चुप है तो वही पूछेगा ना कि आप भी सीतामढ़ी से आए हैं तो यही पूछता है विदूषा कि क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है तो इस पर लव कहते हैं कि भरात्र वाम सौदर्य हम दोनों क्या हैं आपस में सौगे भाई हैं हम दोनों क्या हैं आपस में सौगे भाई हैं तो निश्चित तौर पे हम दोनों का आंसर क्या है सिम ही रहेगा इस पे भगवान राम कहते हैं कि समरूप शरीर सन्निवेश समूप शरीर सन्निवेश यानी कि जो शरीर की बनावट है वह भी आप दोनों की क्या है तो एक जैसी ही है वह शतु न किंचन दंतरम बस आयु में भी कुछ का भी अंतर नहीं है वह शतु का मतलब क्या होता है वैसा सत, वैसा का मतलब यहाँ पे होता है आयु यानी भगवान राम कहते हैं कि आपका शरीर भी एक जैसा है और उम्र में भी कोई अंतर नहीं लग रहा है तो इस पे लब कहते हैं कि आवाम यमलो मैं क्या हूँ तो दोनों जुड़वा हूँ हम लोग क्या हैं तो जुड़वा हैं यमलो का मतलब होता है जुड़वा भगवान नाम कहते हैं कि सम योजते किम नामध्येयम सम प्रति योजते किम नामध्येयम भगवान नाम कहते हैं कि अब ठीक है सम्प्रति का मतलब होता है अब अभी अव्यय में सब पढ़ाएं इसीलिए हम ग्रामर पहले पढ़ाते हैं ताकि बुक में कोई दिक्कत ना हो जो नहीं फॉलो कर रहे लेक्चर फॉलो कर लीजिएगा ईच एंड एवरी टॉपिक स्टूडेंट इतना जीरो लेवल से आपको पढ़ाए हैं मज़ा आ जाएगा तो पढ़ लीजिएगा जरूर ठीक है अगर आप आज संस्कृत में नंबर सौ में सौ नहीं ला रहे हैं तो आपकी आप अपने गलती के वजह से नहीं ला रहे हैं। क्योंकि आज हर रिसोर्स हम प्रोवाइड करा दिए हैं कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चा को ईच एंड एवरी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम जीरो लेवल से क्वालिटी कंटेंट डाल दिए हैं वैसा अभी कंटेंट यूट्यूब पर ना है ना आगे वाले समय में आने वाला है तो इसका एकदम जमकर फायदा उठाइए फिर भी अगर किसी को कुछ दिक्कत रहता है तो उसके लिए प्रो बैच भी लॉन्च कर दिए ऑफलाइन ट्यूशन बंद करके कि ऑफलाइन का जो फायदा है वो देश के सारा बच्चा उठा सके तो आप प्रो बैच में आ सकते हैं उसको ज्वाइन कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में एक फुल डिटेल वीडियो कैसे ज्वाइन करना है तो अब संस्कृत में फुल में फुल आना ही चाहिए क्योंकि अब रिसोर्स की कमी नहीं है समझ रहे हैं तो आराम से पढ़िए तो भगवान नाम कहते हैं कि सम प्रति यानी कि अब ठीक है किम नामधेयम यानी कि आप दोनों का क्या नाम है नामधेयम का मतलब आप दोनों का क्या नाम है इस पे लव कहते हैं कि आर्यस वंदनायाम लव इत्या इत, इत्यामानम श्राव्यमी कुश निर्देश्य आर्योपी गुरुचरण वंदनायाम यानी कि आर्य की वंदना में लव इस प्रकार आपको सुनाता है कुश को निर्देश करते हो गुरुचरणों की वंदना में यानी कि लव जो है वो कहते हैं कि आर्यस वंदनायाम लव ये लाइन जो है थोड़ा सा टफ है टफ इसलिए क्योंकि हम सीधा इसका पढ़ के हिंदी आपको बताएं अब अपना भाषा में समझाते लव कहते हैं कि आड़े की स्तुति में बन रहा मतलब कि जो बातें कर रहा हूं वो लव है मतलब मैं लव हूं और कुश की तरफ कहते हैं कि यह जो है क्या है कुश है ठीक है उसके बाद कुश भी वही बात कहते हैं कि अमअपी कुश इत्यामानम श्राव्यामी अहम अपनी कुश इत्यामान श्राव्यामी मैं भी खुश हूँ और आपको सुना रहा हूँ भगवान नाम कहते हैं आगे ध्यान से देखिएगा भगवान नाम कहते हैं भगवान नाम कहते हैं कि क्या कहते हैं देखिए भगवान नाम कहते हैं कि अहो उदातरमय समुदाचार किम नाम दे भक्तो गुरु अरे आपका जो संस्कार है आचरण है वो भी क्या है तो समुदाचारा है यानी कि बहुत ही सुंदर है आपका जो आचरण है यानी समुदाचारा जो है आचरण का संस्कृत होता है समुदाचार और में का मतलब होता है बहुत अच्छा सुंदर तो भगवान राम कहते हैं कि अरे आपका जो संस्कार है वो भी बहुत अच्छा है आपके गुरु का क्या नाम है किम नाम दे भक्तो गुरु तो पहले ज़माना में आपको पता था कि गुरु ही संस्कार दिया करते थे इसी पे भगवान नाम कहते कि आपका संस्कार भी बेहतर है आपके गुरु का क्या नाम है ठीक है तो ये यहाँ तक कहानी सॉरी नाटक पहुँचा देखिए स्टूडेंट एक बात ज़िंदगी में अपना के रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट होता है ना उसमें कोई कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ़ होता है तो टफ एक्चुअली में होता नहीं क्योंकि टाइम टेकिंग होता है तो आपको लगता है टफ है तो संस्कृत का बाकी सब चैप्टर तीस मिनट पच्चीस मिनट का है सौहार्दम प्रकृति शोभा और शिशु लालनम ये बड़े चैप्टर हैं ठीक है तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा तो आप घबराइएगा नहीं कि सर टाइम लग रहा है क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं समरी याद करके जाइएगा कुछ न, कुछ पचता के आइएगा बोर्ड में और याद रखिएगा बार बार बोर्ड एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलता है समझ रहे हैं बात को इसलिए फोकस होकर संस्कृत पढ़िए नहीं तो इसमें कम नंबर आ जाएगा तो कभी भी आप पंचानवे छियानवे नहीं स्कोर कर सकते अंठानवे परसेंट क्योंकि सभी सब्जेक्ट में नंबर लाना है और संस्कृत में तो आप जान ही रहे कि आप नाइन्थ तक में पढ़ाई किए नहीं होंगे यस सर तो अभी तो कितना बेसिक आपको ठीक करना है सब करा चुके हैं तो टाइम दीजिएगा तब नंबर आएगा सौ में सौ तब ना परसेंटेज बढ़ेगा और कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए नाम से भाई कोई हम मना किए हैं कभी किसी को पूछिए आप आराम से चलिए आगे बढ़िए हाँ सर व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए तो ये वाला व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए हमारा अस्सी पाँच सौ ग्यारह उनचास पाँच सौ तेरासी इसी पर मैसेज कीजिएगा मैसेज बहुत रहता है तीन तीन सौ मैसेज एक दिन में आता है तो हो सकता है एक दो दिन बाद रिप्लाई दे लेकिन देंगे पूछ लीजिएगा और जितना मैसेज हो एक बार में ही कीजिएगा तो अब हम लोग आगे चलते हैं अब स्टूडेंट आगे चलते हैं अब जैसे ही ये बात होता है तो भगवान नाम पूछते हैं कि आप दोनों के गुरु का क्या नाम है तो इस पर लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि निश्चय ही हमारे गुरु का नाम क्या है तो भगवान वाल्मीकि है ये कौन कहते हैं लव कहते हैं उस पर भगवान राम कहते हैं कि किन संबधीन मतलब किससे संबंधित है तो जैसे आप देखते हैं कि आज कल के जो गुरु हैं तो उनका हर चीज़ का ब्रांच हो चुका है कि हाँ ये फिजिक्स के फैकल्टी हैं तो ये मैथ के हैं तो ये संस्कृत के हैं तो ये फलाने के हैं ये ठिकाने के हैं लेकिन पहले के ज़माना में कोई भी सी बोर्ड बिहार बोर्ड नहीं होता था ठीक है पहले के ज़माने में कोई भी यूनिवर्सिटीज उतनी नहीं होती थी मतलब भगवान राम के समय उस समय गुरु जी होते थे जो शिक्षा देते थे कैसे राजनीतिक शिक्षा देते थे नैतिक शिक्षा देते थे मतलब मोरल वैल्यू सिखाते थे कि एक व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए अगर कोई राजा का बेटा है तो उसको राजपाठ का गुण सिखाते थे समझ रहे है? तो भाई भगवान राम पूछते हैं कि वह जो आपके गुरु हैं उनका वह किससे संबंधित है जैसे आज फैकल्टी होते हैं कि मैथ के गुरु हैं तो उसी तरह तो लव कहते हैं कि उपन्योपदे सेन मतलब कि उप उपन्यम संस्कार के वो क्या हैं तो गुरु हैं उपन्यम उपनियम संस्कार जो होता है जैसे जनऊ वगैरह होता है तो उसकी शिक्षा वो देते हैं उसकी उपदेश को वो देते हैं इस पे अब आगे चलिए इतना ही था इसमें इसका हिंदी दे दिए हैं पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम पे दे, दे देंगे अब आपको आगे थोड़ा सा शब्दार्थ बता देते नामता का मतलब होता है नाम से बेद्युतुम का मतलब होता है जानने के लिए अभिनयम का मतलब होता है उदंडता चापलम का मतलब होता है चंचलता मनु गय भय का मतलब होता है अहंकार से भरे परवासा का मतलब होता है दूसरे स्थान पे दारूणा का मतलब एक बच्चा कह रहा था कि सिर्फ दारू होता है दारू नहीं होता है दारूणा का मतलब होता है भीषण भयानक उसके बाद उसके बाद नामधेम का मतलब होता है नाम निरंकुरुषों का मतलब होता है दया रहित वैस्य वैश्य का मतलब होता है मित्र वन्नति का मतलब होता है कहता है ठीक है अंबा का मतलब होता है माता उत का मतलब अथवा प्रकृति स्था का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से अधिच पति का मतलब होता है फटकारती है चापलम का मतलब होता है चंचलता को अपमानिता का मतलब होता है अपमानित द्वारका द्वारकाओं का मतलब होता है दो पुत्रों को निर्भत शैरियती का मतलब होता है धमकाती है निःस्व का मतलब होता है दीर्घ श्वास लेकर और स्वापत्यम का मतलब होता है अपनी संतान को ठीक तो ये जो है स्टूडेंट आपको शब्दार्थ इतने में काम आएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं जहाँ से पढ़ाना है अब जो है भगवान नाम कहते हैं कि आपके तो गुरु का नाम हमने जान लिया उसके बाद भगवान नाम कहते हैं कि अहमत्र भव तो जनकम नाम तो वेदी तू मिक्छामी फिर भगवान नाम कहते हैं कि मैं आपके जनक जनक का मतलब होता है पिता मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ तो लव कहते हैं कि न ही जाना मस्य नाम धे यानी कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ इस पे भगवान नाम क्या होते हैं चौक जाते हैं मान लीजिए कि आप ही से हम पूछे कि आपके पिता का क्या नाम है और आप कहें नहीं जानते हैं तो अजीब नहीं लगेगा तो वो लग लव बोलते हैं कि हम लोग उनका नाम नहीं जानते हैं न कश्चिद कश्चिदिन तपो बने तस्य नाम बेभेरीती और आप लव कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि लव कुछ माता सीता कुछ दिन के लिए वन में रहे थे यस सर तो लव कहते हैं कि तपोवन में भी उनका नाम कोई भी नहीं लेता है ठीक है उस पर भगवान नाम कहते हैं कि अहो महात्मयम मतलब अरे अरे कि अरे महानता अरे बड़ जैसे मान लीजिए कि आप ही किसी से पूछिए व्हाट इज योर फादर नेम वो कहे आई डोंट नो तो आप कहेंगे अरे गोजवे है पापा का नाम नहीं जानता है तो उस पर भगवान नाम कहते हैं कि अहो महात्मय मतलब कि अरे महानता अरे क्या बात है फिर कुछ कहते हैं कि जनामयम तस्य नामध्यम मैं जानता हूँ उनका नाम तो भगवान नाम कहते हैं कि कथ्यताम है। बताइए तो उस पर कुछ कहते हैं कि निरंकुरुषो नाम उनका नाम क्या है तो निर्दयी है अब आपसे पूछा जाए कि आपके पापा का नाम क्या है और आप बोले कि उनका नाम निर्दयी है तो आप जिसको बता रहे हैं सामने वाला तो आश्चर्यचकित होगा ही तो भगवान नाम कहते हैं कि वैश्य अपूर्वम खलु नामधेम वाह मित्र ये तो अनोखा ही नाम है वैश्य का मतलब होता है मित्र तो आप कहेंगे सर भगवान राम लव कि को मित्र क्यों कह रहे थे तो ये कहने का एक अच्छे ढंग से बात करने का तरीका होता है आजकल यही हो चुका है ए एप्स व्हाट्सएप ब्रो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ब्रो वही है मित्र अपूर्वम नाम नामधेम बड़ा अनोखा नाम है विदूषक वहाँ पे दरबारी खड़ा रहता है विचिंत्य मतलब कि सोच कर कहता है कि एवं ताबत पीछा में मतलब कि मैं ऐसे ही पूछता हूँ निरंकुरुषा क्रोशन इति का एम भन्नति निरंकुरश क्रोशा जो है वह कौन कहती है या कौन कहता है यह कौन पूछता है विदूषक पूछता है कहती नहीं कहता है विदूषक पूछता है कि मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि निरंक निर्नु क्रोषा कौन कहता है उनको ठीक है तो कुशा कहते हैं कि अम्बा यानी कि माँ कहती है तो विदुषका कहता है कि किम कुपिता एवं भन्नति क्या वो ऐसा गुस्से में कहती है उत्प्रकृति स्था या वह स्वाभाविक रूप से कहती है तो आप देखते हैं ना कि माँ कभी कभी आपसे गुस्सा रहती है तो बोलती है ना आपके पिताजी के नाम लेके कि फलाना का बेटा है, ऐसे हो गया ऐसे हो गया यस सर तो उसी तरह विदुष का पूछता है कि क्या वो गुस्सा में कहती है या उनका स्वभाव ही है ठीक है ये तो बता ही दिए उसके बाद कुछ जो है वो कहते हैं कुछ जो है कहते हैं कि यद्या वयो बाल भावजनितम किंचित विनियम पश्यति तदा एव मतलब कि यदा यदा मतलब जब भी हम लोग कुछ भी बाल भाव के कारण बाल भाव मतलब बचपना के कारण कुछ भी क्या करते हैं कुछ भी कुछ भी मतलब किंचित देखिए द में ही का संधि हुआ है तो किंचित अविनियम यानी कि कोई भी उदंगता करते हैं यानी कि बदमाशी करते हैं तो माँ देखकर कहती है कि एवं अधिचिपति छिपति निरनुक्रोश से पुत्र मा और माँ और माँ क्या करती कहती है कि यह निरंकुश के पुत्र हैं और माँ ऐसी चंचलता मत करो तो जैसे आप भी कभी कभी बदमाशी करते हैं कुछ नटंकी कर देते हैं तो माँ आपके पापा को कहते हैं नई तो हैवे वे करे फला निरंकुश के पुत्र निर्दयी के पुत्र निर्दयी के बेटा ठीक है बकलोल के बेटा तो उसी तरह कुछ कहते कि हम भी कोई बाल भाव के कारण बचपना उड़ंगता तो कोई सियान होकर करता नहीं सब बचपने में करता है ये सर तो वही कुछ कहते हैं कि हम लोग बाल भाव में मतलब बचपना में कुछ अगर कांड कर देते हैं तो माँ कहती है कि देखो निरंकुश नि, निरुक्रोश का निनू का जो है पुत्र यहाँ पर क्या कर रहा है माँ चापलमिति और माँ कहती है कि चापलम चापलम मतलब चप्पल नहीं हुआ चापलम मतलब हुआ चंचलता न करो अब चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं तो जैसे ही ये निर्दयी वाला बात होता है तो विदुष्का जो है कहता है कि एत्यो यदी पितु निर्नुक्रोश इति नामध्येयम मतलब कि यदि इनके पितु पितु यानी कि इनके पिता का नाम क्या है तो निर्नुक्रोश है इसका ये मतलब है कि एत्यो जर्ननी यानी कि इनकी माता तेनावमानिता निर्वासिता तेनामांति क्या लिखा हुआ है? तेनाम मानिता निर्वा सीता इसका मतलब ये हो गया कि इनका इनके जो पिता है उन्होंने इनकी माता को क्या किया है तो निकाल दिया है एतेन वचनेन दारकौ निर्भर निर्भरता शैर्यती और इसीलिए इनकी माता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को क्या करती है धमकाती है और डराती है तो ये बात विदूषक कहता है कि इनकी माता जो है अपने पति के बारे में यानी कि लव कुश के पिता के बारे में ऐसा बोलती है कि वो निर्नुक्रोश है इसका एकमात्र मतलब है कि इनके पिता ने यानी लव के जो पिता हैं उन्होंने क्या किया है तो निर्वासिता यानी कि निकाल दिया है किसको तो उनकी माता को और इसीलिए ऐसा भाषा का प्रयोग करके वो बच्चों को डराती है डराती है ठीक है अब चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं आगे अब इस पर भगवान नाम क्या कहते हैं कि भगवान नाम कहते हैं कि स्वगतम स्वगतम का मतलब होता है मन में ठीक है मन ही मन धिम का मन भूतम सा तपस्वनी मत कीर्तिना पराधीन स्वापत्यम एवं मनयुग भैर क्षैर निर्भ भैर शैरती इसका मतलब हो गया कि भगवान नाम अपने मन में कहते हैं कि मुझे धिक्कार है खुद पर कि मैंने सा बनी मतलब कि वह तपस्वी औरत सीता माता को अपने जिंदगी से निकाल मतलब कि मतलब कि मेरे द्वारा ही किए गए अपराध के कारण आज इस संत मेरे संतान को ऐसे शब्दों से वह क्या करती है धमकाती है अब देखिए स्टूडेंट कहानी को समझने की कोशिश कीजिए वर्ड पे मत जाइए भगवान नाम जो हैं जैसे विदूषक है विदूषक कहता है कि निश्चित तौर पे जरूर जो हैं इनकी इनके जो पिता हैं उन्होंने इनकी माता को निकाल दिया इसीलिए उनकी माता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है तो भगवान नाम को तो सारा लीला पता ही है तो मन में सोचते हैं कि धिक्कार है मुझे खुद पर कि वह जो स्त्री है वह मेरे द्वारा किए गए अपराध की यहाँ पर देखिए यहाँ पे मतु कृत्यन का मतलब होता है मेरे द्वारा ठीक है और अपराधीन यानी अपराध समझ रहे बउआ मनयुग भैर मनयुग भैर का मतलब होता है क्रोध भरे और निर्भर त्यर शयति का मतलब होता है धमकाती है तो वही भगवान नाम अपने मन में कहते हैं कि धिक्कार है मुझे कि मैं मेरे द्वारा किए गए अपराध को वह बच्चों को धमकाती है क्योंकि भगवान नाम का ही लीला था ये सब अब जो है स्टूडेंट आगे आगे कहानी बढ़ता है आगे है कि आगे है कि सवाष्प में अब लोग के अति यानी कि आंखों में क्या आ जाता है भगवान नाम के आंसू आ जाता है फिर भगवान नाम कहते हैं कि अति दीर्घ प्रवा प्रवासोयम दारू नश्च भगवान नाम कहते हैं कि यात्रा जो है बहुत क्या है लंबी है और क्या है तो कठ ये है कष्टदायी है अब आपको पता होगा कि भगवान राम माता सीता से लव कुछ से अलग रह रहे थे तो वो उस उसके दिया बोले हैं यात्रा मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप ही अभी पढ़ रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं टेंथ में टॉपर बनने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपका एक यात्रा ही न है जर्नी न है तो भगवान राम कहते हैं कि ये जो जर्नी है ये बहुत ही क्या है तो भीषण है मतलब भयानक है और बहुत ही कष्टदायी है विदुषक में विदुषक मवलोक अवलोक्य का मतलब हुआ देखकर जानिक जानिकतम यानी विदूषक को देखकर कर पर्दे के पीछे भगवान राम कहते हैं कि कुतूह लेना विष्टो माँ तरम्यो नार्मते मतलब कि भगवान राम जो विदूषक को कहते हैं कि मैं जिज्ञासापूर्वक इसके अब माँ का नाम जानना चाहता हूँ न युक्तम च स्त्री गत विशेष तस्त तपो बने तत्र कौत्र उपाय यानी कि भगवान राम विदूषक को पर्दे के पीछे बुलाकर कहते हैं कि हे विदूषक मैं इसकी माता का नाम जानना चाहता हूँ बेदुतिम इच्छा में मतलब जिज्ञासु जानना चाहता हूँ लेकिन किसी स्त्री के विषय में ऐसे पूछना उचित कार्य नहीं है और वो भी ऐसी स्त्री के बारे में जो किसी वन में रहती है तत्कोतरा भयप्रिया इसके लिए क्या उपाय है क्योंकि राजा जितने भी होते थे वो अपने दरबारी से ही उपाय के बारे में पूछते थे फिर विदूषक जो है जना जनानिंतकम का मतलब होता है पर्दे के पीछे विदूषक कहता है कि अहम पुनः पिक्छामी अहम मतलब मैं पुनः मतलब दोबारा पिक्छामी मतलब पूछता हूँ मैं दोबारा पूछता हूँ प्रकाशम किम नाम दे यो व्यो जर्ननी और विदूषक आके प्रकाशम का मतलब है प्रगट होके आप देखते हैं ना नाटक में क्या होता है कभी सीन के पर्दा के पीछे चल गया कभी पर्दा के आगे आ गया तो अब विदूषक जो है पर्दा के आगे आके पूछता है कि किम नाम देो युव्यो जननी हे लव तुम्हारे माता का नाम यानी जननी का नाम क्या है इस पे लव कहते कि तस्या दो नामनी उनके दो नाम है विदुषा कहता है कि कथमी कैसे लव कहते हैं कि तपोवन वासिनो देवी तो नाम ने है अंति तपोवन के वासी उनको देवी के नाम से बुलाते हैं भगवान वाल्मीकि वर्धु वर्धु रीति और जो हमारे गुरु हैं भगवान वाल्मीकि वह उनको बहू कह कर पुकारते हैं वधु कहकर पुकारते हैं इस पे राम कहते हैं भगवान राम कि अपिच इत वस्य भगवान राम कहते हैं इस पे कि मित्र तो और इधर भी थोड़ी देर के लिए मतलब कि आपको पता है कि लव कुछ जो है थोड़ा साइड हट के अभी खड़े हैं विदूषक ये पूछ रहा है कि क्या नाम है माता का भगवान नाम इधर है ऐसे भगवान राम को तो सब पता रहता है कि हमारी बेटे हैं तो भगवान राम जो है कहते हैं कि इधर आओ मित्र इधर आओ क्या इधर क्यों इधर आओ तो मुहूर्त मात्रम यानि कि जो मुहूर्त का समय है वह निकला जा रहा है उसके बाद उपश्रित्य यानि कि विदुषक पास जाकर आज्ञा पे तो भगवान आज्ञा दीजिए महाराज भगवान नाम कहते हैं कि अपि कुमार योर न योर अस्माकम च सर्वथा समरूप कुटुम्ब वृतांत और भगवान नाम कहते हैं कि इन दोनों कुमार यानी कुमार का मतलब हो गया कि वो जो दोनों लव और कुश थे ये दोनों का और मेरा जो कुटुंब वीरितता कुटुंब वीरितता का मतलब हो गया मेरा परिवार मेरा परिवार का जो विवरण है मतलब डिटेल है दोनों क्या है तो सेम ही है एक जैसा है उसके बाद सीन बंद हो जाता है आप देखते हैं नाटक में तुरंत पर्दा लग जाता है नेपेथ्य यानी पर्दा लग जाता है अब पर्दे के पीछे का कहानी आगे है उस पर भगवान नाम कहते हैं कि यति वेला संजात रामायण गान से नियोग किमर्थम न विद्यते ठीक है मतलब भगवान नाम कहते हैं कि इतना समय हो गया इति यति यति वेला संजात मतलब इतना समय हो गया रामायण गान से नियोग रामायण का गान नहीं हो रहा है किमर्थम न विद्यते यानी कि किमर्थन मतलब क्यों न मतलब न विद्यते यानी नहीं किया जा रहा है इस पे उभव यानी कि लव और कुश बोलते कि राजन उपाध्याय दूतोष्षमान त्व रीति मतलब लव और कुश कहते हैं कि बातचीत बहुत हो गया महाराज गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं और जैसा कि आपको पता है अभी आपके मन में था ना सवाल कि सर लव और कुश भगवान राम के दरबार में क्यों आए थे तो लव और कुश जो है भगवान राम के दरबार में अपनी टीम के साथ गाना रामायण का गान करने आए थे तो पहले अभी भी आप देखते हैं ना कि म्यूजिकल टीम आता है ना जी सर तो सीधा आके फंक्शन में गाना ही शुरू कर देता है नो सर मान लीजिए कि आप ही नेहा कक्कर टोनी मक्कर को बुला लिए गाना करने के लिए तो आ, आ, आके ही नेहा शुरू कर देगी मैंने पायल है खनकाई तो राजा मेरे साई नहीं ना ठीक क्या करेगी पहले बातचीत होगा कैसे हैं कैसे हालचाल नाश्ता पानी उसके बाद ना तो वही अभी लव और कुश गान करने आए थे तो यहाँ आजकल के जैसा गाना नहीं उस समय रामायण का गान होता था तो वही करने आए थे अपने गुरुवर के और चेलों के साथ ठीक है तो बातचीत शुरू में होने लगा अब दोनों कहते हैं कि हे है महाराज जल्दी कीजिए उपाध्याय के दूत जो हैं मतलब और जो मेरे टीम के मेंबर हैं वो कह रहे हैं जल्दी करने के लिए उस पर भगवान नाम कहते हैं कि मयापी सम्मान ये एवं मुनियोग तब कि हे लव और कुश आपके गुरु ने आदेश दिया है कि जल्दी से काम मतलब गान करके जाओ तो मेरे लिए भी गुरु का जो आज्ञा है आदेश है वो क्या है मानने योग्य है देखिए कितना बड़ा बात है कितना बड़ा बात है देखिए भगवान नाम को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और किसी को क्यों नहीं कहा जाता है क्यों क्योंकि भगवान नाम में संस्कार कूट कूट के भरा था अभी मान लीजिए कि हम आदेश किए आप लोगों को कि ये चैप्टर तुरंत पढ़िए टेलीग्राम पे जाइए पीडीएफ से पूरा एक बार हिंदी रीडिंग खुद डालिए आप लोग डालेंगे नहीं हम गुरु हैं तब पर भी आदेश नहीं मान रहे मानिए तब ना अभी मर्यादा पुरुषोत्तम बनिएगा अच्छा सर ये बात है जो मान रहे हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जो नहीं मान रहे वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है अगर आप दो दिन बाद भी पढ़ लेते हैं तीन दिन बाद भी लेकिन पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले तब ठीक है तो भगवान राम कहते हैं कि गुरु जी का आदेश है तो मेरे लिए भी आज्ञा है मतलब मेरे लिए भी माननीय है तथा ही भवंतो गायंतो गायन तो कभी पुरानो निर्धर अब आगे भगवान राम कहते हैं क्या कहते हैं अब कहानी इंधी होने वाला है भगवान राम कहते हैं कि भवंतो गायंतो कबीरअपी पुरानो व्रत निर्धर मतलब कि आप दोनों जो आज जो भी चीज़ का कथा कहने वाले हैं वह क्या है तो आगे कहते हैं गिराम सौंदरभयम प्रथम वर्तीनो वस, वसुमतीम यानी कि यह जो है भगवान वाल्मीकि की बहुत बड़ी रचना है उसके बाद कहते हैं कि कथाचयम सलाध्य सरसी रूह नाभ्यस्य नियंतम और इसकी वाणी जब धरती पे पर प्रथम बार उतरी है तो इससे लोगों का ही क्या होगा कल्याण होगा पुनाति श्रोताराम रम्यति च स्वयं और यहाँ पे ये बताना ही भूल गई ये भगवान विष्णु से सम ये है भगवान विष्णु से संबंधित है मतलब आज जो चीज़ का पाठ पूजा होने वाला है वो भगवान विष्णु से रिलेटेड होने वाला है और यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि कथा चयम सॉरी पुनाति श्रोतराम रम्यति च स्वयं और इस तरह निश्चय हैं यह जो है अभी जो भी लोग इसको सुनेंगे उनको पवित्र कर देगा और उनको काफ़ी ज़्यादा आनंदित कर देगा उसके बाद भगवान राम कहते हैं कि वैश्य है, मतलब हे मित्र अपूर्वदयम अपूर्वोम मानवा नाम सरस्वती अवतार यानी कि यह मनुष्य में सरस्वती का अवतार विचित्र है मतलब भगवान राम कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य है उसके अंदर शिक्षा है तो सरस्वती का ही अवतार माना जाएगा ना वो अनोखा है तदम सी सि सी हजना सिजन सी संधारणम श्रोतुम इच्छा और भगवान राम कहते हैं कि मैं भी इस कथा को एक साधारण व्यक्ति के तरह एक साधारण हृदय दिल वाले व्यक्ति के तरह सुनना चाहता हूँ उसके बाद भगवान राम जो है सभी जो सभा के सदस्य थे यानी कैबिनेट था जैसे आज है मोदी जी का कैबिनेट तो भगवान राम का भी दरबार था तो सनिध्यताम सभासद यानी कि हे सभासद मतलब जो दरबारी है सबको कहते शांत हो उसके बाद कहते हैं कि दंतिकम सौमित्र यानि कि आगे अहमअप्यतो यस्य यो यस्य चारासन परिखेदम विहनम कृतवा अपने आमी यानी कि हे सवा सद शांत हो लक्ष्मण को मेरे पास भेज दिया जाए और भगवान राम कहते हैं कि मैं इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को घूम घूम करके हटा रहा हूँ इस प्रकार सभी निकल जाते हैं भगवान राम के कहना रहता है कि लव और कुश जैसे महान बच्चों के सामने मैं आसन पे बैठा था ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है और मैं भी हर नम कृत अपने आमी मतलब मैं क्या कर रहा हूँ तो घूम फिर के इस दुख को भुला रहा हूँ इसी प्रकार नाटक ख़त्म हो जाता है इति निष्क्रांता आसर और सभी जो है वहाँ से निकल जाते हैं यही एक सीन था तो स्टूडेंट इसमें आपने देखा कि कैसे शिशु जो हैं सबके लिए लालनीय होते हैं भगवान राम को बहुत दुख हो रहा था कि उनके लव कुछ के सामने वो सिंहासन पर बैठे थे और माता जो है यानी सीता माता क्या कर रही थी लव कुश को डांटती थी उस बात से भगवान राम को बहुत ज़्यादा दुख होता है ठीक है और मैं भी अभी सीतामढ़ी से पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था जहाँ से पढ़ा रहे वहाँ से मात्र और मात्र 500 से एक किलोमीटर की दूरी पे चलिए स्टूडेंट तो चैप्टर हुआ आपका समाप्त अब आप लोग क्या काम कीजिएगा ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो आप लोग को हिंदी अर्थ यहाँ पे टाइप करके दे दिए हैं तो आप खुद से पढ़िएगा लाइन बाय लाइन और देखिएगा एक, -एक वर्ड का मीनिंग क्योंकि तो दो तीन बार रीडिंग खुद से दीजिएगा तो आपके मन में वो चीज़ बस जाएगा अब आपको कराते हैं बोर्ड लेवल का क्वेश्चन जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब आइए स्टूडेंट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस और इसी पैटर्न का क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आपके जो अंकल अंकल है है बोर्ड वो आपसे एग्जाम में में पूछेंगे तो देखिए स्टूडेंट आप लोगों के मन में है कि सर क्या वहां पर पैसेज देगा तो आपके जो सीबीएसई अंकल है एकदम पैसेज देके और फिर क्वेश्चन आंसर को पूछेंगे इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा पैसेज दिया रहेगा ठीक है जैसे यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है ठीक और इससे क्वेश्चन आंसर है तो पहला क्वेश्चन पूछेगा एक पदेन उत्तरत तो एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है अंग्रेजी में पढ़े हैं ना एक पदेन का अंग्रेजी में आप क्या पढ़े हैं वन वर्ड तो उसी को संस्कृत में एक पदेन कहते हैं देखिए क्वेश्चन को शांति से समझिएगा तो बनेगा आंसर पैराग्राफ में रहता है हृदयग्राही स्पर्श तो हृदयग्राही स्पर्श का मतलब क्या होता है अभी आपको बताए तो, तो अभी आपको बताएं क्या होता है हृदयग्राही स्पर्श का मतलब हृदय को छूने वाला स्पर्श ठीक है कह मतलब कौन अनुभवती यानी कि हृदयग्राही स्पर्श का अनुभव कौन किया तो कौन किया तो यहाँ पे साफ साफ भगवान राम ही कहे हुए हैं कि अहो हृदयग्राही स्पर्श यानी भगवान राम जो है हृदयग्राही स्पर्श का अनुभव किए तो यहाँ पे राम हो जाएगा कह से क्वेश्चन है तो एक वचन में यहाँ पे आप राम लिखेंगे कोई दिक्कत नो सर कुछ प्रश्न निर्माण में अगर आपको दिक्कत है क क क क कस्य कया कुत्र तो टेंशन न लीजिए प्रश्न निर्माण भी आपको पढ़ा चुके हैं नीचे प्लेलिस्ट होगा उसी में बोले ना सेमूसी एक्सप्रेस अभी जो नया शुरू किया सारा लेक्चर उसी में शेड्यूल है आप थोड़ा दिन बाद देख रहे होंगे तो अपलोड हो चुका होगा आप उसको देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा इसका हिंदी हुआ कि हृदयग्राही स्पर्श का अनुभव किसने किया तो भगवान राम ने किया अगला क्वेश्चन है कि विदुषकन यानी विदूषक स मतलब साथ अव्य में पढ़ा है क मतलब प्रविष्टा यानी कि विदूषक जो है क मतलब किसके साथ प्रविष्टा किसके साथ प्रवेश किया तो किसके साथ प्रवेश किया लव और कुश के साथ प्रवेश किया? किया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे लव और कुश लिख देंगे और विभक्ति जो है कौ से है तो कुश हो जाएगा यहाँ पे जैसे बाल कौ को, कोई दिक्कत नहीं होता उसके बाद है ताप कौ तापसो का मतलब हुआ तपस्वी और कौ का मतलब हुआ कौन यानी कि यहाँ पे तपस्वी कौन है तो कौन है तपस्वी तो लव और कुश वही ना दो तपस्वी थे जी सर तो क्या हो जाएगा लव कुश यहाँ पे कौ से है तो लव कुस अगर रहता है तापसौ कौ? क से से रहता है ऐसे कौ के जगह क रहता तब हम लोग देते लव कुश ठीक है कोई दिक्कत नो सर उसके बाद क उसके बाद है क सिहा भवती मतलब क मतलब सिंहासन पे कौन स्थित है तो सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है तो राम बैठे हुए भगवान नाम क से है तो सिंपल राम उसके बाद है कौ अनिक्षाम तो देखिए पैसेज में यहाँ पे कौ अनिक्षाम तो उभव उभव अनिक्षाम नाट्यतः मतलब कि वो जो लव और कुश थे जब सिंहासन पे बैठने का ऑर्डर ऑफर मिला तो वो लोग बैठ तो गए भगवान नाम की गोदी में लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था कि उनकी इच्छा नहीं थी क्योंकि ये राजा का आसन था तो कौन अनिच्छा था अनिच्छा अनिक्षा, अनिक्षा नाट्य अतः कर रहा था कौ तो लव कुश तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर लव कुसव हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि कौ से तो, तो सर यहाँ पे उभाव नहीं लिख सकते हैं नहीं उभव गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहली बार ही नाम का यूज हो रहा है ना क्वेश्चन में जी सर यहाँ बार बार लव कुश न लिख के उभव लिखा है यहाँ पे लव कुसव हो जाए उसके बाद है पूर्ण वाक्य नहीं पूरे वाक्य में पूछ रहा है कि राम यानी भगवान नाम लव कुस यानी लव कुश को कुत्र कहाँ उपवेश मतलब कहाँ बैठाते हैं तो आपको तो पता है थे ना अर्धासनम यानी आधे आसन पे बैठाते हैं तो वही बस कुत्र के जगह जो है, है, है लिख दीजिए आंसर तो कुत्र के जगह क्या लिखिएगा आधे आसन पे तो लिखेंगे राम यानी राम जो है भगवान नाम लव कुस लव त्र बैठाते थे मतलब कहाँ बैठाते थे तो कहाँ बैठाते थे तो आधे आसन पे बैठाते थे देखिए ना अर्धासनम ठीक है और उपवेस्थिति अलग हो जाएगा तो वही तो उपवेस्थिति से पूछा है कहाँ पर बैठाते थे तो आप लिख दीजिएगा अर्धासनम यानी कि आधे आसन पे बैठाते थे तो आप टेंशन नहीं लीजिए अभी तो हम आपको थोड़ा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करा रहे हैं और आप लोगों के लिए एक बात लिख कर देते हैं कैप्सूल सीरीज लाने वाले हैं सारा उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस होगा अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे तब ना जी सर तो अर्धासनम स्थिति। ठीक थी। है पूर्ण में कोई भारी नहीं है हल्का होता है मेन बात है ना कि आप लोग नाइन्थ ट्वेंथ में कुछ पढ़े नहीं रहते इसलिए यहाँ प्रॉब्लम होता है लेकिन हम सारा बेसिक से पढ़ा दिए कोई दिक्कत नहीं है देखिए जैसे हम पूछे आप कहाँ रहते हैं तो आप लिखिएगा मैं सीतामढ़ी में रहता हूँ तो कुत्रे के जगह नहीं लिखे बाकी बात तो वही चीज लिख दिए तो वही है कि राम लव कुश को कहाँ बैठा है तो राम लवकुष को अर्धासनम यानी आधे आसन पर बैठा अपने गोदी में बैठा तो वही लिख दिए उसके बाद है किम चरित्र लोपाय न भक्ती किससे चरित्र का लोप नहीं होता है तो भगवान नाम यहाँ पे कहे हुए हैं ना कि देखिए भगवान नाम क्या कहे हुए हैं कि स्यवधानम न चरित्र लोपाए यानी कि एक व्यवधान क्रिएट कर देते हैं जिससे चरित्र का लोपन नहीं होगा ठीक है तो व्यवधान क्रिएट होगा तो थो वही यहाँ पे लिख देंगे क्या लिख देंगे स्व व्यवधानम सिंहासन सिंहासनो सेन चरित्र लोपाय न भगती ठीक किस है किससे सोचिए ना किस भगवान आप लोग सोचते नहीं है मेन बात है संस्कृत में टाइम दीजिए किम चारित्र लोपाय न भवती किससे चारित्र का लोपाय नहीं होगा चारित्र का लोप नहीं होगा तो स्व व्यवधानम क्रिएट कर देंगे रुकावट क्रिएट कर देंगे तो लिख दीजिए स्व व्यवधानम ठीक न चारित्र लोपाय भवती एकदम सही आंसर है उसके बाद है यहाँ पे भाषिक कार्य जिसमें दिक्कत होता है आप लोग को समझने की कोशिश कीजिए अनुवाद सीरीज फॉलो नहीं किए प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिएगा अनुवाद अनुवाद सही रहेगा तभी पत्र पूरा पूरा बनेगा आप लोग कहते हैं ना सर पत्र पूरा नहीं बनना नहीं बना अनुवाद नहीं, नहीं आ रहा तो कैसे बनेगा अनुवाद सही कीजिए जैसे लिखा हुआ है प्रिस्त प्रविष्ट के नो पदिश्य मान मार्ग अत्र प्रयुक्तम क्रियापदम की यहाँ पे पूछ रहा है क्रियापद क्या है तो क्रियापद किसे कहते हैं बताइए ना आप ही तो सर क्रियापद किसे कहते हैं क्रिया को कहते हैं क्रिया कैसे कहते हैं तो जी सबसे किसी काम के होने का बोध हो तो हम हाँ अगर विदूषक इसका आंसर लिखते हैं तो सही होगा सर हो सकता है नहीं होगा क्योंकि तो विदूषक तो से क्या काम का पता चल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है मान मार्गो रास्ता दिखा रास्ता इससे कोई काम का पता चल रहा है नहीं यहाँ परिविशतर परिविशतर का मतलब होता है प्रवेश करके तो इससे पता चल रहा है कि प्रवेश करने का काम हो रहा है यानी घुसने का काम हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ये जो है सही आंसर जो है वह हो जाएगा एक मिनट रुकी अरे ये क्या हो रहा हाँ ये जो है स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा सर यही क्यों हुआ ये विदूषक क्यों नहीं हुआ आपके मन में है ना क्वेश्चन तो क्या पूछ रहा है क्रिया पूछ रहा है तो क्रिया का मतलब हुआ जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो तो हम बोल दे राहुल तो इसे कोई काम का पता चल रहा है नहीं ना चल रहा है जी सर तो प्रविष्ट मतलब प्रवेश करना है काम हो रहा है तो ये क्रिया है ठीक है चलिए उसके बाद चौथा है चौथा है कि हृदय ग्राही इस पद से विशेष्य पदम किम पूछ रहा है कि हृदयग्राही में विशेष्य पद बताइए समझे बात को हृदयग्राही में विशेष्य पद पूछ रहा है ठीक है मतलब ये क्या है विशेषण है सर कैसे पता चला हृदयग्राही इति पदस्य विशेष्य पदम किम यानि कि विशेष्य पद तो पूछ ही रहा है तो निश्चित तौर पे विशेषण ही न दिया है सर नहीं आया सर दिमाग बंद है मेरा थोड़ा सा समझाइए और समझा रहे देखिए हृदयग्राही इति पदस्य विशेष्य पदम किम पूछ रहा है कि हृदयग्राही एक पद है एक शब्द है तो हम बेवकूफ है हमको नहीं पता चल रहा ये शब्द है

विशेषता है तो अच्छा विशेषण हो गया और जिसके बारे में बताया जाए वो विशेष है तो हृदयग्राही क्या है विशेष इसका विशेषण पूछ रहा है हृदयग्राही का मतलब गले लगना तो गले लगना क्या था हृदयग्राही क्या था तो स्पर्श अच्छा मतलब जो हृदयग्राही है मतलब कि दिल को छूने वाला ठीक वो विशेषता हो गया मान लीजिए कि आप किसी से गला मिले मजे नहीं आया तो आप कह रहे बेकार था यहाँ पे भगवान नाम जो है स्पर्श यानी कि लव और कुछ से मिलने के बाद बोलते हैं तो दिल को छूने वाला क्या था तो सर स्पर्श था तो स्पर्श क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा अच्छा सर ये बात है हाँ दिल को दिल को हृदय हृदयग्राही विशेषण है तब तो विशेष से पूछ रहा है तो हृदय हृदयग्राही का मतलब हुआ दिल को छूने वाला तो दिल को छूने वाला क्या था स्पर्श था उसी तरह मान लीजिए विशेषण दे दे अच्छा तो अच्छा कौन था

तो आपका यूज किए यानी युष्म किसके लिए यूज हुआ तो लव कुश के लिए हुआ तो आप लोग हम लोग क्या लिख देंगे लव कुश लिख देंगे लेकिन काभ्याम है तो लवा कुश भयाम यहाँ पे रहना चाहिए कुशाभ्याम कुसा कुसाभ्याम समझे यस सर सर एक बार और देखिए युष्म दर्शनाथ कुशल पेशेंस रख के बनाइएगा तब न बनेगा युष्म दर्शनात्शल मतलब यह जो लाइन है इसमें युष्म किसके लिए यूज है तो आप खुद देखिए ना भगवान राम के लिए यूज होगा आप खुद सोचिए कि इसमें आदमी कितना था लव कुश भगवान राम और विदूषक तो विदूषक तो अभी इंट्री लिया भी नहीं था स्टार्टिंग में यस सर और भगवान राम अपने लिए थोड़ी बोलेंगे ये लाइन भगवान राम तो खुद बोले अपने लिए थोड़ी कोई बोलता है कि हाँ आपके दर्शन से मैं कुशल हूँ सामने वाला पार्टी के लिए बोलता है तो ये युष्मत किसके लिए यूज हुआ होगा निश्चित तौर पे लव कुश के लिए यहाँ पे काव्याम है इसलिए लब कुश अभ्याम उसके बाद है पात्र इतस्य किम समार्थक पदमत्र प्रयुक्तम तो आपको पता है कि पात्रम यानी पात्र कैरेक्टर तो उसको हम लोग भाजनम कहते हैं अच्छा समनार्थक का मतलब हुआ सेम साइनो नेम, तो ये हो जाएगा आपको भाजनम कोई दिक्कत नीति पदस्य का भी हम प्रयुक्तम यानी उभव जो यहाँ पे एक पद चल रहा है वो किसके लिए यूज हुआ है तो अब हम आपको इसी में बताए थे क्या कहते हैं किस क्या बताए थे लेक्चर में ही बताए थे कि उभव जो है वह किसके लिए यूज हो रहा है तो लव कुश के लिए यूज हो रहा है तो लव कुश लिख देंगे और यहाँ पे का व्यायाम से है तो कुशा व्यायाम भी लिखना जरूरी है उसके बाद है तत्परविश्ता तापसो कुश लभ अत्र क्रियापद किम क्रियापद पूछ रहा है तो अगर हम लिखे तापसौ तापसौ का मतलब होता है तपस्वी इससे कोई काम के पता चल रहा है नो नोसर कुशलभ आदमी कोई काम का पता चल रहा नहीं करता है प्रविश्ता यानी प्रवेश करके तो परविश्ता क्या है क्रिया है प्रविश्ता मतलब हुआ प्रवेश करना तो इससे किसी काम के होने का पता चल रहा है कौन सा काम प्रवेश करने का काम इसलिए वो क्या है प्रविश्ता क्रिया है तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका हुआ बहुत अच्छे ढंग से समाप्त एक बार आप शब्दार्थ को याद कीजिएगा याद का मतलब ये नहीं होता कि रटा मारना शुरू कर दिए एक दो बार देख लीजिएगा याद हो जाएगा और हिंदी अर्थ जो दिए इसको दो तीन बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा तो सेमोसी एक्सप्रेस चल रहा है कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है वो जो ट्रेन चल रहा है ना अनाउंस होता है ना Hmm, mm, मैं हसेंजर कॉट ट्रेन प्लीज द ट्रेन नंबर थ्री टू फोर टू वन mm, यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी नंबर तीन दो चार तीन पाँच सिप्रेस शिशुलाल नाम से चल के जन तुलवा सला सौहार्दम प्रकृति शोभा सुभाषितानी विचित्र साक्षी सुकत्य विचित्र साक्षी अनोकत्य के रास्ते घटनाक्रम को जाने वाली सेमूसी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय साढ़े आठ बजे से मास्टर साहब जंक्शन से रोज चलती है आपकी सुखद यात्रा की हम कामना करते हैं मैं पैसेंजर कॉल ट्रेन अटेंशन प्लीज तो यहाँ पर आपने देखा कि चैप्टर आपको जब पढ़ाए उसके बाद जो उस चैप्टर पढ़ने से फायदा नहीं होता है उससे क्वेश्चन आंसर बनता है वो जब बन जाए तब बुझाता है कि हाँ असली फायदा जो है चैप्टर पढ़ने से हुआ है तो जैसे अभी आपको हमने क्वेश्चन कराया और चार फरवरी को लाइव कराकर भी आपको क्वेश्चन करा दिए थे यस सर तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर बोर्ड में पूछेगा और अब जो है पहले ऑप्शन आता था पहले क्या था एक पदेन में भी ऑप्शन भाषिक कारने में भी ऑप्शन तो बस पूर्ण व्याख्यान में खेल करना रहता था जो खेल हो जाता था आप लोगों से लेकिन अब बिना ऑप्शन का है तो दिक्कत हो जाता है इसीलिए आप जैसे जो अगर आप पहले से बोर्ड बूस्टर बैच में तो वहां सारा क्वेश्चन करा दिए उसका प्रैक्टिस एकदम दमदार रूप से करिएगा जो भी जो हमसे पर्सनली जुड़े थे उनका भी कराएं लेकिन जो कोई भी बैच में नहीं है वह बिल्कुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे अभी एक श्लोक का है, हर श्लोक का क्वेश्चन आंसर हर पैसेज का क्वेश्चन आंसर जो है लगभग 2500 के आसपास क्वेश्चन आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज में दे दिए हैं ठीक है तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 15 नंबर का तो

सुभाषितानी चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि सुभाषितानी पढ़ना क्यों है और क्यों पढ़ना ज़रूरी है तो आप कहेंगे कि सर बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए तो पढ़ना ही है तो वो तो एक बात हुई कि बोर्ड में नंबर लाना है तो सुभाषितानी तो पढ़ना ही होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है श्लोक वाला में उसके साथ साथ सुभाषितानी चैप्टर पढ़ा के आपको यह भी सीख दी जाती है कि कैसे ज़िंदगी को जीना है ठीक है और ज़िंदगी में आपको कैसे रहना है किन किन चीज़ों का त्याग करना है ठीक है तो सर ये सब तो सिर्फ पढ़ने का है तो पढ़ने का नहीं है अगर आज जो जो श्लोक हम आपको बताएंगे और उसका मीनिंग समझाएंगे, अगर ज़िंदगी में आप उसको उतार दीजिएगा तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बन जाइएगा ठीक है तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वही पुराना डायलॉग कि सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका थोड़ा सा शब्दार्थ ताकि कोई भी हम लोगों को दिक्कत न हो स्टूडेंट आलस्यम का मतलब होता है आलस लेजीनेस अभी इंस्टा पे थोड़ा दिन पहले ट्रेंड चला था ना लेजी लेड सैया तो वही वाला आलस ही का मतलब होता है निश्चय ही मनुष्य नाम का मतलब होता है मनुष्य को शरीरस्था का मतलब होता है शरीर में रहने वाला यानी कि इनसाइड द बॉडी रिपू का मतलब होता है शत्रु इनेमी दुश्मन उधम समा का मतलब होता है परिश्रम के समान इक्वल टू मेहनत नास्ती का मतलब होता है नहीं है ठीक है उसके बाद यम का मतलब यहाँ पे होता है जिसे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं औषीदिति का मतलब होता है दुखी होता है बेटी का मतलब होता है जानता है वायसा का मतलब कौआ कड़ी का मतलब हाथी निमितम का मतलब कारण और प्रक्योपति का मतलब अत्याधिक क्रोध करता है तो अभी जितना श्लोक पढ़ाएंगे स्टार्टिंग में दो उसमें इतना ही वर्ड वर्डमनिंग का जरूरी है अब एक एक श्लोक को अच्छे ढंग से तोड़ तोड़ के आपको समझाते हैं और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास किताब है तो उसको निकाल लीजिए और जो जो चीज़ आपको लगे कि आप बार बार भूल जाते हैं उसको नोट कर लीजिएगा श्लोक लिखा मतलब हुआ है आलस्यम ही मनुष्या नाम शरीरस्थो महान रिपु ध्यान से समझिएगा कह रहा है स्टूडेंट कि आलस्यम ही मनुष्या नाम शरीरस्थो महान रिपु अब आलस्यम का मतलब अभी आपको हम क्या बताएं आलस्यम का मतलब हो गया आलस ही का मतलब ही मनुष्या नाम का मतलब आदमी शरीरस्थो का मतलब शरीर के अंदर महान का मतलब ग्रेट तो यहाँ पे ग्रेट नहीं होगा महान का मतलब बड़ा और रिपू का मतलब हुआ शत्रु यानी आलस जो है वो क्या है तो मनुष्य के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा क्या है शत्रु है ये पहला लाइन का मतलब ये हो गया कि आलस जो है वह मनुष्य के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है समझ समझिए बात को अब ये एक्चुअली में भी है स्टूडेंट आपको लगता होगा कि हमारा शत्रु कौन है तो बगल वाले मोहल्ले के अंकल जी हैं क्लास में वो लड़का है जो मेरी बाबू सोना को छीनने की कोशिश कर रहा है वो मेरा शत्रु है नहीं एक्चुअली में जो आपका सबसे बड़ा इनेमी है दुश्मन है वह आपका आलस ही है अब आपके मन में होगा सर ऐसा कैसे प्रूफ करिए तो प्रूफ कर देते हैं देखिए दुश्मन का काम क्या होता है कि आप एकदम नीचे धंसते चले जाएँ मतलब आपका कोई भी विकास वगैरह ना हो आप अनसक्सेसफुल रहे दुश्मन यही ना चाहता है कि जैसे भारत का दुश्मन है पाकिस्तान तो पाकिस्तान क्या चाहता है कि भारत हमेशा गरीब रहे आगे ना बढ़े तो आपका भी दुश्मन यही ना चाहता होगा कि आप आगे ना बढ़े हमेशा आ, मतलब कि एकदम कमज़ोर रहें यस सर तो अगर आप आलस आज आज से अगर आलस नहीं छोड़ते हैं तो आप यही तो रहेंगे अगर आलस कर रहे हैं मान लीजिए कि आप अभी स्टूडेंट हैं स्टूडेंटे ना हैं जी सर आप आलस कर रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अनसक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे तो आपका दुश्मन सबसे बड़ा कौन निकला आलस निकला तो एक बात जिंदगी में अपना के रखिए कि आलस ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है ठीक है अगर आप आलस करते हैं तो वही आपका दुश्मन है इसलिए आलस को जितना जल्दी हो सके त्याग दीजिए अब अगले लाइन में कभी कहते हैं कि नास्ती उधम समो बंधु कृतवा यम नौशी दी थी उधम समो तो देखिए संधि में आपको हम पढ़ाए हैं बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि संधि पढ़ना जरूरी है ये देखिए ऊ जो है अधम समो तो उधम समो का मतलब होता है मेहनत के बराबर तो अगले लाइन में कभी कहते हैं कि नास्ति उधम समो बंधु यानी कि मेहनत के बराबर कोई भी बंधु नहीं है मतलब कोई भी मित्र नहीं है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आलस है और सबसे बड़ा मित्र कौन है तो आपका मेहनत है तो मेहनत आपका सबसे बड़ा मित्र है आलस भूतनी के सबसे बड़ा दुश्मन है और क्रित्वा यमनावसी दी थी और जो भी व्यक्ति मेहनत करता है परिश्रम करता है वह जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहता है कभी दुखी नहीं रहता है तो पहले श्लोक का ये मतलब हुआ कि आलस जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उधम समो, ठीक है नास्ती का मतलब हो गया यहाँ पे न तो उधम समो, यानी कि परिश्रम के समान हमारा कोई भी मित्र नहीं है यानी मित्र हमारा सबसे बड़ा कौन है तो उधम समो, मतलब कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त मेहनत है परिश्रम है ठीक तो ये श्लोक पे जोर दे के पढ़ा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बोर्ड में नंबर आए उस पढ़ा रहे हैं अगर सही में ये श्लोक आप अपने जिंदगी में उतार लीजिएगा से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो 95 का आप सोच रहे नाइन्टी एट परसेंट आपका आ जाएगा जब कब आएगा जब आप परिश्रम करेंगे आलस कीजिएगा तो 20 परसेंट आएगा परिश्रम कीजिएगा तो 98 परसेंट आएगा तो आप खुद सोच लीजिए कि आपका दुश्मन कौन और मित्र कौन ठीक है अब चलिए हम लोग अगले श्लोक में बढ़ते हैं अगला श्लोक कहता है स्टूडेंट अगला श्लोक कहता है कि गुनी गुनम बेती न बेती निर्गुनो बली बलम बेती न बेती निर्बल पीको बसंत स्य गुनम नवाय स करी च सिंहस्य बलम नमुष्क अब हम इतना लंबा पढ़ दिए तो आप लोग कहेंगे कि सर क्या बोले हैं थोड़ा सा फिर से बताइए तो देखिए श्लोक पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा तभी है कि पहली बार में एक बार में आप बढ़िया ढंग से रीडिंग दे लीजिए ठीक है आप फिर तोड़ तोड़ के समझिए तो मज़ा ही कुछ और होता है देखिए स्टूडेंट गुणी का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति यानी कि कनालौडगे कना लौटगे नहीं नॉलेज फुल आदमी गुणम का मतलब होता है गुण नॉलेज बेटी का मतलब होता है जानता है बेटी का मतलब जानता है और निर्गुण का मतलब जो गुनी नहीं है तो पहले लाइन का मतलब ये हुआ कि गुनी गुनम बेती न बेती निर्गुण गुण का जो महत्व है वह सिर्फ और सिर्फ गुणी व्यक्ति ही जानेगा निर्गुण व्यक्ति नहीं जान सकता जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट है क्रिकेट है कि नहीं है यस सर तो क्रिकेट एक गुण है भाई क्रिकेट में उतना लंबा लंबा जो छक्का वो उठा उठा के मारता है वो सबके बस का बात है नो सर सबके बस का बात है नो सर तो क्रिकेट का गुण है किसी के अंदर अब कोई कहता है अरे बैट बॉल खेल रहा है अरे तू तो पगला है पढ़ो लिखने में ध्यान दो बैट बॉल खेल के क्या होगा अब देखिए बैटे बॉल खेल के विराट कोहली रोहित शर्मा बेचारा कितना नाम कमाया और कितना पैसा कमाया उसका कोई और अंत हिसाबे नहीं है तो आप अगर क्रिकेट देखते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट के महत्व को समझ रहे हैं मतलब क्रिकेट का वैल्यू क्या है उसको समझ रहे हैं और जो क्रिकेट नहीं देखता है क्रिकेट नहीं खेलता है वो क्रिकेट का वैल्यू क्या जानेगा तो वही यहाँ पे कहा गया है कि गुनी गुनम बेती न बेती निर्गुणों मतलब जो गुणवान व्यक्ति है वही गुण के महत्व को समझ सकता है निर्गुण व्यक्ति नहीं समझ सकता है निर्गुण का मतलब गुणहीन जिसके पास कोई भी गुण नहीं है जैसे अभी आप देखेंगे कि सारे जगह मैथ साइंस फिजिक्स पढ़ने के लिए प्रमोट किया जाता है कोई कहता है कि संस्कृत लेके आगे पढ़ो नहीं अब देखिए कोई संस्कृत पढ़ा रहा है जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं हमारे अंदर कुछ गुण है तो आप उसका महत्व समझ रहे ना कि हाँ सर तो हमारे काम की चीज़ है यानी आप गुणी व्यक्ति हैं नहीं तो बा, बाकी कहेगा कि क्या ही संस्कृत का टीचर है तो पहला लाइन का मतलब ये हो गया कि जो गुणी व्यक्ति होगा उसी वही जो है गुण के महत्व को समझेगा जैसे बलि बलम बेती न बेती निर्बल और जो बलवान व्यक्ति होता है वही बल के महत्व को बल के इंपॉर्टेंस को समझता है निर्बल जो है जिसके पास बल शक्ति नहीं है वह नहीं समझ सकता है अब जैसे आप देखेंगे जंगल में हाथी जो है वह कभी भी शेर से पंगा नहीं लेता है क्यों क्योंकि हाथी बलवान है वह शेर के बल को समझता है तो हाथी क्यों समझता है कि शेर खतरनाक है क्योंकि हाथी भी बलवान है और शेर भी बलवान है लेकिन आप देखते हैं कि वहीं पे जो चूहा है वो क्या करता है शेर को तंग करता रहता है तो चूहा क्या है एक फैट देगा शेर कहाँ उड़ जाएगा चूहा कोई ठिकाना नहीं है तो चूहा निर्बल है उसके अंदर कोई भी बल नहीं है तो क्या समझेगा शेर का बल कितना है ठीक वही है कि बलि बलम बेती न बेती निर्बल बलवान व्यक्ति ही बल के महत्व को जानता है निर्बल नहीं जानता है ठीक है चलिए अगला लाइन है कि अगला लाइन है कि पिको बसंत गुणम न वायस पिको का मतलब हो गया कि कोयल ही बसंत के गुण को जानती है कौआ नहीं समझ सकता है वायसा का मतलब हुआ कौआ पीको का मतलब हुआ कोयल तो पीको बसंत गुणम न कि कोयल ही वसंत के गुण को समझती है कौआ नहीं समझता है आप देखते हैं कौआ है सालों भर कैसे करता है? करता है कि नहीं आ कोयल जो है वो बसंत के महत्व को समझती है बसंत ऋतु आता है तो गाती है ऐसे तब ना गाना बना हुआ है कोयल सी बोली तेरी कुकु 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 कु, कु, यस सर उसके बाद अगला है करी सिंहस्य बलम न वही जो अभी हम निर्बल वाला में एग्जाम्पल दिए वही है कि करी सिंहस्य करी सिंहस्य करी का मतलब हो गया हाथी हाथी ही सिंह के बल को जानता है शेर के बल को चूहा नहीं जानता है ठीक है तो ये वाला लाइन हम पहली एक्सप्लेन इसलिए कर दिए किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि सर ये जो आप एक्सप्लेन किए चूहा और हाथी वाला ये तो लास्ट लाइन था तो इसलिए ये एक्सप्लेन कर दिए हैं कि दोनों लाइन आपस में इंटर रिलेटेड है इंटरलिंक है इसलिए पहली कर दिए हैं ठीक है और संस्कृत की कोई भी टेंशन नहीं लीजिएगा आप हमसे पढ़ रहे हैं ना तो सौ नंबर आपका इससे ही फिक्स है लाइसेंस पे दस्तखत कर दिए लीजिए साइन ठीक है अब चलिए हम लोग आगे जो है पढ़ते हैं तो ये वाला लाइन यही को दोबारा टाइप कर दिए हैं तो ये तो आपको बता ही दिए सर कैसे देखिए ना यही लाइन यहाँ पे फिर से उग गया है अच्छा सर आगे बढ़िए अब स्टूडेंट आपको हमने दूसरा नंबर श्लोक को पढ़ा दिया अब चलते हैं बउआ तीसरे नंबर श्लोक पे ठीक है तो चलिए करते हैं स्टार अब एक बच्चा का कमेंट था सर बउआ का मतलब क्या होता है तो बउआ जो है ना हमारे इधर छोटे भाई बहन को प्यार से बोला जाता है तो इसीलिए आप लोगों को भी बउआ बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत बउआ नहीं आगे बढ़ी देखिए निमितम का मतलब होता है कारण प्रकृति का मतलब होता है अत्याधिक क्रोध करता है मतलब कि गेट वेरी एंग्री ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित रूप से अपगमे का मतलब होता है एट द एंड प्रसिद्धि का मतलब प्रसन्न होता है अकार दोषी मन का मतलब होता है बिना किसी कारण के दुखी मन मेरा मन वही वाला मन अब ध्यान से श्लोक को हम एक्सप्लेन कर रहे समझिएगा लिखा हुआ है स्टूडेंट कि नीमितम उद्देश्य ही यह प्रत्युप्ति नीमितम उद्देश्य ही यह प्रत्युप्ति इसका मतलब क्या हो गया निमितम का मतलब हो गया कारण कौज उद्देश्य का मतलब हो जाता है स्टूडेंट उद्देश्य करके यानी टारगेट करके अब आप कहेंगे सर जी यहाँ तो उद्देश्य नहीं उद्देश्य नहीं लिखा हुआ आप कैसे पढ़ेंगे ये लिखा हुआ बुआ देखिए यार नीचे ये मुँह तो संधि हुआ है संधि में पढ़ा है इसमें ऊ है बीच में आपको पढ़ाए थे ना इसे छोटी ऊ नहीं लगता है अगर छोटी ऊ हो तो उसके जगह ऐसे घुमाया जाता है अगर बड़ी ऊ हो दीर्घ तो ऐसे घुमाया जाता है यस सर तो वही ऊ है तो ऊ छुपा हुआ है ऐसे घूम के तो जब तोड़ के पढ़ेंगे तो पूरा ऊ को पढ़ेंगे अच्छा सर ये बात है तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइए शांति से समझिए निमितम का मतलब हुआ कारण उद्देश्य का मतलब हुआ टारगेट करके उद्देश्य करके ही का मतलब होता है निश्चित रूप से यह का मतलब ही यह तो वही निश्चित रूप से पर क्युप्ति का मतलब होता है क्रोध करता है तो यहाँ पे पहले लाइन का मतलब यह है कि जो कोई भी किसी कारण क्रोध करता है जो कोई भी किसी कारण क्रोध करता है ध्रुवम स तस्यापग में प्रसिद्धि थी और ध्रुवम का मतलब हुआ निश्चित रूप से या निश्चय ही सह का मतलब वह पग में तस्य और यहाँ पे अपग में मिलके बना हुआ है तो तस्य मतलब उस कारण और अपग में का मतलब होता है समाप्त होने पे प्रसिद्धि का मतलब होता है खुश होना तो कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी कारण से दुखी होता है अगर वह कारण मिट जाए ठीक है वह कारण जो है मिट जाए अपग में मतलब समाप्त हो जाए तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है खुश हो जाता है और आप देखते ही हैं आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता एग्जाम से पहले आप खूब दुखी रहते हैं एकदम क्रोधित रहते हैं एकदम नहीं कहते इंग्लिश में फारेस्टेड रहते हैं और जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो कहते हैं आ हा खुश हो गए तो आपने क्या देखा कि वैसा व्यक्ति जो किसी कारण के वजह से दुखी है अगर वो कारण ही मिट जाए तो हमेशा क्या हो जाएगा प्रसिद्धि हो जाएगा मतलब खुश हो जाएगा जैसे आपका मन है पापा हम जो है हमको बाइक दिलाइए वो मोटरसाइकिल दिलाइए तो पापा कह रहे हैं ठीक है दिला देंगे तो आपका मन है एकदम कि एक बुलेट ले ले रॉयल इनफील्ड का जो या अभी स्पॉट बाइक आया है अब पापा कह रहे हैं ना बऊआ स्प्लेंडर प्लस दिलाएंगे माइलेज ज़्यादा है तो आप दुखी हो गए तो कारण क्या है कि आपको स्पलेंडर मिला और आपका मन था कि एकदम आर वन फाइव ले लें यस सर अब आर वन फाइव पापा दिलाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि नहीं यस सर क्यों क्योंकि, क्योंकि कारण खत्म हो गया दुख होने का दुखी होने का तो वही बताया है कि कोई व्यक्ति किसी कारण के कारण दुखी है अगर वो कारण खत्म हो जाए तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है खुश हो जाता है लेकिन अकारण द्वेषी मनस्तु यश्य वय कथम जनस्तम परितोष परितोष परितोषयश्यति का मतलब होता है संतुष्ट करना या संतुष्ट करेगा कह रहा है कि अकारण द्वेषी मतलब कि जो भी मन बिना किसी कारण के दुखी है वह कभी भी क्या हो सकता है संतुष्ट नहीं करेगा और वह मन कभी भी खुश नहीं रह सकता है तो ये पूरे श्लोक का मतलब यही हुआ पहले दो लाइन में कि जो भी व्यक्ति कोई कारण से दुखी है तो कारण खत्म आदमी खुश लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी कारण के ऐसा भर दिन ऐसा है पड़े क्या है तो डिप्रेशन है प्रॉब्लम क्या है कुछ नहीं ऐसी सोच रहे हैं तो वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता है अब मान लीजिए कोई कारण नहीं आप लटका के बैठे हुए तो इसका क्या इलाज वही श्लोक में लिखा गया है कोई दिक्कत नो सर आगे बढ़िए आगे है चौथा श्लोक चौथा श्लोक का पहले शब्दार्थ आपको थोड़ा सा बता देते हैं देखिए शब्दार्थ क्या है महताम का मतलब होता है महात्मानम नहीं नहीं ये तो आपको हम ये तो संपत्तियों विपत्तियों का है चलिए इसका शायद हम शब्दार्थ नहीं लिखें बोल देंगे आप लोग लिख लीजिएगा और जब पी देंगे टेलीग्राम पर उसमें लिख के दे देंगे यहाँ पे चौथा नंबर श्लोक है चौथा नंबर श्लोक है उदिरितो अर्थ पशुनापि गृहहा हयाश्च नागश्च वहंती बोधिता अनुकत्म पयोहूति अनुकत्म प युहति पंडितो जना प्रंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया कहने का मतलब ये है स्टूडेंट तोड़ तोड़ के समझाते ध्यान से समझिएगा उदिरितो अर्थ तो उदिरिता का मतलब होता है कुछ भी कहा गया हो तो वही कह कह रहा है कि उदिरितो अर्थ मतलब कोई भी कहा गया चीज को पशुनापी इसमें अपी है अपी का मतलब होता है भी अब में पढ़ा है अभी यानी गृहाते यानी ग्रहण करता है तो पहले पूरे लाइन का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज कहा जाए उसको तो पशु भी ग्रहण कर लेता है पहला मतलब यह हुआ उदरीता अर्थ का मतलब हुआ कहा हुआ अर्थ पशुनापी मतलब पशु भी अग्रिहाते का मतलब ग्रहण करता है यानी कहा हुआ तो पशु भी ग्रहण करता है सर कैसे जैसे आप कुत्ता अगर पाल रखे होंगे तो आप कहते हैं जैसे शू तो कुत्ता दौड़ जाता है ए वो गेंद लेके आप ऐसे फेंक देते हैं कुत्ता उसको लपकने दौड़ जाता है आप अगर उसको डायरेक्शन दे रहे हैं तो वही कहा गया है कि कहा हुआ तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं जैसे जैसे हयास च तो हया मतलब हुआ क्या हया मतलब क्या हुआ बताइए हयास च तो नागा मतलब हुआ हाथी और हया मतलब हुआ क्या गधा नहीं हया मतलब हुआ घोड़ा वहंती बोधिता जैसे कहने पर घोड़ा और हाथी भी क्या करते हैं तो वहंती यानी कि भार को क्या करते हैं ढोते हैं ठीक है तो वही ये दो लाइन का मतलब हुआ मतलब ये हुआ कि कहा हुआ तो पशु भी ग्रहण कर ले ग्रहण कर लेते हैं मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप कोई भी जानवर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो फॉलो कर लेगा जैसे हाथी घोड़ा कहने पर क्या करता है भार ढोने लगता है आप देखते हैं हाथी घोड़ा पे सामान लाद लाद के ले जाया जाता है सरब नहीं ले जाया जाता है पहले के ज़माने में ले जाया जाता था ठीक है <laughs> उसके बाद आगे जो है वो है कि अनुकत्म पुहित अनु अनुकम प युहती इसको तोड़ के पढ़िएगा अभी लगातार हम दो बार क्या किए एक के साथ पढ़ने का कोशिश हो गया तो उसमें गड़बड़ हो गया है अनुकत यहाँ पे स्टूडेंट अनुकम का जो है अलग मतलब है अनुकतम इसको पढ़ते हैं ठीक है अनुकतम का मतलब होता है बिना कहे हुए समझ रहे बात को और यहाँ पे क्या है उहती है वो हती फिर अलग है तो वो हती का मतलब है अंदाज़ा लगा लेता है पंडितो जना मतलब कि बुद्धिमान व्यक्ति यानी कि बिना कहे हुए पंडितो जना यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह बिना कुछ कहे क्या कर लेता है बात का अंदाज़ा लगा लेता है जैसे अभी हम आपको कह रहे हैं कि शेमूसी बुक का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं तो आप बुद्धिमान है तो आप समझ गए कि हाँ सर इस बार सी बी अंकल जैसा सवाल पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं बहुत जरूरी है पढ़ना ठीक है तो अगर आप ये सोच लिए आप रेगुलर पढ़ रहे हैं मान लीजिए कि टीचर आपको बोले यानी हम ही बोले कि ये बऊआ पढ़ना ज़रूरी है और आप समझ गए कि नहीं सर सही बोल रहे पढ़ना जरूरी है तो आप क्या है बुद्धिमान है मतलब सिर्फ कुछ हल्का हिंट दे दिया आप अंदाजा लगा दिए और प्रियंगित ज्ञान फल ही बुद्धि और इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो प्रयंगित ज्ञान फल कहते हैं मतलब दूसरों के संकेत से उत्पन्न बुद्धि

जैसे हाथी घोड़ा कहने पर भाग ढोने लगता है लेकिन अनुकतम, अनुकतम और आपको क्या बताए उहती अनुकतम वह पंडितों जना लेकिन बिना कहे हुए अंदाजा लगा लेना ये क्या है बुद्धिमान लोगों की निशानी है और जो प्रियित ज्ञान फला है वही एक्चुअल में बुद्धि है मतलब कि कोई कोई हिंट दे और आप समझ जाए जैसे मान लीजिए कि आप ही में से कुछ लोग व्हाट्सएप पे पूछ देते हैं कि सर ये अनुवाद कैसे बनेगा तो हम कभी कभी पूरा नहीं बताते आपको हिंट दे देते कि रे इसमें कर्ता वचन में लगाओ क्रिया उस वचन में लगाओ और धातु ये लगा दो और आप तुरंत सही जवाब बना के भेज देते मतलब हम हिंट दिए बनाए तो आप अपने बुद्धि से ठीक तो हम दूसरा आदमी हैं हम और हम आपको सिर्फ हिंट दिए और आप बना दिए तो आपको हमने हिंट दिया तो आपको स्टूडेंट हमने क्या किया हिंट दिया ठीक और आप बना लिए तो आप आपको हम सिखाएं तो आप कहेंगे यस सर आप ही सिखाए तो हम बऊआ सिर्फ हिंट दिए हैं बनाए हैं आप अपने बुद्धि से और वही जो बुद्धि से बनाए हैं उसी को हम लोग संस्कृतवा में प्रयोगित ज्ञान फल ही कहते हैं कोई दिक्कत नो सर चलिए अब हम लोग पाँचवें श्लोक पर चलते हैं पाँचवा श्लोक है कि क्रोधा ही शत्रु प्रथमो नारा नाम तो क्रोधा का मतलब क्रोध शत्रु मतलब इनेमी प्रथमो मतलब प्रथम नारा नाम मतलब मनुष्य तो इस श्लोक का मतलब ये हो गया कि क्रोध जो है यानी कि जो गुस्सा है वह आपके शरीर का क्या है तो रह, आपके शरीर में रहने वाला प्रथम शत्रु है तो आपके अंदर जितना भी दुश्मन है आपके अंदर क्योंकि इंसान के अंदर ही खुद का उसका दुश्मन होता है तो उस दुश्मन में क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आप देखते होंगे कि कितना बारा आप ऐसी क्रोध कर देते हैं बाद में आपको पछताना पड़ता है तो आप आज से क्रोध त्यागी ठीक है यही सुभाषितानी सिखाना चाहता है अब एक दो कह रहे हैं सर खाली लेक्चर दे रहे हैं चैप्टर पढ़ाइए तो चैप्टर का मतलब ही है कि आपको पढ़ा के सिखाना और पढ़ाई का कभी भी मकसद नंबर लाना नहीं था बऊआ एक अच्छा इंसान बनाना था जो आज का तो मकसद ही बदल गया है आज चेला सब भी वैसा नहीं हो गया गुरु भी वो नहीं हो गया है गुरु गुड़ तो चेला चीनी चलिए आगे बढ़िए तो कह रहा है कि क्रोध जो है वो क्या है प्रथम नारा नाम यानी कि क्रोध आपके अंदर का रहने वाला प्रथम शत्रु है देह स्थितो देह विनाश नाय और यह देह में स्थित है ये ठीक उसी तरह है जैसे आपका क्या कर देगा तो पूरा देह का नाश कर देगा ठीक है कैसे जैसे यथा स्थित काष्टगतो ही वहरी वहनी का मतलब होता है अग्नि जैसे काठ में आग लगा देते हैं लकड़ी में तो कैसे पूरा लकड़ी जल जाता है उसी तरह क्रोध जो है आपके शरीर में आग लगाकर पूरा शरीर को जला देगा सह एव व दहते शरीरम और वही आग जो है शरीर को भी जलाती है जो अभी आप आपको बताएं तो ये पूरे श्लोक का मतलब ये हुआ कि क्रोध आपके शरीर का प्रथम शत्रु है रहने वाला शरीर में और जैसे लकड़ी में आग जलता है और पूरे लकड़ी को जला देता है ये भी आपके शरीर को क्या करेगा तो पूरी तरीके से जो है जला देगा ये वहनी है ठीक है महाराष्ट्र में उन्हें कहते भाभी को वहनी लेकिन यहाँ संस्कृत में इसका मतलब होता है आग नॉक आप कहेंगे सर कहाँ है तो टाइपिंग में आजकल टाइपिंग तो गजबे हो गया इसी में एडजस्ट हो जाता है ठीक है टाइपिंग आप कर लीजिएगा आधा ना लिख के पूरा ना लिखिएगा अजब प्रकार से इस तरीके से लिखा जाएगा ठीक वही तो टाइपिंग का है कमाल ठीक तो ये हो गया पांचवा श्लोक अब हम लोग चलते हैं छठे श्लोक पे अब चलिए स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं अगले श्लोक पे मिर्गा मिर्गे वाला श्लोक पे जो है श्लोक नंबर सिक्स ठीक है और आराम से समझिए ना अरे बउआ कोई जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम में कि आपको शुद्ध शुद्ध आए ठीक है कि ऐसे क्रोधा ही शत्रु प्रथमो नारा नाम यानी क्रोध ही आदमी का प्रथम शत्रु है अरे श्लोक देगा ना उसका समझ जाएगा कि कौन कहानी खिस्सा वाला बस हो गया चलिए अब छठा पढ़ाने से पहले आगे शब्दार्थ आपको कुछ बता देते हैं ठीक है और देखिए एन वाला शब्दार्थ तो इसमें लगा दिए हैं जो आप लोगों के पास हैं और एक्स्ट्रा जो है ना वो भी लगा दिए हैं ठीक है ताकि कोई आप सभी को दिक्कत ना हो एक्स्ट्रा जितना नहीं था वो सब लिख दिए हैं देख रहे हैं सारा चीज़ लिख दिए एक्स्ट्रा ठीक तो इसको देख लीजिएगा कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगा क्योंकि इस बार समूसी एक्सप्रेस में गर्दा उड़ाने वाले हैं हम लोग उड़ाने क्या वाले उड़ा दिए चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला श्लोक है स्टूडेंट वर्ट्सअप यहीं पे समझा देंगे बार बार शब्दार्थ दिखाएंगे आपका भी ध्यान क्या होगा डिस्ट्रैक्ट होगा मृगा मिर्गे संगक मनुवर्जंती गावश च गोभी तुर्गास्तुर्ंग के मूर्खाश्च मूर्खे सुधि सुधी भी समान शीलवे ने सुसंख्यम कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि मृगा का मतलब होता है हिरन ठीक है मृगा का मतलब क्या होता है हिरन तो कह रहा है कि मृगा मृगे संगक संगकम अनुवर्जंती देखिए यहाँ पे अनु में ही असंधि हुआ है ठीक है इसलिए संधि आप लोग को पहले पढ़ा है अनुवर्जंती अनुवर्जंती का मतलब होता है पीछे पीछे चलता है कहने का मतलब है कि हिरन हिरण के पीछे चलता है इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हिरन हिरण के पीछे चलता है ठीक है मृगा का मतलब हिरण मृगे और संग का असंग, 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 संग संगमन ठीक है संगमन ठीक है संगम ठीक इसका मतलब हुआ साथ ठीक यानी हिरण हिरण के साथ क्या चलता है यानी हिरन के साथ पीछे चलता है गावश गोभी और गावश गोभी तो गावश च का मतलब यह हुआ गाव का मतलब हुआ गाय और गोभी का मतलब हुआ गायों के साथ तो गाय गायों के साथ चलता है तुर्गा तुर्गा का मतलब हुआ घोड़ा ठीक है तो घोड़ा किसके साथ चलता है तो तुर्गे के साथ तुर्गे का मतलब हुआ घोड़े के साथ तो घोड़ा घोड़े के साथ मूर्खाश्च मूर्खे तो मूर्खा यानी मूर्ख मूर्ख के साथ सुधी सुधी भी यानी विद्वान विद्वान के साथ समान शिल सुसंख्यम और मित्रता एक समान बालों से ही होती है तो यह तो इसका था एकदम ओरिजिनल मतलब जो जो था समझा दिए अब अपना देसी लैंग्वेज में समझिए कह रहा है कि मिर्गा मिर्गे मिर्गा मिर्गे संगक मना अनुवर यानी कि हिरन हिरन के साथ चलता है गाय गाय के साथ चलता है घोड़े घोड़े के साथ चलता है मूर्ख मूर्ख के साथ और विद्वान विद्वान के साथ दोस्ती हमेशा एक समान जैसे वाले से ही होती है कहने का मतलब ये है कि अगर हिरन है तो उसका भी दोस्त कौन रहेगा हिरने रहेगा हाथी नहीं रहेगा गाय है तो उसका भी दोस्त गाय होगा मूर्ख है तो उसका दोस्त कभी विद्वान नहीं होगा मूर्ख ही होगा अगर कोई विद्वान है तो उसका दोस्त कभी भी मूर्ख नहीं होगा वो भी विद्वान होगा मित्रता क्या है तो समानशील वेनेशु संख्यम संख्यम का मतलब होता है मित्रता वेनेशु का मतलब होता है स्वभाव समानशील मतलब सेम बिहेवियर यानी मित्रता हमेशा सेम बिहेवियर वालों से ही होती है अगर क्लास में आपका दोस्त लफा शूटिंग में है लफुआबाजी में है तो आप वे भी हमको शक है आप भी लफुआबाजी करते होंगे नो सर हम तो सर सुधवा हैं सर ठीक है तो देखिए मित्रता और सहपाठी में फर्क है सहपाठी आपके क्लास में जितना भी बच्चा पढ़ रहा है वो सब आपका सहपाठी है आपके साथ पढ़ता है लेकिन मित्र एक ही दो रहता है तो आपका मित्र वैसा ही होगा जैसे आप हैं कोई लड़की अभी वीडियो को देख रही है कोई गर्ल्स स्टूडेंट अगर वह उनकी मित्र कुछ ज़्यादा बातूनी है मतलब बात करती है तो आप भी बातूनी ही हैं अभी बात करते होंगे तभी मित्रता हुई है क्योंकि श्लोक कहता है कि मित्रता एक समान वालों से ही होती है तो इस छठे नंबर श्लोक का मतलब ये हो गया उसके बाद है स्टूडेंट यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट श्लोक श्लोक नंबर सेवन पे सेवी वाला बुक में खोल लीजिए सबसे पहले आपको मीनिंग दे, बता देते हैं का मतलब होता है आश्रय लेने योग्य मतलब कि एक ऐसा चीज जो आपके लिए यूजफुल हो महावृक्ष का मतलब होता है बड़े वृक्ष फल च छाया समय बीता का मतलब होता है कि फल और छाया से लदे हुए मतलब कि फल और छाया से युक्त मतलब कोई भी ऐसा पेड़ जिस पे फल भी हो और वो छाया भी दे मतलब उस पर खूब पत्ता उत्ता हो तब ना छाया देगा यस सर डाली उली हो ठीक है तो जब ऐसा वृक्ष होगा तो उसके जगह हम लोग फल फल च छाया समन्वित का यूज करेंगे यदि का मतलब आप जान रहे दैवात का मतलब भाग्यवश फल मतलब फल नास्ती मतलब न छाया मतलब सैडो केन निर्व्यार्ते निर्व्यारते का मतलब होता है रोकी जाती है ठीक है केन मतलब कौन तो इस श्लोक का मतलब ये है स्टूडेंट कि भी तब्य महावृक्ष फल छाया समन्वित मतलब हमें ऐसे वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए या आप कह सकते हैं कि ऐसा ही वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है जिसके पास फल और छाया दोनों हो मतलब ऐसा ही वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है जिसके पास फल और छाया दोनों हो कहने का मतलब यह है इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं अगर आपके दादाजी होंगे तो आप उनसे पूछिएगा या नाना जी जो बुजुर्ग होंगे आपके घर में पहले के जमाने में ये अभी आर वन फाइव और बुलेट नहीं होता था तो उस समय लोग एक जगह से दूसरे जगह पैदल जाते थे तो खेत 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 हो जा रहे हैं तो वो लोग बीच में रुक के आराम करते थे पेड़ के नीचे याद आ रहा है छोटा भीम में सब पेड़ के नीचे बैठा रहता है यस सर तो अब मान लीजिए कि दादाजी के पास दो ऑप्शन है एक ऐसा पेड़ है जिसपे सिर्फ और सिर्फ छाया है और एक ऐसा पेड़ है जिसपे छाया और फल दोनों है तो आदमी किसका आश्रय लेगा ऐसा पेड़ का जिसपे फल भी हो छाया भी हो कि भूख लगे तो खा भी ले यस सर तो वही कहा गया कि हमें ऐसे वृक्ष का आश्रय मतलब कि ऐसे वृक्ष का ही लोग आश्रय लेते हैं या आश्रय लेने लायक होता है जिसके पास फल और छाया दोनों होता है यदि दैवात फलम नाश्ती अगर भाग्यवश अगर उस पर फल नहीं है तो छाया कौन रोक सकता है भाई उसका जैसे आप पीपल का पेड़ देखिए पीपल के पेड़ पे कोई भी फल उल नहीं होता है फ्रूट्स नहीं होता है लेकिन किसका औकात है कि उसका छाया रोक देगा उसका क्या रोक देगा छाया रोक देगा किसी का औकात है नहीं है तो यह श्लोक का मतलब यह समझाने से ज्यादा है आपको यह समझाना कि कोई भी मान लीजिए कि कोई गरीब बच्चा है ठीक है अगर उसको अभी उसके पास बहुत पैसा नहीं है तो वो बड़े शहर में नहीं रह सकता बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकता लेकिन उसमें टैलेंट है तो सरकारी में भी पढ़ के कलेक्टर एस पी बन जाएगा टैलेंट को कौन रोक सकता है वही ये श्लोक समझाना चाहता है आपको कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो वो मत घबराइए कि हमारे पास नहीं है तो हम हमारा कैसे होगा आपके पास टैलेंट है तो है आज न कल वो निकलेगा ही निकलेगा ये बात याद करके रख लीजिए ठीक है आप घबरा जाते कि अरे फलाना अंकल के बेटा के पास आर वन फाइव है हमारे पास हीरो साइक्लोन है क्या होगा नहीं आपके अंदर अगर टैलेंट होगा तो आर वन फाइव है ना उनके बेटे के पास अरे आपके पास कार मोटर कार सब हो जाएगा बस सब्र कीजिए वही यहाँ पे बताया कि अगर भाग्य बस नहीं है छाया नहीं है सॉरी फल नहीं है पीपल पे तो छाया क्या रोक देगा रे भाई ठीक यही है उसके बाद आगे है आगे कहा गया है यह सब सुभाषितानी का श्लोक है आपको आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपका लाइफ बेहतर हो आगे कहा गया है कि आ मंत्रम, आ मंत्रम, क्या लिखा हुआ अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलन औषुधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक अस्तत्र दुर्लभ कहने का मतलब है अमंत्रम, का मतलब होता है मंत्र से रहित मतलब ऐसा चीज जो मंत्र नहीं है उसके बाद अक्षरम का मतलब तो आप अक्षर समझ ही रहे उसके बाद अन का मतलब होता है औषधि से रहित तो कहने का मतलब ये है पहले लाइन का कि दुनिया का कोई भी अक्षर जो है वह क्या है मंत्र से रहित नहीं होता जितना भी आप अक्षर उक्षर देख रहे हैं स क च ट सब किसी न किसी मंत्र में काम आ रहा है और आप जानते हैं मंत्र कितना पवित्र चीज होता है अगर हम कोई मंत्र का यहाँ पे जाप करें तो कितना पवित्र चीज होता है जैसे आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं जैसे आप भगवान का ही नाम लीजिए राम तो राम कितना पवित्र चीज है उसमें र है यकार है म है मतलब कहने का मतलब यह है कि दुनिया का जितना भी अक्षर है वो कोई ना कोई मंत्र में काम आ ही रहा है नास्ती मूलोन औषधम और जितना भी जड़ी बूटी है ठीक है जितना भी मूलम मुला। मूलम का मतलब होता है जड़ तो जितना भी जड़ जर जड़ी बूटियां हैं वह कोई ना कोई औषधि बनाने में काम आ ही रहा है अयोग्य पुरुष नाश्ती और कोई भी दुनिया का पुरुष आदमी अयोग्य नहीं है यह अयोग्य नहीं है और ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना दुर्लभ है क्या है ऐसा पॉसिबल दुनिया में है ही नहीं आपको लगता होगा कि अरे सर ये व्यक्ति तो बहुत ख़राब है इसको क्या आता है नहीं नहीं कोई ना कोई गुण होगा उसमें क्योंकि भगवान ने बिना किसी गुण के किसी को भी धरती पे नहीं भेजा है आप में से बहुत का कोई इंसल्ट कर देता होगा अगर पढ़ने वाला थोड़ी है ये क्या पढ़ेगा नहीं, नहीं नहीं हो सकता है कि आप पढ़ने में थोड़े से कमजोर हो कोई ना कोई ऐसा गुण होगा आप में जो दुनिया में और किसी के पास हो सकता है हो लेकिन आप में गुण होगा ही होगा ठीक है अभी पढ़ाई का टाइम चल रहा है तो गुण नहीं निकल रहा है फिर आगे आप हो सकता है कहीं के आप प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति बनने वाले हों मजाक नहीं ले रहे हैं मजाक नहीं कर रहे हैं सीरियस लीजिए वही ये श्लोक समझा रहा है कि अयोग्य पुरुष नाश थी पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति पुरुष का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि सिर्फ मेल के लिए बोला जा रहा है पुरुष का मतलब यहां पे मतलब पे आदमी हुआ यानी कोई भी दुनिया का व्यक्ति है वो क्या है अयोग्य नहीं है कुछ ना कुछ उसके अंदर गुण होगा ही जैसे कोई भी अक्षर बेकार नहीं है सब किसी न किसी मंत्र में है ठीक है अगर हम यहाँ पे बोलते हैं भगवान राम तो आप कहेंगे कि तीन अक्षर इसमें आया यही अक्षर महान है बाकी अक्षर का काम नहीं है नहीं फिर दुर्गा माता के मंत्र में किसी का काम है किसी का किसी भगवान के मंत्र में काम है तो कोई भी अक्षर बेकार नहीं है कोई भी जड़ी है किसी न किसी बीमारी का वो इलाज है तो कोई भी जड़ी बूटी बेकार नहीं है और ऐसा मिलना यह क्या है पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ दुनिया में बेकार हो इसका मतलब है कि दुनिया में कुछ भी है उसका कहीं ना कहीं क्या है वैल्यू है महत्व है उसके बाद है संपत्तियों च विपत्योच महात्मेक एक रूपता इसका हमने शब्दार्थ लिखा देखिए महाताम का मतलब होता है कि जो एकदम इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे महात्मना नाम यानी कि मतलब कि क्या कहें जो महान लोग होते हैं महाताम का मतलब होता है महान होना सविता का मतलब होता है सूर्य रक्त का मतलब लाल निरर्थकम का मतलब व्यर्थ खरा का मतलब गधा कहने का मतलब यह है कि संपत्तियों च च महात्मिक एक रूपता कहने का मतलब यह संपत्तियों का मतलब होता है संपत्ति आने पर यानी खुशियां मतलब होता है मुसीबत आने पर महात्म एक रूपता जो भी महान लोग हैं दुनिया के वह चाहे उनके पास खुशी हो दुख हो पैसा हो गरीबी हो उनका जो पर्सनालिटी है जो व्यक्तित्व है ठीक है वह क्या रहता है हमेशा एक जैसा रहता है जो महान लोग हैं वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं चाहे कोई भी संपत्ति आ जाए कोई भी विपत्ति आ जाए वह हमेशा एक समान रहते हैं जैसे मान लीजिए कि आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सब हमारा हम अपना सारा दोस्त का इज्जत कर रहे हैं भगवा क्या हाल है बे और मान लीजिए पैसा हो गया तो तुम कौन हो बे तो हम महान नहीं हुए क्योंकि हमारे पास अभी विपत्ति था तो हमारा हरकत क्या था और है तो हरकत क्या है ठीक है तो ऐसे लोग कभी भी महान नहीं होते तो महान वही लोग हैं जो हर हमेशा आप अगर आज एक रुपया कमा रहे फिर भी आप वही हो दस लाख कमा रहे वही हो दस करोड़ कमा रहे वही हो दुनिया का सारा पैसा आपके पास है फिर भी आपका जो हरकत है वही पुराना वाला हो पुराना वाला मतलब एक समान हो जैसे आप एक्चुअली में हैं ठीक तो वैसे लोग ही क्या है महान है जैसे उदय सविता रखते हो यानी कि सूरज सविता सूर, का मतलब सूर्य सूरज जैसे सूरज उगने के समय कैसा रहता है लाल रहता है रक्तास्त र, क्या लिखा हुआ है रक्ताश्च अस्तमय तथा और जो जब अस्त होता है फिर भी क्या है वैसा ही सूरज रहता है लाल ही रहता है यानी सूरज क्या है महान है और सूरज से महान कोई है बताइए तो सर हमारा नाम सर सूरज है हाँ आप भी महान है तो सूरज सूर्य कितना महान है बताइए कुछ भी हम लोग से ले रहे हैं कोई भी फ़ी ले रहे हैं देख रहे स्कूल वाला सी वाला स्कूल जितना सब है सब पाँच हज़ार चार हज़ार का महीना यी वो फी जनरेटर फी तो किडनी फी तो वाटर फी फलाना फी सूज फी क्लीनिंग फी जे ये फी टेस्ट फी दुनिया जहान का फी उसूलता रहता है स्कूल वाला नहीं उसूलता रहता है फलाना फ़ी स्मार्ट फी स्मार्ट क्लास फ़ी कंप्यूटर फी और जब सबसे थक जाता है तो गार्जियन से नीचे वो लिख देगा एक्स्ट्रा फी पता ही एक्स्ट्रा फी बताएगा ना एक्स्ट्रा फी लेता है और देता क्या है और सूर्य देखिए हमसे एको रुपया लेता है कितना कुछ देता है तो सूर्य एक्चुअली में सूर्य क्या है महान है क्योंकि तो सूर्य उगने के वक्त भी लाल और डूबने के वक्त भी लाल ही रहते हैं अब स्टूडेंट आपको हम मॉडर्न एक संस्कृत में आपको बता रहे हैं एक चीज़ क्या हुआ है कि कहीं कहीं जो है आपको भी पढ़ने में गड़बड़ हो जाएगा होता है क्या है देखिए अभी आप क्या कीजिएगा आपने व्हाट्सएप का हिंदी टाइपिंग लिख खोलिएगा और देखिए र आधा क त तो, ऐसे लिखाता है ठीक है लेकिन जैसे ही आप र रिखिए आधा क लिखिए और त तो लिखेगा ना तो इस टाइप का बन जाएगा अजमे प्रकार से देख रहे आ, इसी में च घुसा दिया आप आधा न और फिर बड़ा न लिखे तो अजब प्रकार का ऐसा बन जाता है तो ये सब का भी एक वीडियो बनाएंगे इससे संधि में दिक्कत हो रहा है आपको ठीक तो उसका चिंता आप लोग नहीं कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे अंतिम श्लोक है जो समझिए यही अक्षर वाला श्लोक का यहाँ कापी है कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम इसका मतलब ये हुआ विचित्रे मतलब अनोखा खलु खलु मतलब निश्चय ही संसार मतलब पृथ्वी नास्ती मतलब नहीं किंचित मतलब कुछ और निरर्थकम मतलब बेकार कहने का मतलब ये है कि विचित्र खलु संसार में मतलब कुछ ये जो संसार जो बड़ा विचित्र है इसमें कुछ भी बेकार नहीं है सबका कहीं ना कहीं कोई काम है और आप देखिए ना क्या आपको ये संसार विचित्र नहीं लगता है थोड़ा जरा सोचिएगा कि हम यहाँ सीतामढ़ी में पढ़ा रहे हैं आप मुजफ्फरपुर समस्तीपुर हाजीपुर छपरा दिल्ली कलकत्ता कर्नाटका पटना दरभंगा कहाँ कहाँ से आ सहरसा कहाँ मतलब एक सीतामढ़ी में बैठ के पूरा देश को पढ़ा रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि सिस्टम थोड़ा सा विचित्र है ऐसा पॉसिबल कोई सोच सकता था बीस साल पहले तो इस संसार को आप विचित्रे न कहेंगे अनोखे न कहेंगे यूनिके न कहेंगे यस सर तो कह रहा है कि इस यूनिक संसार में कुछ भी चीज बेकार नहीं है ठीक है अश्व अश्व चेद धावने वीर अगर अश्व मतलब होता है घोड़ा अगर घोड़ा दौड़ने में तेज है भारत से बहने खड़ा तो खड़ा मतलब गधा भी भार ढोने में तेज है गधा भार जितना ढोता है ना उतना कोई नहीं ढो सकता ढो सकता है आप जानते हैं पहले के जमाने में ये सिलौट बिकने आता था जिसको बिहार में सिलौटी बोला जाता है अब मिक्सी का जमाना आ गया पहले सिलौटी पे ऐसे पिछाता था ऐसे अभी आवाज होगा उसी तरह आता था आवाज देखिए ठीक है तो वह गधा ढो के लाता था दस दस सिलौटी अकेले सोचिए कितना कुंटल हो गया तो वही है कि अगर घोड़ा दौड़ने में तेज है तो फिर गधा भी भार ढोने में तेज है ठीक इस संसार में कुछ भी बेकार नहीं है तो यही रहा है स्टूडेंट चैप्टर अब हम लोग करते हैं बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन आंसर सारा शब्दार्थ यहाँ पे लिख दिए पी में आपको टेलीग्राम पे दे देंगे अब जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए क्योंकि आप स्टूडेंट हैं ठीक है तो सब्सक्राइबर बोलना ठीक नहीं है स्टूडेंट हैं आप हर 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 हम हैं टीचर तो एक और ये जो चैनल है ये चैनल नहीं है ये हुआ एक समझिए स्कूल हुआ ठीक है तो स्कूल के लिए बच्चा सब बहुत अनमोल चीज़ होता है पवित्र चीज़ होता है तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबा के और घंटा दबा देंगे शुभ शुभ हाथों से तो सबका भला होगा ठीक है क्योंकि आप बच्चे हैं भगवान के रूप है तो जितना ज़्यादा यहाँ पे भगवान जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है ठीक है तो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए उसके बाद जो भी स्टूडेंट अभी तक संस्कृत प्रो बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप बिल्कुल ठीक है जब भी आप ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग से पूरा आपका शेड्यूल बना के तैयारी करवाते हैं कोई भी दिक्कत होता है तो अनलिमिटेड डाउट मशीन हम हम जुड़ ही जाते हैं आपके साथ तो आप पूछ ही सकते हैं ठीक है कैसे ज्वाइन करना है एक फुल डिटेल वीडियो बना दिए जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में तो ज्वाइन कीजिएगा ठीक और कोई भी क्वेरी हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिए इस पर पूछिएगा और व्हाट्सएप नंबर अब हम सर्कुलेट कर दिए तो मैसेज बहुत आ रहा है ठीक है तो धीरे धीरे रिप्लाई दे रहे हैं और कोशिश कीजिएगा कि अपना सारा बात एक ही जगह बार कह दीजिए ताकि एक ही बार आपका खोले चैट तो जितना क्वेश्चन रहे सब रिप्लाई दे दे नहीं तो उसे मैसेज ऊपर चला जाता है समझ सकते हैं आप इतना सारा मैसेज रहता है ठीक है ऐसे हम रिप्लाई दे, दे देंगे उसके बाद पी के लिए टेलीग्राम चैनल पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि सारा पी यहीं पर सीरियलाइज होगा हो सकता है आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो खोज लीजिएगा फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा जो भी दिक्कत हो हम मैसेज कर दीजिएगा ठीक है जहाँ व्हाट्सएप चला रहे हैं तो व्हाट्सएप इंस्टा चला रहे हैं तो इंस्टा हम जो चीज़ चला रहे उस पर आपका मैसेज देख लेंगे अब चलिए करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलिए स्टूडेंट अब करते हैं बोर्ड लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसी पैटर्न में बोर्ड में इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा श्लोक वाले में एक श्लोक आपको दे देगा जैसे यहाँ पे एक श्लोक दिया है उससे एक पदेन पूछेगा यानी वन वर्ड तीन देगा आपको दो ही करना है ठीक उसी तरह पूर्ण वाक्य ने यानी कि फुल सेंटेंस में आंसर देना है तीन दिया हुआ है आपको दो ही करना है उसी तरह भाषिक कार्य में तीन दिया हुआ है दो ही करना है तो आप लोगों को दो आ रहा है तो एकदम निफिकिर हो जाइए तीसरा जो है वो भी आना चाहिए लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट में कुछ ही में क्या होता है कि तीन में से दो बनना है फिर भी टेंशन में है सौर एगो नहीं बना अरे भगवान दो ही तो करना है तो काहे टेंशन ले रहे हो जिंदगी में टेंशन लोगे तो लेते रह जाओगे खुश रहो तंदुरुस्त रहो मस्त रहो ठीक है आप चलिए आराम से बताते हैं सबसे पहले क्या कीजिए कि श्लोक देख के पकड़िए कि श्लोक जो है कौन से चैप्टर का है और मतलब क्या है क्योंकि वहाँ पे बोर्ड आपको मतलब नहीं समझाएगा आपको पकड़ना होगा तो आप पढ़िए आप देख के घबरा जाते हैं नहीं पढ़ने की कोशिश कीजिए तो उदीरितो अर्थ पशुनापी गृहाते हयाश्च नागश्च बहंती बोधिता अरे सर जी ये तो वही वाला है कि कहा हुआ पशु भी ग्रहण कर लेते हैं हाँ सर हाँ यह आ गया अब शांति से एक पदेन पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे जैसे आप लोगों को किर्दिशा कुत्र यह सब का मतलब नहीं ना पता है यस सर प्रश्न निर्माण कैसे बनता है नहीं ना पता है यस सर क्वेश्चन है ना समझ में आता है नो सर यानी कि आपका प्रैक्टिस कमज़ोर है प्रश्न निर्माण कमजोर है तो प्लेलिस्ट में देखिएगा प्रश्न निर्माण भी शेड्यूल है ठीक है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा चुटकी में बनेगा ठीक है उसके बाद है किर्दिशा नागा बहंती तो बहंती का मतलब क्या होता है ले जाते हैं या उठाते हैं नागा का मतलब हुआ यहाँ पे क्या हाथी किर्दिशा मतलब कैसे तो कैसे नागी हाथी जो है समझिए कैसे उठाता है किसी चीज को ठीक है बताइए कैसे उठाता है सर अपने सुर से नहीं कैसे श्लोक में कैसे उठाता है तो बोधिता यानी कहे जाने पर उठाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोधिता यानी कुछ अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी ना उठाता है यस सर अब आप कहेंगे कि सर सुर से उठाता है तो वो गलत बात हो होगी ठीक हम पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं तो आप बोलिए हम मुजफ्फरपुर जा रहे हैं अगर जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी बोलेगा हम बस में चढ़ के तब तो जा रहे हैं नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो बोलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहा हुआ पशु भी ग्रहण कर लेते हैं जैसे हाथी और हाथी और घोड़ा वह बोधिता कहे जाने पर भार उठाता है तो वही पूछ रहा है कहे जाने पर वही पूछ रहा है कि कैसे हाथी भार उठाता है तो कहे जाने पर तो कहे जाने का संस्कृत क्या होता है बोधिता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोधिता उसके बाद है पशु न यानी पशु किदिशा अर्थ गृहाते पशु कि, किर्दिशा यानी किसका अर्थ अर्थ मतलब अर्थ अर्थ मतलब अर्थ सम अर्थ मतलब क्या हो गया अर्थ जो वो ई ए आर टी एच पृथ्वी वाला अर्थ नहीं मतलब कोई शब्द गृहाते ग्रहण करता है तो पशु कैसे ग्रहण करता है बताइए ठीक है सॉरी पशु क्या ग्रहण करता है पशु पशुना कृदिशी अर्थ गृहाते पशु क्या ग्रहण करता है क्या ग्रहण करता है ध्यान में ध्यान में सोचिए ठीक है क्या कहा हुआ ग्रहण करता है तो उदीरितो अर्थ यानी उदीरितो अर्थ कुछ भी कहा जाए उसको क्या कर लेता है पशु ग्रहण कर लेता है तो जब भी देखिए गृहाते लिखा हुआ है तो समझ जाइए ग्रहण करने का पूछ रहा है तो श्लोक में क्या ग्रहण किया जा रहा था तो कहा हुआ इंस्ट्रक्शन को तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर उदीरित अर्थ हो जाएगा उ तो अर्थ यहाँ पे इसका सही आंसर कोई उदीरित भी लिख देगा तो वो गलत नहीं होगा उसके बाद है प्रियंगित ज्ञान फल का भक्ति प्रयंगित ज्ञान फल क्या है बताइए प्रयंगित ज्ञान फल क्या है ऐसे प्रयंगित ज्ञान फल का हिंदी आपको क्या बताएं क्या बताएँ कि संकेत से उत्पन्न रूपी बुद्धि यानी हम कुछ हिंट दे आप पकड़ ले तो एक्चुअली में वो क्या है प्रंगित ज्ञान फल बताइए ना क्या है सोचिए हम आपको हिंट दिए कि यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है हाईवे पकड़ के जाइए आप पकड़ के पहुँच गए ठीक तो आप कैसे पहुँचे वही तो प्रंगित ज्ञान फल है क्या लगा के पहुँचे सर पेट्रोल भरा के नहीं क्या लगा के सर दिमाग लगा के बुद्धि लगा के बिल्कुल सही तो प्रंगित ज्ञान फल क्या भवनती मानी प्रंगित ज्ञान फल क्या है तो सर हिंट से हम किसी चीज को समझ जाते हैं यानी सर मेरा बुद्धि है तो आप ही के बुद्धि को ना तो ज्ञान फलक आ गया यस सर जिसका आंसर क्या हो जाएगा बुद्धि हो जाएगा बन गया कोई दिक्कत नो सर अब चलिए हम लोग चलते हैं पूर्ण वाक्य में यानी पूरे वाक्य में आंसर दें तो यहाँ पूछ रहा है कि पंडित जना किम करोती पंडित जन क्या करता है तो एक बात देख लीजिए कि श्लोक में पहले लाइन में इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि पहले लाइन में हाथी घोरा पाल की जय कन्या लाल की तो हाथी घोरा का बात किया जा रहा था यस सर पंडित जन वाला दूसरा लाइन में था तो आपका आंसर पंडित जन का वाला जो है इस यही यही इसी के इर्द गिर्द घूमेगा ठीक है श्लोक वाला क्वेश्चन आंसर का पहले से प्रैक्टिस करके जाना ज़रूरी है तो अभी तो एक श्लोक का करा रहे हैं अब फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में सारा श्लोक का करा देंगे इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे बाद में अगर वीडियो देख रहे हैं तो ऐड कर भी दिए होंगे तो देखिए क्वेश्चन है कि पंडिता जन किम करोती पंडित जन क्या करता है बताइए तो पंडित जन क्या करता है पंडित जन का मतलब हुआ यहाँ पे बुद्धिमान लोग क्या करता है सर तो बुद्धिमान अरे बुद्धिमान लोग क्या करता है तो बुद्धिमान लोग अभी बताए हैं आपको क्या कर लेता है तो अनुकतम आ उूति मतलब कि बिना कहे हुए क्या लगा लेता है अंदाजा लगा लेता है तो बुद्धिमान लोग बिना कहे हुए अंदाजा लगा लेता है तो वही आप लिख देंगे क्या किम के जगह बाकी बात तो वही लिखेंगे और अभी क्वेश्चन आंसर आपको लिखाना लिखना कोई भारी बात नहीं है अभी शिशु लालनम में जननी तुलवत्सला में भी सिखाए तो पंडिता जना लिखेंगे अब बस किम कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो किम से आंसर दीजिए तो किम में क्या आप लिखेंगे कि वही पंडिता जना जो है बिना कहे हुए अंदाजा लगा लेता है तो बिना कहे हुआ क्या होता है अनुकत मपी और यहाँ पे अंदाजा लगा लेने का होता है ऊहती तो वो लिख दिए यहाँ पे कोई दिक्कत है नो सर हो गया यही आंसर है उसके बाद है मत्या कृदिशा कृदिश्य भक्ति मत्या कृदिष्य भक्ति बताइए इसका क्या होगा बताइए मत्य कैसा है ठीक तो प्रंगित ज्ञान फल है तो इसका सिंपल आंसर होगा कृदिशी के जगह प्रंगित ज्ञान फल तो उसके जगह प्रंगित ज्ञान फल डाल दीजिए बाकी बात वही जो आगे पीछे उसको लिख दीजिए आपका सही है उसके बाद के के बोधिता भारम हम के के मतलब कौन कौन बोधिता कहे जाने पर भार को ढोता है वहंती का मतलब ढोता है भार का मतलब भार समान और बोधिता का मतलब हुआ बोधिता का मतलब हुआ बताए गए के के का मतलब कौन तो कौन कहे जाने पर भार को ढोता है तो कौन ढोता है अभी पढ़े हया और नागा ढोता है तो हम लोग लिख देंगे हया और नागा यानी हाथी और घोड़ा तो आपको पता है कि संस्कृत में और बीच में नहीं लगता है उसका लास्ट में लगता है जब फाइनल हो जाता है जैसे हिंदी में लिखते हैं ना सर आप राम और श्याम यस सर राम और श्याम लिखते हैं ना जी सर तो संस्कृत में हया और नागा लिखना है तो हया नागा और तब च ठीक तो यही और उसके बाद बाकी बात वही लगा दीजिएगा बस केके से क्वेश्चन है तो केके आंसर दीजिएगा कौन कौन ढोता है तो हाथी और घोड़ा ढोता है बाद में क्या ढोता है तो वही भारम बहंती तो वही चीज लगा दीजिए ना बोधिता भारम बहंती सारा आंसर तो क्वेश्चन में ही रहता है हो गया हो गया दो बनाना है दो तो आसानी से आप समझ गए चलिए ठीक है उसके बाद है नागश्च बहंती बोधिता अस्मिन वाक्य क्रिया पदम किम सबसे आसान क्वेश्चन क्रियापद पूछ रहा है मतलब पूछ रहा है कि इसमें काम क्या हो रहा है ठीक तो अगर हम नागा नागा बोले अगर हम नागा लिख देते हैं मान लीजिए कि इसका आंसर आपके मैं कोई सोच रहे नागा होगा तो बताइए ना नागा क्यों होगा नहीं होगा अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं होगा तो इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि क्रियापद पूछ रहा है आ क्रियापद का मतलब होता है कि क्या काम हो रहा है तो हाथी बोले उसे कोई काम होने का पता चल रहा है नहीं अब बहंटी बोले उसे कोई काम होने का पता चल रहा है एकदम पता चल रहा है बहंटी का मतलब होता है ढोना ले जाना उठाना तो उठाने का काम हो रहा है ले जाने का काम हो रहा है अब बोधिता मतलब होता है कहना इंस्ट्रक्शन तो हम आपको कहें कि पढ़ाई करो इसमें कोई काम हो रहा है हाँ जब आप पढ़ने लगेंगे तो काम हो रहा है तो बोधिता सॉरी क्या कहते हैं इसको बहंती वहंती यहाँ पे क्रियापद हो गया सर सेवेंटी फाइव समझ में आया सर ट्वेंटी परसेंट और समझाइए समझा देते हैं पूछ रहा है कि अश्विन वाक्य क्रियापद हम कि मतलब इस वाक्य में क्रियापद क्या है तो क्रिया किसे कहते हैं जिस से किसी काम के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं हम बोलेंगे ना तो इसे कोई काम के होने का बोध हो रहा है नहीं हाथी एक नाम है नाम करता होता है यस सर अब वह मतलब होता है ढो ढो के ले जाना उठा के ले जाना और बोधिता मतलब होता है कहे जाने पर यानी कहना तो ले जाना काम क्या हो रहा है ले जाने का हो रहा उसका है उसका संस्कृत या क्या है वहन्ती, वहन्ती हो उसके बाद पूछ रहा है का गजा किम पर्याय पदम बाची मतलब श्रेम 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 शाम तो गजा को यहाँ पे क्या कहते हैं हाथी कहते हैं और हाथी का क्या है श्लोक में नाम नागा है नागा है कि हया हया मतलब घोर रहा नागा मतलब हाथी और गजा मतलब हाथी तो हाथी का पर्याय वाची पूछा है तो क्या हो जाएगा नागा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है पंडिता इति पदस्य सॉरी पंडिता इत्य विशेष पदम चितवा लिखत यानी पंडित का विशेष से पूछा है पंडित का क्या पूछा है विशेष से पूछा है तो विशेषण विशेष से हर वीडियो में बताते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं तो जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए और विशेष से किसे कहते हैं तो जिसके बारे में बताई जाए जैसे अच्छा बच्चा तो अच्छा बच्चा में अच्छा बच्चा में अच्छा क्या हो गया तो विशेषण हो गया क्यों क्योंकि बच्चा की विशेषता है कि वो अच्छा है किसकी विशेषता है किसके बारे में बताया गया अच्छा है तो बच्चा के बारे में तो बच्चा क्या है विशेष है ठीक तो वही पूछ रहा है कि पंडिता में विशेष से पूछ रहा है मतलब विशेषण दिया हुआ है तो पंडित का मतलब यहाँ पे क्या हो गया गुनी ठीक तो गुनी होना किसकी यहाँ पे विशेषता है तो जन की यानी कि लोगों की ठीक है तो जन जो है यहाँ पे सही आंसर जन हो जाएगा देखिए ना जना हो जाएगा आ इसका विशेषण हो जाएगा पंडित यानी जन मतलब आदमी और आदमी की विशेषता इस श्लोक में क्या है तो वह गुणी है बुद्धिमान है जिसको पंडित बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये यह सही आंसर हो गया संस्कृत का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अब आपके मन में होगा कि सर ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए क्योंकि नाटक्यांश में आपको दो ही चैप्टर पढ़ना है एक है चैप्टर नंबर फोर शिशु लालनम और दूसरा है चैप्टर नंबर सेवन सौहार्दम प्रकृत शोभा और ज्यादा चांसेस है कि नाटक्यांश का जो क्वेश्चन आंसर है वह डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट इसी चैप्टर से पूछा जाएगा तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ इससे एक प्रश्न निर्माण भी पूछा जाएगा और एक वर्ड मीनिंग भी पूछा जाएगा तो टोटल सात नंबर का ये चैप्टर है समझ रहे हैं बात को तो इसको बड़े अच्छे ढंग से पढ़िएगा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो टाइम लगेगा तो पहले पूरा आपको जैसा कि बता दिए कि पूरा एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि सिमूसी एक्सप्रेस चल रहा है तो प्ले का लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारा नए पैटर्न पर वीडियो उसमें शेड्यूल्ड कर दिए हैं उसको देख लीजिएगा तो चलिए करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट सौहार्दम प्रकृति शोभा चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि सौहार्दम प्रकृत शोभा चैप्टर है क्या ठीक है तो इस चैप्टर के माध्यम से स्टूडेंट हम सभी को यानी कि हमको आपको सबको एक सीख मिलती है कि कैसे हम लोगों को नेचर में रहना चाहिए ठीक है और जब हम नेचर में सभी जानवर इंसान सब आपस में अगर मिलजुल के रहेंगे तभी नेचर बचा रहेगा वरना नेचर जो है यानी प्रकृति खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी उसके बाद इस चैप्टर से यह भी पता चलता है कि दुनिया में हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस है चाहे वो एक जानवर हो अगर कुत्ता ही है भैंस है उसका भी महत्व है इस प्रकृति में और इंसानों का भी महत्व है कोई इसमें बड़ा नहीं और कोई इसमें छोटा नहीं है सबका बराबर बराबर वैल्यू है उसके बाद दूसरा इसमें देखेंगे आपकी प्रकृति जो है वह सिर्फ नाम की नहीं है प्रकृति हमारी माता है ये नेचर हमारी माता है और हम जानवर इंसान पशु पक्षी सब जो है उनकी संतान है ठीक है और कैसे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए इसी के बारे में सीख इसमें मिलेगी इस चैप्टर में आप देखेंगे कि सभी जो प्राणी है यानी पशु पक्षी है आपस में राजा बनने के लिए लड़ाई करते रहते हैं लास्ट में प्रकृति माता आके सबको समझाती है कि कैसे रहना चाहिए तो उसके बाद सभी जानवर बोलते हैं कि वेल मम्मी जी अब नहीं करेंगे हम लोग कोई झगड़ा ईजदा पहले होता था यहाँ बहुत लफड़ा लफड़ाइजदा तो चलिए अब करते हैं स्टूडेंट चैप्टर को स्टार्ट तो अभी जितना मतलब समझाए वो यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है इससे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये समझने के लिए ठीक अब चलिए नाटक को स्टार्ट करते हैं अब चलिए स्टूडेंट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट तो जैसा कि आपको पता है कि नाटक वाला चैप्टर है तो इसमें जैसे लाइट कैमरा एक्शन होता है वैसे ही इसमें लाइट कैमरा एक्शन है तो सीन कुछ इस प्रकार का है अब शब्दार्थ भी आपको लाइन बाय लाइन बताते चलेंगे तो आप सामने में बुक अगर खोल के रख लिए तो बहुत अच्छी बात है पेंसिल भी निकाल लीजिए बउआ और जहां जहां आपको समझ में नहीं आए वहां वहां अंडरलाइन कर दीजिएगा ठीक और जो बताएं उसको लिख लीजिएगा और संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा आज से पहले आप पढ़े और ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं आप हमसे पढ़ते रहिए हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आपका आएगा एकदम गारंटी है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वनस्य दृश्यम समीपे एवायका नदी वहती तो शांति से समझिए संस्कृत वन से दृश्यम समीपे एवायका नदी बहती मतलब सीन कैसा है तो एक वन का दृश्य है यानी कि एक जंगल का सीन है और वनस्य दृश्यम वही जंगल का दृश्य है यानी जंगल का सीन है समीपे मतलब पास में एवायका मतलब एक नदी मतलब नदी वहती मतलब बहती है यानी अभी सीन ऐसा है कि जंगल का दृश्य है और एक जो नदी है वो क्या कर रही है तो बह रही है ऐसा सीन आप बचपन में खूब देखते होंगे सर कहाँ नानी घर में सर हाँ नानी घर में या आप छोटा भीम सीरियल देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब ढोलकपुर का जो ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं भीम लोग तो एक जंगल रहता है फिर नदी बहती रहती है याद है वही वाला समझिए वही सीन है वन का दृश्य है और उसके समीप क्या है यानी पास में एक नदी बह रही है एक सिंह सिंह सुखेन विश्रामयते तदैव एक आगत्य तस्म पुक्षम धुनाती एक सिंह एक सिंह का मतलब हो गया कि एक सिर सुखेन विश्रामयते मतलब कि सुख पूर्वक क्या कर रहा है तो विश्राम कर रहा है तदैव एक वानर रह तभी एक बंदर आगत्य यानी कि आता है तस् पुक्षम धुनाती और उस शेर का पूछ को क्या करता है खींच देता है धुनाती का मतलब हो जाता है स्टूडेंट क्या अभी आपको शब्दार्थ यहाँ पे लिख दिए आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा ठीक धुनाती का मतलब होता है पकड़कर घुमा देना यानी कि खींच लेना तो सीन क्या था कि जंगल का दृश्य था एक नदी बह रहा था एक जो शेर है देखिए शेर अंकल यहाँ पे शांति से सोए हुए हैं तभी एक बंदर अंकल आते हैं और क्या करते हैं शेर जी का पूछ खींच देते हैं अब मान लीजिए कि आप ही कोई शेर का पूछ खींच दे तो शेर तो क्रोधित हो जाएगा जी सर तो क्रोधा सिंह तम प्रहतु प्रहतुर प्रहतुरक्षर स्तु अब जो शेर रहता है वह क्या हो जाता है तो क्रूधा हो जाता है मतलब कि गुस्सा में हो जाता है प्रहतुम का मतलब हो गया कि मारने के लिए तो शेर क्या करता है जो शेर जिसका पूछ यहाँ पे खींचाई हो रहा है वह शेर का क्या हो जाता है तो प्र, प्रहतुम हो जाता है मतलब कि एकदम मारने के लिए आतुर हो जाता है कि इस बंदर अंकल को मार ही देना है इच्छती का मतलब होगा इच्छा करता है परम वानरस्तु यानी परम मतलब बिकॉज वानर यानी कि बंदर कुर्दित्वा वृक्षा मरूढ़ तो कुर्दित्वा का मतलब हुआ कुद के वृक्षा वृक्षा यहाँ पे संधि हुआ है वृक्षम और आरूढ़ अलग है इसका पूरा का मतलब होता है पेड़ पे चढ़ गया जैसे ही शेर अटैक करने का सोचा मारने के लिए सोचा तभी जो बंदर है वो कहाँ चल गया पेड़ पे चढ़ गया क्या पूछ खींच तदैव अन्य स्मात तदैव अन्य स्मात तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरह वानर सिंह से कर्णवा कृष्य पुनः वृक्षो परि आरोहिति तभी क्या होता है स्टूडेंट तभी क्या होता है जब देखिए शेर अंकल क्या करते हैं कि इस बंदर को मारने के लिए दौड़ते हैं तो ये बंदर क्या होता है पेड़ पर चढ़ जाता है तदैव अन्यस्मात् तभी क्या होता है कि अचानक कहाँ से तो वृक्षात यानी कि दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर आता है अपरा सिंह से करना मकृष करना कृषि का मतलब हो गया कान खींच कर क्या करता है तो पुनः वृक्षों परी आरोहिती दोबारा क्या करता है पेड़ पर चढ़ जाता है यहाँ तक में कोई दिक्कत नो सर देखिए कहानी समझिए कहानी क्या है जंगल का एक सीन है नदी वहाँ पे बह रहा है तभी एक शेर सोता रहता है एक बंदर आकर पूछ खींचकर पेड़ पे चढ़ जाता है अब शेर कोशिश करता है कि उसको मार दे तब तक में दूसरा बंदर कोई और पेड़ से आकर क्या करता है शेर का कान खींच फिर वो पेड़ पर चढ़ जाता है कुल मिलाकर बंदरों की जो टोली है वह शेर चचा को परेशान करती रहती है एवमेव वानर वारम वारम सिंह तुदंती तुदंती का मतलब हुआ तंग करता है इसी तरह बंदर जो है वानर देखिए बहुवचन नहीं इसी तरह बहुत सारे बंदर वारम्वार यानी कि अगेन एंड अगेन शेर को क्या करते रहते हैं तो परेशान करते रहते हैं अब मान लीजिए शेर को परेशान कीजिएगा तो शेर तो चुपचाप बैठेगा नहीं क्योंकि शेर तो भाई कमजोर है नहीं जी सर कमजोर होता है शेर नहीं तो शेर क्या करता है सुनिए क्रोध सिंह मतलब कि क्रोधित शेर इतस्तः धावती अभी अव्य में पढ़ाएं इतस्तता का मतलब क्या हुआ इधर उधर धावती यानी कि जो क्रोधित शेर रहता है वह इधर उधर क्या करता है दौड़ता रहता है गरजती गरजता भी है ऐसे परम किमपि कर्तुम समर्थ एव तिष्ठती लेकिन बेचारा शेर पेड़ पे तो नहीं चढ़ता है चढ़ पाएगा इसलिए वो कर्तुम असमर्थ मतलब कि कुछ भी करने में क्या रहता है असमर्थ रहता है मतलब कि कुछ भी करने के केवल नहीं रहता इसलिए वो क्या करता है वही पे लाचार बेचारा खड़ा रह जाता है अब मान लीजिए कि शेर पेड़ पे तो नहीं चढ़ेगा बंदर सब तो एक पेड़ से दूसरा पेड़ पे चढ़ जाता है वानरा हसंती वृक्षोपरी च विविधा पक्षिण अभी सिंह से एकता दृश्य दशा दृष्टि हस्तमिश्रित कलरव कुर अब जब बंदर जो है बार बार इस तरीके का करते हैं शेर को परेशान और शेर जो है परेशान हो जाता है तब बंदर सब क्या करता है जितने भी बंदर रहते हैं वह वृक्ष पे चढ़े रहते हैं वो क्या करते हैं तो हंसती मतलब हंसते हैं किस पे शेर पे हंसते हैं अब जैसे ही बंदर हंसते हैं तो वृक्षोपरी च विविधा यानी कि वृक्ष में वृक्ष के ऊपर विविधा पक्षी ना यानी कि बहुत प्रकार की जंगल है तो भाई बहुत प्रकार का पक्षी होगा कबूतर कौआ चील बगुला सब जो है वो भी क्या करता है तो अपि सिंहस्य एतादृश्यम मतलब कि अपि सिंहस्यम एतादृश्यम सॉरी अपि सिंहस्य एतादृश्यम यानी शेर की इस सिचुएशन को देखकर वो पक्षी भी क्या करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं और आपस में चहचहाट करते हैं अब बहुत सारे पक्षी एक बार में बोलते हैं स्टूडेंट तो देखते हैं सुबह में ऐसे ऐसे होता है। तो इसी प्रकार का जो वहां पे सीन है वो हो जाता है तो ये हुआ पहला सीन आपका समाप्त यहाँ तक में कोई दिक्कत नो no, सर एक बार और समझा दे यस yes, सर तो जैसा कि आपको पता है कि नदी का सीन है सॉरी जंगल का सीन है नदी वहां से बह रहा है शेर को परेशान किया जा रहा है और शेर को परेशान होते देख कर कभी कोई बंदर क्या कर रहा है कान खींच दे रहा है कभी कोई पोछ खींच दे रहा है और सभी पक्षी जो है वो शेर पे देख के हंस रही है अब हम लोग चलते हैं आगे अब शेर जो था क्या कर रहा था शेर अंकल आराम कर रहे थे तो अब शेर जो है आराम कर रहे थे उसके बाद का यहाँ पे स्टूडेंट आपको बताते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि निंद्रा भंग, भंग निंद्रा भंग दुखेन वन राजा यानी निंद्रा भंग 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 दुखेन का मतलब ये हुआ कि निंद्रा मतलब नींद भंग हो जाने पे अब मान लीजिए कि आप ही सो रहे हैं और आपको आके कोई एक एक चाटी पीछे से मार दे तो आपका तो नींद टूट जाएगा तो नींद टूटने पे वन राज मतलब शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है इसलिए वन राज का यूज हुआ नींद टूटने पर सन अपितुक्ष जीवे आत्मना एता दृश्य दुर्वस्थाया श्रांत सर्वजंतुन दृष्टवा जैसे ही शेर का नींद टूट जाता है शेर परेशान हो जाता है तो शेर जो है क्या करता है तो सन तुक्ष जीवे अब शेर के सामने तो सब अपीवे प्राणी है कमजोर है तो सभी से ऐसी सिचुएशन पे क्या करता है तो सबसे पूछता है कौन शेर जो है सबसे पूछता है श्रांता का मतलब हुआ थका हुआ शेर सर्व जंतु का मतलब हुआ सभी जीवों से दृष्टवा यानी कि देखकर कर यानी कि सभी जीवों को देखकर शेर क्या करता है पूछता है सर क्या पूछता है वो आगे लिखा हुआ है अब हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आप सभी को दे दिए हैं ताकि आप लोग गो को कोई दिक्कत ना हो टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक और शब्दार्थ भी दे दिए अब चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे शेर क्या कहता है सिंह कहता है कि क्रोधेन गर्जन तो ये कहता नहीं है मतलब इसका मतलब या क्रोधेन का मतलब क्रोधित होकर यानी गुस्से में गर्जन का मतलब हो गया गरजता है यानी जो है खूब गुस्से में गरजता है और भो यानी कि भो का मतलब होता है अरे ये ये संबोधन हुआ जो है सभी प्राणी को जितने भी जंगल के उनको बोलता है जैसे आप स्पीच देते हैं स्कूल में तो बोलते हैं ना रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर टीचर्स मैडम्स एंड माय डियर अस्टूडेंट बोलते हैं ना यस सर तो उसी तरह शेर भी बोलता है भो शेर कहता है कि अहम वन किम भयम न जाएते शेर सभी प्राणी को कहता है कि अहम यानी कि मैं वन राज हूँ यानी कि जंगल का राजा हूँ कि मतलब क्या भय हम न जाए थे क्या तुम्हारे अंदर इस बात का भय नहीं है किमर्थम मामेब एब, मामेबम तुरदंत ईश्वर में मिलित बा किमर्थम माम एवं का मतलब होता है मुझे इस प्रकार से तुम क्या कर रहे हो तो तु, तू दंती यानी कि तंग कर रहे हो और सभी सर्वे मिलित यानी कि सभी मिलकर तुम मुझे क्या कर रहे हो परेशान कर रहे हो तंग कर रहे हो तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जो हूँ वन का राजा हूँ मैं यहाँ का क्या हूँ राजा हूँ तभी एक बंदर बोलता है कि यत त्वम वन राजा भव तुम तू तु, सर्वथा योग्य यानी कि तुम तुम यानी कि नहीं तुम जो हो सॉरी यत मतलब क्योंकि तुम जो हो वन के राजा बनने योग्य नहीं हो तुम अयोग्य हो ठीक है तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है राजा बनने की ये कौन कहता है ये बंदर कहता है बंदर इस पे कहता है कि राजा तू रक्षक भक्ति राजा तो रक्षक होता है परम भवान तू भक्षक लेकिन भवान का मतलब आप अभी अशुद्धि अनुवाद में पढ़ा है इसीलिए तो ग्रामर पहले पढ़ाएं जो बच्चा नए नए पहली बार इस पे आए हैं प्लीज आप प्लेलिस्ट से ग्रामर का वीडियो देख लीजिएगा इतना जीरो लेवल से पढ़ा है ना कि मजा आ जाएगा तो उसी पे कहता है बंदर कि भवान तू भक् आप तो भक्षक हैं यानी राजा क्या होता है प्रजा का रक्षा करने वाला होता है लेकिन आप तो भक्षक हैं आप क्या करते हैं हमें ही खा जाते हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि शेर जो होता है जंगल के ही प्राणी को खाता है तो वही बंदर कहता है कि भाई राजा तो प्रजा का रक्षा करता है लेकिन तुम तो हमें खा जाते हो अभी च स्व स्वरक्षायामापी समर्थ और अभी तो तुम अपनी रक्षा हमसे खुद कर ही नहीं रहे हो तो तुम तहरी कत समान रक्षेसी यानी कि तू हमारी रक्षा कैसे करोगे इसका कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अभी जैसे कि आप देख रहे थे कि बंदर शेर को परेशान कर रहा था फिर भी शेर अपना रक्षा कर पा रहा था नहीं कभी पूछ खींच दिया कभी कान खींच दिया ठीक और शेर कुछ भी नहीं कर पा रहा था सिर्फ गरज रहा था तो उसी पे बंदर कहता है कि अपना रक्षा तो करिए नहीं रहा है तो हमारा रक्षा तुम कैसे कर देगा ठीक उसके बाद सभी बंदर जो है वो कहते हैं सभी बंदर सॉरी अन्य वानरा का मतलब हुआ कोई और बंदर कहता है कि किम न श्रुता त्वम तो पंचतंत्र युक्ति किम न श्रुता क्या तुमने वह पंचतंत्र की युक्ति नहीं सुनी है पंचतंत्र एक किताब था समझे स्टूडेंट तो वही बोलते हैं एक बंदर जो है अंकल को बोलते हैं कि क्या तुमने पंचतंत्र की वो कहावत नहीं सुनी है तो कौन सी कहावत तो कहावत है कि यो न रक्षती पैरे सदा जंतु जंतुन पार्थिव रूपेण तो न संशय वित्रस्तान का मतलब होता है स्टूडेंट विशेष रूप से डरे हुए प्राणी ठीक है पि, आपको पीडिय मानान का मतलब होता है पीड़ित होते हुए को पैरे का मतलब होता है दूसरों के द्वारा जंतुम का मतलब होता है जीव प्राणी पार्थिव रूपेण का मतलब होता है राजा के रूप में और कृतांत का मतलब होता है यमराज तो ये जो अन्य बंदर है जो एक बोला ये पंचतंत्र की युक्ति वो बोलता है कि राजा तो वो होता है जो डरे हुए विशेष रूप से जो खूब ज्यादा डरे हुए प्राणी है जंगल में उसकी क्या करता है रक्षा करता है लेकिन तुम क्या करते हो रक्षा नहीं करते हो इसलिए तुम क्या हो राजा नहीं हो तुम साक्षात क्या हो भाई तो तुम कृतांत हो मतलब कि तुम यमराज हो इसमें कोई भी न संशय मतलब इसमें कोई भी संशय नहीं है कहने का मतलब ये है कि अन्य वंदर जो है मतलब एक वानर जो है दूसरा वो कहता है कि तुम क्या हो तो यू न वितरस्थान मित्र तुम तो डरे हुए प्राणी की रक्षा करते ही नहीं हो ठीक है तुम तो डरे हुए प्राणी की रक्षा करते ही नहीं हो जो जंगल में और कोई कोई से डरा हुआ है जैसे मान लीजिए कि अगर सांप ले ले साप तो सांप तो हमेशा निबला से डरा रहता है और शेर से भी डरा रहता है तो वही बोला है कि तुम तो प्राणी की रक्षा करते ही नहीं हो ठीक है तुम तो और ऐसे भी तुम उसको मार के खा लेते हो तो तुम राजा थोड़ी हो भूतनी के तुम क्या हो कृतान्त हो तुम मतलब कि यमराज हो इसमें कोई भी संदेह नहीं है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर आगे कौआ कहता है अब नाटक में कौआ एंटर हो जाता है ठीक है नाटक ही चल रहा है तो इसमें तरह तरह के जानवर आपको बार बार देखने को मिलेंगे अब क्या होता है बउआ आ जाता है कौआ उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि कौआ आ जाता है कौआ कहता है कि आम सत्यम कथितम तोया हाँ तुमने सच कहा मतलब कि जो ये सब चलता रहता है बंदर और शेर का बातचीत उस पे कौआ कहता है कि हाँ भैया तुमने बिल्कुल सत्य कहा वस्तुता वन राजा भवी भभी तुम तू है और जंगल के राजा बनने के लिए कौन योग्य है तो अहमेव योग्य यानी कि मैं ही जंगल के राजा बनने योग्य हूँ तो यहाँ पे आपने कहानी में क्या देखा कि अभी बातचीत चल रहा है बंदर और इसके बीच शेर के बीच कि तू राजा बनने योग्य नहीं है तो तू नहीं है अब इसमें कौआ आके एंट्री मार देता है आ, आ, कि कौन सही कह रहे हो तुम लोग वास्तव में जंगल का राजा बनने का जो क्वालिटी है वह कौआ में ही होता है इस पे जो कोयल है कोयल यानी कि पिका पिका का मतलब होता है कोयल कोयल जो है उपहासन, उपहासन का मतलब हुआ मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कथम तो में योग्यम बन राजा कैसे तुम जंगल के राजा बनने योग्य हो भवि तुम यत्र तत्र का का इति कर्कश ध्वनि ना वातावरणम करोसी रे तुम कैसे जंगल के राजा बनने योग्य हो यत्र तत्र मतलब कि यहाँ वहाँ का का हमेशा कारकस धोनी यानी कि धो, क्या लिखा है धोनी ना मतलब कि हमेशा अजब प्रकार का इरिटेटिंग आवाज निकालते रहते हो आप देखते हैं ना कौआ का आवाज किसी को अच्छा लगता है क्या? करता है कि नहीं निकालते रहते हो और पूरा जो वातावरण है उसको क्या कर देते हो इसको तोड़ के पढ़िएगा वातावरणम यानी कि इन्वायमेंट आकुली करोसी यानी कि आकुलित कर देते हो पूरे इन्वायरमेंट को तुम क्या कर देते हो परेशान कर देते हो न रूपम और तुम्हारे पास रूप भी नहीं है एक नंबर के काले हो कलौठे हो न धोनी निरस्ती और न ही तुम्हारे पास आवाज है कृष्णवर्णम काले कलर वाले मेध्या मेध्या भक्षम मेध्या मेध्या भक्षम का मतलब हुआ कि जहां तहां कुछ भी खा लेते हो तो कथम वन राजा मन्या महे तुम कैसे वन के राजा बनने योग्य हो ठीक है और हम तुम्हें मन्या महे कैसे तुम्हें जंगल का राजा मान लें तो आप देखते हैं स्टूडेंट की कौआ का यहाँ पे बुराई जो है कोयल के द्वारा किया जाता है कि तुम तो कुछ भी खा लेते हो आप देखते हैं कौआ मेध्या मध्या भक्षम करता है कहाँ मन करेगा जो है जहाँ को कूड़ा कचरा में है वहीं पर खा लेगा करता है कि नहीं करता है यस सर अब जो हम लाइन पढ़ाने जा रहे हैं ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को अव्य में दिक्कत है ना यस सर तो जब भी सिर्फ उसी बुक का पढ़ाई कीजिएगा तो अव्य इसी बुक से पूछता है देखिए कैसे आपको बताते हैं देखिए तहरी आपके सिलेबस में है ना जी सर अव्य में तो यही यही लाइन उठा देगा तहरी यहाँ से गैप कर देगा और यही आपको दे देखिए अपी गैप कर देगा तो यही लाइन पूछेगा सर गैप कर देगा मतलब देखिए गैप करने का मतलब ये हुआ कि अव्य का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और इस बार तो शायद सिंपल पेपर में भी दिया देखिए यहाँ लाल कलर से रंग देते हैं जरूरी बात है ये यह देखिए यहाँ से यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है अव्य का इसमें क्या करेगा अव्य जो दो है ये यदि अ तहरी को क्या करेगा गायब कर देगा और आपको भरना रहेगा बाकी लाइन दे देगा तो जब भी आपसे बुक पढ़े तो जितना भी अव्यय आ रहा है उसको अंडरलाइन करते चलिए अब किसी का मन होगा कि सर ये अव्यय कौन सी चिड़िया का नाम है मतलब सिलेबस का भी आपको ज्ञान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है हम बैठे हुए हैं ना संस्कृत में इतना अच्छा नंबर सबका क्यों आता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं तो भी एकदम जीरो लेवल से ताकि सबको समझ में आए और साथ में बोर्ड का भी स्ट्रेटजी बताते चलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है तो अबे का लेक्चर जो है अभी दो दिन पहले पढ़ा है तो जाके देख लीजिएगा प्ले का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसमें भी होगा ठीक है तब वो लेक्चर देखिएगा तब क्या बोले समझ में आपको आएगा उसके बाद कौआ कहता है जैसे ही कोयल मजाक उड़ाती है तो कौआ कहता है कि अरे अरे, अरे वो गाना नहीं चलाता अरे 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 तो उसी पे कौआ का मतलब रिलेट किए इसमें नहीं ले लीजिएगा अरे अरे कौआ कहता है कि अरे अरे किम जलपसी मतलब कि अरे अरे किम जलपसी जलपसी का मतलब हुआ कहना बड़बड़ाना मतलब कि अरे अरे क्या बरबराती हो यदि अहम का मतलब होता है काले कलर का यदि यानी कि मैं काले कलर का हूँ तहरी मतलब तो तो त्वम की गौरांग का तुम क्या गोरी हो अपी च विश्रते किम यत मम पीड़िता तू जाना नाम कृते अपी च विष क्या लिखा हुआ ते यानी कि भूल जाती हो क्या तुम भूल जाती हो कि मेरी सत्य प्रियता का तो लोग एग्जाम्पल देते हैं नहीं कहता झूठ बोले कौआ काटे या सर तो उसी पे ये कौआ बोलता है कि तुमको ये नहीं पता जब कोई लोग झूठ बोलता है तो मेरा ही एग्जाम्पल दिया जाता है कि झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से न डरियो समास में के चली जाएगी संधि तू देखते रहियो वही वाला है वही लाइन ये बोलता है उसके बाद उदाहरण स्वरूपा मतलब कि कौआ जो एग्जाम्पल देता है कि अनि, अनि, अनितम वद्सी चेत काका क्या तुमने नहीं समझा है सुना है अनितम यानी कि अगर तुम झूठ बोलोगे वत्सी मतलब बोलेगो तो चेत काका दशे कौआ क्या करेगा डस लेगा यानी कि काट लेगा जो अभी आपको हम समझाए इति प्राकृत परिश्रम एक विश्व अपरिथम और तुम्हें ये पता नहीं है कि मेरे परिश्रम का तो एग्जाम्पल विश्व में प्रसिद्ध है क्या तो का चेष्टा च काक चेस्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मान्य और जिस भी विद्यार्थी के अंदर क्या रहता है काक चेष्टा रहता है वो विद्यार्थी क्या माना जाता है एकदम मेहनती माना जाता है काक चेष्टा का मतलब हो गया क्या कौवे की चेष्टा वाला छात्र यानी कि कौवे के तरह मेहनती छात्र को ही असली छात्र माना जाता है वो विद्यार्थी में याद है काक चेष्टा बको ध्यानम यस सर स्वनिंद्रा यस सर तो वही वाला है कि काक चेष्टा जिसमें विद्यार्थी के अंदर काक कौवे के जैसी चेष्टा रहती है वही विद्यार्थी क्या है एक आइडियल स्टूडेंट माना जाता है तो फिर तुम जो है कैसे मुझको ऐसे कह रही हो कोयल चलो कोयल बोली कोयल क्या बोली सुनिए कोयल बोली पिका यानी कोयल बोली कि अलम अलम अतिथि बितकेन अल अलम अलम अतिवित कथनेन यानी कि अपनी बित कथनेन का मतलब होता है अधिक प्रशंसा करना या डिंगे मारना अधिक प्रशंसा तुम अपना मत करो किम विश्रम यत अगर तुमको ये नहीं पता है किम विश्र विषम यर्त विषम यर्त का मतलब भूल जाती हो या भूल जाता हो क्या तुम ये भूल जाते हो कि काका कृष्ण पिका कृष्ण कौआ भी काला है कोयल भी काली है को भेद पी का कयो, और दोनों में अंतर क्या है भेद मतलब डिफरेंस क्या है तो वसंत समय प्राप्त काका काका का और पी का पिक और जब वसंत का सीजन आता है ठीक है तो काका का का, कौ, कौवा कौवे रहता है जैसे सालों भर और कोयल जो है कोयल रहती है मीठी मीठी गाना गाती है कोयल सी तेरी बोली कुकु, कु कु ठीक है तो कोयल जो है वो बसंत के समय मीठी मीठी गाना गाती है और हमारी गाना तो आज इंस्टा रील में काम आता है कहसी गई ठीक तो ये कोयल बोलती है इंस्टा रील वाला नहीं बोलती है लेकिन कोयल का गाना ही तो इंस्टा रील में बन सकता है ना बना दीजिएगा स्टूडेंट तो इस पर जो है कोयल ये बात स्टूडेंट कहती है अब आगे चलते हैं स्टूडेंट अब हम लोग आगे चलते हैं अब जो है कौआ जो है इस पर कहता है काका यानी कि कौवा कहता है कि रे प्रवीरता परवरता का मतलब हो गया दूसरों पे पलने वाली रे दूसरों पे पलने वाली अहम यदि तब संतति न अहम अहम यद अहम यानि कि मैं अगर तुम्हारे संतान को न पालू तहरी कुत्र से ऊपि का तो कोयल कहाँ से आएगी अत अहम एव करना पड़े पक्षी सम्राट कर इसीलिए मैं क्या हो तो करुणा पड़े यानी कि मैं ही दयालु पक्षियों का राजा कौआ हूँ मैं कौन हूँ तो पक्षियों का राजा कौआ हूँ तो यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट कि कौवा जो है अभी अपना दिमाग लगा देता है अभी कौआ कहता है कि रे कोयल तुम्हारा संतान को तो हम ही पालते हैं और मैं ही सबसे दयालु हूँ मैं क्या हूँ तो पक्षियों का राजा कौआ हूँ मतलब जंगल का नहीं हूँ लेकिन पक्षी का राजा हूँ अब इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पे आ जाता है हाथी कौन आता है हाथी आता है हाथी कहता है गजब कि समीपत एवा गछेन अरे यानि कि समीपत एवा ग इसका मतलब हुआ कि हाथी पास आकर ठीक है समीपता का मतलब पास आकर क्या कहता है एवा गछेन अरे मतलब कहता है कि अरे अरे मतलब सबको कहता है कि अरे 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 सर्वम संभाषणम सुनुन वन एवा अत्रा गच्छम और मैं जो हूँ यहाँ पर सर्वम संभाषणम यानी कि सर्वम मतलब सभी के भाषण को सुनकर क्या हूं तो आ अत्रा गच्छम यानी कि अत्रा यानी कि यहां पर मैं आया हूं अहम विशाल काय मैं जो हूं क्या हूं तो बहुत विशाल हूं मैं बहुत बड़ा हूं हाथी का तो आप देख ही रहे शरीर कितना बड़ा होता है बलशाली और मैं बलवान भी हूं पराक्रमी और मैं पराक्रम भी कर सकता हूं पराक्रमी भी हूं चौ का मतलब और आपको पता है संस्कृत में और बाद में लगता है उसके बाद कहता है कि सिंह सयात अथवा अन्य कॉपी वन पशु मारिश्यामी और यानी कि शेर के अलावा दूसरा कोई भी आदमी नहीं है जिसके में दम हो कि वह क्या करे हमको परेशान करे अथवा अन्य कॉपी मतलब कि वही जो आपको बताए कि हाथी ये बात सकारता है कि मुझसे मुझे मेरे जितना शक्तिशाली बस जंगल में शेर ही है उसके बाद दूसरा कोई भी प्राणी नहीं है वन्य पशु तू तु दंतम अगर कोई भी वन्य पसुन यानी कि कोई भी जंगल का व्यक्ति अगर मुझे क्या करता है यानी कि तंग करता है तो जंतु मेन पोथियतवा यानी कि पोथियतवा का मतलब होता है लपेट के जंतु का मतलब होता है कौन जीव यानी प्राणी को अपने सुर में लपेट के मैं क्या कर दूंगा मारिसयामी मार दूंगा कोई मुझे तंग नहीं कर सकता है और यह बात बताना चाहता है कि जंगल में दो ही तो बी बलवान है एक हम है एक शेर है अब शेर को तो परेशान कर दिया लेकिन हमको कोई नहीं परेशान करेगा कि मन ने को पे से ऐादृश्य पराक्रमी और मैं क्या हूँ भाई तो मैं पराक्रमी हूँ मेरे जैसा कोई भी वीर इस जंगल में नहीं है अतः अहमेव योग्य वन राजपद आए इसलिए अहमेव यानी कि मैं ही क्या हूँ जंगल के राजा बनने योग्य हूँ मैं ही क्या हूँ जंगल के राजा बनने योग्य हूँ तो आप कहेंगे सर अहम एव का मतलब ए, मैं ही ऐसा क्यों सर तो देखिए ना अहम का मतलब मैं और देखिए एव का मतलब पढ़ाए ना अभ्यम एव का मतलब होता है ही संधियों के अहम एव बन गया है अच्छा ये बात है हाँ ये बात है बउआ ठीक तो मैं ही जंगल के राजा बनने योग्य हूँ इस पे बंदर कहता है कि अरे अरे एवं वा मतलब कि बंदर कहता है कि अरे अरे कहता ही रहता है ठीक है शीघ्र में गजस्यापी पुच्छम भिद्वृा वृक्षो पर आरोहित और इसी में क्या करता है जैसी अरे अरे कहता ही है तब तक में बंदर क्या करता है कोई और बंदर आके हाथी के भी पूंछ को खींच कर क्या करता है पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है ठीक है ये बंदर का करतूत था अब जब हाथी के पूंछ को खींचा जाता है किसके द्वारा बंदर के द्वारा तब बंदर आ, हाथी क्या करता है सुनिए गजम तम वृक्ष में स्वूडेन आलो आलोडीय यु तू मिक्षति परम वानरस्तु कुर्दित्वा अन्य अन्यम वृक्षा मारोहिति यानी कि जैसे ही हाथी के पूछ को खींचकर वो जो बंदर पेड़ पे चढ़ता है तो ये हाथी जो है क्या करता है तो स्व मतलब कि अपने सुर से क्या करने की कोशिश करता है तो आलोडीय यानी कि आलोडियतुम और इ दोनों यहाँ पे संधियों के बना है आलोडियम सॉरी क्या बना है आलोडति और दोनों को तोड़िएगा तो आलोडी आलोड यतुम अलग और इच्छति अलग यानी कि अपने सुर से क्या करता है तो हिलाने की कोशिश करता है किसको तो वृक्ष में यानी कि पेड़ को लेकिन बंदर जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तुरंत फटाक से चढ़ जाता है एवं गजब वृक्षात वृक्ष प्रतिधावनता दृष्टि सिंह अपी हस्ती बदती और जैसे ही एक पेड़ से मतलब मान लीजिए कि हाथी का मान क्या लीजिए हाथ जो बात है सो बता रहे हाथी का पूछ खींच के बंदर एगो पेड़ पे चढ़ा तो हाथी सोचा कि पेड़ को सूर में लपेट के खींच के फेंक देंगे ठीक तब तक में बंदर क्या करता है दूसरा पेड़ पे चढ़ जाता है अब जैसे ही बार बार ऐसा करता है और हाथी दौड़ता रहता है परेशान होता रहता है इसको देख सिंह जो है वह अपी हस्ती बदती शेर जो है वो हंसता है और कहता है सिंह क्या कहता है सुनिए भोग अज माम पेव मे वातुंदन तुंदन एते बानर कि हे हाथी इसने क्या किया है तो माम यानी मुझे भी माम मतलब मुझे भी अतुदन का मतलब तंग किया था और इस ये बंदर जो है इसने मुझे भी इन बंदरों ने एते यानी कि ऐसे ही क्या किया था तंग किया था ऐसे ही क्या किया था तंग किया था इस पे बंदर कहता है कि एत समादेव तू कथामी यद महे यद मेव योग्य वनराज पदा येन विशाल भयंकरम चापी गजंवा प्राजे तुम समर्था अस्माक जाति अत नाम रक्षाए मे क्षमा यानी कि बंदर कहता है कि एतः सॉरीदेव तू कथ्यामी यदा यद में योग्य इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं ही जंगल के राजा बनने के पद के क्या हूं योग्य हूं क्योंकि मैंने क्या किया है तो ये विशाल का है। मतलब कि बड़े शरीर वाला पराकर्मी भयंकर चापी सिंह को और क्या किया है गज यानी कि हाथी को दोनों को मैंने पराजितुम यानी कि पराजित किया है दोनों को मैंने हराया है यानी बंगा बंदर जो है ये लॉजिक देता है कि भाई जंगल में तो दो ही बलवान है एक हाथी और एक शेर है दोनों को तो हम हरा दिए अब दोनों का हम परेशान किए दोनों हमको कुछ नहीं कर पाया इसीलिए इसीलिए जो है अत वन्य जंतु नाम रक्षाए में क्षमा इसीलिए वन के राजा बनने योग्य मैं ही हूँ और मैं क्या हूं तो वन्य जंतु नाम रक्षाए क्षमा और मैं पूरे वन क्षमा का मतलब है यहाँ पे माफी मांगने नहीं होगा क्षमा का मतलब है समर्थ है कैपेबल है और मैं वन्य के जितने भी जंतु नाम है यानी कि जितने भी प्राणी है उसके रक्षा करने के लिए मैं समर्थ हूँ और मैं रक्षा कर सकता हूँ अब ये तत्सर्वम श्रुतवा यानी कि इस सभी चीजों को सुनकर नदी मध्य स्थित नदी के बीच में स्थित एक बक एक बगुला है अब वो बोलता है बक यानी कि बगुला अरे अरे मां बिहाय कथमन्य कोपी राजा भवतु महरति मुझ वो कहता है कि अरे अरे मां बिहाय मां सॉरी मां बिहाय बोलनी है सॉरी सॉरी स्टूडेंट अरे अरे मतलब अरे अरे माम बिहाय माम बिहाय का मतलब ये हो गया माम मतलब मेरे मुझको बिहाय यानी कि छोड़कर कोई भी यहाँ पे राजा बनने योग्य नहीं है ठीक है मैं ही यहां का क्या हूं तो राजा हूं और सब अपना आपको राजे बता रहा है इसमें और सब अपना आपको लॉजिक दे रहा है कि ई लॉजिक से हम राजा हैं तो लॉजिक से है अहम तू शीतले जले बहुकालयत्नम अविचलम ध्यान मगन स्थित प्रज्ञ स्वा सर्वेशा रक्षा या उपायन चिंत्यामी और यह कहता है कि मैं इसलिए राजा बनने योग्य हूँ अहम तू क्योंकि तो मैं शीतले जले आपको पता है कि बगुला शीतल जल में रहता है तभी ना विद्यार्थी के पंच लक्षण में बको ध्यानम याद है यानी बगुले की तरह ध्यान लगाकर पढ़ना है मैं शीतल जल में चुपचाप बहुकाल प्रयत्नम यानी कि बहुत लंबे समय तक क्या हो रह सकता हूँ अविचल ध्यान मग्न बिना विचलित हुए मतलब बिना परेशान हुए बिना डिस्ट्रैक्शन के मैं क्या कर सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ स्थित प्रज्ञा मतलब वहाँ पे रुक के सर्वे सामरक्षाया उपायन चिंत मतलब कि वहाँ पे सभी के रक्षा का मैं क्या करूँगा उपाय को सोचूंगा और योजना निर्मय च विविध पदमलम कुर्बानो जंतु भिक्ष मिलित बा क्रियान वितान कारस्यामी अतः अमे वन राजपद पद प्राप्त योग्य और इस पर कहता है कि मैं उपाय को सोचूंगा योजना बनाऊंगा और मैं अपनी सभा में जंगल के सभी प्राणियों को क्या करूंगा जगह दूंगा और सभी के साथ मिलकर मैं सबका भला करूंगा और क्रिया क्रियान्वितान मतलब कि योजना बनाऊंगा कि कैसे रक्षा किया जाए इसीलिए वन राज पद प्राप्त करने के लिए राजा बनने के लिए मैं ही सबसे ज़्यादा योग्य हूँ कैपेबल हूँ तो देखिए बगुला जो ही नमूना निकला ये जो है वो मोदी जी ने कहते सबका साथ सबका विकास तो ये जो है सबका साथ सबका विकास करने लगा ये जो है मतलब मिला जुला सरकार बनाने लगा गठबंधन का सरकार कैसे तो यह क्या किया कि हम तो राजा बनेंगे और अपना क्या बनाएंगे कैबिनेट बनाएंगे स्वसभायाम का मतलब होता है कैबिनेट दरबार जो भी कहिए तो उस स्वसभायाम में मतलब कि अपने सभा में मैं सबको जगह दूंगा अरे देखिए मतलब मंत्री परिषद का गठन करेगा और सबके बारे में सोच के वहाँ रक्षा अच्छा करेगा इस पर मोर कहती है क्या कहती है सुनिए वृक्षों पर इत सात ट हंसपूर्वकम यानी कि वृक्ष के ऊपर मोर है वो हंसते हुए बिरम बिरम यानी कि बिरम आत्म आत्मशाला घाया किम न जाना सीयत अरे रुक जाओ रुक जाओ अपनी क्या करो तो घाया मतलब कि अपनी प्रशंसा खुद मत करो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ किम न जाना सीयत क्या मैं नहीं जानते हो कि मतलब कि मयूर जरूर इसके बारे में कुछ शिकायत करने वाली होगी इसलिए कहते हैं कि किम न जाना सीत क्या नहीं जानते हो कि क्या आगे बोलती है अब स्टूडेंट आगे चलते हैं तो मयूर जो है वो कहता है कि किसको कहता है तो मयूर जो है जैसा कि आपको बताएं कि अभी किसका बातचीत चल रहा है तो मयूर और बकुला का बातचीत चल रहा है तो कहता है कि यदि न श्या नरपति सम्यक नेता तथा प्रजा अकर्ण धारा जलौधो विपल वेते है इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट यदि का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे यदि सयाद का मतलब होता है हो नरपति का मतलब होता है क्या राजा ठीक है किंग सम्यक नेता का मतलब अच्छा लीडर प्रजा का मतलब आप समझ ही रहे हैं प्रजा जनता तत्का मतलब होता है उससे अखण्ड धारा का मतलब होता है कान तक जल नहीं कहते नाक तक पानी है उसी तरह कान तक पानी जलौघा का मतलब होता है सागर में और बीपल बेता का मतलब होता है डूब जाए और यहाँ पर नौ का मतलब हुआ क्या हुआ तो नौ का यानी कि नाव जो आप बोले जहाज़ बोले तो मयूर कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि यदि अगर अच्छा ना हो क्या ना हो तो नरपति अगर यदि अच्छा राजा न हो तो और यदि अच्छा नेता न हो तो प्रजा उसी जहाज की तरह बहुत कान तक के पानी में ही डूब जाएगी जैसे इस संसार में हम लोग डूब जाएंगे तो ये तो पूरा हम तोड़ तोड़ के समझाए तो आप लोग को समझाए सिंपल भाषा में इसको समझाते इस ये जो श्लोक कह सकते हैं इसको इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि कहा गया है कि अगर अच्छा नेता अच्छा राजा अच्छा मुख्यमंत्री अच्छा प्रधानमंत्री अगर ना हो तो उसकी प्रजा क्या होगी संसार में मतलब डूब जाएगी और एग्जाम्पल दिया कि ऐसे जैसे एक जहाज़ जो है कान तक भरा पानी में ही अगर डूब जाए अगर हम कहें कि जहाज़ है नाव है अब पानी है थोड़ा ही सा उसमें नाव डूब जाए अगर अच्छा नाव नाव चलाने वाला ना हो तो कम में पानी में डूब जाएगा तो अगर अच्छा नेता ना होगा तो इस संसार में उसका प्रजा का कुछ भी नहीं होगा प्रजा जो है भी डूब जाएगी पानी में डूबने का बात नहीं कहा गया है एक एग्जाम्पल दिया गया है फिर मयूर कहता है कि को न जानाती तब ध्यान अवस्थानाम को न जानाती तो ध्यान नाम। इसका मतलब होता है कि तुम्हारे ध्यान को कौन नहीं जानता है तुम्हारे ध्यान को कौन नहीं जानता है स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन बरकान मीनान छलेन अधिगृह क्रुताया भक्ष्यसी और जो तुम कहते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ रहते हो एकदम चुपचाप ध्यान लगा के रहते हो अगर और तुम जो हो यही ध्यान लगा के रख किसको नहीं पता है कि तुम ध्यान लगा के चुपचाप रहते हो और तुम क्या करते हो तो बेचारी मछलियों को छल पूर्वक खा जाते हो आपको पता होगा कि बकुला जो है पानी में ऐसा साइलेंट खड़ा रहता है इतना मतलब कि अपने काम पे फोकस रखता है अपने शिकार पे कि मछली को पता भी नहीं चलता है कि बकुला एकदम शिकार के लिए तैयार है और बकुला क्या करता है मछली को बड़े बेरहमी से क्या कर जाता है खा जाता है ठीक है धिक त्वाम तब कर्नाथ तू सर्वम पक्षी कुल मेवा मानितम जातम और इस पे मोर कहता है कि तुम्हारे पे क्या है तो धिक्कार है कारनाथ तुम्हारे कारण ही जितने भी पक्षी कुल है मतलब पक्षी समाज है वह उसका क्या किया जाता है तो अपमान होता है और पक्षी कुल अपने आप को अपमानित महसूस करता है क्योंकि बकुला भी एक क्या है स्टूडेंट बर्ड ही है यानी पक्षी ही है तो उसपे मोर कहता है कि तुम जो मछली को खा जाते हो बेहरमी से इससे पक्षी समाज क्या है पूरी तरीके से अपमानित है तुम्हारे ही कारण उसके बाद अब स्टूडेंट बंदर जो है फिर से आ जाता है कहानी में अब बंदर कहता है बंदर कहता है उससे पहले सगर्भम सगर्भम का मतलब हुआ है एकदम गर्व के साथ प्राउड के साथ बंदर कहता है कि अतिव कथ्यामी यत अहमेव योग्य वन राजा वन राज बंदर कहता है कि अत्यवक कथयामी यानी इसीलिए कहता हूँ कि अहमेव योग्य यानी कि मैं ही योग्य हूँ किसके लिए तो वन राज यानी कि राजा बनने के लिए राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ शीघ्रमेव मम राजभिषेकाय तत्परा भवंतु सर्वे वन्य जीवा और बंदर जो है कहता है कि वन के सभी जीव जीव यानी कि वन के जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या करो तो शीघ्र करो क्या चीज़ के लिए तो मेरे राजभिषेक के लिए मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ ठीक मतलब बंदर जो है अपने आप यहाँ पे कूद रहा है बिना मतलब का सब अपना अपना आप देख ही रहे कि तारीफ में लगा हुआ है क्या तारीफ़ करूँ उसकी जिसने तुझे बनाया तो सब अपना अपना तारीफ में लगा हुआ है सब अपना अपना राजा बनने के लिए तैयार है और सब अपना अपना लॉजिक दे रहा है फिर मयूर कहता है कि अरे वनर तुर्सनीम भव कथम त्वयोग्य तो बनराजपादाए पश्यतु 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 मम सिरसी राज मुकुटमीब मम सिरसी राज मुकुटमीब शिखाम स्थापयता विधाता एवाहा पक्षीराज कृत अरे म फिर मोर कहता है कि अरे वनर मतलब कि रे वंदर तुर्णीम भव तुर्स्नीम भव का मतलब होता है चुप हो जाओ कथम तव तो योग्य तुम कैसे योग्य हो किसके लिए तो वन के राजा बनने ली के लिए पश्यतु पश्यतु देखो देखो मम सिरसी यानी कि मेरे सिर पर क्या है तो राज मुकुटमीव शिखाम स्थापयता विधाता आप देखते होंगे कि मोर के सिर पे एक इस प्रकार से मुकुट टाइप का बना रहता है मोर के सिर पे देखते हैं इस प्रकार से मोर के सिर पे क्या बना रहता है मुकुट टाइप से बना रहता है इसीलिए मोर कहती है कि भाई बन मेरे सिर पे तो विधाता यानी कि भगवान ने ही क्या किया है तो मुकुट बना के भेजा है मैं पक्षीराज हूँ और मैं ही क्या हूँ तो राजा बनने योगी हूँ और भगवान ने मुझे पक्षियों का भी तो राजा बनाया है अतः वने निव, निवसतम माँ वन राजूपे नानी द्रष्टुम सज्जा भवंतु अधुना यत कथम को पयनय विधातु निर्णय अन्य अर्था क्षमा और फिर मोर कहता है सॉरी मोर जो है मोरनी कहती है कि अतः वने नि क्या लिखा हुआ है अतः वने निवसंतम माँ मतलब कि इसलिए वन में निवास करने वाले मुझको जंगल के राजा के रूप में तुम लोग दृष्टुम सजा अब देख सकते हो और उसके बाद पक्षी ये मोरनी कहती है कि यत कथम को, को पेय विधा विधातु निम अन्य अन्य था कर क्षमा और मुझे राजा बनाओ और ये मेरा निर्णय नहीं है ये किसका निर्णय है तो विधातु निर्णय यानी कि भगवान ने ही मेरे सर पे मुकुट बना के इसीलिए भेजा कि मैं राजा बनूं और इसको तुम लोग नकार नहीं सकते हो कैसे इस बात को तुम मना कर सकते हो ये किसका निर्णय है तो स्वयं ईश्वर का निर्णय है उस पर कौआ कहता है कि सौ व्यंग गयम का मतलब हुआ मतलब कि मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए अरे अहिभूक अहि भू कह का मतलब हुआ सांप खाने वाले खाने वाले अरे सांप खाने वाले नृत्या नृत्य अतिरिक्तम का त्व विशेषता यत्म वन राज पदाए योग्य मन्या महे व्यम यानी कि ये जो कौआ है ये कहता है कि अरे सांप खाने वाले नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारे पास यानी डांस के सिवा तुम्हारे पास क्या और विशेषता है जो तुमको वन राज हम लोग बनाए और तुमको हम वन का राजा मान लें इसमें मयूर कहता है यत मम नृत्यम तू प्रकृत आराधना यत मम नृत्यम यानी कि यह जो मेरा नृत्य है डांस है ये कोई मजाक नहीं है ये मैं प्रकृति की आराधना करती हूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का जब समय होता है तो मोर नाचता है ठीक है मोरनी नाचे 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 छम्मा छम्मा होए ठीक है गाना सब आजकल चलता रहता है इंस्टा उंस्टा में तो वही जो है मयूर जो है यानी कि मोर जो है कहता है कि मैं जो नृत्य करता हूँ यानी कि मैं जो डांस करता हूँ वो क्या है तो प्रकृति की आराध्य आराधना है पस्ते पस्त्य पस्ते पस्त्य का मतलब हुआ देखो देखो मम पिक्चान पिक्छानम पूर्वम सौंदर्यम यानी कि मेरे जो पंखो है इसकी सौंदर्यता को तो देखो आपको पता है कि मोर का क्या रहता है पंख भी रहता है जब डांस होता है तो पंख ऐसे ऐसे एकदम खुल जाता है तो कितना अच्छा लगता है तो उसी के सौंदर्य यानी कि दृश्य की मोर जो है तारीफ कर रहा है इच्छानूद घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थित सना और उसी वक्त क्या होता है मोर जो है पंख को खोलकर नाचने की मुद्रा में क्या हो जाता है स्थित हो जाता है मतलब कि मोर जो है नाचने से पहले कैसे पंख खुल लेता है ठीक उसी तरह यहाँ अभी हो चुका है उसके बाद मोर कहता है कि न कोपी त्रैलोक्य मत दृश्य सुंदर मेरे जैसा तीनों लोक में त्रैलोक्य का मतलब त्रिवाद में पड़े ना तीन लोक में मेरे जैसा सुंदर कोई भी नहीं है वन जंतु न मुंह परि आक्रमणम करता नित्यं च आकर्षित करना वही करिए श्यामी और आपको पता है वन वन जब भी वन के जीव पे क्या होगा आक्रमण होगा तो मैं क्या करूंगी अपनी सुंदरता से अपने नृत्य से उसको आकर्षित करके जंगल के बाहर भगा दूंगी मतलब यहाँ पे अगर कोई गुंडा हमला करे तो कोई एक सुंदर हीरोइन को नचा देना है और गुंडा से भाग जाए वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एकदम क्या करूंगी नाच दिखा दूंगी सुंदरता दिखा दूंगी और वो जो है क्या कर जाएगा यहाँ से फरार हो जाएगा अतः अहमेव योग्य वन राजपाए यानी कि वन के राजा बनने योग्य कौन हूँ तो मैं ही हूँ स्टूडेंट कहानी आगे बढ़ती है अब कहानी में फिर से नए लोग आते हैं तो एतस्मिने नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातु मागतौ एतम विवादम श्रुनुतु वदत च तो एतस्मिने नेव काले इसका मतलब हुआ इसी समय व्याघ्र चित्रकौ व्याघ्र मतलब क्या हुआ बाघ और चित्र मतलब चित्र का मतलब चीता बाघ और चीता भी वहां पे नदी में क्या करने आते हैं तो पातुम आगतव यानी कि पातुम का मतलब हुआ पीने के लिए और आगतव का मतलब हुआ ये टूटेगा संधि में आगतव का मतलब आना यानी कि नदी जलम क्या पीने आते हैं तो नदी का पानी पीने वहाँ पर आते हैं और आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि यहाँ पर क्या है तो जंगल का ढोलक पूर्व सीन है और नदियाँ बह रही हैं विवादम सुनूँ तू बदता छ और जैसे ही इन दोनों ने इस विवाद को सुना और तब उन्होंने कुछ बोला क्या बोला सुनी व्याघ्र चित्र कौ बोलते हैं कि अरे किंग वन राजय सुपात्रम चीते अरे क्या तुम लोग वन के राजा पद का चयन कर रहे हो क्या राजा का चुनाव हो रहा है एत तु आमे भी और आवा में योग्य योग्य इसके लिए तो, तो हम ही लोग क्या है योग्य हैं तो बाघ और चीता अपने बारे में कहते हैं यश कश्यापी चयन कर सर्वसमत्या और तुम लोग क्या करो हम ही दोनों में से किसी को क्या कर लो भाई चुनाव कर लो सभी सहमति से मतलब बाघ और चीता जो है आके कह रहा है कि हम ही दोनों में से किसी को चुन लो जिसको मन फिर शेर बोलता है कि तुर्म बाबा भो अरे चुप हो जाओ तुर्नीम का मतलब होता है चुप हो जाओ यू मापी मत दृश्यो भक्षको न तू रक्षको तुम भी तुम दोनों भी क्या हो तुम तो मेरी तरह क्या हो तो भक्षक हो मतलब कि अब बाघ चीता भी तो जंगले के प्राणी को ना मार के खाता है मंसारी होता है यह सर और तुम रक्षक नहीं हो एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्य न मन्यते थे और एते मतलब यहाँ पर वन्य जीव यानी कि जो जंगल के जानवर है वो भक्षक को अपना रक्षक पद के रक्षक पद का मतलब हुआ रक्षक रक्षक पद योग्यम यानी रक्षा करे यानी राजा तो भक्षक को वो लोग राजा के रूप में नहीं मानते हैं अतएव यानी इसीलिए विचार विमर्श प्रचलिती इसीलिए यहाँ पर क्या चल रहा है तो विचार विमर्श भी चल रहा है उसके बाद आगे कहानी में और ट्यूस्ट आता है बगुला बोलता है कि सी देन, सर्व, सर्वथा सम योगतम सिंह महोदय सब सर्वथा सम योग्यतम यानी कि शेर महोदय आपने एकदम ठीक कहा वस्तुतः एव सिंहन बहु काल प्रयत्न कृतम परम परमधुना तो कोपी पक्षी एवं राज्यम अत तो स सन सीले, सी तीलेश या अस्यापी अब काश एव नास्ती यानी कि जो बक्वाह यानी कि बगुला है वो कहता है कि वस्तुतः एव सिंहन वहू काल प्रयत्नम शासनम यानी कि हाँ निश्चित तौर पे वास्तव में शेर जो है उसने बहुत समय तक शासन किया है लेकिन अब क्या होगा तो अब कोई पक्षी ही शासन करेगा और जो नेक्स्ट राजा रहेगा वह कोई पक्षी ही रहेगा और यहाँ पे इसका मतलब हुआ है स्टूडेंट थोड़े से भी संदेह का मतलब कि बगुला जो है अब कहता है कि शेर ने बहुत समय तक राज कर लिया लेकिन अब कोई पक्षी ही राजा रहेगा ठीक है और इसमें कोई भी क्या है तो संदेह नहीं है सन यापी या यानी कि इसमें कोई भी अब संदेह तनिक सा भी नहीं उसके बाद सर्वे पक्षी यानी कि जितने भी वहाँ पे पक्षी रहते हैं जैसे मोर हो गया बकुला हो गया कौआ हो गया सभी पक्षी क्या करते हैं सभी पक्षी जो है उच्च मतलब कि जोर जोर से अबे में अभी पढ़ाए आम आम कश्चित खग एव वन राजा भविष्यती इति और सभी पक्षी क्या करते हैं एकदम जोर जोर से कहने लगते हैं कि हाँ 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 नहीं वो होता था ढोलकपुर में हाँ भाई हो क्यों भाई हो हाँ भाई हो हाँ, हाँ हाँ कोई पक्षी ही राजा रहेगा कोई पक्षी ही राजा रहेगा तो बकुला जो है दिमाग लगा देता है होता है कि वो मामला में सब कूद रहा है तो पहले काट छाट के लाते हैं पक्षी में कि हाँ, पक्षी राजा तो क्या हम लोग अपना लेंगे कि कौन? रहेगा। अब आगे कहानी बढ़ता है सुनिए उसके बाद है स्टूडेंट जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि सर्वे पक्षी यानी कि सभी पक्षी क्या कहते हैं कि हाँ भाईयो हाँ भाईयो जो राजा बनेगा वो कौन होगा तो पक्षी ही कोई होगा परम कश्चिदी खग आत्मन बिना नायम कमपि अश्मय पदा योग्यम चिंतित तहरी कथम लेकिन सभी पक्षी में भी अब लड़ाई होता है क्योंकि आपको पता है कि परम कश्चिद अपि खग आत्मन यानी कि सभी पक्षी क्या करते हैं तो अपने ही तारीफ में लगे रहते हैं कोई भी इस पद के लिए किसी दूसरे को योग्य नहीं मानता है सभी पक्षियों को कौआ को लगता है हम योग्य हैं बकुला को लगता है हम योग्य हैं मोर को हम हैं कौआ कोयल सब हम हैं हम हैं ठीक है, है? आई असली बात है कि चाय में चीनी कम है ठीक तहरी कथम निर्णय भवे तदा तदात सर्वे गहन याम निश्चितम स्वपंतम उल्लुकम कम विक्ष विचारितम यद, यदेश यानी कि उसके बाद क्या होता है कि सभी पक्षी का नजर किसके तरफ जाता है तो गहन निंद्रायाम यानी कि गहरे नींद्र में सोए हुए किस पे तो उल्लू कम यानि उल्लू पे जाता है और सभी लोग विचार करते हैं क्या विचार करते हैं कि भाई उल्लू को ही राजा बनाएंगे क्यों क्योंकि यह आत्मसलाघहीन मतलब कि अपनी आत्म प्रशंसा से रहित है इसने अभी तक कुछ भी अपनी तारीफ नहीं की है उसके बाद है पद निर्लिप्त यानी कि इसको पद का भी लालच नहीं है उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति इसीलिए उल्लू ही क्या होगा तो हमारा राजा होगा परस्परमादिशत च तदा नियंताम निप अभिषेक संबधीन इति और सभी लोग परस्पर क्या इसको तोड़ के पढ़िए परस्परमाधिशंति यानी आदिशंति ठीक है सभी लोग परस्पर यानी अपने आप में आदेश करते हैं कि जाओ भाई क्या लिया तो निपा का मतलब राजा निपा अभिषेक यह संधि हो गया टूटेगा निपा के अभिषेक के लिए यानी राजा के अभिषेक के लिए जितने भी चीज़ें हैं वो सब सामान क्या करो तो लेके आओ वो संभारा का मतलब होता है समान वस्तु क्या करो तो सामान लेकर आओ उल्लू को हम लोग राजा बनाते हैं उसके बाद सर्वे पक्षीना पक्षिना सजाए गंतु तहरी अन्य सेब और जैसे ही सभी पक्षी क्या करते हैं तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तहरी मतलब तभी अन्य सेब अचानक ही यहाँ पे एक और मामला होता है अब ये जो मामला है ये कौन करता है तो ये करता है कौआ कौआ करता है हासेन पूर्णेन स्वरेन मतलब कौआ जो है एकदम मजाक उड़ाते हुए मतलब पक्षी सबके बात पे हंसते हुए कहता है कि सर्वता युक्त में तथा यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाह सुक सारा सा पक्षी प्रधानेशु विद्यमेशु दिवान दास्य उल्लू सॉरी दिवान दास से करला वक्त अभिषेक सर्वे सज्जता यानि कि तोड़ तोड़ के समझा रहे टेंशन नहीं लीजिए कौआ कहता है यहाँ पर तो सभी लोग थे मतलब कौवा कहता है कि यह सर्वथा अनियुक्त मेत यन मयूर मतलब कि यहाँ पे जो जो तुम लोग निर्णय किए हो डिसीजन लिए हो कि उल्लू को राजा बनाए ये गलत है क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पर बहुत जनकार जनकार विद्वान लोग हैं जैसे हंस है कोयल है चकवा है तोता है सारस है ये सब पक्षी प्रधान ये सब प्रधान मेन पक्षी है फिर भी तुम लोगों ने क्या किया तो विद्यमान ऐसु दिवान दस क्या लिखा हुआ है दीवान दस्य यास्य मतलब कि तुमने क्या किया तो दीवान यानी कि दीवान मतलब कि दिन के अंधे में उल्लू को पत, आपको पता है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता है दिन के अंधे में मतलब कि अंधा व्यक्ति को तुमने क्या किया तो राजा बनाने का डिसीजन ले लिया ठीक है उसके बाद है पूर्णम दिनम यावत निंद्राय निंद्र निंद्राय मान ऐसा कथम समान रक्ष सती यानी कि कौआ कहता है कि पूर्ण दिनम यानी कि पूरे दिन ये क्या करता है तो निंद्राए माना मतलब सोते रहता है ऐसा कथम समान रक्ष्यती और ये हमारी रक्षा कैसे करेगा वस्तु वस्तु तस्तु वास्तव में ये क्या है तो वास्तव में ये है स्व स्वभाव रौद्रमय तुंग्रम यहाँ पे होता है कि भयंकर स्वभाव होता है उल्लू का आप देखिएगा कि उल्लू का जो चेहरा रहता है वो गजवे रहता है हम लोग का यहाँ पे एक पाइप है दूसरे के घर का उसमें पानी निकलता है तो उस, उस पर लगभग रात में आपको हमेशा आपको एक उल्लू आके बैठ जाता है ठीक वहाँ पे बहुत पेड़ पौधा है तो उल्लू का स्वभाव देखिएगा तो आपको बड़ा ड्राबना लगेगा तो वही बोला कि एकदम स्वभाव से क्या है तो ड्राबना है उसके बाद उसके बाद क्या है तो इसी में लिखा हुआ है देखिए इसी में लिखा हुआ है अति उग्रम ठीक अति उग्रम संधि हो चुका है इसीलिए आपको पहली संधि पढ़ा दिए यहाँ पे देखिएगा माँ में जो है अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे अति आएगा तो अति उग्रम का मतलब हो गया बहुत क्रोधी है ये वाला जो है समझना जरूरी है स्वभाव रौद्र मतलब कि अपने स्वभाव से क्या है तो रौद्र है बहुत मतलब कि भयंकर है और बहुत क्रोधी है कुरूर कुर, क्या लिखा हुआ है क्रूम प्रिय वादिनम यानी कि एकदम क्या करता है तो मतलब कि क्रूम मतलब निर्दयी है उसके बाद यहाँ पे देखिए संधि है अप्रिय वादिनम अप्रिय वादिनम का मतलब होता है अप्रिय बोलता है मतलब उल्लू का बोली भी ठीक होता है नहीं डरावना लगता है उल्लू कम कृतवा का सिद्धि भर भीष्यति और उल्लू को अगर तुम राजा बनाते हो इससे क्या होगा भविष्य में सिद्धि मिलेगा यानी कि सफलता तुम्हें मिलेगा यह बात कौआ कहता है और उल्लू का भी पत्ता ये काट देता है तथा प्रविशति प्रकृति माता और तभी जो है प्रकृति माता का क्या होता है प्रवेश होता है प्रकृति माता क्या कहती है सुनिए प्रकृति माता कहती है कि स्नेह मतलब कि सबको प्रेम के साथ प्यार मोहब्बत के साथ माँ है तो प्यार दिखाएगी भो वो प्राणी ना मतलब अरे अरे जीवो मतलब कि जितने भी लोग थे लोग क्या थे जानवर थे युव सर्वे एव में संतति युवा मतलब तुम सर्वे मतलब सभी एम मतम मतलब यानी तुम सभी मेरे क्या हो तो संतति मतलब संतान हो पुत्र हो कथम मिथ कलहम कुरवंती और आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो वस्तुतः सर्वे वन्य जीवेन अन्यों अन्यो आश्रित और वास्तव में सभी जीव क्या है एक दूसरे पर आश्रित है सदैव समर्थ हमेशा याद रखो क्या याद रखो तो ददाती प्रति गृहणाति गृहमा मख्य यति पिक्चामी भोज भोज यत वे चैब विधम प्रति लक्षणम ये पूछता है प्रेम के छः लक्षण माता यहाँ पे बताती है षड मतलब छह लक्षण बताती है यह क्वेश्चन आंसर में पूछता है कि प्रेम का छह लक्षण क्या है प्रेम का छह लक्षण क्या है तो माता कहती है माता क्या कहती है सुनिए ददाती यानी कि जो देता है ठीक है कोई भी व्यक्ति कुछ दे रहा है आपको प्रतिगृनाती आपसे लेता है गुहमाख्याती इसका मतलब हो गया कि गुप्त बातें को बताता है यानी कि आपको सावधान करता है ठीक है उसके बाद है उसके बाद है पिक्षाती यानी कि पूछता है भोंगकते भोज्यते यानी कि खाता है और खाने के लिए जोड़ता है यही प्रेम के क्या है छह लक्षणम हैं मान लीजिए कि आपका एक दोस्त हो वो आपसे आपको कुछ देता भी हो लंच में आपका भी लंच खाता हो यस सर उसके बाद अगर कोई आप खतरे में हो तो सावधान भी करता हो जी सर उसके बाद खाता हो और खाने के लिए चीज़ों को जोड़ता हो पक्षी सबको अपना खाना खुद बनाना पड़ता है सब तो अपना बनाते हैं नहीं मतलब कि प्रेम से तोड़ के खाएँ दूसरे के लिए भी ले जाए अगर जिस भी व्यक्ति में यह है तो वो प्रेम के छह लक्षण होते हैं और वह व्यक्ति क्या है प्रेमी व्यक्ति है वही प्रकृति के लिए सही है इस प्रकार से माता कहती है ये प्रेम के छह लक्षण है ये याद रख लीजिए वह ठीक है ऐसे तो क्वेश्चन आंसर श्लोक दे के पूछेगा तो बस प्रेम के छह लक्षण पूछेगा यही आपको उतार देना है और आगे पीछे जो हो वो लगा देना है बाकी बात खत्म सर्वे प्राणी न समवेद स्वरेन यानी कि सभी प्राणी क्या करते हैं एक स्वर में बोलते हैं कि माता कथ्यती तू भवती सर्वथा सम्यक सम्यक का मतलब होता है अच्छा भी बताए माता आप जो कह रही हैं ये क्या है एकदम सही है माता आप जो कह रही हैं ये एकदम क्या है सही है आप सही बोल रही हैं परम वयम भवतीम न जानीम लेकिन परम परम मतलब परंतु वयम मतलब हम लोग भवतीम न जानती जानी मतलब हम लोग आपको नहीं जानते हैं भवताया परिचय का परिचय का आपका परिचय क्या है देखिए भवताया भवान नहीं यूज किया गया है भवान और भवताया दोनों का मतलब होता है आप भवताया स्त्रीलिंग में है प्रकृति माता स्त्रीलिंग होगी ना इसलिए भवताया भवताया परिचय का आपका परिचय क्या है प्रकृति माता बोलती है कि अहम प्रकृति युष्माक सर्वेशा जननी मैं कौन हूँ तो प्रकृति हूँ नेचर हूँ और मैं तुम सभी की जननी हूँ तुम सभी की माता हूँ युव सर्वे एव में प्रिया युव मतलब क्या तुम सभी मेरे लिए क्या हो तो प्रिया हो यानी कि तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो सर्वे एव मत कृत्य महत्व विद्यते यथा समयम न तावतः कलहेन समयम वृथा और सर्वे सर शर, सर्वे सर्वेशा में यानी कि सभी का मत कृत्य महत्व सभी का महत्व है कब हर एक समय पर हमारे लिए सबका महत्व है यानी कि प्रकृति माता बताती है कि मेरे लिए उल्लू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शेर है जितना जिराफ है जितना घोड़ा है जितना गधा है सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और सभी का जो है समय समय पर मोल है तो आपको ये बताना चाह रहा है कि देश में ही कोई भी जाति हो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो सबका अपना अपना महत्व है सबका अपना अपना महत्व है नेचर के सामने कलहन समय वृथा और तुम सभी लड़ाई में समय मत बर्बाद करो या पंतु अपुतु मिलितवा एव एवं मोद्य भेयम जीवनम च रस्यम कुरुधम और बल्कि मिलकर प्रसन्न होकर जीवनम च रस्म जीवन का रस यानी खुशी लो तथा तदथा कथितम और कहा भी गया है मतलब ये प्रकृति माता की कहना है तदथा कथितम यानी कहाँ भी गया है कि प्रजा सुखे सुख राजा राज्य यानी कि प्रजा सुख सु, सुखे सुखम राज यानी कि प्रजा के ही सुख में किसका सुख है तो राज्य यानी कि राजा का सुख है प्रजा नाम च हित हितम और प्रजा के ही हित में राजा के हित होता है और यहाँ पे नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजा नाम तू प्रिय हितम और राजा का अपना कोई भी हित प्रिय नहीं होता प्रजा का हित ही उसका प्रिय होता है यानी प्रकृति माता समझिए कहती है मतलब ये यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि प्रकृति माता कहती है मतलब उसी में रेफरेंस दे के लिखा हुआ तो इसका मतलब ये कि माता एक, एक एग्जाम्पल देती है कहती है कि असली राजा वही है जो अपना सुख न देखे प्रजा खुश है तो खुश है अगर मान लीजिए आप मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री है प्रजा कह रही है कि भैया आप यहाँ पे एक एक रोड बनवाओ और आपका मन नहीं है लेकिन प्रजा का मन है तो आप बना देते तो आप सही राजा है इसीलिए कहा गया कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा के हित है रा, राजा का कुछ भी प्रिय नहीं होता प्रजा का प्रिय ही राजा का प्रिय होता है उसके बाद अपिचम अपिचम एक और कहावत है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक और कहावत है क्या कहावत है सुनिए अगा, अगाध अगाध जल संचारी न यति रोहिती आप देखते हैं कि अगाध मतलब हुआ अनंत इनफाइनाइट ठीक है जल संचारी का मतलब हुआ जल में घूमने वाली गर्भम का मतलब हुआ गर्भ न करना कौन तो रोहित रोहित नाम का मछली होता है रोहू मछली खाए हुए हम तो मंसाह ने शाकाहारी है और रोहित रोहू नाम का मछली होता है तो यही माता कहती है कि रोहू नाम का जो मछली होता है वह कभी भी घमन नहीं करता है अगाध पानी मतलब कि एकदम अनंत पानी है गंगा में आप देखिएगा कितना गंगा जी में पानी रहता है उसमें रोहू कभी भी मतलब कि डूबता नहीं एकदम तैरता रहता है वही माँ कहती है कि जिसके अंदर नॉलेज रहता है वो कभी भी घमंड नहीं करता लेकिन तुम देखते हो कि अंग दक मात्रेन सफरी फुरफुराते और जो अंगूठे यानी कि अंगूठी में समा जाएगी वह जो छोटी मछली होती है सफरी मछली वह हमेशा फुरफुराती रहती है सफरी मछली सर क्या यूपी बिहार में को पोठिया मछली के नाम से जाना जाता है तो यही माता कहती है कि जो रोहू बड़ी मछली होती है इतने बड़े बड़े समुन्द्र में चलती है लेकिन वो आप कमी भी अपने घमंड अपने पे नहीं करती है अच्छा आपको समुंदर में तैरने के लिए छोड़ दे आप तैरिएगा नहीं रोहू मछली तैर रही है तो सर वो मछली है तो तैर रही है नहीं उसके अंदर कुशलता है उसके अंदर गुण है तैरने तैरने का भी एक गुण ही ना होता है जी सर तो रोहू का भी घमन नहीं करती कि हमारे अंदर इतना गुण है लेकिन आप देखेंगे पोठिया मछली जो एक बाल्टीन पानी में खूब फर फर फरफर करती रहती है वही है एग्जाम्पल कि अपना पे कभी भी घमन नहीं करना चाहिए सबको उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आगे चलते अब लास्ट में आपको ले चल रहे हम लोग ठीक है उसके बाद है, उसके बाद माता कहती है कि अत भवंत सर्वे पी सफरी वत एक एक गुण से चर्चा भी है। और तुम लोग क्या करो सभी जो आदमी है मतलब सॉरी सभी मतलब यहाँ पे सर्वे जानवर जो है तुम लोग क्या करो छोटी मछली की तरह एक एक करके गुण का चर्चा मत करो कि हम इसमें बेस्ट है हम उसमें बेस्ट है मिलितवा प्रकृति सौंदर्य है वन रक्षा है चौप्रय अप्रयतनाम तुम लोग मिलकर किसकी सौंदर्यता को बढ़ाओ प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाओ और वन की रक्षा करो वन की रक्षा करो सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती और सभी लोग मिलकर प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और दृढ़ संकल्प पूर्वक चौगाती और सभी लोग संकल्प लेते हैं और गाना गाते हैं गाना होता है गाना क्या होता है नीचे है कि प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवाद विवादतः अन्योन सहसहयोग लाभ से ताम प्रयाजते और गाना यहाँ पर होता है कि प्राणी नाम प्राणी नाम का मतलब हुआ प्राणी जायते का मतलब होती है परस्पर विवाद का मतलब आपसी झगड़ा यानी कि उसके बाद अन्यो अन्योन सहयोगीन का मतलब होता है एक दूसरे के हेल्प से लाभ स्थान का मतलब होता है लाभ होना और प्रजयतय का मतलब होता है होता है यानी सभी लोग गाते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने से हमारा ही नुकसान होता है इससे कोई भी लाभ नहीं होता अगर हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो उसका ही लाभ होगा और ये बात बताया जाता है अगर मान लीजिए कि आ, दस वो इंसान आ जाए कोई दो जात मिल के लड़ने लगे धर्म मिल के लड़ने लगे उसे किसका नुकसान होगा दूगो उसका मरेगा दूगो इधर मरेगा दूगो उधर मरेगा ठीक तो मिलजुल कर रहने से क्या होगा लाभ स्थान पर जाते मिलजुल कर रहिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे हो गया चैप्टर माँ सभी प्रकृति माता से वादा करते हैं कि माँ अब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाएंगे और बन की रक्षा अच्छा करेंगे ठीक है वेल मम्मी जी हम लोग नहीं करेंगे अब झगड़ा इज द सामने है कोई लफड़ा इज द थैंक यू अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर पे तो स्टूडेंट अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन का जब बनाइएगा बोर्ड के एग्जाम में तो अचानक आप क्वेश्चन देखिएगा तो घबरा जाइएगा क्योंकि देखने में बड़ा अजीब लगता है लगता है कि नहीं यस सर आ यहीं पे इसको छोड़ के भाग जाइएगा तो हो गया आपका नंबर ऐसे ही कट गया क्वेश्चन से लड़िए भिड़िए अपने आप आप जीत जाइएगा आराम से देखिए आप लोगों का क्या है कि जैसे एक पदेन बना रहे हैं अब पूर्णवाकिनका टेंशन नहीं एक पदेन से भेंट कर रहे हैं तो उसी को हराएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप देखिए कि जो पैसेज दिया हुआ है ये आपके मदद के लिए दिया हुआ है कितना बड़ा बात है सीबीएसई में ही ऐसा होता है स्टेट बोर्ड में सारा क्वेश्चन आंसर खुद से याद करके जाना पड़ता है स्टेट बोर्ड बोल रहे हैं मतलब सरकारी बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड ठीक है इसमें कोई आपका सिलेबस उलेबस नहीं होता है पूरा पढ़िए आराम से ठीक कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को तो इतना ज़्यादा सुविधा मिलता है तो पैसेज को पूरा आराम से आप लोग क्या कीजिए आराम से पढ़िए ठीक है हो सकता है कि आपको मीनिंग ना पता हो लेकिन कहानी का सेंटर क्या है मेन क्या है वो पता होना चाहिए जैसे देखिए यहां स्वसुडेन स्वसुडेन सर स्वसुडेन मतलब अपने सुड़ से यस सर याद आ रहा है कि बंदर जब गज़ा मतलब हाथी को तंग किया तो हाथी क्या कर रहा था तो आलोडी यानी कि पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बंदर एक पेड़ से दूसरा पेड़ पर चला जा रहा था यस सर एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रतिधावंतम और जैसे ही हाथी एक पेड़ से सॉरी ये बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ जा रहा था हाथी दौड़ रहा था इसको देख कर कौन हँसता है तो शेर हँसता है याद आया ये सर वही शेर और बंदर की कहानी है और इसमें एक बकुला वाला नया ऐड कर दिया है ठीक तो ये क्या करता है कभी कभी आगे पीछे भी ऐड कर देता है लेकिन ऐसा बहुत कम ही चांस है यहाँ पे एकदम सीरियल से ऐड किया है शेर कहा हा, हाथी को रे ऐसे हमको भी तंग किया फिर बंदर अपना अपना बड़ाई जराई सिराई किया फिर बकुला आ जाता है और अपना गुणगान गाता है यही वाला कहानी है अब एक पदेन पढ़िए एक पदेन है कि स्थित प्रज्ञ व क स्थिति भक्ति यानी कि स्थित प्रज्ञ मतलब कि शांत से फोकस करके कौन रह सकता है तो आपको कहानी में यही याद है कि बकुला बोला हुआ है कि मैं क्या रह सकता हूँ तो स्थित प्रज्ञ स्थित तो जिसको अगर नहीं भी पता भी देखिए स्थित प्रज्ञा जहाँ होगा आंसर उसी के इर्द गिर्द होगा तो स्थित प्रज्ञ यहाँ पे है ना यस सर तो क भक्ति तो क का मतलब होता है कौन तो ज़रूर कोई ना कोई आदमी रहा होगा मतलब कि कोई ना कोई चीज़ ही रहा होगा तो ये तो नाटक वाला चैप्टर है तो बीच में तो नाम पता है नहीं जो चीज़ है जोन बोला यानी बगुला बोला स्थित प्रज्ञ तो बगुला ही स्थित प्रज्ञ है तो क्या हो जाएगा पहला कैंसर कह से है तो क्या हो जाएगा बका हो जाएगा कोई दिक्कत यहाँ पे नो सर सर एक बार और एक आराम से बता देंगे स्थित प्रज्ञा युवक क स्थिति भक्ति यानी स्थित प्रज्ञा स्थिति किसका है कौन फोकस करके रह सकता है तो बकुला बोला हुआ है कि हम रह सकते स्थित प्रज्ञा तो बका हो गया उसके बाद है कि वानरा मतलब कि बंदर बका मतलब बकुला चौकस में आत्मने योग्य मन्यते मतलब दोनों किसके लिए अपने आप को योग्य मानते हैं सर कैसे पता चला पता चल गया प्रैक्टिस करिएगा ना यही सब जितना प्रैक्टिस करा देंगे ना क्वेश्चन आंसर बोले ना आप पूछ लीजिएगा अपने सीनियर या भाई बहन से जो भी टेंट दिए होंगे कि बोर्ड में बैठिएगा तो आपको लगा कि क्वेश्चन हम ही टेट किए हैं ठीक है टेंशन नहीं लीजिए वानर बक च कस्मे आत्मनम योग्य मन्यते अब बताइए वानर और बक च मतलब और तो आपको पता है कि संस्कृत में च मतलब और बाहर लगता है बीच में नहीं लगता यानी इसका मतलब वानर और बगुला कसम है मतलब अपने आप को किसके योग्य मानते हैं आत्मनम यानी कि अपने आप को किसके योग्य मानते हैं तो यहाँ पर सारा लड़ाई किसके लिए है राजा के लिए तो किसके लिए योग्य मानते हैं तो वन के राजा बनने के लिए तो वन राज पदाए कोई दिक्कत है हम नो उसके बाद है सिंह गजम वापराजुम सिंह गजम यानी शेर को और गजम यानी हाथी को प्राजे तुम यानी पराजित करके केसाम जाति कौन सा जाति आत्मनम समर्था मान्य अपने आप को समर्थ मानता है तो आपको पता है कि कहानी में कौन सा जाति हराया था शेर और ये आपको हाथी हा, को तो आपको पता है कि कौन सा जाति हराया था तो वानर हराया था तो वानर लिखेंगे लेकिन केसाम से है तो हम लोग यहाँ पे वानरा नाम करेंगे हो गया बन गया कोई दिक्कत है यहाँ तक में नो सर अब चलिए पूर्ण वाक्य पे पूर्ण वाक्यन कहता है कि सिम किम सिम कह रहे हैं सिम तो मोबाइल होता है सिंह किम दृष्टा हस्ती किम दृष्टा हस्ती इसका मतलब हुआ कि शेरवा जो है क्या देख कर हंसा तो आपको पता है कि क्या देख कर हंसा तो देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृक्षात वृक्षम प्रतिधावंतम यानी कि पेरे पेरे दौड़ते हुए किसको हाथी को देखकर सिंह जो है हंसता है तो यही आप लिख दीजिएगा हाँ यहाँ पर वदती चा नहीं लिखिएगा अब आप, आप कहेंगे सर क्यों तो यहाँ पे है कि सिंह जो है यानी शेर जो है हाथी को पेड़ अरे बंदर पेड़ से एक पेड़ से दूसरा पेड़ तो हाथी भी नीचे दौड़ रहा था तो हाथी को देखते हुए दौड़ते हुए देखकर हंसता है और फिर बोलता है तो क्या बोलता सोलता है यहाँ पर नहीं पूछा हो सिर्फ हंसता तो हंसते तक देंगे तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा इसको अच्छे फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं कॉको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सिंह यानी कि शेर आगे पीछे तो जोड़ना ही है जी सर किम से क्वेश्चन है तो बस किम से आंसर देंगे तो सिंह सिंह जो है क्या किम सिंह जो है किम दृष्टवा हंसती सिंह किम दृष्टवा हंसती मतलब सिंह जो है क्या देखकर हंसता है तो बस किमे का आंसर देना आगे पीछे तो वही लगाना है तो आगे लगा दिए सी क्या देखता है तो गजम वृक्षात वृक्षम प्रतिधावतम यानी कि गज हाथी को इधर उधर दौड़ता देखकर हंसता है तो वही लिख देंगे गजम वृक्षात आराम से बनाएगा तब होगा वृक्षम वृक्षम प्रति 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 प्रतिधावंतम दृष्टवा दृष्टवा हस्ती यहाँ पे ये हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं उसके बाद एक ख है अगला है कि वही तो लिख दिया ना गजम वृक्षात वृक्षम प्रतिधावंतम दृष्टवा सिंह हंसती अपी हटा दिए अपी वो पिछले सेंटेंस का कि शेर भी हंसता है यहाँ पर सिंपल पूछा लिख भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है लेकिन नहीं लिखिए वन्य जंतु नाम रक्षाएँ के आत्मनम क्षमा मन्यते तो क्षमा का मतलब पहली बताएं कि कन्फ्यूज करने के लिए देगा आपको लगेगा क्षमा मांग रहा है नहीं नहीं क्षमा का मतलब वो कैपेबल तो वन्य जंतु की रक्षा के लिए अपने आप को कैपेबल कौन मानता है तो आप कहेंगे कि सर बहुत सारा लोग मानता है ठीक है लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा यही गड़बड़ कर दीजिएगा इसमें मोर भी मानता है तो मोर लिख दीजिए गड़बड़ हो जाएगा ये पैसेज से आपको लिखना है इस पैसेज में कौन अपने आप को मान रहा है तो देखिए बंदर मान रहा है जैसी हाथी को पराजित करता है बोलता है कि मैं ही क्या हूँ समर्थ रखता हूँ कि मैं क्या करूँगा सबकी रक्षा करूँगा बंदर या मानता है कि मैं सभी वन्य जंतु नाम का क्या करूँगा तो क्षमा मतलब रक्षाए क्षम रक्षाए व में क्षमा यानी कि मैं ही कैपेबल हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा वानर तो यहाँ पे रक्षाए के है जी सर के है कौन मानता है तो बस के पे आंसर देना बाकी बात सेम वही चीज लिख देना है पूर्ण वाक्य ने तो पूरे वाक्य में देना है पूरे वाक्य में आंसर देना है, रुकिए वन्य जंतु नाम वन्य जंतु नाम रक्षाए ठीक है के यानी कि वानरा ठीक बंदर बन, जाती है तो बनरा आत्मानम आत्मानम छ मनयंते यही वाला जो है आप यहाँ पर आराम से लिख दीजिए कोई दिक्कत नो सर ठीक है एक काम करते हैं ऊपर वाला को मिटा के इसको ऊपर कर देते हैं तो कैसे क्वेश्चन है कौन मानता है तब बंदर मानता है आगे पीछे वही लगाएंगे आपका क्या नाम है तो मेरा नाम आयुष कुमार है आप कहाँ रहते हैं हम सीतामढ़ी में रहते हैं तो आपने क्या देखा कि वही चीज को हमने दोबारा लिख दिया समझे तो वही बस के के जगह वानर लगाइए हो गया इंड हो गया कहानी उसके बाद है ऑप कि वक कथम रक्षोपयान क्रियान्वितान कार्यति वक कथम मतलब कि वकह जो है बकुला कैसे रक्षा करेगा तो देखिए ये यही तो स्मार्टनेस है स्मार्टनेस मामी गौतम के फेर लवली लगाने से नहीं आता दिमाग लगाने से होता है पूछ रहा है कि वकह कैसे रक्षा करेगा अब बताइए आंसर इसमें कहाँ मिलेगा तो बका कैसे रक्षा करेगा तो बक ही ने अपना प्रस्ताव में बताया होगा बंदर थोड़ी बताया होगा सब तो एक दूसरे का बुराई कर रहा था तो ये कैसे रक्षा करेगा ये बड़ाई है तो बड़ाई वही किया होगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है बका के बारे में तो बका यहाँ पे बोलता है देखिए क्या करूंगा वका बोलता है कि मैं जो हूँ कहाँ गया भाई देखिए हाँ यहाँ हूँ ये बोलता है यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा वक वक बस आगे ऐड कर दीजिएगा देखिए बका यहाँ पे ऐड करके स्वस्भायाम पूरा लिख दीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर तक चलेगा ठीक है यहाँ पे क्या है यहाँ तक आंसर आपका हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखिएगा कैसे तो बका आगे ऐड कर दीजिएगा क्योंकि पूछ रहा है कि वक़ कैसे रक्षा करेगा तो आगे में बक रहना चाहिए जैसे आयुष कैसे कैसा पढ़ाता है तो आयुष अच्छा पढ़ाता है तो आगे में आयुष रहना चाहिए उसी तरह वक़ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर कर दीजिएगा उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा क्योंकि यही मैं बका बताया था कि अपने सभा में मैं सबको कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा कैबिनेट मंत्री नहीं बोला था मतलब वही कि सभा में सबको बैठ के उपाय सोचूंगा सबके साथ मिलकर उसके बाद यहाँ पे कार्यश्यती से आया क्वेश्चन है तो यहाँ पे एंडिंग भी कारिस्यामी पे हो गया जो गलत है कार्यश्यती इसमें बस आप चेंज कर दीजिएगा क्रिया में चेंजिंग ठीक है ये कारिस्यामी है आमिया व आमा जी सारा वो कारिस्यती है तो उसमें बदल बदल दीजिएगा अगर इसमें अस्थिर रहता तो यहाँ भी लास्ट में अस्थिर रहता बाकी बात वही आंसर हो जाएगा उसके बाद है त्यकतवा का पर्याय पदम यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ है पर्याय मतलब पर्याय ठीक है तो तयकतवा का मतलब होता है त्याग ठीक और त्याग का मतलब होता है बिहार तो यहाँ पर क्या यूज हुआ होगा बिहार यूज हुआ होगा देखिए बिहाय कहाँ पे लिखा हुआ है <carbohyd> हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए माम बिहाय कथमन्य कोपी राजा भव ये ये बकुला जो बोलता है याद है यस सर अरे अरे माम बिहाय बिहाय का मतलब छोड़ कर बताए थे ना यस सर यानी मुझे छोड़ कर ठीक तो मुझे छोड़ कर कतवा का भी मतलब होता है छोड़ कर तो ये हो गया बिहाय ये थोड़ा सावधानी से ढूंढिएगा उसके बाद है माम पे मे वातु दून एते वानरा अस्मिन क्रियापद किम तो क्रिया का मतलब क्या हो गया बताइए क्लास क्रिया नहीं क्रिया का मतलब हो गया जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो तो बन, वानरा इसका आंसर लिख दे सर गड़बड़ कर दीजिएगा कैसे वानरा सर कर दीजिएगा आप वानरा का मतलब होता है बंदर ये कोई काम है सर नहीं है एते कोई काम है नहीं तो आपको शब्दार्थ में लिखे हैं जब पढ़ाए हैं तब तोड़ के बताए हैं कि यह में भी पूरा कोई काम नहीं है माम का मतलब होता है मुझको ये टूटेगा पूरा यस सर अतुदुन का इसमें लास्ट में जो अतुदुन है ये वाह में जुड़ के जो बना हुआ स्वर संधि से तो अतुदुन जो है इसका ये क्रिया हो गया इसका मतलब होता है तंग किया जाना या तंग किया था यहाँ पे लगेगा ठीक तो यह अतुदुन एक काम है क्या काम हो रहा है तो तंग करने का काम हो रहा है तो यह अतुदुन यहाँ पे क्रिया जैसे खेलना तो खेलना से पता चला है कि कोई काम हो रहा है इसी तरह अतुदुन से पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है इसीलिए इसलिए हाँ पे अतुदुन क्या है क्रिया है माम मतलब होता है मुझको इसलिए पूरा लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा तो सर ये कैसे पता चलेगा तोड़ना है संधि में सब करा दिए हैं आप नहीं पढ़े तो पढ़िए और फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो सब तोड़ तोड़ के बता देंगे शीतले इत से पदम चितवा लिखत ये आपको हम शुरू से ही बता रहे हैं स्टार्टिंग से ही विशेषण विशेष किसे कहते हैं फिर से बता देते हैं तो विशेषण का मतलब हो गया जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए और विशेष से हर लेक्चर कोई ऐसा लेक्चर नहीं जिसमें यह नहीं बताएंगे अब विशेष का मतलब हो गया जिसके बारे में बताया जाए जैसे हम आपके बारे में बोले अच्छा बच्चा क्या बोले अच्छा बच्चा तो यहाँ पे अच्छा क्या हो गया विशेषण हो गया ठीक है जो विशेषता रहे जो उसका गुण अवगुण जो भी कही रहे वो हो गया विशेषण और जिसके बारे में बताया जाए वो हो गया विशेष्य तो यहाँ पे शीतल शीतल का मतलब होता है ठंडा ठीक है तो ठंडा और ये पूछ रहा है कि तसे विशेष्य पदम चितवा लिखा पूछ रहा है विशेष मतलब विशेषण दिया हुआ है समझ बात को तो शीतल एक विशेषण है है शीतल मतलब हुआ ठंडा तो ये तारीफ हुआ तो यहाँ पर शीतल किसकी विशेषता है कौन ठंडा है बंदर ठंडा है शेर ठंडा नहीं शीतल शीतल कौन है तो सीतल है तो पर जल यानी जल शीतल कौन है भाई तो जल है जल की विशेषता क्या है शीतल है तो शीतल क्या हो गया विशेषण ठीक और जल क्या हो गया विशेष्य क्योंकि जल के बारे में ही बताया गया कि शीतल है तो जिसके बारे में बताया जाए वो क्या हो गया विशेष है और जो गुण और गुण जो भी कही क्वालिटी रहे वो हो गया विशेषण यहाँ पे शीतल ही क्या है विशेषण वो तो गोविंदा वाला फिल्म हो गया अक्षय कुमार का ये शीतल ही अदिति अदिति ही शीतल है ठीक तो यहाँ पे शीतले जले है तो जल की विशेषता क्या है शीतल है ठंडा है तो विशेषण क्या हो गया शीतल आ जल क्या हो गया विशेष से हो गया तो यहाँ पे विशेष ही पूछ रहा है अब विशेषण दिया हुआ है तो पहले बता दिया विशेषण है तो शीतल किसकी यहाँ पे तारीफ़ हो रही है तो जल की तारीफ हो रही है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जल लेकिन सर जल नहीं होगा जले होगा बिल्कुल सही शीतले है तो इसलिए जले शीतलश्य रहता है तो जलस से और नाइन्टी नाइन परसेंट केस में क्या होता है विशेषण आगे और ठीक उसके पीछे विशेष तो यहाँ आंसर विशेषण विशेष बीशेस वाला में एक्सर यहाँ पर मिलेगा तो हो गया स्टूडेंट आज के लिए इतना ही वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आपने बाबू सोना के साथ भी शेयर कीजिएगा मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कीजिएगा इसमें हिंदी पीडीएफ दे दिए हैं एक्सप्लान करके और इसको टेलीग्राम पर दे देंगे एक्सप्लानेशन ठीक है सही से सर इंग्लिश बोलिए हमको बहुत आता है समझ गए अब हिंदी में पढ़ाई हो रहा है मीडियम में यस सर सर ये तो सी बी एस ई मीडियम नहीं है सी बी एस ई मीडियम ही है बोलने का माध्यम हिंदी नहीं है हिंदी संस्कृत एक ही नहीं है तो क्या कर दिए व्याख्या कर दिए अच्छे ढंग से अब बताइए अब आप बताइए मतलब हुआ? हुआ? तो अपने प्यारे प्यारे छोटे, छोटे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए पो पार्टी क्लाउड तो चलिए स्टूडेंट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट स्टूडेंट विचित्र साक्षी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति पे एक गलत इंजाम लग जाता है और बाद में कोर्ट उससे उस उस व्यक्ति को बाइज्जत बड़ी कर देता है तो इस चैप्टर के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश की गई है कि अपने देश में जो न्याय व्यवस्था है ठीक है जो जुडिशरी है उस पर आपको भरोसा करना चाहिए हो सकता है कि थोड़ा देर लगे लेकिन आपको न्याय जरूर मिलेगा उसके बाद जज जो होते हैं हमारे यहाँ जज साहब वह बहुत ही बुद्धिमान होते हैं कैसे बुद्धिमान होते हैं उनकी भी एक कहानी इसमें बताई गई है तो आप देखेंगे कि जज साहब कितने बुद्धिमान होते हैं उसके बाद यहाँ पर यह भी आपको बताने की कोशिश की गई है कि आप भविष्य में कभी कोई ऐसे पद पर जाएँ चाहे जज हो कलेक्टर हो एस हो या ऑफिसर हो या बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने तो कैसे आप सही डिसीजन लेंगे भले थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन कैसे कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति को आप सजा नहीं देंगे ठीक है उसी के बारे में इसमें पढ़ना है तो स्टूडेंट आपको जैसा कि पता है कि अपने लोग का पुराना सिस्टम कि चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा शब्दार्थ जानना जरूरी है ताकि चैप्टर पढ़ने में आसानी हो तो भूरी का मतलब होता है अत्याधिक बहुत ज़्यादा और एन में तो सारा शब्दार्थ नहीं दिया हुआ है बाकी जो एक्स्ट्रा है जो छोटे छोटे वर्ड हैं वो आपको हम चैप्टर पढ़ाते रहेंगे समझाते रहेंगे इसीलिए हो सके तो बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए और जो भी वर्ड का मतलब बनाए बताएं उसको ऐसे नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा पेंसिल से लिख लीजिएगा ठीक है अच्छा रहेगा फिर दोबारा दो तीन बार रीडिंग दीजिएगा तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उपार्जित वान का मतलब होता है कमाना ठीक है कमाया निबसन का मतलब होता है रहते हुए प्रसिते का मतलब होता है फैले हुए बिजने परदेश का मतलब होता है एकांत प्रदेश में सुबह का मतलब होता है कल्याणकारी गृह का मतलब होता है गृहस्थ देव गति का मतलब होता है भाग्य की लीला प्लायता का मतलब होता है चला गया या भाग चला प्रबुद्धा का मतलब होता है जागा हुआ त्वरितम तो का मतलब होता है शीघ्रगामी प्रस्थिता का मतलब होता है चला गया और अर्थ काश का मतलब होता है धन धनाभाव धना के कारण मतलब कि पैसे नहीं होता अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जी क्या पूरा शब्दार्थ हमको रटना पड़ेगा तो जरूरी नहीं है एक दो बार आप पढ़िएगा ना अपने आपके ध्यान आप में रहेगा और जितना ध्यान में रहेगा उतना ही बोर्ड में जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन आंसर का हम बहुत प्रैक्टिस कराने वाले तो मेन तो क्वेश्चन आंसर ही ना बनाना है तो कोई दिक्कत तो है नहीं चलिए करते स्टार्ट तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर है कि क्वेश्चन निर्धनोजन भूरी परिश्रम्य किंचित वित्तम ऊ वान अब बार बार आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर में कि यहाँ पे ऊ है तो ये ऊ पढ़ाएगा ऐसे लगा हुआ है तो ऊ पढ़ाएगा तो ऊ पार्जित वान कश्चन निर्धनों कश्चन निर्धनों का मतलब होता है कोई निर्धन व्यक्ति या कोई गरीब व्यक्ति अब आप कहेंगे सर निर्धनों का मतलब तो गरीब होता है व्यक्ति क्यों बोल रहे तो देखिए जन लिखा हुआ है यानी कश्चन निर्धनों जन यानी कि कोई गरीब व्यक्ति भूरी का मतलब बहुत परिश्रम में का मतलब परिश्रम करके किंचित का मतलब कुछ वित्त का मतलब पैसा कौड़ी उपार्जित मान का मतलब अर्जन किया यानी कोई गरीब व्यक्ति था जो बहुत परिश्रम से क्या किया कुछ पैसा कौड़ी कमाया ठीक है और जो भी व्यक्ति कमा रहा है वो मेहनत ही कर रहा है आपके पापा कमा कमा के इतना मेहनत से आपका फी दे रहे हैं सी के स्कूल में चार हज़ार पाँच हज़ार का महीना लूटा जाता है ठीक है तो आपके पिताजी बहुत मेहनत से कमाते हैं तो आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करके उनको खुश कीजिए ठीक है लफुआबाजी में नहीं रहिए तो उसी तरह कोई व्यक्ति जो है बहुत परिश्रम करके क्या किया तो धन कमाया उसके बाद है तेन बीतेन स्वपुत्रम एकेस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दाप्यतुम सफलो हो तेन का बीतेन तेन बीतेन मतलब होगा कि उस धन से ठीक है तेन मतलब उस बीतेन मतलब धन यानी कि उस धन से उसने क्या किया तो स्वपुत्र यानी कि अपने पुत्र का एकेस्मिन मतलब एक महाविद्यालय मतलब कॉलेज प्रवेशम यानी प्रवेश मतलब एडमिशन दाप्यतुम सफल हो जाता यानी कि दिलवाने में दाप्युतुम का मतलब दिलवाने में वो क्या हो गया सफल हो गया ठीक है तो कहानी कहाँ तक पहुंची एक गरीब व्यक्ति था उसने क्या किया बड़े मेहनत से कुछ पैसा वगैरह कमाया उसके बाद उसी पैसा से अपने बेटे का एक स्कूल में क्या करा दिया एडमिशन करा दिया सॉरी एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया विद्यालय का मतलब होता है स्कूल और महाविद्यालय का मतलब होता है कॉलेज एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया ठीक उसी तरह जैसे आपके पापा जी कितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उसी पैसे से आपका क्या कराए हैं स्कूल में एडमिशन कराए हैं ठीक है आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आपके पिताजी आपका एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में कराए हैं नहीं तो सरकारी में पढ़ने वाले से पूछे कितना हालत ख़राब है हम लोग तो खुद सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में कितना मुश्किल का सामना करते हैं ठीक है तो आप लोगों को मौका मिला है तो उसका फ़ायदा उठाइए मन लगाकर ठीक है ताकि आपके पिताजी कि यार मेहनत से कमाए थे बेटा सफल हो गया या बेटी भी सफल हो गई आगे बढ़ते हैं उसके बाद है ततन्य तथा छात्रावासे निबसन अध्ययन संगलन संभूत ततन्य ततन्य का मतलब हो गया स्टूडेंट कि उसका जो पुत्र था तत्रैव से मतलब कि जहाँ पे एडमिशन हुआ वहाँ पे क्या करने लगा तो हॉस्टल में निबसन से निबसन का मतलब हॉस्टल में रहने लगा और अध्ययन ने मतलब कि पढ़ाई में पूरी जी जान लगा कर क्या कर गया जुट गया ठीक है संगलन संभुता का मतलब होता है जुट गया यानी पूरी जी जान लगा कर वो पढ़ाई में जुट गया एकदा सौ पिता तनुजस्य एकदा सौ पिता तनुजस्य इसका मतलब हुआ कि एक बार स का मतलब होता है वह पिता यानी कि एक बार उसके पिता को पता चला कि तनुजस्य रुग्णातामा करने व्याकुलो जाता पुत्रम द्रष्टुम च एकदा का मतलब हुआ एक बार वह का मतलब स का मतलब हुआ वह यानी कि एक बार उसके पिता को पता चला कि तनुजस्य मतलब होता है पुत्र यानी कि तनुज मतलब होता है पुत्र एक बार उसके पिता को पता चला कि उसका पुत्र क्या हो गया है तो रुग्ण हो गया है रुग्ण का मतलब होता है बीमारी ठीक है ये सॉरी बीमार हो गया है तो बीमार हो गया है तो वो क्या हो गया व्याकुल हो गया और अपने पुत्र को देखने के लिए क्या किया चल पड़ा ठीक है पुत्र को देखने के लिए वो व्यक्ति चल पड़ा कहाँ से अपने घर से कोई दिक्कत नो सर अब मान लीजिए कि आप ही कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं आपके पापा को पता चले कि आप बीमार हैं तो पापा तो आएंगे ही घर पे तो नहीं रहेंगे ठीक है कोई भी परिस्थिति में आएंगे ही परमार्थ काश काश्यर्ण पीड़ित स बस यानम विहाय पदाति रेप्राचलत और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है परम अलग कीजिए और अर्थ काश काश्यर्ण का मतलब होता है पैसे की कमी पीड़ित यानि कि उसका जो पिता था पैसे की कमी के कारण पीड़ित था कहने का मतलब है कि बेचारे के पास पैसा नहीं था स यानी कि वह बस यानम विहाय बस को छोड़कर पदाति रे चलत और अपने बेटे से मिलने पैदल ही चल पड़ा तो देखिए ये ये इसी को कहते हैं पिता ठीक है पिता आपके हो, हमारे हो सबके पिता महत्वपूर्ण है और आप और हम अगर सक्सेसफुल हैं या बनते हैं तो उसमें पिताजी का बहुत बड़ा रोल है तो इस बेचारे ने क्या किया इसके पास पैसा नहीं था फिर भी इसने क्या किया बस को छोड़कर पैसा नहीं तो बस से बेचारा कैसे जाएगा तो बस को छोड़कर क्या करने चला तो पदाती रेप पदाती रेप का मतलब होता है पैदल ही क्या कर चला प्राचलत यानी बेचारा चल पड़ा ठीक तो यहाँ तक पहुँची कहानी यहाँ तक में कोई दिक्कत तकलीफ कोई तकल्लुफ़ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कष्ट कोई समस्या प्रॉब्लम तो चैटबॉक्स में ऑन है कर दीजिए और सेमुसी एक्सप्रेस चल रहा है ना एकदम फॉलो कीजिएगा ठीक है और संस्कृत आप हमसे पढ़ रहे हैं तो टेंशन नहीं लीजिएगा जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठिएगा ना एग्ज़ाम देने तो आपको एक हंड्रेड एंड टेन परसेंट गारंटी दे रहे हैं हंड्रेड एंड टेन परसेंट कि जो जो पढ़ाए हैं ना लेक्चर में सारा क्वेश्चन उसमें से रहेगा और जिस दिन बैठिएगा ना मेरी ये बात याद रखिएगा आपको थोड़ा देर के लिए लगेगा कि कहीं क्वेश्चन फोफा जी तो न ही सेट किए हैं आयुषे सर तो क्वेश्चन सेट किए हैं ऐसा फील होगा आपको एक बार बैठ के देखिएगा और फील होगा ही होगा कमेंट बॉक्स ऑन ए कर दीजिएगा कि हाँ सर आज फील कर लिए सर ठीक है और हम तो खुशकिस्मत है कि देश के सभी बच्चे को संस्कृत पढ़ाएं इस बार और आप लोगों को भी इस बार पढ़ा रहे तो आप अपने भाई बहन से पूछ सकते जो इस बार एग्जाम दिए कि क्या ऐसा फील आया कि लग रहा था ना सारे क्वेश्चन बनाए हैं या आप अपने सीनियर से जरूर पूछिएगा ठीक चलिए अब आगे बढ़ते हैं मज़ा करके पढ़िए ठीक और संस्कृत को तो एकदम पढ़िए लास्ट टाइम टेंथ में पढ़ रहे हैं अब जिंदगी में कोई कहने जाएगा कि रे बुआ पढ़ लो ना थोड़ा सा संस्कृत कोई नहीं कहने जाएगा ठीक है तो इसको पढ़िए आराम से अब आगे है कि पदातिक्रमेण संचलन सायम सम्य पय गंत गंतव्याध दूरे आसित तो पदातिक्रमेण का मतलब हुआ पैदल धीरे धीरे पैदल धीरे धीरे संचलन संचलन का मतलब चलता हुआ साय मतलब शाम क्या हुआ तो पैदल चलते चलते क्या हो गया भैया तो शाम हो गया गंत गंतव्याध दूरे आसित और जहाँ गंतव्याध मतलब होता है गंतव्य गंतव्य हिंदी का शब्द है आपको समझ में आ रहा है गंतव्य का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका मंजिल है तो इसका मंजिल क्या था कि अपने बेटा से मिलने जाना उसके हॉस्टल तक जाना तो पदाती कर्मेन, पदाती कर्मेन का मतलब हुआ पैदल धीरे धीरे संचलन यानी कि चलते हुए क्या हो गया भैया शाम हो गया और अभी भी गंतव्याध दूर आश्रित यानी जहाँ जाना था वहाँ अभी भी क्या थी बहुत दूर थी अभी भी ये नहीं पहुंच पाया था और आप सोचिए ना कि बस से जाने का चीज़ को अगर कोई व्यक्ति पैदल चले तो क्या टाइम पे पहुंच जाएगा नहीं पहुंचेगा अब इस सीतामढ़ी से हमको मुजफ्फरपुर जाना हो बस से बैठेंगे एक घंटे में ट्रेन में बैठेंगे दो घंटे डेढ़ घंटे में ठीक है लेकिन अगर पैदल चल गए तो सुबह से चलेंगे शाम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे तो ठीक उसी तरह ये बेचारा चल पड़ा लेकिन अभी इसका जो गंतव्य था मंजिल था अभी भी बहुत दूर था और बेचारा निराश था निशाअकारे प्रसि सिरते विजन प्रदेशी पदयात्रा न शुभवाह एवं विचारे स पार्श्वर स्थित ग्रामे रात्रि निवास कर्तुम किंचित गृहस्थ गृहस्तम उपागत अब शांति से समझाते हैं निशाअकारे का मतलब होता है रात का अंधेरा एकदम जब आप कहीं बाहर जाते हैं टॉर्च ले को लेके तो आवाज़ आती रहती नीचे हो उस टाइप का अंधेरा था और प्रसिरते का मतलब होता है फैले हुए मतलब अंधेरा हर तरफ फैल चुका था बिजने का मतलब होता है निर्जन जहाँ पे कोई भी व्यक्ति ना हो एकदम सुनसनाटा हो पिन ऑफ साइलेंस परदेशे का मतलब जगह पद यात्रा का मतलब यात्रा करना शुभवाह का मतलब शुभ अच्छा नहीं था तो इस व्यक्ति ने पत, इनको लग गया कि अभी रात का अंधेरा बहुत हो चुका है और ऐसे समय में इस जगह में ट्रेवल करना यात्रा करना क्या है तो अच्छी बात नहीं है एवं विचार य पार्श्व स्थिति रात्रि निवासम और पार्श्व का मतलब होता है पास में स्थित तो अब एवं विचार तो एवं का मतलब मतलब और एवं विचारे मतलब कि इन्होंने विचार किया कि यहीं पे पास के स्थित गांव में ग्राम में मतलब गांव में क्या करेंगे तो रात्रि निवासम कर्तुम कर तुम किंचित गृहस्थम गृहस्थम उपागत मतलब कि यहाँ पर क्या था इनको लग गया कि ट्रैवल करना मतलब यात्रा करना सही नहीं है तो इन्होंने सोचा कि पास के गांव में ही कहीं पे क्या करते हैं भैया विश्राम करते हैं तो विश्राम करने के लिए इन्होंने क्या किया तो एक दरवाजे को खटखटाया करुणा पड़े गृही तस्में आश्रय प्रयायक्षतः और वो जो गांव का व्यक्ति था जिसके दरवाजे को इन्होंने खटखटाया था वो क्या था तो करुणा पड़ो था मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दयालु था उसने क्या कर दिया अपने घर में इनको आश्रय दे दिया अपने घर में इनको क्या कर दिया सहारा दे दिया तो आपको लगता होगा कि ये सर ऐसा होता था बिल्कुल अगर आपके दादाजी हों तो आप उनसे पूछिएगा कि पहले के वाने में गाड़ी घोड़ा बस ट्रक आर वन फाइव नहीं होता था तो उस समय अगर एक व्यक्ति को यहाँ से सीतामढ़ी से पटना जाना है समस्तीपुर जाना है हाजीपुर जाना है मुजफ्फरपुर जाना है अपना दरभंगा मधुबनी जाना है तो व्यक्ति पैदल चलता था और रात में जिस गाँव में है जिसके घर में मन किया रुक गया ठीक है और वो व्यक्ति बहुत आदर सत्कार के साथ खाना पीना सब खिलाकर सुबह में कपड़ा उपड़ा दे के विदा करता था शायद वो परंपरा अब भारत में खो रही है जो एक बहुत ही दुखद बात है पहले के ज़माना में ऐसा होता था अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो दादाजी हो, नाना जी हो, आप उनसे पूछिएगा वो इसकी कहानी बड़े डिटेल में बताएंगे कि हाँ हम भी कहीं जाने का सोचे थे जा रहे थे और हमने एक जगह रात में क्या किया था विश्राम किया था ठीक है तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नो सर अब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा आपको शब्दार्थ बता देते हैं और एक बात हम तो अभी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं लेकिन आप लोगों को हिंदी लिख के हम टेलीग्राम पे पी में दे देंगे ताकि आप लोग अपने घर में फिर से दोबारा रीडिंग मारे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा बाबू सोना के साथ भी शेयर कीजिएगा पूरा क्लास मिल पढ़िएगा ना मजा आएगा ठीक है और लंच में हमारी बात कीजिएगा कि सर ने आज क्या पढ़ाया चलिए आगे बढ़ते हैं आगे पहले आपको शब्दार्थ बताते हैं शब्दार्थ है शब्दार्थ यहाँ है पे चलिए शब्दार्थ यहाँ पे हम साथ साथ बताएंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत है तो यहां पे कमेंट बॉक्स ऑन है आप कमेंट कीजिएगा अगर जो अभी हमारे साथ एकदम लाइव टू लाइव जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे चैट में लिखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है कि विचित्रादैव गति विचित्रा का मतलब अभी आपको पिछले चैप्टर सुभाष सीतानी में बताए थे कि विचित्र खलु संसार एक किंचित निरर्थकम यानि कि विचित्र मतलब होता है अनोखा देवगति गति यानी कि भाग्य जो है देवगति गति का मतलब हुआ भाग्य भाग्य की जो गति है भाग्य का जो स्पीड है किस्मत का जो स्पीड है वो भी क्या होता है एक बहुत ही अनोखा चीज होता है और आप जानते हैं कि किस्मत क्या होता है एक अनोखा चीज होता है कब किसका किस्मत पलट जाए कब किसका किस्मत उलट जाए इसका कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है तस्यामेव और वही इनके साथ भी हुआ तस्यामेव रात्र तस्मिन गृहे कश्चन चौराव चौरा गृह अभ्यंतरम प्रविशत और तस्या मतलब तस्या में ब्रात्रों मतलब कि में रात्र मतलब कि उसी रात में तस्मिन गृह मतलब कि उस घर में कश्चन चौरा गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट कोई चोर क्या किया तो गृहाभ्यंतरम यानी घर के अंदर क्या कर गया प्रविष्ट प्रवेश कर गया यानी कि इन्होंने जिस घर में आश्रय लिया था जिस घर में ये अभी रुके हुए थे उसी घर में क्या हुआ तो एक रात में चोर घुस गया <coughs> तत्र निह निता में काम मंजुसाम आदाय आदाय पालियत और तत्र मतलब वहाँ निहिता में काम मंजुसाम मतलब कि वहाँ पर रखे हुए क्या तो वहाँ पर रखे हुए संदूक को लेकर वो क्या हो गया तो वो आदाय पालियत मतलब कि लेकर वहाँ से भाग निकला कौन निकला वही जो चोर घुसा था वो क्या किया संदूक मतलब बक्सा तो पहले के ज़माना में बउवा बक्सा होता था निहिताम का मतलब होता है निहिताम का मतलब होता है रखा हुआ और मंजूसाम का मतलब होता है बक्सा यानी कि वहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ था उसको उसने लेकर क्या हो गया तो वहाँ से फरार होने की कोशिश करने लगा मतलब फरार ही हो चुका था अब चोर सामान लूट के घर में तो नहीं रुकेगा भाई ये वो तो क्या हो जाएगा फरार हो जाएगा चलिए स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे अभी अब कहानी कहाँ तक पहुँचा था तो कहानी पहुंचा था कि जो चोर था वो क्या कर गया तो मंजू शाम यानी कि जो संदूक लेकर भागना शुरू कर दिया चौरसे पाद धोनी ना प्रबुद्धो अतिथि चौर संकाय तमनवध तमन वावत अगृह मतलब कि अभी इसका मतलब समझाए कि चोर के पैर की आवाज को सुनकर वहाँ जो अतिथि खड़ा था मतलब कि चोर के पैर की आवाज़ को सुनकर जो जागा हुआ अतिथि था वो भी क्या हुआ उसके पीछे पीछे भागने लगा परम विचित्र घटत, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ तो एक अनोखा और विचित्र घटना घट गट गया अब यही से कहानी में आ जाता है ट्विस्ट चोरा एव उच्चे क्रो क्रोसितु मार भक्त चौरयम चौरयम चौरम इति क्र, क्रो क्रोसीतु का मतलब सॉरी क्रोसीतुम का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना ठीक है स्टूडेंट यानी कि जो चोर था चोर जो था जो चोरी करके भाग रहा था वही जोर जोर से क्या चिल्लाने लगा चोर चोर चिल्लाने लगा देखिए कैसा अनोखा काम हो गया मान लीजिए कि आप ही किसी के घर में रहने गए क्या यस सर और वहाँ पे कोई चोर आया और आपने चोर को पकड़ लिया अब जो भूतनी का चोर है वही चिल्लाने लगा चोर चोर तो ये तो अजीब लगेगा ही ना कि चोर ही चिल्ला रहा है चोर 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 तस्य तार सोरेन प्रबुद्धा ग्रामवासी ने अस्वगृह निष्क्रम्य तत्रागछन वाराक म अतिथिमेव चौर्यम चो मतवा भरतेषनम तस्य तार सोरेन तार सोरेन का मतलब होता है ऊँची आवाज से तो जब वो चोर चोर चिल्लाने लगा तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट कि जो गांव के वासी थे मतलब गांव के लोग थे अब कोई चोर चोर चिल्लाएगा तो आसपास का लोग तो जुटेगा ही गांव के लोग और स्वगृहाद मतलब कि जो घर का स्वामी था जिसने जगह दी थी वो भी क्या होने लगा बाहर आने लगा और यहाँ पर जब वो व्यक्ति बाहर आया सभी लोग गांव के आ गए तो उन सब ने मिलकर क्या किया तो अतिथि का क्या किया जो अतिथि थे यानी कि लड़के के फादर उनका बहुत निंदा किया और उनको बहुत भरा बुरा कहा और उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने तुमको घर में जगह दी उसी के घर में तुमने चोरी की है अब आपके मन में थोड़ा सा आ रहा होगा कि सर चोर तो कोई और था लेकिन ये जो अतिथि था ये चोर कैसे साबित हो गया तो वो जो चोर था वही चिल्लाने लगा चोर 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 और जब सब पूछा कि चोर कौन है तो इसी का नाम फंसा दिया कि यही चोर है ठीक है तो अब ये तो बेचारा बाहरी था तो सबको शक भी हो गया कि हो सकता है यही चोर है तो सभी जो गांव के लोग थे वो कहने लगे कि जिस व्यक्ति ने तुमको मतलब कि क्या किया है घर में जगह दिया है उसी का घर में तुमने चोरी कर दिया यद्यपि ग्राम से आरक्षी एवं आसित लेकिन एक्चुअली में चोर कौन था तो वही गांव का एक सिपाही था वही गांव का क्या था सिपाही था तो एक्चुअली में जो चोर था वो सिपाही था और खुद चोरी कर रहा था तक्षण में एवं रक्षा पुरुषोत्तम अतिथि चौरम इति प्राख्याप्य कारागृह प्राक्षीपत प्राक्षीपथ का मतलब होता है डाल देना कारागृह मतलब जेल प्राख्याप्य का मतलब होता है कहकर तब क्या किया गया कि वो जो जो एक्चुअली में चोर था जो सिपाही था उसने क्या किया उस अतिथि को कारागिरी यानी कि जेल में डाल दिया कहाँ डाल दिया जेल में डाल दिया यहाँ तक में कोई दिक्कत नो सर कहानी समझे बउआ कि कहानी ये था कि जब चोर मतलब कि चोर के पैर का आवाज़ सुना तो अतिथि उसको पकड़ा लेकिन चोर जो है हल्ला करके गांव वाला को बता दिया यही चोर है ठीक है और जो चोरी कर रहा था एक्चुअली में जो चोर था वो एक्चुअली में सिपाही था ठीक और चोरी कर रहा था बाद में वो क्या करता है तीति को चोर चोरी के इंजाम में इल्जाम में क्या करता है तो जेल में डाल देता है अब कहानी बढ़ता है आगे अब कहानी बढ़ता है आगे अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं आगे है अग्रिम दिने स आरक्षी चौरिया भियोगे तम न्यायालय नितवान तो यहाँ पे अग्रिम दिने का मतलब होगा हो गया अगले दिन आरक्षी का मतलब सिपाही चौरिया भियोगे का मतलब हो गया चोरी के इल्जाम में यानी कि वो जो सिपाही था उस अतिथि को अगले दिन चोरी के इल्जाम में कहाँ प्रस्तुत किया तो अदालत में प्रस्तुत किया किसके सामने जज सामने जज साहब के सामने न्यायाधीशों बंकिम चंद्र न्यायाधीशों बंकिम चंद्र और जो न्यायाधीश थे यानी जज साहब थे जिनका नाम बंकिम चंद्र था नाम ध्यान में रखिएगा यह पूछता है क्वेश्चन ठीक है इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आ गया तो समझिए क्वेश्चन रहेगा ही न्यायाधीश का आशित यानी कि न्यायाधीश कौन था तो बंकिम चंद्र उभम विवरणम श्रुतवान यानी कि जो न्यायाधीश थे उन्होंने क्या किया तो उम का मतलब होता है दोनों से प्रथिका प्रथिका मतलब होता है कि बारी बारी से दोनों से क्या किए पूरा का पूरा विवरणम श्रुतवान यानी कि पूरा का पूरा डिटेल में सुनवाई की और दोनों से अपनी अपनी बात रखने को दोनों को मौका दिए और बोले कि सिपाही भी अपना बात रखे और वो जो अतिथि है वो भी अपना बात रखे क्योंकि अपने देश के अदालत में सबसे बढ़िया रूल यही है कि पक्ष हो विपक्ष हो दोनों को अपना बात रखने का मौका मिलता है तो जज साहब के सामने दोनों ने अपना अपना बात रखा सर्वम वृत्त मगत्य सतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिण च दोष भाजनम और दोनों की बात सुनने के बाद ठीक है सर्वम वृत मृतम अवगत्यत सतम निर्दोषम और दोनों की बात सुनने के बाद जज साहब को पता चल गया कि वह जो अतिथि है वह चोर नहीं है एक्चुअली में चोर कौन है तो आरक्षणम दोष भाजनम जज साहब ने जज साहब को पता चल गया कि सिपाही ही क्या है तो चोर है और अतिथि बिल्कुल निर्दोष है जज साहब को पता चल गया किंतु प्रमाण परमाणा भावाद निर्णय तुम नाश कनोत लेकिन जज साहब क्या थे परमाणा भाव, परमाणा का मतलब होता है प्रमाण पर, के अभाव में यानी सबूत के बिना जज अब सबूत कोई था नहीं उसके खिलाफ लेकिन जज साहब के पास कोई सबूत नहीं था तो जज साहब कोई भी निर्णय अपना डिसीजन नहीं सुना सकते हैं अब देखिए हुआ क्या स्टूडेंट कि जब दोनों अपना अपना बात जज साहब को कहा तो अब जज साहब तो लाखों केस देख चुके हैं तो वो तो उनको वो तो देख के ही बता देंगे कौन चोर है कौन डाकू है तो जज साहब को लग गया कि अतिथि जो है ये ईमानदार व्यक्ति है और ये सिपाही ही चोर है लेकिन जज साहब के पास कोई सबूत नहीं था क्योंकि कोर्ट में जज साहब सबूत से फैसला सुनाते हैं अब सबूत ही नहीं था तो जज साहब कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाए लेकिन उनको पता चल गया कि आरक्षी ही चोर है अब जज साहब को लगा कि भाई आरक्षी के यानी कि सिपाही के खिलाफ तो कोई सबूत है नहीं अब फैसला तो कुछ ना कुछ सुनाना ही है अगर निर्दोष के खिलाफ सुना देंगे तो गलत हो जाएगा फिर जज साहब ने क्या किया सुनिए जज साहब ने क्या किया जज साहब ने कहा कि अनेध्यू तो न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः पुनः अस्था पितवंतो अनेध्यो क्या जज साहब ने कहा अनेध्यू मतलब कि तुम दूसरे दिन फिर से तुम दोनों क्या हो तो न्यायालय में आओ तो मतलब दोनों न्यायालय में आओ मतलब कि तुम दोनों क्या हो दूसरे दिन अगले दिन न्यायालय में आना अदालत में आना और स्व पक्षम यानी कि अपना अपना बात फिर से दोबारा क्या करना स्थापित स्थापित वंत हो मतलब कि अपना अपना प्रस्ताव दोनों अपना अपना बात फिर से करना जैसे आप अपने देश के न्यायालय में देखते हैं कि फैसला अगले दिन के लिए टल जाता है ऑर्डर ऑर्डर होता है ना जी सर तो जज साहब ने कहा कि तुम दोनों फिर अगले दिन आना और अपनी बात रखना और जज साहब का ये प्लानिंग था अब देखिए क्या प्लानिंग था आगे पता चलेगा तदैव कश्चिद तत्रत्य कर्मचारी समागत्य इतिति क्रोश देयांत्रालय कश्चित कसि जना के हत और वहीं पे जैसे ही जज साहब ने ये बात कहा तभी क्या हुआ तदैव कश्चिद तत्रत्य कर्मचारी समागत्य मतलब वहीं पे कोई कर्मचारी आया अब जज साहब के नीचे कोई ना कोई काम करने वाला कर्मचारी सब तो कितना होता है तो उसी में से कोई कर्मचारी आया और जज साहब से क्या किया तो नए वेद्यत मतलब कि निवेदन किया कि क्या हो गया है जज साहब तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जि जिसका क्या हो गया है तो क्या हो गया है तो मदर हो गया है कैसे पता चला तो कि नापी हत मतलब कोई व्यक्ति का क्या हो गया है तो मर्डर हो गया है ठीक है ये कहानी में आगे हुआ तस्य मृत्यु शरीरम राजमार्गम निकसावर्तते और उस कर्मचारी ने बताया कि उसकी जो लाश है वह राजमार्ग यानी कि मुख्य सड़क हाईवे कह सकते हैं आप हाईवे पर रखा हुआ है और हाईवे के पास पड़ा हुआ है आदिश्यताम किम कर, करनी यमति और कर्मचारी ने कहा कि जज साहब आदिश्यताम यानी कि आदेश दीजिए कि मतलब क्या करनी मिति मतलब कि हमें क्या करना चाहिए न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम चौतम शवम न्यायालय आने आने तुम आदिष्टवान और जज साहब ने क्या कहा कि उन दो सिपाही सॉरी जज साहब ने वो सिपाही जो था और अतिथि था दोनों को क्या कहा आदेश दिया कि जाओ तुम क्या करो तो उस लाश को उठाकर न्यायालय में ले आओ ठीक है कहानी यहाँ तक पहुँचा अब इसको एक बार फिर से समझा देते ताकि कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट हुआ क्या कि अगले दिन जब अतिथि को इस सिपाही ने जेल में डाल दिया तो अगले दिन ये सिपाही अतिथि को लेकर जज साहब के सामने पेश हुआ तो जज साहब ने दोनों का बात सुना लेकिन जज साहब को पता चल चुका था कि सिपाही ही चोर है अब भाई चोर उचक्का भले सबूत हो चाहे ना हो पता तो चलिए जाता है कि चोर है लेकिन जज साहब के पास कोई सबूत नहीं था अब भाई जज साहब क्या करें ठीक है अब फैसला सुनाना था तो सारा सबूत और गवाह तो बता रहा था बता रहा था कि अतिथि ही चोर है लेकिन जज साहब को पता था कि एक्चुअली में चोर नहीं है तो जज साहब ने कहा कि अगले दिन तुम दोनों आना और अपना अपना फिर से बात करना फिर हम फैसला लेंगे ठीक है मामले को थोड़ा दिन के लिए टाल दिए उसी वक्त क्या हुआ कि कर्मचारी आगे कहा था कि जज साहब किसी का हत्या हो गया है और लाश जो है हाईवे पर रखा हुआ है क्या करना चाहिए तो जज साहब ने कर्मचारी को छोड़ा और ये सिपाही और ये जो अभियुक्तम मतलब अभियुक्तम मतलब जिस पे इल्जाम था तो इल्जाम किस पे था ती टी पे था दोनों का आदेश दिया कि जाओ उस लाश को कहाँ लेके आओ तो यहाँ लेके आओ कहाँ पे हमारे अदालत में लेके आओ उसके बाद आगे है कि आदेशम प्राप्य उभव प्राच प्राच लताम आदेशम प्राप्यम तो देखिए शांति से संस्कृत पढ़िएगा स्टूडेंट तो सब समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है आदेशम यानी कि ऑर्डर प्राप्य यानी कि प्राप्त करके उभव मतलब दोनों अभी आपको लालन में बताएं प्राच लताम का मतलब होता है क्या चल पड़े यानी कि आ आपका जैसी आदेश हुआ दोनों क्या हुए चल पड़े कौन ये सिपाही और ये जो अतिथि था जिसपे इल्जाम था तत्रोपत्य काष्ठ पटले निहितम पट्टा च छदितम देहम न देन वहन तो न्याय न्यायधिकरणम प्रति प्रस्थित और आगे क्या होता है आगे तत्रोपेत्य का मतलब ये हुआ स्टूडेंट यहाँ पे कि देखिए तत्रोपत्य काष्ठा पटले ठीक काष्ठा पटले का मतलब हुआ लकड़ी के तख्ते पे तो जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो क्या करते हैं लकड़ी के तख्ते पे देखते हैं कि क्या रखा हुआ है तो लाश रखा हुआ है तो उसको अपने कंधे पे दोनों उठाते हैं सकधेन वहन तो यानी कि अपने कंधों पर उठाते हैं और कहाँ ले जाते हैं तो कहाँ ले जाते हैं तो न्यायाधिकरणम प्रति प्रतिष्ठाओं यानी कि जो न्यायालय है जो जज साहब का अदालत है उसकी तरफ लेकर चल पड़ते हैं ऐसा क्यों क्योंकि दोनों को आदेश जज साहब ने ही दिया था कि जाओ तुम दोनों मिलके क्या लाओ तो लाश को उठा के लाओ आरक्षी सुपुष्ट देह आशित जो आरक्षी था जो मतलब सिपाही था वो क्या था तो सुपुष्ट देह सुपुष्ट देह का मतलब होता है मजबूत देह का था ठीक है हट्टा कट्टा गेंडा था तो वह और अभियुक्त अति कृष्काय और क्रिस्काय का मतलब होता है दुबले पतले शरीर वाला अभियुक्त का मतलब हुआ जिस पे इल्जाम होता है तो यहाँ इल्जाम किस पे लगा हुआ अतिथि पे लगा हुआ है तो अतिथि जो था वो क्या था बहुत ही क्रिसकाय था मतलब बहुत ही दुबले पतले शरीर वाला था भार वह तह सब स सकंधे वहनम तत्कृत्य दुष्कर्म आसित और इतना भारी लाश था कि उसको उठाने में किसको दिक्कत हो रहा था किसको अतिथि को दिक्कत हो रहा था वही लिखा हुआ कि भार वतः यानी कि जो भारी था कौन भारी था भाई तो दुष्कर्म यानी कि दुष्कर्म यानी कि कठिन था मुश्किल था क्या तो सबस्य यानी कि लाश तो लाश को कंधे पर उठाना उस व्यक्ति के लिए क्या था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था किसके लिए जो अतिथि था उसके लिए क्योंकि लाश को लाने का जिम्मेदारी किसके पे था सिपाही पे और अतिथि पे लेकिन सिपाही तो एकदम मज़बूत हटा कट्टा गेंदा था तो उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं था इस बेचारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था किसको ये जो अपना अतिथि था इसको स भार वेदनाया क्रदंती सम स मतलब वह भार वेदनाया मतलब कि एकदम जो भारी भर कमलाश को उठा रहा था उससे क्या था क्रद क्रदंती सम मतलब कि वह जो आरक्षित ये अतिथि था वो बेचारा रो रहा था क्योंकि वह कोई काम भी नहीं मतलब कि कोई कांड भी नहीं किया था बेचारा एक, एक तो उसका बेटा बीमार था ऊपर से यहाँ मामले में वह फंस गया था वो भी झूठे इल्जाम में तो बेचारा बहुत कष्ट से क्या कर रहा था रो रहा था तसंदम निस्मय मुदित आरक्षी तमु और जैसे ही उसके रोने की आवाज़ को सुनता है कौन सुनता है तो वही आरक्षी यानी कि सिपाही सुनता है वो बड़ा खुश होकर बोलता है कि रे दुष्ट तस्मिन दिने तोया हम चोरी ताया मंजूसाया गहनाद वारी दुष्ट रे दुष्ट, दुष्ट आदमी तू उस दिन मुझे चोरी की पेटी ले जाने देता मुझे न पकड़ता तो मामला वहीं पे शॉर्ट आउट हो जाता आज तू इस हालत में नहीं फंसता इदानीम निज इधानी फलम छब और तू अपने करनी का ही फल भोग रहा है तो सिपाही का क्या कहना था कि भाई तुम आज जो लाश उठा रहा है तुमको दर्द हो रहा है अब जज साहब के सामने तुमको सजा भी मिलेगा क्योंकि सबूत तुम्हारी खिलाफ है तो तू उस दिन मुझे अगर उस पेटी को चुराने नहीं देता चुपचाप रह जाता तो आज तू इस मुश्किल में नहीं फंसता चोरिया भी हो गए मतलब के इल्जाम में त्वम वर्ष त्रेस्य काला डनम और इस चोरी के इल्जाम में तू तीन वर्ष के लिए देखिए त्रेस्य त्रिवादनी याद है यस या सर तो तीन वर्ष के लिए तुम्हें क्या होगा तो भूतनी का तुम्हें जेल होगा इति उच्चे अहसत और यह कहकर वो क्या होने लगा तो मतलब कि जोर जोर से हंसने लगा यथा यथाकशिदा उभव सब माननीय एकेस्मिन चतवरे स्थापित बनतो और जैसे तैसे दोनों ने लाश को ला कर कहाँ रख दिया तो एक चौराहे पे रख दिया अब आप जान ही रहे कि मान लीजिए कि सीतामढ़ी से आपको कहा जाए कि दोनों आद, दो आदमी को कि लाश उठा के मुजफ्फरपुर ले चलना है पहले बस ट्रक थोड़ी होता था तो बताइए क्या करिएगा बीच बीच में रख रख के न लाइएगा कि डायरेक्ट लेके आ जाएगा। सर रख रख के लाएंगे तो क्या किया दोनों ने मिलकर एक चौराहे पे लाश को जैसे तैसे रख दिया अब उसके बाद आगे की कहानी होती है आगे की कहानी है कि न्यायाधीशेन पुनः स्थव घटनाया विषय वक्तुमा दिष्टव और न्यायाधीश ने क्या किया पुनः स्थव पुनः क्या किया तो घटना के विषय में दोनों से क्या किए तो मतलब कि बोलने के लिए आदेश दिए शांति से समझिएगा सब समझ में आएगा न्यायाधीशेन मतलब जज साहब पुनः स्थाव का मतलब पुनः दोबारा और घटनाया मतलब वो जो कांड हुआ था विषय मतलब वो घटना के बारे में वक्तु देखिए वक्तु में अलग है और आदिष्टो यहाँ पे अलग है संधि हुआ इसीलिए संधि पढ़ना जरूरी है मतलब बोलने के लिए जज साहब ने आदेश दिया तो आपको पता न था जज साहब क्या बोले थे कि अगले दिन दोनों आके फिर से अपना अपना बात रखना तो दोनों को जज साहब ने क्या किया आदेश दिया कि फिर से अपना अपना बात रखो आरक्षिण निष्पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्य में घटत स सब प्रा, प्रावार कम पार्श्य न्यायाधीश भीवाद निवेदित मान्यवर एतेन आरक्षिण अध्वनि यद कतुम तद वनियम त्वाहाम चौर मंजूषाया और जैसे ही आरक्षिण निज पक्षम प्रस्तुतवती आरक्षिणा का मतलब सिपाही जैसे ही सिपाही ने अपना पक्ष रखा आश्चर्य में घटत वहाँ पे क्या हुआ एक आश्चर्य चकित क्या हो गई भैया तो घटना हो गई अब घटना क्या हो गई देखिए स सब यानी स सब यानी कि वह जो लाश था जो क्या था तो प्रा, प्रावरकम प्रावरकम का मतलब होता है कंबल से या कपड़े से जो ढका था उस वो ढका था वो लाश में से एक आदमी निकलता है और न्यायाधीश से निवेदन करता है कि मान्य वर ए तेन आरक्षिण अध्वनि यदुकतम तदवर न्यामी मतलब हे हे जज साहब मैंने क्या किया है तो इस सिपाही को रास्ते में कहते हुए सुना है कि यह चोरी इस सिपाही ने किया है किसकी तो संदूक की अब जज साहब ने जैसे ही दोनों को बोला किसको बोला सिपाही को और ये जो आपका जो अतिथि था उसको कि अपना अपना पक्ष रखो तो सबसे पहले सिपाही अपना अपना पक्ष अपना पक्ष रखने गया कि चोरी यही है तभी वो जो लाश में से कंबल ओढ़े जो आदमी था एक्चुअली में वो लाश नहीं था यह सारा जज साहब का प्लान था ताकि रास्ता में एक गवाह मिल जाए अच्छा सर ये बात है हाँ तो आदमी कंबल हटाता है और जस साहब को बोल देता है कि जस साहब मैंने सुना है ये सिपाही रास्ते में बोल रहा था कि यह जो है क्या चोरी मैंने किया है और तुम इसकी सजा भुगतो गर्नादवारी तो अत निज फलम भूंक वही जो अभी बताएं कि सर इसने बोला है कि ये चोरी मैंने किया है तुम उस दिन मुझे नहीं पकड़े रहते तो आज तुम भी छूटे रहते इसलिए अपनी करनी का सजा भोगो अश्मी चौरिया भी हो तो हम वर्ष तिरस्त कारादंडम लप्यसे इति और जस्ता भी इसने ये भी कहा है कि तीन वर्ष के लिए तुम्हें क्या होगा जेल होगा न्यायधीश आरक्षी ने कारादंड कारादंड माधिश्य तम जनम जन्म समान मुक्तवान और न्यायाधीश को सारी सच्चाई यानी जज साहब को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी जज साहब ने क्या किया आरक्षी ने आरक्षण का मतलब सिपाही जो एक्चुअली में चोर था उसको जेल में डालने का आदेश दे दिया और तमजन यानी कि जो अतिथि था जिस पे इल्जाम था उसको जज साहब ने क्या किया तो स सम्मान मुक्तवान स सस एकदम बाइज्जत क्या कर दिए बरी कर दिए किसने कर दिया तो जज साहब ने कर दिया बरी इसीलिए कहा गया है इसीलिए कहा गया है कि अति अतिव चेते वो चेते चे मतलब कहा गया है कि दुष्कारण अपी कर्मानि मति वैभवशाली न नीतिम युक्ति समालंबय लीलाय प्रकु प्रकुवर्तते क्या लिखा हुआ है दुष् दुष्कर्ण करानी का मतलब होता है कठिन कर्माणि का मतलब काम को नीतिम का मतलब नीति को युक्तम का मतलब होता है युक्ति को समालंबय का मतलब होता है सहारा लेकर लीलिया मतलब होता है खेल खेल में और प्रकुरवर्ते का मतलब होता है कर जाते हैं इसीलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास क्या है भैया तो मति वैभवशाली ना मतलब कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है किसी भी कठिनाई में कोई ना कोई दिमाग लगाकर खेल खेल में उसको आसानी से डील कर ही देता है जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जज साहब है जज का परीक्षा तो कोई ऐसी नहीं पास कर लेता है और जज कोई ऐसी तो नहीं बन जाता है जज बनने के लिए क्या होता है बहुत कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है मेहनत करना पड़ता है तो निश्चित तौर पे जो बुद्धिमान होगा जिसके पास दिमाग होगा वही जज बनेगा तो इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है मतलब जिसके अंदर बुद्धि रहती है वो बड़े बड़े कठिनाइयों को बड़े शांति से अपना दिमाग लगाकर यानी कि युक्ति लगाकर क्या कर देता है खेल खेल में उसको निपटा देता है और उस प्रॉब्लम का क्या कर देता है सॉल्यूशन कर देता है तो इस चैप्टर में स्टूडेंट यही था तो इस चैप्टर में आपने देखा कि एक अतिथि थे जिन पे झूठा इल्ज़ाम लग गया था और बेचारा वो जज साहब के बदौलत ही उस इल्ज़ाम से बड़ी हो गया और बा बड़ी हो गया अब चलिए स्टूडेंट करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या होगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सी बी एस ई अंकल जो बोर्ड अंकल है बोर्ड अंकल बी ओ ए आर डी अंकल वह इसी टाइप से आपको क्या देंगे पैसेज देंगे पैसेज का मतलब हो गया कि एक गद्यांश आपको दे देंगे और फिर पूछेंगे एक पदेन यानी कि वन वर्ड पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम यानी कि भाषिक कार्य तो आप में से जिनके भी मन में डाउट है कि सर पैसे देगा तो बिल्कुल देगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट देगा देगा ही देगा फिर क्वेश्चन आंसर पूछेगा चाहे श्लोक से पूछे तो श्लोक वाला देगा नाटक से पूछेगा तो नाटक वाला देगा और गद्यांश यानी स्टोरी वाला से पूछेगा तो स्टोरी वाला देगा देगा एकदम ठीक तो सबसे पहले आपको क्या करना है पैसेज पढ़ के उसका हिंदी समझना है अब आप कहेंगे सर हिंदी ही समझ नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर पढ़ने के बाद हो ही नहीं सकता है कि आपको हिंदी समझ में नहीं आए हाँ ये है कि शुद्ध शुद्ध नहीं आए टूटा फूटा भी तो आए ना कि कहाँ से कहानी उठ के आया है किस चैप्टर से आया जैसे देखिए कश्चन निर्धनों जन भूरी परिश्रम्य किंचित वित्त मार्जित वन हाँ सर हाँ सर कोई निर्धन व्यक्ति धन का उपार्जन किया उसी पैसे से अपने बेटे का एडमिशन कराया सर ये विचित्र साक्षी का पता कर लिए और कहानी क्या है तो ये स्टार्टिंग से ही कहानी उठा के दे दिया है अब क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन है कि निर्धन से पुत्र से पुत्रे छात्रावास पुत्र संगलनम अभवत यानी कि जो निर्धन व्यक्ति था और उसका जो पुत्र था ठीक है मतलब सॉरी निर्धन जो पुरुष था या व्यक्ति भी लिख सकता है तो जो निर्धन व्यक्ति था पुरुष था उसका जो पुत्र था छात्रावास में पुत्र संगलनम अभवत मतलब कि क्या में लग गया तो छात्रावास में क्या में लग गया बताइए क्या में लग गया इंस्टा रील्स देखने में नहीं आपको पता है पढ़ाए हैं कि उसका जो पुत्र था वो क्या लग गया तो छात्रावास में किस में संगलन हो गया किस में मन लगा कर काम करने लगा तो पढ़ाई में यानी कि अध्ययन में तो यही इसका जो है क्या हो जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत आपको नो सर अब आगे चलते हैं ठीक है यहाँ से कहानी उठाया गया है देखिए आपका अभी पढ़ा है ना ये वाला जो कहानी है ये यहाँ से यहाँ से कहानी लिया गया है ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब देखिए इसी तरह समझ समझ के बनाइएगा तो बनेगा अब देखिए एक ट्रिक से और भी पकड़ सकते थे ये छात्रावास है अववत है संगलन है तो आंसर भी उसी के इर्द गिर्द घूमता है एक पदन में तो देखिए संगलन है सम्भूत है ठीक तो यहीं पे आंसर इसी लाइन में घूमेगा अब इस लाइन में क्या होना चाहिए तो अध्ययन नहीं होना चाहिए यहाँ पे हमने दिया देखिए यहाँ जो है छूट गया तो ये यहाँ यहाँ पे आप लगा लीजिए चलिए अब जो है आगे कहाँ गया क्वेश्चन क्वेश्चन है कि कस्य रुग्ना रुग्णाताम ज्ञातवा निर्धन व्याकुलो जात कस्य रुग्णाता रुग्णताम यानी कस मतलब किसका रुग्ण मतलब बताया बीमारी ज्ञातवा मतलब जानकर निर्धन मतलब निर्धन व्याकुलो जात मतलब कि किसका बीमारी जानकर व्याकुल हो गया बताइए किसका बीमारी जानकर वो व्यक्ति अतिथि व्याकुल हो गया तो आपको पता था कि उसका बेटा बीमार था तो बेटा का क्या होता है संस्कृत पुत्र होता है पुत्रा होता है लेकिन यहाँ पे कस्य से है तो हम लोग ये आंसर पुत्रस्य पे देंगे समझिए ये प्रश्न निर्माण में पढ़ा दिए हैं शेड्यूल होगा वीडियो नीचे देख लीजिएगा और ये किम शब्द रूप याद रहना जरूरी है किम पुलिंग स्लिंग नपुंसक नहीं याद है तो याद कीजिए कस्य से क्वेश्चन है तो पुत्र लिख दिया गलत हो जाएगा पुत्रस्य सही होगा उसके बाद है निर्धन उसके बाद है यहाँ पे स्टूडेंट कि निर्धनो निर्धनोजनक कम द्रष्टु पदाभ्याम प्रस्थितवान यानी कि निर्धन व्यक्ति था ठीक है कम मतलब किसको द्रष्टु मतलब देखने के लिए वहाँ से निकल पड़ा था किसको देखने के लिए अपने पुत्र को देखने के लिए ठीक है पुत्रे को देखने के लिए ना जी सर तो यहाँ पे पुत्र हो जाएगा आंसर लेकिन आ, कम से क्वेश्चन है तो पुत्रम होना चाहिए समझे इसलिए पुत्रम होगा एक पदन बन गया अब पूर्ण वाक्यन में चलते हैं पूर्ण वाक्यन कह रहा है स्टूडेंट कि निर्धनों जनक कुत्र सफल हो जाता निर्धनों जनक कुत्र सफल हो जाता सफल हो जाता इसका मतलब हुआ कि जो निर्धन जन था निर्धन जन का मतलब निर्धन व्यक्ति कुत्र मतलब कहाँ सफल हो जाता यानी कि कहाँ पे सफल हो गया तो बताइए कहाँ पे सफल हो गया तो आपको पता है कि निर्धन व्यक्ति जो था कहाँ पे सफल हो गया तो अपने बेटे का एडमिशन दिलाने में सफल हो गया तो यही जो है इसका मेन आंसर हो जाएगा ठीक है यही जो है यही मेन आंसर हो जाएगा हमसे पूछ रहा है कि कहाँ पर सफल हो गया तो महाविद्यालय परवेश हूँ यानि कि कॉलेज में एडमिशन दिलाने में सफल हो गया तो बस आप आगे क्या लगाएंगे आगे पीछे आप बस लाइन जोड़ दीजिएगा देखिए जोड़ के लिख देते हैं आगे से आप संस्कृत में तो आधा आंसर प्रश्न में ही दिया रहता है आप ऐसे निर्धनों लिखिए ठीक है, है। जन लिखिए निर्धनों जन ठीक पुत्रम कहाँ सफल हो गया तो एकस्वीन एक महाविद्यालय में और पूरा का पूरा यहाँ से लेके क्या कर दीजिए छाप दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर लिख दीजिए हो गया बन गया ये जो है शुरुआत वाला पैराग्राफ है देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है वही यहाँ पे आपको दिया गया हुआ है कोई दिक्कत है नो सर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट चलिए तो देखिए यहाँ पे सावधानी से बनाइएगा क्वेश्चन आंसर तब बनेगा आप लोग का गलती सबसे बड़ा है कि आप टेंथ में ही डायरेक्ट आके किसी सब्जेक्ट पे ढाबा बोल लें तो फिर दिक्कत होता है लेकिन जितना भी दिक्कत है आप सभी का सब दूर कर दिए ग्रामर में तो ग्रामर को मजबूत कीजिए एकदम जीरो से पढ़ाएं जीरो से क्या माइनस से फिर जीरो पे लेकर फिर आगे बढ़ाएं ठीक तो जीरो लेवल से पढ़ाएँ अब देखिए निर्धनो जनक कुत्र सफल जाता जो अभी बताए तो निर्धनो जनक कुत्र सफल जाता का मतलब है कि निर्धन जन कहाँ सफल हो गया तो बस कुे से ना पूछ रहा है तो कुत्र के जगह आंसर दीजिए तो कुत्र के जगह क्या है महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में तो आगे पीछे ही तो जोड़िएगा ना जैसे आपका क्या नाम है तो आंसर क्या है आयुष कुमार लेकिन आगे पूछे जोड़ेंगे ना मेरा नाम आयुष कुमार है तो जोड़े क्या पूछने वाला वर्ड जोड़ दिए तो वही यहाँ पे जो है आपको ये क्या कर देना है लिख देना है इसके बाद हो गया है आंसर उसके बाद है कि किमर्थम जना पुत्रम द्रष्टुम गतवान किमर्थम जना पुत्रम द्रष्टुम गतवान यानी कि क्यों निर्धन जन जो है अपने पुत्र को देखने गया तो आपको पता है आपको सॉरी आपको पता है स्टूडेंट की जो निर्धन व्यक्ति था वो अपने पुत्र को देखने क्यों चल पड़ा तो जब उसका पुत्र बीमार हो गया तो अपने पुत्र को देखने चल पड़ा तो यहाँ पे यही जो आपका यहाँ पे बीमारी वाला लाइन है वही यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पूछ रहा है कि निर्धनो जन पुत्रम गतवान किमर्थम मतलब कि क्यों मतलब किस लिए गया तो वही उसका पुत्र जो है बेचारा बीमार पड़ गया इसलिए गया तो इसका पूरा आंसर आप ऐसे लिख दीजिए कि निर्धनो निर्धनो जन पुत्र यानी यानि कि पुत्र पुत्र से यानी कि बीमार पड़ गया आकार इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं तम तम पुत्र द्रष्टुम तो ये यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए हो गया ये इसका सही आंसर हो गया उसके बाद है किमर्थम निर्धनो जना पद व्यायाम गतवान किमर्थम ठीक है ठीक है बताइए किमर्थम निर्धनो निर्धनोजन पद व्यायाम गतवान बताइए इसका मतलब ये हुआ कि निर्धन जन जो था ठीक है निर्धन जन जो था वो समझिए पैदल क्यों गया पद व्यायाम मतलब कि पैदल क्यों गया तो बेचारा के पास क्या था पैसा नहीं था पैसे से पीड़ित था तो पैसे से पीड़ित के यहाँ पे संस्कृत क्या है बताइए यहाँ परम अलग करके बताए है ना अभी लेक्चर में अर्थ काश यन पीड़ित यानी कि वह बेचारा चाहे आप ये भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन नहीं लिखिए ठीक रहेगा इसको काट के क्या कीजिएगा यहाँ पे अर्थ लिख दीजिएगा अर्थ काश एर्न ये जरूरी है स्टूडेंट इसका मतलब होता है पैसे की कमी तो पैसे की कमी से जो बेचारा था वो क्या कर गया पैदल ही चलना ज़्यादा उचित समझा तो यहाँ पे पैदल का पदाति रेप दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में पद पदभ्याम पूछा है तो आपको भी पदाति रेप के जगह पद व्यायाम देना है इस इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट कि निर्धन जन पैदल ही क्यों चल पड़ा तो बेचारे के पास पैसे की कमी थी इसलिए वह बस को छोड़ ठीक है क्या कर चल पड़ा पैदल ही चल पड़ा ठीक अब सर हम अगर परम अर्थ काशियन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा नहीं कोई टीचर गलत नहीं करते जो बेस्ट है वो आपको हम बता रहे लिख भी देते हैं तो अक्सर तो कोई टीचर गलत नहीं करते हैं चाहे है, हम लिखें ही क्यों उसके बाद अगला क्वेश्चन कि पुत्र से इतर्थे अनुच्छेदम किम पर्याय पदम प्रयुक्तम यानी कि पुत्र के जगह इस अनुच्छेद में पर्यायवाची क्या यूज किया गया है तो पुत्र के जगह क्या यूज किया गया बताइए क्या यूज किया गया यही पर्यावाची खोजने में आप लोग को दिक्कत होता है तो देखिए ना एकदा स पिता तनुजस्य यानी एक बार उसके पिता तनुजस्य रुग्ण तमा करने मतलब कि तनुज तनुज का मतलब होता है बेटा एक बार उसके बेटा बीमार पड़ गया इससे वो व्याकुल होके देखने चल पड़ा अपने बेटे को तो बेटा के जगह क्या यूज किया गया तनुजस्य यूज किया गया तो पुत्रस्य पूछ रहा है तो तनुजस्य एकदम सही है तो यहाँ पे ये तनुजस्य आंसर हो जाएगा देखिए आप कहेंगे सर तनुजस्य ही क्यों होगा इसमें तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये पर्याय है अब सूर्य का पर्याय रवि ही क्यों होता है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक है ये याद करना पड़ेगा तो जो भी आप चैप्टर ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आपको याद ही रहेगा कि भाई यहाँ पे एकदा सौ पिता तनुजस्या यानी कि एक बार उसके पिता का मतलब कि उस पिता का बेटा जो है बीमार पड़ गया तो तनुजस्य का मतलब लेक्चर में बीमार बता सॉरी बेटा बता दिए हैं बता दिए ना जी सर तो घबराइएगा नहीं ये जितना भी समनार्थक विलोम है ये सब चैप्टर से पूछता है तो सर हमको नहीं पता चलता है तो चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं ना पढ़ लिए उसी समय से रहेगा कैसे भी पकड़ लिए तो तनु जैसे यहाँ पे हो गया उसके बाद है निर्धनों इति पदस से विशेष्य पदम अत्र प्रयुक्तम पूछ रहा है कि निर्धन के जगह यहाँ पर विशेष्य पद की क्या है तो आपको हम विशेषण विशेष से हर लेक्चर में बताते हैं कि विशेषण विशेष से किसे कहते हैं तो अगर मान लीजिए हम लिखे अच्छा लड़का अच्छा लड़का अच्छा लड़का तो लड़का की विशेषता क्या है कि वह अच्छा है तो ये विशेषता जो है या गुण है वो क्या हो गया जो क्वालिटी है वो क्या हो गया विशेषण हो गया और जिसके बारे में ये क्वालिटी है वह क्या हो गया विशेष से हो गया तो यहाँ पे पूछ रहा है विशेष्य मतलब कि क्वालिटी दिया हुआ है यानी कि विशेषण दिया हुआ है कि निर्धन होना यह क्या होता है एक विशे क्वालिटी होता है जैसे अच्छा बच्चा निर्धन व्यक्ति अमीर व्यक्ति तो निर्धन अमीर ये सब क्या है विशेषण है तो निर्धन यहाँ पे किसकी विशेषता है जैसे अच्छा किसकी विशेषता लड़का की तो इस कहानी में निर्धन कौन है तो वह जो व्यक्ति है वही क्या है निर्धन है तो जन इसका क्या हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा जनह क्या हो जाएगा विशेष्य और जनः विशेष से हो जाएगा विशेष्य का मतलब ही होता है जिसके बारे में कुछ विशेषता बताई जाए तो जनक की विशेषता क्या है वो गरीब है तो गरीब यानी निर्धनों क्या हो जाएगा विशेषण और जन हो जाएगा विशेष उसके बाद है अगला है कि पीडिता से अन्यो विशेषण पदम किम पीड़िता स अन्यो विशेषण पदम किम अन्यो का मतलब होता है कि दोनों पद यहाँ पे दिया हुआ है विशेष भी दिया हुआ है विशेषण भी दिया हुआ है तो आपसे विशेषण पूछ रहा है कि विशेषण क्या है तो पीड़ता का मतलब होता है बीमार पीड़ता का मतलब होता है बीमार और सह का मतलब होता है वह यह आपको अनुवाद वाच्य सुधी सब में बताएं और एक बात और बता देती जो भी अनुवाद का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं देख लीजिएगा पत्र पूरा सही होता है आपका नो सर अनुवाद नहीं आता है चित्र सही होता है नो सर अनुवाद नहीं आता है पूरा एक जीरो लेवल से प्ले बना दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लीजिएगा देखिएगा आप ही का फायदा होगा नंबर बहुत बढ़ेगा ठीक न सिर्फ अनुवाद में बल्कि हर टॉपिक में तो वह वह जो है वह की विशेषता क्या है जो भी वह व्यक्ति है जो यहाँ पे क्या था ये निर्धन व्यक्ति था तो इसकी विशेषता क्या है तो ये बीमार है ठीक है तो बीमार जो है वो क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा तो यहाँ पे संस्कृत क्या दिया हुआ है पीड़ित तो पीड़ित हो जाएगा विशेषण और पीड़ित कौन है तो वह है जो यहाँ पे वह है स है तो यह हो जाएगा आपको विशेष्य ठीक है आप बताइए न विशेष्य का मतलब क्या होता है जिसकी विशेषता बताई जाए तो बीमारी जो है यह बीमारी कोई आदमी है नो सर आदमी ही की ना विशेषता बताई जाती है सर तो बीमारी विशेषण हो जाएगा समझे ठीक तो यही रहा स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर और भी क्वेश्चन आंसर करा देंगे पूरे इस वीडियो में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लास नाइन संस्कृत से सॉरी क्लास टेन संस्कृत से मुसी बुक का चैप्टर नंबर नाइन सुकत्या इसे समझ में आए ठीक है सबसे पहले पहले शब्दार्थ में बात कर लेते हैं सॉरी पहले श्लोक में शब्दार्थ बता देते हैं आपको बाले का मतलब होता है बचपन में यक्षति का मतलब होता है देता है तेपे का मतलब होता है तब किया उक्ति का मतलब होता है कथन कहना तम का मतलब होता है उस उस पिता के प्रति उस पिता के प्रति और कृतज्ञता का मतलब होता है उपकार मानने का भाव ठीक है अगर हम कहें कि आप हमारे प्रति कृतज्ञ हैं यानी आप हम हम जो भी उपकार किए हैं या आप हम पर उपकार किए हैं हम उसको मान रहे हैं अब श्लोक पढ़ा श्लोक पढ़ने और पढ़ाने का मजा तभी है जब पूरा एक बार श्लोक पढ़ ले और फिर आपको उसका हिंदी समझा पिता यक्षति पुत्राय बाल्य विद्याधन महत पिता से किन तपस्थ्य पे कृतज्ञता कहने का मतलब है पिता यक्षति यानी पिता जो है देता है तो पिता का मतलब क्या हो गया फादर यक्षति मतलब दे, देता है तो यहाँ पर पिताजी है तो सम्मान में बोलेंगे देते हैं तो पिता देते हैं किसको तो पुत्रा यानी पुत्र को क्या तो बाल्य यानी कि बचपन में क्या देते हैं तो विद्याधन धन देते हैं तो अभी आप इस लाइन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो आपके पिता हैं चाहे हमारे पिताजी हैं किसी के भी फादर हो बचपन में आपके पिताजी सबसे बड़ा आपको गिफ्ट क्या देते हैं बचपन में तो वह विद्याधन देते हैं अब आप कहेंगे सर धन तो टीचर दे रहे हैं स्कूल में मिल रहा है पिताजी कहाँ दे रहे हैं नहीं आपके पिताजी मेहनत करके फी दे रहे हैं आपका एडमिशन कराए हैं स्कूल में तभी तो आप पढ़ पा रहे हैं तो यह जो विद्या रूपी धन जो आपको बचपन में मिला है जो क्या है तो काफ़ी महत्व है उसका क्योंकि बिना विद्या के आदमी क्या होगा कुछ नहीं होगा समझ गए तो जो स्टडी है जो पढ़ाई उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है और वह जो बचपन में कौन देता है बच्चे को तो वह एक पिता देता है पिता से किम तपस्ते पे और इसके लिए पिता जो है क्या तपस्या करते हैं यह डिफाइन नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर हम इतना ही बोल देते हैं कि पिता पिताजी काफ़ी तपस्या किए हैं यही उनके प्रति ऐसा होगा कि हम उनका उपकार मान रहे हैं तो श्लोक का स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि पिताजी जो हैं बचपन में आपको जो रूपी धन दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है और वो बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए और इसके लिए पिताजी कितना तपस्या करते हैं यह डिफाइन नहीं किया जा सकता यह आप बस कह ही देते हैं तो उनके प्रति आप उपकार मान रहे हैं और कृतज्ञता कर रहे हैं तो आप देख ही रहे अभी आप आप आज पढ़ पा रहे हैं क्यों क्योंकि आपके पिताजी मेहनत करके पैसा कमा कर आपको पढ़ा रहे हैं बात सही है कि गलत सर सही है आप देख रहे हैं कि अब आपके पिताजी स्कूल में आपका एडमिशन कराए हुए हैं सी बी में तो हर महीने तीन चार हज़ार रुपया तो फ़ी में लग ही जाता है फलाना एक्स्ट्रा फी ये फी वो फी लगा के एवरेज तीन हजार तो सोचो ये उस तीन हजार को कमाने के लिए पिताजी कितनी तपस्या करते हैं अगर किन्हीं के कि पिताजी का दुकान होगा तो अगर दस बजे दुकान बंद करने का समय है तो सोचते होंगे ग्यारह बजे तक चलाते हैं दुकान की कुछ दो रुपया ज़्यादा कमा ले ताकि बेटा को और अच्छा से पढ़ा सके तो यह जो है आपको मानना होगा कि पिताजी काफ़ी तपस्या करते हैं आपके लिए इसलिए बता रहे हैं ठीक है कि आप पढ़ने आए हैं यहाँ पर बैच में इसका भी आप फी दिए हैं ये भी आपके पिताजी की ही मेहनत की कमाई है तो इसका आप लोग फायदा उठाए और जो जहां दिक्कत है पूछिए एक एक टॉपिक को इतना बारीकी से के कीजिए क्योंकि तो हम पढ़ाते हैं टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक में इस तरीके से नंबर आएगा इस तरीके से पढ़ना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो तो काफ़ी ज़्यादा आपके पिताजी मेहनत कर रहे हैं तो आप उसका फल दीजिए ठीक है पिताजी तो टाल नहीं ना रहे कि जैसे अभी आपको अगर सौ रुपया जरूरत है कॉपी के लिए तो आप कहेंगे पापा दीजिए पापा तुरंत दे देंगे ये थोड़ी कहेंगे कि कल देंगे परसों देंगे ऐसा तो कहते नहीं है तो फिर आप क्यों अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हाँ सर कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे नहीं आज ही पढ़िए ठीक कोई स्टडी प्लान वगैरह मत बनाइए वो सब फेल हो जाता है सिलेबस उठाइए और जितना पढ़ सकते हैं जो सब्जेक्ट मन कर रहा है पढ़िए क्योंकि आज ना कल पढ़ना ही है अब इससे करते हैं क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि कह पुत्राय विद्या धनम क्षति कह मतलब कौन पुत्राय मतलब पुत्र को विद्याधन देता है तो कौन देता है तो पिता देता है कह है कह एक बचन है किम शब्द रूप निर्माण का वीडियो देंगे उसमें बताएंगे इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक बचन में पिता यहाँ पर हो गया उसके बाद है पिता पुत्राय किम य यानी कि पिता पुत्र को क्या देता है किम क्या देता है तो विद्याधनम ठीक है चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं ठीक है ये क्वेश्चन में फॉल्ट है अभी तो टाइपिंग में है तो एक दो फॉल्ट ही रहता है तो सब क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस में काटते चलते पिता महतव विद्याधनम कस्मय यक्षति पिता जो है विद्याधन का महत्व यानी कि समझिए विद्याधन का महत्व विद्याधन का तो महत्व है ही तो विद्या रूपी धन जो है कस्मय यक्षति मतलब किसको प्रदान करते हैं तो आपको पता है कि पिता महत विद्याधनम पुत्राय यक्षति अपने पुत्र को देते हैं तो देखिए कस्मय से क्वेश्चन था तो कस्मय में आपको हम पठित में भी बताए कि कस्मे चतुर्थी विभक्ति में होता है याद है धात्री फलाय प्रयुक्तम तो धात्री फलाय तो हम लोग भी चतुर्थी लगाए इसलिए पुत्राय लगाए हैं कोई पुत्र पुत्राए कर देता तो गलत हो जाता उसके बाद है पिता महत विद्याधनम पुत्राय कदा यक्षति तो पिता महत विद्याधनम पुत्राय बाल्य यक्षति कहने का मतलब ये क्वेश्चन का ये है कि कब देते हैं पिताजी विद्या रूपी धन तो बाल्य यानी कि बचपन में देते हैं तो ये इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा एक वाक्यन का मतलब हुआ पूर्ण वाक्यन इसी का दूसरा नाम है पूर्ण वाक्यन ठीक है आप में से कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि एक पदेन और ये एक वाक्यन अलग है सेम ही है नहीं एक पदेन का मतलब हुआ एक वर्ड और एक वाक्यन का मतलब हुआ एक वाक्य में यानी कि पूरे सेंटेंस में ठीक है उसके बाद है का उक्ति अस्थि ठीक है का उक्ति अस्ति तो अस्य पिता किम तपस्ते पे इति उक्ति अस्ति उक्ति का मतलब है कि क्या कहना है यहाँ पर ठीक है तो यही कहेंगे कि पिताजी कितना तपस्या करते हैं यही उनके प्रति क्या है कृतज्ञता है और यही क्या है उक्ति है यही कथन है कहने का मतलब यही मेन चीज है कि बस हमको ये कह समझना होगा कि पिताजी इसके लिए कितना कष्ट सहते हैं हमें पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा कमाते हैं उसके बाद एक कह तपते पे तो इसका क्या हो जाएगा पिता तपते पे तप तप का मतलब तपाते पे का भी आपको मतलब पता है तप का मतलब हुआ तप किया तो तपते पे मतलब कौन तप किया तो पिताजी तप किए तो पिता तपते पे उसके बाद एक क पिता तपते पे किसके पिता ने तप किया तो आपको पता है कि पुत्रस्य तो पिता तपते पे यानी कि जो तो पुत्र है उसके पिता ने क्या किया तप किया ठीक है सभी पिताजी अपने पुत्र के लिए ही करते हैं उसके बाद भाषिक कार्य में कि पिता इति कर्तृपद से क्रियापदम किम कह रहा है कि पिता इति कर्तृपद से कह रहा है कि पिता जो है एक कर्तृपद है तो क्रियापद क्या होगा तो एकदम पिता जो तो पद है वो तो कर्तृपद है होंगे क्योंकि पिता आदमी है अब यहाँ पे काम हो का, क्या कर रहे हैं तो आपको देने का काम कर रहे हैं तो य क्षति हो जाएगा सर कैसे देने का काम कर रहे हैं तो देखिए ना पिता य क्षति पिता देता है तो सर विद्याधनम नहीं हो जाएगा तो विद्याधन चीज हुआ वो काम नहीं हुआ तो यक्षति यानी देना ये काम हुआ और यक्ष धातु आप पढ़े हुए तो सिंपल साइज का क्या हो जाता यक्षति हो जाता उसके बाद यक्षति क्रियापद से कर्त पदम किम यानी कहा जा रहा है कि यक्षति एक क्रियापद है बिल्कुल यक्ष धातु का मतलब होता है देना ठीक है तो देने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है तो कर्तृपदम किम की मस्ती अलग अलग टूट के इसको एक ही साथ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं कर्तृपद पूछ रहा है तो कर्तृपद क्या हो जाएगा पिता यानी देने का काम कौन कर रहा है तो पिता कर रहा है उसके बाद है इति अर्थ है श्लोके सैसवे सैसवे का मतलब होता है शिशु तो शिशु की जगह इस श्लोक में क्या यूज किया गया है तो शिशु की जगह क्या यूज किया गया है तो बाल्य ठीक है सैसवे मतलब हो गया नहीं कहते शिशु शिशु मतलब एकदम छोटा बच्चा बचपन

अवगुण है कि गुण है तो, तो महत्व, महत्व तेपे। तेपे क्योंकि तो तेपे।, तेपे, क्यों तो तेपे का मतलब अभी आपको क्या बताया तप किया यानि काम क्या हो रहा है तो तप करना हो रहा है और तप करने का संस्कृत क्या होता है तेपे होता है तपह का मतलब तपस्या होता है अब स्टूडेंट अगला पूछ रहा है कि जनक अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्त यानी जनक के जगह इस श्लोक में क्या यूज किया गया तो आपको पता है जन, जनक का मतलब क्या होता है पिता फादर ठीक है और जो जैसे अभी हम सीतामढ़ी से आपको पढ़ा रहे हैं तो यह है जगत जननी माँ सीता का जन्मभूमि ठीक है तो माता जानकी और जनक मतलब पिता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पिता सही हो जाएगा क्योंकि श्लोक में पिता का यूज किया गया है तो पहला श्लोक हुआ फिनिश अब स्टूडेंट आगे बढ़ते दूसरे नंबर श्लोक पे दूसरा नंबर श्लोक पढ़ने से पहले आपको स्टूडेंट बताते हैं इसका शब्दार्थ तो अब कर्ता का मत, अब कर्ता का मतलब होता है सरलता यानी सिंप्लिसिटी वाची का मतलब होता है वाणी में तथ्यता का मतलब होता है वास्तव में और समतव्यम का मतलब होता है समानता तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि कभी कहना चाहते हैं कि अवकर्ता यथा चीते तथा वाची भवेद यदि यानी कि अवकर्ता का मतलब क्या हुआ सिम्प्लिसिटी यथा का मतलब क्या हुआ जैसी यानी कि जैसी सिंप्लिसिटी कहाँ हो चीते यानी कि मन में तथा वाची यानी कि वाणी में भवेद यदि अग कहने का मतलब है कि भवेद यदि का मतलब हुआ यदि यदि जैसी यानी यदि जैसी सरलता कहाँ हो तो मन में हो और वाणी में हो ठीक तदे बाहू महात्मा सम समत्वमीति तथ्यत तभी महात्मा जो लोग हैं वह उसको सच्चे रूप से समानता कहते हैं क्या अब इसको सिंपल भाषा में समझिए तो हम श्लोक तोड़ तोड़ के समझाएँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जितने भी महात्मा लोग हैं महापुरुष लोग हैं वह किस व्यक्ति को कहेंगे कि यह व्यक्ति एकदम सच्चा व्यक्ति है और एकदम एक समान व्यक्ति है वैसे व्यक्ति को ही कहेंगे जिसका मन में जैसा सिंप्लीटीसी सिंप्लिसिटी हो वैसा ही वाणी में हो वही व्यक्ति क्या है तो एक एक, एक समानता वाला व्यक्ति है मतलब कि एक जैसा वाला है कहने का मतलब ये नहीं कि जैसे नेता के तरह कि मन में क्या है जीतेंगे तो पूरा लूटेंगे और वाणी में वह क्या ये कर देंगे वो कर देंगे अपना किडनी बेच के रोड बनवा देंगे ठीक है तो वो लोग वो लोग एक समान लोग नहीं है क्योंकि उसका मन और वाणी दोनों अलग अलग है समझ रहे हैं तो उसको कभी महात्मा लोग ये नहीं कहेंगे कि एक समान व्यक्ति है तो इसलोक से यही शिक्षा दी जाती है कि आपको एक समान रहना है जैसी सरलता आपके मन में हो यानी सिंप्लिसिटी वैसे ही सरलता आपके कहा होनी चाहिए वाणी में तभी आप जो है क्या कहलाएंगे तो समतव्यम कहलाएंगे यानी कि एक समान व्यक्ति कहलाएंगे ठीक चलिए अब है अब आपको कराते हैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछ रहा है देखिए एक पदेन में पूछ रहा है कि तदेवाहु ठीक है तो के आहु मतलब कौन समानता को तय करता है तो यहाँ पर महात्मन यानी कि जितने भी महान लोग हैं महात्मा लोग ठीक है उनके वो जो है बताते हैं कि जैसी सरलता अगर किसी व्यक्ति के मन में है वैसे ही अगर वाणी में है तभी वो क्या है तो एक समानता वाला व्यक्ति है अब कर्ता कुत्र भवेत तो अब कर्ता का मतलब आपको क्या बताया स्टूडेंट सरलता तो अब कर्ता कुत्र भवेत यानी कि भवेत यानी कि अब कर्ता सरलता सिंप्लिसिटी कहाँ पे रहना है या कहाँ पे होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए तो चीते और वाची ठीक है तो ये इसका आंसर हो जाएगा चीते लिख दीजिएगा तो भी वाची लिख दीजिएगा तो भी लेकिन यहाँ पर दोनों जगह कहा गया श्लोक में तो आपको जो है दोनों लिखना जरूरी है उसके बाद है महात्मा किम आहु ठीक है तो महात्मा क्या डिफाइन करते तो महात्मा यदि अवकर्ता तथा चीते तथा वाची भवे समतव्यम समतव्यहू अगर जैसी सरलता यदि मतलब जैसी यदि यदि जैसी सरलता मन में हो चीते वाणी में हो तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह एक समान वाला व्यक्ति है उसके बाद है समतव्यम किम भक्ति यानी कि समानता क्या है समानता का मतलब ये हो ये नहीं हो गया कि एक ये इक्वल uh, टू समानता का मतलब हो गया कंपरिजन हो रहा है कि जैसी सरलता मन में हो वैसी ही वाणी में रहना चाहिए ये नहीं कि मन में कुछ और है आपके और बोल कुछ और रहे ऐसा नहीं तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि किसको आप कहेंगे कि एक समान है तो हम उसी को कहेंगे जिसका क्या हो मन और वाणी दोनों एक हो ठीक है तो बस लास्ट में जो है वो फॉर्मेट बदला दोनों आंसर लगभग सेम ही है उसके बाद है स्टूडेंट उसके बाद है स्टूडेंट आहु इति क्रियापद से कर्त पदम किम अस्ती तो इसका सिंपल हो जाएगा महात्मना ठीक है क्योंकि वही जो है बताते हैं कि कौन एक समान है वस्तुता इति अर्थ है श्लोक किम पदम प्रयुक्तम तो वस्तुता का मतलब अभी आपको बता सॉरी पूछ रहा है कि वस्तुता का जगह यहाँ पर श्लोक में क्या यूज किया गया है तो आपको बताए कि तथ्यता का मतलब क्या होता है वास्तव में और वस्तुता का मतलब क्या होता है वास्तव में यानी वस्तुता की जगह क्या यूज किया गया है तो तथ्यता यूज किया गया है अब देखिए आप में से पूछते रहते सर ये विलोम कैसे पता चलेगा तो यही प्रैक्टिस चल रहा है पता चलेगा क्योंकि बुक में और जितना बनने वाला था सब प्रैक्टिस करा ही दिए तो इसी समय से तो रहेगा तो चिंता नहीं कीजिए ठीक है वान्याम इति अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम तो क्या हो जाएगा वाची वान्याम मतलब बोली वाची मतलब ही बोली ठीक है

तो अपक्रता का यूज किया गया है यानी कि सरलता का यूज किया गया है ठीक है चलिए अब हम लोग चलते हैं श्लोक नंबर तीन में यहाँ पर स्टूडेंट अगला तीसरा नंबर श्लोक है श्लोक नंबर थ्री तीसरा नंबर है कि त्यकतवा धर्म प्रदान वाचम परुसाम पहले शब्दार्थ बता देते हैं अपक्वम का मतलब होता है कच्चा वाचम का मतलब वाणी को अभ्युदिरेत का मतलब होता है बोलना चाहिए तो यहाँ पर देखिए ओड वाला जो संधि है तो ये अकटके रेत बनेगा ठीक है विमोडी का मतलब होता है धर्म प्रदान का मतलब होता है धर्म को प्रदान करने वाली वाचम का मतलब वाणी में और का मतलब होता है स्टूडेंट मतलब कि त्यकवा धर्म प्रदान वाचम परुशाम यो रेत यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति ठीक है जो व्यक्ति त्यकतवा धर्म प्रदान यानी कि जो व्यक्ति कथवा धर्म प्रदान वाचम परुषाम यानी कि जो भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो क्या करता हो धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता आप देखते हैं बहुत लोग क्या रहता है कठोरी वाणी बोलता है सिर्फ गाली गलौज करता है तो उसी पे कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो क्या करे तो धर्म को प्रदान करने वाली वाचम यानी कि वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है ठीक है कैसा वाणी बोलता है तो परुशाम यानी कि कठोर वाणी बोलता है वह क्या है एक ऐसा मूर्ख है ठीक है एक ऐसा मूर्ख है जो परितज्य फलम पकबम कते ध्यान से देखिएगा परितज्य फलम पकबम कते पकबम विमुढ़ी मतलब वह एक ऐसा मूर्ख है बिमूढ़ी का मतलब वह मूर्ख ना समझ एक ऐसा मूर्ख उसको हम कहेंगे जो क्या करे तो परितज्य फलम यानी कि पके हुए फल को छोड़कर परितेज्य फलम पकवम यानी पके हुए फल को छोड़कर यानी परितेज्य यानी त्याग कर क्या करता है तो कच्चे फल को खाता है इस श्लोक का मतलब ये हो गया तो ये तोड़ तोड़ के समझ आए तो आप लोग को बहुत हद तक नहीं आया होगा अब सिंपल भाषा में समझिए कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि दुनिया का वो व्यक्ति जो हो सके थोड़ा बुद्धि वाला हो मतलब कि बुद्धि वाला नहीं हो अज्ञानी हो ठीक है विमूढ़ी हो कहने का मतलब ये है ध्यान से सुनिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को त्याग कर क्या बोलता है तो परुसाम वाणी बोलता है यानी कि कठोर वाणी बोलता है आप देखेंगे कुछ लोग एकदम गुस्से में रहेगा हमेशा जिसको मन उसको कुछ कुछ बोलता ही रहेगा तो वह एक ऐसा मूर्ख है कैसा मूर्ख तो जो पका हुआ फल को छोड़कर कच्चा फल खाए तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति के सामने आप कच्चा आम दिए पक्का आम दिए अगर वो कच्चा आम पकड़ लेता है तो आप क्या कहेंगे मूर्खे न जो पका हुआ फल छोड़कर कच्चा फल खा रहा है तो, उ, उ, तो आप उसको क्या कहेंगे मूर्ख कहेंगे तो जो धर्म को को प्रदान करने वाली वाणी यानी कि जो अच्छी बोली है उसको छोड़कर जो बुरा बोली बोलता है वो भी उतना ही बड़ा मूर्ख है भले वो कितना भी पढ़ा लिखा उससे कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब स्टूडेंट यही हुआ अब चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस तो एक पदेन मतलब वन वर्ड में कह रहा है कि बिमूढ़ी कृदिशम वाचम अभ्येत तो बिमूढ़ मतलब मूर्ख कृदिशम मतलब कैसा वाचम मतलब वाणी अभ्युदित का मतलब क्या हुआ अभी आपको बताएं। क्या हुआ बोलता है यानी कि विमूढ़ी यानी कि मूर्ख आदमी कैसा वाणी बोलता है तो धर्म प्रदान वाणी को छोड़कर बोलता है तो कैसा वाणी बोलता है तो परुशाम परुशाम वाणी बोलता है यानी कि कठोर वाणी बोलता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परुशाम हो जाएगा वाचम अभ्युदिरेत यानी परिमी मतलब जो मूर्ख है वह कैसे वानी यानी वाचम यानी कि कैसे बानी को यानी त्याग कर यानी कि कठोर बोलता है तो कैसे बानी को कर, तो वानी को त्याग कर तो धर्म प्रदान वाचम यानी कि धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को त्याग कर तो एक शब्द में लिखना है तो धर्म प्रदान लिखे ठीक है और यही इसको फुल सेंटेंस में भी पूछ सकता है तो आपको तब पूरा लिखना होगा के जगह धर्म प्रदान लिख दीजिए और बाकी बात वही उतार दीजिए फलम भोंकते क मतलब कौन अपक्वम मतलब पका हुआ फल को मतलब खाता है कौन खाता है तो यही जो है, यानि कि इंसान जो है वो खाता है तो हम लोग क्या खाता है तो बिमुढ़ी अपक्वम फलम यानी कि किम से है तो फलम खाता है फलम नहीं अपक्वम फलम देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ कि बिमुढ़ी जो है भूंगे अपक्वम तो श्लोक में इधर उधर आपको पता है श्लोक एक प्रकार का शायरी होता है तो शायरी में तो इधर उधर की बात की जाती है लेकिन आपको आंसर से सुटेबुल लिखना है भोंकते अपकवम यानी खाता है बिना पका हुआ फल तो आपसे पूछ रहा है कि क्या खाता है तो आप जो है अपने भाषा में लिखेंगे कि अपकवम फलम ठीक है चलिए अब हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं ठीक है, है? <coughs> यहाँ अनुस्वार दीजिए अपकवम फलम अब स्टूडेंट आगे है कि बिमुढ़ काम त्यकवा परुशाम वाचम यानी जो है किसको त्याग कर यानी कठोर वाणी बोलता है मूर्ख आदमी तो आपको पता है धर्म प्रदान धर्म दे दीजिए आंसर हो जाएगा ठीक है तो धर्म प्रदान वाचम त्यकत्वा परुशाम वाचम अभिद्रेत ये भी लिख सकते हैं नहीं तो इसके जगह धर्म प्रदान लिख दीजिए बस वो भी लिख सकते हैं कि विमुडी धर्म प्रदान धर्म प्रदान के बाद वाचम लगाना जरूरी होगा क्योंकि क्या धर्म प्रदान तो वाचम परुशाम वाचम अभिधिर तो ऐसे लिखेगा तो धर्म प्रदान वाचम त्यकत्वा लिखना जरूरी है उसके बाद है समझ गए ना अरे बउआ मान लो त्याग कर तो धर्म प्रदान तो धर्म प्रदान क्या तो वाचम वाचम को त्याग कर परुशाम वाचम अभिधिररे समझ गया विमूढ़ी फलम भोग विमूढ़ी कैसा फल खाता है तो फलम भूख कि बिमुडी जो है बिना पका हुआ फल खाता है किम, करते? यानि कि क्या, किम, किम मतलब क्या? मतलब क्या कर अपक् पकवम फल यानी कि पका हुआ फल को छोड़कर अपक् हुआ फल खाता है ठीक है चलिए उसके बाद पूछ रहा है कि उसके बाद पूछ रहा है कि यह कर्त पद से क्रिया पदम किम तो यहाँ पर क्रियापद तो एक ही है कि अभ्युदिरेत यानी कि बोलना चाहिए कर्तृपदे क्रियापद से क्रियापद है इसका कर्तृपद क्या है तो विमूढ़ी यानी खाने का, का काम कौन कर रहा है तो विमूढ़ी कर रहा है परितेज्य अर्थे श्लोके किम प्रयुक्तम परितेज्य के जगह श्लोक में क्या यूज किया गया है तो परितेज्य के जगह किया गया है त्यकत्वा कैसे पता चला सर तो देखिए ठीक है परितज नहीं हाँ परितेज्य का मतलब हुआ भी त्याग छोड़ कर समझे बात को जी सर और त्यकत्वा का मतलब हुआ त्याग कर तो दोनों एक ही है तो वही पूछा जाए तो वही लिखिएगा कि परितेज्य अर्थे श्लोके ये भी पूछ सकता है बात बदल के कि परितेज्य इति अर्थे श्लोके किम पर्याय पर उत्तम यानी परितेज्य के जगह बताओ तो बउुआ श्लोक में पर्याय वाची भी उसका यूज हुआ है तो त्यकत्वा लिखिएगा यही तो हुआ स्मार्टनेस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा भी सकता है लेकिन आपको घूमना नहीं है सब एक बात ध्यान में रखिएगा जो भी क्वेश्चन आया है उसको कहीं ना कहीं वीडियो में हम पढ़ाए ही होंगे ठीक है और सब्जेक्ट का तो नहीं पता लेकिन संस्कृत का हम बता रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आया होगा उसका वीडियो में कहीं ना कहीं जिक्र होगा जैसे यहाँ पर देखिए परितज्य का मतलब भी हुआ त्याग कर छोड़ कर और सॉरी परित्यज्य का मतलब हुआ छोड़ कर और त्यागत्वा का मतलब हुआ त्याग कर दोनों एक ही बात है तो पूछ सकता है कि परितज्य पूछ सकता है क्या पूछ सकता है पूछ सकता है कि इति अर्थे श्लोक के किम पर्याय पर उत्तम यानी के जगह श्लोक में क्या पर्याय वाची है तो, भी, तो धर्म या परुशाम ठीक तो ये दोनों में से कोई लिखेगा सही होगा वाचम मतलब वाणी तो वाणी की विशेषता श्लोक में क्या है तो दो ही वाणी तो एक धर्म को प्रदान करने वाली तो वाणी की विशेषता है धर्म प्रदान वाणी तो वाणी तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है वाचम और एक है आपको परुशान तो वो लिख देना है अपक्वम फल मात्र हुआ न पका हुआ तो, मतलब तो ये हो गया विशेषण क्योंकि इसका गुण है अब फलम यानी क्यों विशेष बाद में रहता है और ये भी टेक्निक है ऐसे भी पता कर सकते हैं कि फलम जो है वो क्या है फल विशेष्य है क्योंकि इसकी विशेषता है कि वो बिना पका हुआ, तो पका हुआ है तो बिना पका हुआ अपक्वम विशेषण है तो विशेष्य फलम हो गया कठोरमित्ती अर्थ है किम परम तो कठोरम के जगह यहाँ पर क्या यूज किया गया परुषान वदेत इति अर्थे सलोके किम पदम प्रयुक्तम तो अभ्युदिरेत वदेत मतलब हुआ बोलना अभ्युदिरेत का मतलब भी हुआ बोलना पकबम का विलोम क्या होगा श्लोक में तो अब होगा चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे श्लोक पे चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं चौथे श्लोक पे तो वाक पटु का मतलब होता है बातचीत में चालाक तो यह जो है अगला नेक्स्ट श्लोक का है ठीक है ये मतलब कि श्लोक नंबर सिक्स का वर्ड मीनिंग है तो वो उस समय पढ़ाएंगे ऐसे जान लीजिए अभी ये तो पढ़ाने वाले हैं वार्तालाप में चतुर यानी कि बातचीत में जो चलाक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे वाकपटु उसको कहते हैं आदमी को नहीं मतलब उस शब्द को संस्कृत में छक्षुस मंत्र का मतलब होता है नेत्रों से युक्त यानी कि हैविंग आइज वदने का मतलब होता है मुख पर यानी कि फेस ऑन द फेस ते का मतलब वे चक्षु न मानी का मतलब नाम मात्र की आंखें और मते का मतलब मानी गई है तो इस श्लोक का मतलब स्टूडेंट क्या है इस श्लोक का मतलब यह है स्टूडेंट कि प्रकृति किता का मतलब होता है कहे गए हैं ठीक है तो कहने का मतलब यह कि विद्वांस एव लोके स्मिन मन्ता प्रकृति अर्ता तो लोके का मतलब क्या हो गया संसार में विद्वानस का मतलब क्या हो गया विद्वान व्यक्ति एव का मतलब अबे मैं आपको क्या बताया ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि विद्वान व्यक्ति के पास ही ठीक है या पास ही नहीं विद्वान व्यक्ति ही क्या कहे गए हैं तो चक्षुष मंत यानी कि आंख वाले कहे गए हैं कहाँ पे तो इस संसार में ठीक एक बात ध्यान में रखिएगा श्लोक में जो है स्टूडेंट शब्द इधर उधर करके कभी लिखते हैं क्योंकि तो आपको पता है कि श्लोक जो है तीसरे दुनिया का रहता है कहने का मतलब है जैसे अभी इंस्टा पे चल रहा है नया नया साड़ी तुम मुझे मिले तो नहीं तो ये जैसे गाना आता है लगे चार सौ चालीस वोल्ट छूने से तेरे तो यह एक फीलिंग है इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि छू देगा तो चार सौ चालीस वोल्ट का झटका लगेगा तो वही है इसको समझना होगा तोड़ तोड़ के तो विद्वान सब यानी कि विद्वान ही लोकेश मीन मतलब इस संसार में चक्षुष मंत यानी कि आंख वाले प्रकृतियरता कहे गए हैं यानी कि जो व्यक्ति दुनिया में विद्वान है उसी के पास आँख है अन्य शाम बदने ये अन्य शाम बदने ये तूते चक्षु नारमानी मते और जितने भी एक्स्ट्रा लोग बच गए विद्वान के अलावा ठीक है अन्य साम का मतलब हुआ दूसरों, वदने का मतलब हुआ मुख पर और जितने भी दूसरे व्यक्ति के मुख पर क्या है तो यह चक आँख है वह क्या है तो भाई वह आंख चक्षु चक्षु नारमणी है यानी कि नाम मात्र की आंखें मानी गई है समझे कहने का मतलब यह है फूल श्लोक का मतलब स्टूडेंट कि दुनिया में भाई आंख उसी के पास है जो विद्यमान है और जो अनपढ़ है पढ़ा लिखा नहीं है उसका आंख बस नाम मात्र का है अब समझिए इसको बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट अभी मान लीजिए कि हम जो है आपको पाँच हजार रुपये उधार दिए ठीक है पांच हजार रुपये आपको हमने उधार दिया ठीक कोई दिक्कत नो सर और हमने कहा कि यहाँ पर साइन कर दीजिए ठीक है कि आपको हमने पाँच हज़ार रुपये उधार दिए हैं या अंगूठा का चिन्ह लगा दीजिए तो आप क्या करेंगे इस पे अंगूठा का चिन्ह यहाँ पर अपना लगाने जाएंगे सबूत के तौर पे कि हाँ इनसे हमने पाँच हज़ार दिया है और हम एक जीरो और बढ़ा देंगे और आप फिर भी जो है अपना क्या करेंगे अंगूठा का चिन्ह लगा देंगे तो आपके पास देखिए आँख है आँख है फिर भी आप इसको नहीं देख पा रहे हैं ठीक है तो बस वो आपका आंख किस काम का बस नाम मात्र का है लेकिन वहीं पे आप पढ़े लिखे हैं आप विद्वान हैं आप तुरंत कहेंगे कि सर आपने तो पाँच हजार रुपये दिए यहाँ पे सर आपने पचास हजार क्यों लिख दिया तो अब उसी आंख से देख के पता कर लिया कि नहीं क्यों क्योंकि आप विद्वान हैं आप पढ़े लिखे हैं ठीक है तो यही कहा गया कि जो विद्वान है उसी के पास आंख है बाकी के पास तो ऐसे ही नाम मात्र के लिए अंग्रेजी हुकूमत क्या करती थी कि किसानों को दो हजार रुपये दी लोन और लिख और दस्त करा लिया कि हाँ भाई अंगूठा लगवा लिया कितना पे तो बीस हज़ार है दिए हैं तो क्या किसानों के पास आंख नहीं होता था आंख होता था लेकिन बेचारे पढ़े लिखे विद्यमान नहीं थे इसलिए उनको ये दिक्कत होता था इसीलिए कहा गया है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है और जो पढ़े लिखे हैं लिखे उन्हीं के पास आँख है बाकी बाद के पास ऐसे ही नाम मात्र के लिए है चलिए स्टूडेंट अब जो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं ठीक है और कराते हैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर तो के अर्था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है तो सर क्वेश्चन काट दीजिएगा नहीं उतना मिस्टेक नहीं है बस यहाँ पर छूटा है यही चक्षुस मंत ये वाला जो है चक्षुष मंत जो है ये छूट चुका है ये वाला ठीक है तो कह रहा है कि कौन चक्षुष मंत प्रकृतियर्ता तो प्रकृतियर्ता का मतलब हुआ कहे गए हैं चक्षुष मंतव यानी आंख वाले यानी कौन कहे गए हैं तो जो विद्वान है वही कहे गए हैं तो क्या हो जाएगा विद्वानस इसका आंसर हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नो सर ठीक यहाँ पर ये विसर्ग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है उसके बाद है विद्वानस कथम प्रकृति प्रकृतियर्ता ठीक है तो क्वेश्चन में विसर्ग लगा भी देगा कभी नहीं भी लगाएगा तो घबराइएगा नहीं श्लोक आपको ऊपर देगा अगर श्लोक में लगा के दिया है तो आंसर में भी लगा दीजिएगा तो मान लीजिए श्लोक में लगा के ही दिया है तो विद्वानसा कथम अर्था ठीक है तो विद्वानसा कथम अर्था यानी विद्वान कैसे कैसे कहे गए हैं ठीक है तो कैसे कहे गए हैं तो चक्षुष मंत्र मतलब कि जिनके पास आंख है वही कहे गए हैं तो चक्षुष मंत्र हो जाएगा कुत्र विद्वानसाह चक्षुष मंत्र अर्था कुत्र मतलब कहाँ विद्वान मतलब कहाँ कु विद्वांस चक्षुष मंत्र अर्था यानी कि कहाँ पर विद्वान आंख वाले कहे गए हैं तो आपको क्या श्लोक में बताया लोकेशमिन यानी कि इस संसार में तो क्या हो जाएगा अस्मिन लोके अर्था लोक मतलब होता है संसार ठीक है तो अस्मिन काट के लिखेगा लोके यानी कि इस लोक में इस संसार में केसाम बदने यु तुचे चक्ष मते यानी किसके वदने मतलब मुख पे बस नाम मात्र की आंखें हैं तो जो अन्य है जो मतलब क्या है तो जो बेचारे दूसरे हैं मतलब कौन दूसरे तो जो विद्वान के अलावा अन्य शाम का मतलब होता है दूसरे के मुख पे क्या है तो बस नाम मात्र की आंखें हैं स्टूडेंट अन्य अन्य यानी यानी कि जो दूसरे है उनके मुख पर किम न मानी का मतलब होता है नाम मात्र अतें मतलब मानी गई है क्या नाम मात्र मानी गई है तो बस आपको पता है ना चक्षु यानी आंख तो दोनों को मिलाकर क्या लिखा गया है चक्षु नरमानी हो गया कोई दिक्कत है नो सर अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भाषिक गाने में और क्वेश्चन आंसर ठीक करने चलिए भाषिक कार्य में क्या है विद्वांसा एवं चक्षुष मंत प्रकृति अर्था अत्र क्रियापदम किम तो इसका मतलब क्या हुआ चक्षुष मंत मतलब आँख वाले विद्वानसा मतलब विद्वान एव मतलब ही तो क्रियापद एकदम प्रकृतियर्था यानी कि माने गए हैं तो यहाँ पे मानने का काम हुआ है अगर पूछता अत्र अव्यय पदम किम कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बताओ तो यहाँ पे अव्यय क्या है तो अव्यय में आपको पढ़ाए हैं कि एव का मतलब होता है ही ये अव्यय है तो आप एव लिखते मुखे इति किम पदम मुख के जगह श्लोक में क्या यूज किया गया है तो वदने का यूज किया गया है ठीक है वादने मतलब वो घटका वाला नहीं ये वदने है लोके अस्मिन अत्र विशेष्य पदम किम ठीक है लोके अस्मिन अत्र विशेष्य पदम किम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लोके हो जाएगा ठीक है लोक विशेष है यानी कि लोक की विशेषता होगी लोक मतलब संसार की विशेषता होगी कि संसार कैसा है तो इस समय विशेष से आगे चल रहा है इति किम पदम नेत्रवंतलो कि नेत्रवंता मतलब आंख वाले तो चक्षुष मंत्र मतलब आंख वाले तो यहाँ पर इसका जो है चक्षुष मंथ यहाँ पर यूज किया गया है उसके बाद है मूर्खा के जगह यहाँ पर विलोम क्या यूज किया गया है तो मूर्खा के जगह एकदम क्या यूज किया गया है तो विद्वान विद्वान यूज किया गया तो इसका विद्वान सर तो आप ये लिख दीजिए श्लोक में विसर्ग नहीं लगा है तो यहाँ भी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं स्टूडेंट अब चलिए चलते हैं पांचवें नंबर श्लोक पे तो यह है कि यथ प्रोकत ये किन्नापी तस्वार्थ निर्णय कर तुम सक्यो भव देन स्विवेक की रीति तो सबसे पहले देख लीजिए येन किन्नपी का मतलब होता है ठीक है ये येन किन्नपी का मतलब होता है जिस किसी के भी द्वारा ठीक है जिस किसी के भी द्वारा उसके बाद इ, इरीति का मतलब होता है कहा गया परिभुएते का मतलब होता है अपमानित किया जाता है यथ पुरखोत्तम का मतलब होता है जो कुछ कहा गया हो त्वार्थ का मतलब होता है वास्तविक अर्थ इति का मतलब होता है इस प्रकार इ का मतलब कहा गया आपको बताएं कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि यथ पुरोत्तम तो यथ पुरुकोत्तम तो का मतलब क्या हुआ जो कुछ कहा गया है ठीक है जैसे हम आपको बोले अभी पढ़ना है तो यथ पुरखोत्तम यानी जो कुछ कहा गया है येन के नापी यानी जिस किसी के द्वारा तस्य मतलब उसका त्वार्थ 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 मतलब वास्तविक अर्थ निर्णय कर तुम सक्यो यानी कि जो निर्णय करते हैं भवदेन विवेक इति रीति वह क्या है तो एक क्या है विवेक है समझे एक बार और सिंपल में समझिए श्लोक इस बार आप लोग को तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अभी तोड़ तोड़ के समझाएंगे तो फिफ्टी आएगा फिर लास्ट में कंपाइल करके अभी बताने वाले हैं तो आपको सब आएगा कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि योत्को यानी जो कुछ कहा गया है येन के नापी यानी कि जिस किसी के भी द्वारा तस्य त्वार्थ निर्णय अगर उसका आप डिसीजन लेते हैं कर तुम सक्यो भव देन इति रीति और वो क्या है एक प्रकार का विवेक है ठीक है तो यही कहा गया है कि कोई भी कुछ भी कहे जो किसी के द्वारा कुछ कहा जाए और उसका जो आप निर्णय करते हैं मतलब उसका जो आप डिसीजन लेते हैं वह क्या है एक प्रकार का विवेक है ठीक है और उसका जो रियल अर्थ है उसका जो रियलिटी है वह मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है उसे ही हम लोग विवेक कहते हैं कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी हमने आपको कहा कि पढ़ना है अब आप लग गए पढ़ने में तो आप उसका वास्तविक अर्थ समझे ना कि हाँ सर बोल रहे हैं पढ़ना है क्यों भाई क्योंकि नंबर लाना है मार्क्स लाना है अच्छा पढ़ेंगे तभी ना अच्छा आदमी बनेंगे तो रियल अर्थ भी आप समझ लिए अब आपका दिमाग डिसीजन लिया कि भाई अब पढ़ना है तो यही जो डिसीजन लिया गया ये किस पे लिया गया तो विवेक पे लिया गया यानी कि अपना एक आपका विवेक है एक नेचर कह सकते हैं इसको ठीक है चलिए तो कुल मिलाकर स्टूडेंट विवेक हम लोग किसको कहेंगे तो वही आपके इसका भाव क्या निकला तो यही निकला कि आप अच्छे बुरे का जो डिसीजन लेते हैं वह आप अपने विवेक यानी बुद्धि से ही लेते हैं तो किम कर तुम शक्य भवेद तो सिंपल है इसका क्या हो जाएगा त्वार्थ निर्णय उसके बाद है किम इति तो सह किमी रीति का मतलब क्या बताए क्या बताए कहा गया है तो किसको इस प्रकार कहा गया है तो विवेक को इस प्रकार कहा गया है उसके बाद है विवेक इति कह रीति इ रीति तो इ रीति का मतलब क्या है कहा गया है तो विवेक विवेक को इस प्रकार क्या कहा गया है तो विवेक को कहा गया है कि निर्णय उसका वास्तविक अर्थ किसी भी चीज का जानना और उसका निर्णय लेना ही विवेक कहा गया है कसार्थ निर्णय सक्यो भवेत यानी कैसा निर्णय कैसा डिसीजन ठीक है कैसा तौर्थ, तौर्थ का मतलब होता है वास्तविक अर्थ रियल अर्थ तो कैसा तो भाई ये नापी यत यानी कि जो कुछ किसी के भी द्वारा कहा गया हो या किसी के द्वारा जिस किसी के द्वारा या जो कुछ कहा गया हो मतलब जिस किसी के भी द्वारा कुछ भी कहा गया है उसका जो डिसीजन त्वार्थ निर्णय मतलब उसका जो वास्तविक अर्थ आप जानते हैं और फिर फैसला लेते हैं वही क्या है तो विवेक है तो वही हमने यहाँ पर लिखा कर्तुम सक्यो भवदेन अत्र क्रियापदम किम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भवेत हो जाएगा उसके बाद है कथित इति अर्थिक क्रिया अर्थिक किम पदम प्रयुक्तम कथित कथित के जगह पर यहाँ पर क्या प्रयुक्त किया गया है तो यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है ई रीत इ रीत का मतलब क्या हुआ कहा गया है और कथित मतलब क्या होता है कहा गया है दोनों का मतलब एक ही है स्विवेक अत्र विशेष पदम किम तो आपको पता है विशेष किसका होगा तो विवेक का होगा तो विशेष से क्या हो गया विवेक हो गया उसके बाद है अनुकतम का विलोम यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर अनुकतम का विलोम है प्रोकतम ठीक है ऐसे भी विलोम मिलता है अनुकतम तो प्रोकथम तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिख दिया अब यहाँ पर स्टूडेंट अगला चलते हैं छठे श्लोक में तो छठे श्लोक में चलते हैं तो ये तो पहला का ही दे दिया है पिछला श्लोक का तो इसको हटा दीजिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग आपको बताते हैं वाकपटु का मतलब होता है वाणी में कुशल मतलब जो अच्छा बोलता हो परिभुवते का मतलब होता है अपमानित किया जाता है अकात्रा का मतलब होता है निर्भीक ठीक है पैरे का मतलब होता है शत्रुओं द्वारा मंत्री का मतलब होता है परामर्श देने वाला तो आपको पता है कि राजा होता है जैसे आजकल के राजा कौन है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है और उनके जो मंत्री है वह परामर्श देते हैं मतलब उनको सजेस्ट करते हैं जैसे पहले वो जोधा अकबर सीरियल सब में वो सब मंत्री सब रहता था ना बीरबल जी अदगा साहब कौन कौन सब तो वो सब कैसे सजेशन देता था तो मंत्री का असली मकसद वही होता है तो इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है स्टूडेंट कि वाकपटू धैर्यवान मंत्री सभा कात्र तो यहां पर देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट पय के बाद अकात्र अलग है तो अकात्र का मतलब क्या होता है निर्भीक यानी वाकपट धैर्यवान ठीक है वाकपटु धैर्यवान तो वाकपटु का मतलब क्या हुआ वाणी में कुशल यानी कि जो बोलने में क्या हो तो कुशल हो यानी कि वाक्य पटु हो धैर्यवान हो मतलब कि धैर्य धैर्यशाली हो कुछ लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रहता लेकिन वैसा व्यक्ति जो बोलने में अच्छा हो धैर्यशाली हो ठीक है धैर्यशाली हो मतलब कि उसके अंदर पेशेंस हो ठीक सभायाम सभायाम पे यानी कि सभा में क्या तो निर्भीक होकर ठीक है अकात्र यानी कि निर्भीक होकर यानी किसी भी सभा में उसको खड़ा कर दिया जाए तो एकदम लीडर होकर क्या दे तो मंत्री यानी कि अपना परामर्श देने वाला होता है शह के नापी प्राकृण वह कभी भी के नापी मतलब कभी भी कभी भी कोई मामला में क्या हो सकता है हारा नहीं जा सकता है या वह कोई भी मामला में परिभु यानी कि अपमानित नहीं किया जा सकता है या उसको कोई हरा नहीं सकता है उसको कोई इंसल्ट नहीं कर सकता है समझे कहने का मतलब यह है स्टूडेंट इस श्लोक के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति जो बोलने में क्या हो तो कुशल हो मतलब मंत्री की तारीफ की जा रही है कि मंत्री कैसा होना चाहिए राजा के दरबार में तो ऐसा होना चाहिए जो बोलने में कुशल हो पेशेंस हो और किसी भी सभा में वह निर्भीक होकर निडर होकर कुछ परामर्श दे परामर्श का मतलब हुआ मंत्री का काम ही होता है सजेशन देना दरबार में आप राजा महाराजा वाला सीरियल में देखते हैं दरबार में मंत्री सब उठ उठ के सजेशन देता था ना जी सर वो चंद्रगुप्त मौर्य का भी सीरियल चलता था उसमें आप देखते थे <coughs> देखते थे कि सजेशन देते थे ना मंत्री सब जी सर तो वैसा मंत्री को कभी भी कोई हरा नहीं सकता है देखते थे आचार्य चाणक्य को कभी कोई हरा देता था नहीं क्यों क्योंकि आचार्य चाणक्य बोलने में कुशल थे ठीक है और उन वो पेशेंस था उनके अंदर ठीक और कहीं भी नीडर होकर बोलते थे उनको कोई भी अपमानित नहीं कर सकता है कभी भी व्यवहार नहीं सकते पैरे न पड़ी भूवते यानी कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि कौन पराजित पैरे का मतलब हुआ शत्रुओं तो कौन शत्रुओं के द्वारा तिरस्कृत तिरस्कृत का मतलब हुआ इंसल्टेड या पराजित नहीं किया जा सकता है तो वही जो वही व्यक्ति जो कौन है तो मंत्री है यानी कि जो परामर्श देने वाला है वो कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है मंत्री के न परिभुवते परिभुवते का मतलब क्या पराजित होना या तिरस्कृत करना तो मंत्री जो है के न परिभुवते तो पैरे पैरे मतलब हुआ शत्रु यानी मंत्री किसी से पराजित न न का मतलब हुआ नहीं नहीं हो सकता है किसी से अपमानित नहीं हो सकता है तो किसी से तो भाई किसी से बताएं अभी बताएं आपको किसी से पैरे यानी कि दुश्मन से उसके बाद है पटु धैर्यवान मंत्री कुत्र भक्ति यानी कि जो मंत्री वाक्य पटु धैर्यवान यानी बोलने में कुशल हो धैर्यशाली हो वह कुत्र अकात्रा, यानि कि नीडर होकर कहां पे बोल सकता है तो सभायाम यानी कि बीच सभा में उसके बाद एक किसी मंत्री पैरे ना परिभूत कैसा मंत्री शत्रुओं से पराजित या इंसल्टेड नहीं हो सकता है तो वाक पटु धैर्यवान ऐसा मंत्री जो बोलने में कुशल हो सभायाम सभायाम पर अकात्र यानी कि किसी भी सभा में अकात्र यानी कि निर निर्भीक होकर बोले च मंत्री पैरे न पड़ी हुए थे तो आपको पता है च का मतलब होता है और यानी कि वाक्य पटु धैर्यवान और सभायाम तो आपको पता है कि संस्कृत में और में च बाद में लगता है हम बताए भी हुए कितना बार तो वे इसलिए च मंत्री पैरे ना पड़ी हुए उसके बाद है स के नापी पैरेन पैरेन किम तो क्रिया पद का मतलब होना, काम होना क्या है ये अन्य किम श्लोके मतलब भी यहाँ पर स्टूडेंट दुश्मन हुआ यानी शत्रुओं के द्वारा उसके बाद है धैर्यवान मंत्री अत्र विशेषण पदम किम तो मंत्री मंत्री की विशेषता क्या है तो धैर्यवान है तो धैर्यवान विशेषण और मंत्री विशेष धैर्वान कातरा इति पद से विलोम पदम किम प्रयोग कात्रा के जगह क्या यूज किया गया तो ये सब कॉमन है आप में से कुछ स्टूडेंट पूछते रहते सर कैसे पता चलेगा नहीं बुआ ये सब कॉमन दिमाग लगा दीजिएगा पता चल जाएगा और सिम उसी में जितना क्वेश्चन आंसर आठ सौ क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे पूरा सब कुछ मिला के ठीक है तो कोई दिक्कत है कात्रा का कातरा का क्या हो जाएगा कात्रा हो जाएगा बन गया कोई दिक्कत अब चलिए सातवा पे चलते हैं स्टूडेंट यहाँ पर देखिए शांति से अब सात सातवा नंबर श्लोक आपको बताते हैं देखिए इसमें क्या है सबसे पहले शब्दार्थ सब जान लीजिए श्रेय का मतलब होता है कल्याण प्रभ्य का मतलब होता है दूसरों के लिए अहितम का मतलब होता है बुरा अकल्याणकारक कुरयात का मतलब होता है करे आत्मना मतलब अपने लिए प्रभितानी का मतलब होता है अत्याधि कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि यह इच्छा त्या आत्मना श्रेय प्रभु प्रभुतानी सुखानी च कहने का मतलब ये है स्टूडेंट पर्भुत, मतलब कि जो आत्मन का मतलब क्या हुआ अपने लिए श्रेय का मतलब क्या हुआ कल्याण प्रभुतानी का मतलब क्या हुआ बहुत ज्यादा यानी जो भी व्यक्ति अपने लिए क्या चाहता हो तो बहुत ज्यादा क्या चाहता हो तो सुखानी चाह यानी कि बहुत अत्याधिक सुख चाहता हो मतलब आप देखते दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अगर एक मोटरसाइकिल है तो चाहेंगे दो हो दस हो पचास गाड़ियां हो तो कह रहा है कि यह या इच्छतया मना यानी कि जो व्यक्ति जो अपने लिए क्या चाहता हो तो बहुत सारा श्रेय श्रेय का मतलब है कल्याण चाहता हो प्रभुतान यानी बहुत ज्यादा सुख चाहता हो न कुर्याद हितम कर्म कदापि च उसको सजेशन दिया गया है वह कभी भी प्रभ्य यानी कि दूसरों के लिए क्या करे तो अहितम यानी कि बुरा कदापि च यानी कि कभी न न कदापि च यानी कि कभी भी न करे तो इस पूरे श्लोक का मतलब हो गया कि जो भी व्यक्ति अपने लिए क्या चाहता है आत्मना तोर तोड़ के पढ़िए जो अधिक श्रेय चाहता है यानी कल्याण चाहता है प्रभुतानी यानी बहुत अधिक सुख चाहता है उसको कभी भी कुरियात का मतलब होता है यहाँ पर करें देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे टूटेगा ना संधि तो प्रथम तृतीय का पढ़ा है ना तो ऐसे त तो वाला टूटेगा और प्लस में अहितम समझिए इस प्रकार से स्टूडेंट टूटेगा देखिए कुरियात कुरियात प्लस अहितम ऐसे टूटेगा समझ गए तो कुरियात का मतलब हुआ करे और अहितम का मतलब हुआ किसी के हित में न हो तो कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने लिए बहुत ज्यादा सुख चाहते हैं वह कभी भी कुरियात मतलब ऐसा काम न करे जो क्या हो तो दूसरे के हित के लिए न हो मतलब कि ये नहीं कि अपना सुख और अपना समृद्धि पाने के लिए दूसरों के लिए हम क्या करें तो परे यानी कि दूसरों के लिए हम क्या कर दें तो अहित कर दे अहितम का मतलब हुआ बुरा कर दें तो अपना सुख चाह रहे हैं आप तो अच्छी बात है अपना डेवलपमेंट कीजिए अब ये नहीं कि अपना अगर पाँच कट्ठा में मन है मकान का तो अगल बगल वाला के कब्जा कर लिए तो आप, आपका आप तो कल्याण हो गया लेकिन आप दूसरा का क्या कर दिए अहित कर दिए तो ये कहा गया कि अपना सुख चाहते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन कभी भी अपने सुख के लिए बुरा काम नहीं करना चाहिए ठीक है यहाँ पर स्टूडेंट है कि देखिए क्या है कर्म न यानी कैसा कर्म नहीं करना चाहिए तो कैसा कर्म तो देखिए कुरियात अहितम आपको बता नहीं संधि टूटेगा कुरियात अहितम कर्म यानी कि अहितम कर्म यानी कि तो सर कुरियात अहितम नहीं लिखेंगे नहीं कुरियात मतलब हुआ करना अहितम कर्म कर्म कैसा नहीं होना चाहिए तो अहितम नहीं होना चाहिए यानी इसका क्या हो जाएगा अहितम हो जाएगा ठीक है ये ये काट दीजिए तो क्या हो जाएगा अहितम हो जाएगा यानी हमें कभी भी अहितम कर्म नहीं करना चाहिए केभ्य न कुर्यात तो इसका क्या हो जाएगा परिभ्य यानी केभ्य मतलब किसके लिए नहीं करना चाहिए तो परिभ्य यानी कि दूसरों के लिए अब एक वाक्यन है एक वाक्यन का मतलब हुआ ब हुआ पूर्ण वाक्यन आ एक पदेन मतलब वन वर्ड इसको पूर्ण वाक्यन भी कहते हैं कहते क्या आपसे पूर्ण वाक्य नहीं पूछेगा ठीक है तो आप घबराइए नहीं पूछ रहा है क अहितम कर्म न कुरियात ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा य आत्मन श्रेय प्रभुतानी सुखानी चय क्षति अहितम न कुरियात कहने का मतलब यह है कि कौन को अहितम कर्म नहीं करना चाहिए ठीक है कि किस लिए अहितम कर्म नहीं करना चाहिए कह का मतलब किस लिए नहीं करना चाहिए तो अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए दूसरों का हित मनुष्य की इच्छति मनुष्य की क्या इच्छा होती है तो मनुष्य का इच्छा क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रभुतानी सुखानी क्षति यानी कि क्या हो उसको बहुत ज्यादा श्रेय श्रेय मतलब उसका कल्याण हो लेकिन उसका मेन मोटिव रहता है प्रभुतानी सुखानी यानी कि प्रभुतानी मतलब अत्याधिक और सुखानी मतलब सुख हो कस्य श्रेय इच्छति कैसा श्रेय इच्छति तो आत्मनिय श्रेय क्षति कस्य मतलब कैसे श्रेय इच्छति मतलब कैसा श्रेय मतलब कल्याण कैसा कल्याण चाहता है मनुष्य तो कैसा कल्याण चाहता है तो आत्मना श्रेय इसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा मतलब कि अपना कल्याण चाहता है ठीक है उसके बाद है इति यर्तृपद से क्रियापदम किम कर्तृपद से क्रियापदम किम तो कह रहा है कि य जो है एक कर्त पद है तो हाँ य का मतलब हुआ जो जो करता हुआ तो उसका क्रियापद क्या है तो ये क्षति य का काम क्या है तो यहाँ पर इच्छा डालता है ठीक है इति क्रियापद से कीम क्या है देखिए अहितम कर्म स तो कुरियात इति क्रियापद से कर्त तो कित अहितम कौन कर रहा है तो उसको वह को नहीं करना चाहिए दूसरे के लिए तो स जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्तृपद हो जाएगा उसके बाद है यहाँ पर बउवा यहाँ पर स में विसर्ग होना चाहिए वह ठीक है उसके बाद है इति अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तमिभ्य के जगह यहाँ पर क्या यूज किया गया है तो यहाँ पर प्रभ्य यूज किया गया है ठीक है का मतलब होता है अन्य के लिए और प्रभ्य का मतलब दूसरों के लिए तो अन्य मतलब वही एक्स्ट्रा के लिए प्रिभ्य का मतलब दूसरा के लिए तो बात वही है सुखानी इति पद से विशेषण पदम किम अस्ती सुखानी का विशेषण क्या है तो सुख यहाँ पर कैसा है तो प्रभुतानी यानी कि अत्याधिक है तो सुख सुख सुखानी जो है ये विशेष हो गया कैसे सर तो सुखानी की विशेषता होगी कुछ ना कुछ तो श्लोक में सुखानी की क्या विशेषता है कि यानी सुख अत्याधिक, अत्याधिक यानी बहुत ज्यादा है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है तो प्रभुतानी कम ज्यादा ये क्या विशेषता होगी किसी की तो विशेषण और सुखानी क्या है विशेष तो यहाँ पर विशेषण पूछ रहा है तो आपको प्रभुतानी देना है प्रभुतानी सुखानी दोनों साथ लिख दे तो लास्ट वाला विशेष पहले वाला विशेषण अहितम कर्मत्र विशेष पदम किम तो अहितम कर्म तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा ठीक है कर्म की विशेषता क्या है तो अहितम नहीं होना चाहिए कर्म की विशेषता क्या है किसी के हित में होना चाहिए तो ये जो है विशेषज्ञ तारीफ़ है

प्रथमा का मतलब पहला वचन का मतलब वचन प्राणव्यपि का मतलब प्राणों से भी विशेषता का मतलब होता है विशेष रूप से तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि आचारो प्रथमो धर्म यानी कि आचार का मतलब हुआ खाने वाला आचार नहीं आचार का मतलब हुआ सदाचार डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन सबसे पहला धर्म है ठीक है इस श्लोक के थ्रू आपको बताया गया है कि जो डिसिप्लिन होता है वो सबसे पहला धर्म होता है ठीक है और सॉरी <स्> इतिये तद इसका मतलब हुआ कि ऐसा विदुषाम वचन ऐसा विदुषाम यानि कि जो विद्वान है उनका कहना है उनका वचन है तो जो डिसिप्लिन है वो सबसे पहला धर्म है ऐसा विद्वानों का कहना है तस्माद रक्षे रक्षेत सदाचारम प्राणभपी विशेषता और तस्माद रक्षेत यानी कि तस्माद रक्षेत यानि तस्माद का मतलब हुआ क्या कि इसलिए रक्षेत सदाचारम ये इसलिए हमें क्या करना चाहिए सदाचार का रक्षा करना चाहिए प्राण यूपी विशेषता प्राणों से भी बढ़कर कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन न जाए वही बताया गया है कि आचार आचार यानी कि डिसिप्लिन आपका सबसे पहला धर्म है और यह विद्वानों का वचन है और हमें डिसिप्लिन की रक्षा करनी चाहिए ठीक है किससे ज़्यादा प्राण से भी ज़्यादा प्राण से भी विशेषकर डिसिप्लिन की रक्षा करनी चाहिए तो आप देखते हैं प्राण से तुलना किया गया तो सब अपना अपना प्राण बचाता है कि नहीं बचाता है यस सर तो प्राण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन आपके लाइफ में एकदम रहना ही चाहिए ठीक है अब चलिए लास्ट श्लोक है तो इससे क्वेश्चन आंसर कर देते हैं यहाँ पर पूछ रहा है क प्रथमो धर्म यानी कि कौन प्रथम धर्म है तो आपको पता है आचारा क से है एक वचन में आचारा है यहाँ पे सीधा क से है तो आचारा हम लोगों ने दिया तो क्या प्रथम धर्म है तो आचार्य एतत केसाम वच भक्ति तो एतत विदुषाम वच भक्ति सॉरी अगर पूर्ण वाक्य में रहता पूरे वाक्य में तो आप विदुसाम केसाम के जगह विदुषाम वच भक्ति लिखते लेकिन एक वाक्य में तो एक वाक्य में नहीं एक पद में है वन वर्ड में तो एतत केसाम वच भक्ति यानी यह किसका वचन है तो विदुषाम यानी कि विद्वानों का केसाम से था विदुषाम कम रक्षेत तो सदाचारम रक्षेत यानी कम रक्षेत का मतलब क्या हुआ किसकी रक्षा करनी चाहिए तो सदाचार की कम से था तो कम सदाचारम के विशेषता संरक्षित तो आपको पता है प्राणिभ्य क्यों भाई क्योंकि सदाचार्य को किससे बढ़कर रक्षा करनी चाहिए तो अपने प्राण से भी बढ़कर केभ्योपी केभ्यो से था तो प्राणिभ्य था उसके बाद एक वाक्यन है इसी को पूर्ण वाक्यन कहते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में पूर्ण वाक्यन लिखा रहेगा यानी फुल सेंटेंस में नहीं तो आप लोग समझ लीजिए एक वाक्य का मतलब वो एक वो गो वर्ड लिख दे नहीं एक पद पद का मतलब हुआ वर्ड और वाक्य का मतलब हुआ सेंटेंस विद और जो भी संस्कृत का आप कहेंगे सर एक सेंटेंस हुआ इसका मतलब हाँ एक ही लाइन दो लाइन का तो आंसर रहता है उससे ज़्यादा बड़का थोड़ी रहता है बोर्ड में तो कॉपी भी बहुत बड़ा रहता है इस टाइप से रहता है घुमा के क्या कहते हैं उसको वर्टिकली कहते हैं कि हो इस इस टाइप से रहता है कॉपी दिखा देते हैं आपको इस टाइप से नहीं रहेगा जैसे आपके स्कूल एग्जाम में रहता है ऐसे नहीं रहेगा बोर्ड में कॉपी इस तरीके से बत्तीस पढ़ना मिलेगा तो कभी भी गपला करके नहीं बनाइएगा कंजेस्टेड करके आराम आराम से विदुषाम फरेश बिदुशा, कौन एक मिनट रुकिए कहने का है कि विदुषाम कहा गया क्वेश्चन विदुषाम वचक किम भक्ति यानी विदुषाम का वचन क्या है तो यही है कि आचार को प्राण से भी बढ़कर क्या कर सॉरी विदुषाम वचन वचन यह है कि आचार यानी कि जो डिसिप्लिन है वो क्या है हमारा प्रथम धर्म है ठीक अब आप में से कुछ स्टूडेंट अगर ये लिख देते हैं कि ये विदुषाम का वचन है तो नहीं विदुषाम यानी कि विद्वान यहाँ पर सिर्फ ये बोले हुए हैं कि अचार प्रथम धर्म है यहाँ पे ये यह कवि कहे हैं कि भाई प्राण से भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए अचारह किम सॉरी uh, आचारा कथम रक्षेत तो आचारा प्रणाभ्य अपि विशेषता रक्षेत यानी प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए तस्माद रक्षेत सदाचारम अत्र क्रिया पदम किम तो सदाचारम मतलब हो गया डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन कहीं वो क्रिया है कोई काम है नहीं रक्षेत यानी रक्षा करना एक काम है पंडिताम इति अर्थ है किम पदम प्रयुक्तम तो पंडिता नाम का मतलब होता है पंडित ज्ञानी तो यहाँ पे विदुषाम यानी कि विदुषाम यहाँ पर यूज किया गया है देखिए इति अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम और अत्र की पर्याय पदम प्रयुक्तम तो दोनों का मतलब यही है देखिए स्टूडेंट यहाँ पे धर्म इति पद से विशेषण पदम की मस्ती आ, तो धर्म कह रहा है धर्म का विशेषण पूछ रहा है तो धर्म की विशेषता होगी तो धर्म जो है वो विशेषण नहीं है क्यों सर अरे बुआ धर्म की विशेषता होगी कि कैसा धर्म है ठीक है तो धर्म क्या है विशेषता है इसकी विशेषता यहाँ पर क्या है तो प्रथम है यहाँ पर प्रथम है यहाँ पर सही हो गया ठीक है चलिए उसके बाद है एतत वच अत्र विशेष पदम किम तो विशेष यानी कि वाणी तो वच यहाँ पर क्या हो गया विशेष हो गया लास्ट वाला दुराचारम का विलोम यहाँ पर क्या है तो दुराचारम का विलोम यहाँ पर सदाचारम बन गया चैप्टर समाप्त चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अन्योक्ति का मतलब होता है किसी की तारीफ करना या किसी की बुराई करना तो इस चैप्टर में कुछ श्लोक है तो उसी श्लोक के थ्रू आप किसी का तारीफ़ करेंगे या किसी की बुराई करेंगे हाँ वह तारीफ या बुराई जो होगा वह जो है इनडायरेक्टली होगा जैसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर अभी किसी की बुराई करना हो कोई मान लीजिए कोई आपके क्लास में कोई लड़का है या लड़की की बुराई करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे ए फलाना जगह से पटना से जो वो पटना के बोरिंग रोड से जो आता है या आती है वह ठीक लड़का लड़की नहीं है तो या वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है या अच्छी है तो इस बात से क्या हुआ हम उसका नाम नहीं रखें लेकिन इनडायरेक्टली वे में उसका तारीफ कर दिए ठीक है।, है जैसे आप लोग तारीफ़ कीजिएगा हमारा कि सीतामढ़ी से एक संस्कृत ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं तो आप हमारा नाम नहीं ले रहे लेकिन सीतामढ़ी से तो ऑनलाइन हम ही पढ़ा रहे तो हम समझ गए तो किसी की तारीफ या बुराई इनडायरेक्टली वे में करना इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया जाएगा यानी श्लोक के थ्रू आपको बताएंगे तो अभी श्लोक पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा हद तक आपको समझ में आएगा सबसे पहले पहले श्लोक का मतलब जानने से पहले आपको शब्दार्थ बता देते हैं तो सरसा का मतलब होता है तालाब बक सहस्त्रेण का मतलब होता है हजारों बकलों के द्वारा परिता का मतलब होता है चारों ओर उसके बाद तीरवासिना का मतलब होता है के द्वारा तो ध्यान रखिएगा यह शब्दार्थ का अब पहले श्लोक का मतलब क्या है वो बताते हैं सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं क्योंकि जब तक श्लोक को पढ़ेंगे नहीं फिर मतलब समझाने में दिक्कत हो जाता है ठीक है एकेन राजंसेन या शोभा सरसोभ न सा बहस्त्रेन परी परितीर कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि एकेन राजन तो आप देखेंगे कि एक राजहंस होता है राजहंस एक समझिए एक प्रकार का बर्ड होता है चिड़िया होता है आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा गूगल अंकल फोटो दिखा देंगे खूबसूरत सा एक राजहंस होता है जो तालाब के बीचों बीच रहता है मतलब तालाब में रहता है कहने का मतलब यह है कि ये श्लोक बताना चाह रहा है कि एक राजहंस से जो शोभा बढ़ती है किसकी तो सरसो भवित यानी कि जो तालाब की शोभा बढ़ती है न सा बक कहस्त्रेन परित परित अलग करके पढ़िए पड़ी एक परितव्य है जो पढ़ा है इसका मतलब होता है चारों ओर चारों ओर किनारे पे बैठे बगुले से उसकी शोभा तालाब की नहीं बढ़ती है अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कहने का मतलब यह है स्टूडेंट यह श्लोक यह बताना चाह रहा है कि भले तालाब के किनारे हजारों बगुले बैठे हों ठीक है उससे तालाब की शोभा नहीं बढ़ती है तालाब की शोभा तभी बैठती है जब कोई एक राजहंस उसमें बीच में बैठा हो मतलब तालाब में बैठा हो तब जाके तालाब की शोभा बढ़ेगी ठीक है तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए तो इसमें क्या हुआ राजहंस की प्रशंसा हो रही है यानी कि राजहंस का तारीफ किया जा रहा है कि उस तालाब के सामने हजारों बगुलों का कोई महत्व नहीं है आप ही उसमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण है कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए शादी में देखते हैं हजारों लोग आता है आ दूल्हे दुल्हन नहीं आए ठीक है यानी कि क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में गुरुम बराइड तो गुरुम बराइड ही नहीं आए तो कोई मजा आएगा नहीं आएगा तो वही कहना है कि शादी में जैसे दूल्हा और दुल्हन का इम्पोर्टेंस होता है हजारों बराती सरातियों का कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है उसी तरह एक राजहंस जो शोभा बढ़ाता है तालाब की वह हजारों बकुला नहीं बढ़ा सकता जो कहाँ पे है तो परिता परिता का मतलब चारों ओर कहाँ पे तो तीरवासीना यानी कि किनारों पर बैठा हुआ है वह शोभा नहीं बढ़ा सकता है तो यह जो है पहले श्लोक के माध्यम से किसकी तारीफ की गई है राजहंस की तारीफ की गई है तो चलिए स्टूडेंट अब श्लोक वन अभी आपको पढ़ा दिए श्लोक वन का कराते हैं क्वेश्चन आंसर ठीक है तो आप कहेंगे सर अभी आप बोले हैं कि क्वेश्चन आंसर अलग से करा देंगे तो छोड़िए श्लोक पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करा दे रहे हैं इससे क्या होगा कि श्लोक जो है आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा ठीक है तो श्लोक पढ़ाएं अब श्लोक नंबर वन का क्वेश्चन आंसर करिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकन राजंसेन या शोभा सरसो भवेद न स बकस ये जो अभी अभी पढ़ाए बकस सहस्त्रीन परितस तीर वासिना तो वही की एक से जो ये सरोवर की शोभा होती है वो हजार बकुले से नहीं होती जो किनारे पे बैठा रहता है तो क्वेश्चन है कि केन भक्ति तो सरसा का मतलब तालाब सरोवर ठीक है तालाब तो नहीं कहेंगे सरोवर कहेंगे बोलचाल में तालाब बोल देते हैं सरोवर किससे सरोवर की ये शोभा बढ़ती है तो राजहंस से ठीक है तो केन से है तो राजहंसेन तो आंसर क्या हो जाएगा राज उसके बाद बुआ कह रहा है कि सरसा तीरे के बसंती यानी सरसा मतलब सरोवर तीरे मतलब किनारे पे के बसंती यानी कौन बसता है तो आपको पता है कि बाका सहस्त्रम यानी कि बकुला सब जो है बैठ बसता है सहस्त्रम मतलब सैकड़ों हजारों बकुला जो है क्या होता है वहाँ पर बैठता है कहाँ पे तो यहाँ पे ये तालाब के किनारे तो यहाँ पर ये यह आंसर हो जाएगा उसके बाद एक पूर्ण वाक्य में कि पूर्ण वाक्यन में है कि केन सरसा शोभा न भक्ति ठीक है केन सरसा शोभा न भक्ति केन सरसा शोभा न भक्ति किससे से केन का मतलब किससे से तालाब की शोभा यानी सॉरी सरोवर की शोभा न होती है तो आपको पता है राजहंस से तो होती है बकला से नहीं होती है तो वही लिख दीजिएगा सरसा शोभा न भक्ति उसके बाद अगला है सरसा शोभा केन भक्ति सरसा यानी तालाब की जो सॉरी सरोवर की जो शोभा होती है हो, किस से होती है तो राजहंसेन से तो ये लिख दीजिएगा ठीक है उसके बाद ये तीसरा वही क्वेश्चन को दोबारा कर दिया तो ये थोड़ा सा अटपटांग तो इसको करने की जरूरत नहीं है चलिए निर्देशानुसार करें एकेन राजहंसेन अन्यो पद्यो विशेषण पदम की मस्ती एकेन राजहंसेन एकेन राजहंसेन एकेन राजहंसेन विशेषण पूछ रहा है तो राजहंसे की विशेषता है कि वह एक है यहाँ पे ठीक है तो अगर हम एकेन विशेषण लिख, लिख दे ये विशेष लिख देते गलत हो जाएगा राजहंसेन ये विशेष से हो गया बाद वाला विशेष से होता है राजहनसेन विशेष हो गया क्योंकि राजहंस एक जानवर इसी के कुछ ना कुछ विशेषता होगी तो एकन हो गया एकेन राजहनसेन है विशेष्य पदम की विशेष्य पदम तो विशेष राजहंसेन शोभा भवेत अत्र क्रियापदम किम तो भवेत मतलब होना होने का काम और शोभा मतलब शोभा सुंदरता तो वो कोई काम है हम कह दिए कि काफ़ी सुंदर है तो कोई काम है नहीं भवेत मतलब होना तो इससे शोभा होता है हो मतलब बकुला से स, ये राजहंस से शोभा बढ़ता है या शोभा होता है तो होना भवेत भा, ठीक है तो ये क्रियापद ये हो गया सरोवर से तर्थ है किम पदम प्रयुक्तम सरोवर के जगह यहाँ पर क्या पद का यूज किया गया है तो आपको पता है क्या यूज किया गया है सरोवर शर, से ये सरोवर सस्य है तो सरसा का यहाँ पर यूज किया गया है तो आप यहाँ पर ये लिख दीजिएगा ठीक है यहाँ पर सरसा लिख दीजिएगा ठीक है यहाँ पर सरसा में हम लोग कस्य नहीं लगा के लिखते हैं ठीक इसलिए सरसाह डायरेक्ट रहेगा चलिए अब अगले श्लोक को पढ़ने से पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं। भुक्ता का मतलब होता है सेवन की गई मृनाल पटली का मतलब होता है कमल डांडी का समूह भक्ता का मतलब होता है आपके द्वारा उसके बाद नी पीतानी का मतलब होता है भांति पिए गए अम्बुनी का मतलब होता है जल नली नानी का मतलब होता है कमलों को निसे वीतानी का मतलब होता है सेवन किए गए क्रिएन का मतलब होता है कार्य से भविता का मतलब होता है होगा का मतलब होता है उपकार किया गया या पर, किया गया तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट बढ़ते स्टूडेंट स्टूडेंट पर देखिए तो सबसे पहले एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं और फिर आपको बताते हैं ठीक कि मतलब क्या है तो भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता नयबुनी यत्र नलिनानी रे राजहंस वस्य सरोवरस्य कीन केन भवितासी कीर्तोपकार तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि भुक्ता भुक्ता का मतलब क्या हुआ खा जाना यानी कि सेवन कर लेना सेवन कर लेने का मतलब हुआ कि खा जाना किसी चीज का अगर मान लीजिए हम आम खा लिए तो हम कहेंगे सेवन कर लिए मृणाल पटली मतलब कि कमल डांडी का समूह तो आप देखते तालाबों में क्या होता है कमल वगैरह होता है भवता निपिता अम्बु देखिए यहाँ पे कटेगा अंबुनी होगा तो अंबुनी का मतलब होता है क्या जल तो कहा गया है यत्र नली नानी निशे बीतानी तो नली नानी का मतलब क्या हुआ कमलों को और निशे बितानी का मतलब क्या हुआ सेवन किए गए हो तो पहले दो लाइन में कहा गया है कि तुमने एक यानी किसका सेवन कर लिया है तो कमलों का सेवन कर लिया है जितना भी कमल है उसको खा लिया राजहंस कमल खाता है तो कमल डांडी का जितना भी समूह है उसको तुमने खा लिया है उसके बाद जल को भी तुमने पी लिया है रे राजहंस ए राजहंस वद तस्य सरोवर ये केन भवितासी कृतोपकार कि रे राजहंस तूने क्या किया है तो कमल नाल का सेवन कर लिया है तुमने पानी भी पी लिया है सत्यलाब का अब तुम हे राजहंस वध तस्य सरोवर से तुम मुझे बताओ कि उस सरोवर का तुम कैसे उपकार करोगे तो आपको पता है स्टूडेंट कि राजहंस सरोवर में रहता है तो सरोवर का ही पानी पीता है उसी का कमल खाता है तो इस श्लोक के माध्यम से उससे पूछा गया है किससे तो एक प्रकार का समझिए निंदा किया जा रहा है कि रे राजहंस तूने सरोवर, सरोवर का यानी कि तालाब का सब कुछ खा लिया है अब बता पानी भी पी लिया है अब बता कि इस तालाब का उपकार तुम कैसे करेगा मतलब इसका जो एहसान है वह तुम कैसे चुकाओगे तुम बताओ तो इसका मतलब यही हुआ श्लोक नंबर दो का क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि राजहंस कह रहा है कि राजहंस काम भुनक्ति ठीक है तो यहाँ पे <coughs> सॉरी यहाँ पर भुनक्ति दिया है या भुक्ता देगा वही है कि राजहंस किसका भुक्ता का मतलब क्या हुआ अभी बताया सेवन की गई यानी किसका सेवन कर लेता है तो राजहंस जो है मृनालपट्टीम यानी कि जो मृनाल पटली का मतलब क्या होता है कमल डंडी का समूह तो कमलों का सेवन कर लेता है लेकिन यहाँ पे मृणाल पटली नहीं लिखेंगे क्योंकि काम से क्वेश्चन था तो हमको भी आंसर काम पे देना है इसलिए मृणाल पट्टी लिम कानी निपतानी तो कानी निपतानी निपतानी का मतलब क्या हुआ बताइए निपतानी का मतलब अभी है भली भांति पिए गए तो क्या चीज को पीता है तो आपको पता है कि अम्बुनी यानी कि जल तो यहीं से लिया गया देखिए य में का अ और इधर का अम्बुनी अम्बुनी का मतलब होता है पानी जल तो उसको निपटा देता है ठीक है पी लेता है केन नली नानी निसे बीतानी तो केन मतलब जान ही रहे नली नानी का मतलब क्या हुआ कमलों को और निशे बितानी का मतलब से हुआ सेवन किए गए तो कौन कमलों का सेवन कर लेता है तो यही राजहंस कर लेता है तो कैन से है तो राजहंसिन राजहंस कृतो अपकार भक्ति राजहंस पे किसका उपकार है तो कौन इस पे उपकार कर रहा है सरोवर ही कर रहा है इसको पानी दे रहा है कमल दे रहा है तो बस कस्य के जगह आंसर लिखिए बाकी बात वही तो राजहंस सरोवर से कृतोपकार भक्ति नलिनानी केन बितानी तो यही वाला है यहां पे देखिए ना केन नलिनानी बितानी तो राजहंस एक पदेन में था तो राजहंस लिखे हैं और यही पूर्ण वाक्य में पूछ रहा है तो पूरा वाक्य लिख देंगे तो क्या लिख देंगे राजहंसेन राजंसेन बितानी उसके बाद है यत्र भवता मृणाल पट पाटली भुगता अत्र क्रिया पदम किम तो क्रिया पद का मतलब क्या हुआ जो काम हो रहा है तो ये खोजने में दिक्कत है यानी आप देखिए सीधा आइएगा हाँ कोई आ, हम जादू का छड़ी भगवान थोड़ी घुमा देंगे कि आइएगा ऐसे दिख जाएगा नहीं समझना पड़ेगा जैसे यत्र देखिए तो यत्र एक क्रिया है नहीं है अभी पढ़ा है यत्र क्या है एक अव्यय है तो हाँ यहाँ पे पूछ लेता कि अत्र अव्यय पदम किम अगर आपसे पूछ लेता कि बताओ रे यहाँ पे अव्यय क्या है तो आप फटाक से लिख देते यह द्रव्य है सर कैसे पता चला कि यत्रव्य है इसका मतलब अव्य नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए ठीक है मृणाल पटली का मतलब क्या हुआ यही कमल डांडी का समूह यानी कमल हुआ तो कमल क्या है कोई काम है नो सर भुगता यानी कि सेवन कर लेता है भोजन कर लेता है तो यही काम हो रहा है इसलिए क्रियापद क्या है तो भुगता क्रियापद है ठीक है तस् से सरोवर से अन्यो पदे विशेषण पदम किम तो आपको पता है कि आगे विशेषण है पीछे विशेष ठीक है तो सरोवर कभी भी विशेषण नहीं होगा हम विशेषण का मतलब क्या होता है किसी की तारीफ तो हम ऐसा कहते हैं कि बहुत सरोवर है ऐसा कहते हैं किसी को नहीं सरोवर एक विशेष है सरोवर की तारीफ होगी कि हाँ सरोवर कैसा है तो अच्छा है बुरा है भला है बड़ा है छोटा है माटा है खाटा है ठीक तो तस से विशेषण तस से जो है विशेषण हो गया इसमें फिर विशेष से पूछ रहा है तो सरोवर की विशेषता तो सरोवर से हो गया यहाँ पर विशेष से तो ये ध्यान में रखिएगा चलिए ठीक है तस्य सरोवर से विशेष अस्विन श्लोके जलानी इति पदस्य क पर्याय आगत तो इसको कर्याय इसका हिंदी क्या हुआ कि इस श्लोक में जलानी जलानी का मतलब होता है पानी जल जल के जगह क्या यूज किया गया है तो आपको अभी बताए क्या यूज किया गया है तो अम्बुनी का यूज किया गया है ठीक है तो क पर्याय पर्याय का मतलब हुआ सेम टू सेम यहाँ पे पूछता कि अत्र किम प्रयुक्तम या इतर्थे किम पदम दत्तम प्रयुक्तम तो सबका वही मतलब हुआ तो जलानी का मतलब अंबुनी यानी कि पर्यायवाची पूछा है प्रैक्टिस करते करते अब यहाँ तक पहुंचे अब आपका पूरा दिमाग खुल गया होगा तो इसका क्या हो जाएगा अंबुनी हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नो सर चलिए अब आगे बढ़ चलिए स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर श्लोक पे अब इस श्लोक के थ्रू जो है स्टूडेंट माली की तारीफ की गई है ठीक है जो फूल पौधा रोपता है माली मतलब ये नहीं हुआ कि जो फूल पौधा रोपना है जिनका काम जैसे अगर आप भी पेड़ पौधा लगा रहे हैं उसकी सेवा कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये श्लोक है यहाँ पर श्लोक को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो देखिए ये तोय है तोय का मतलब होता है जल से उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है तोड़ तोड़ के पढ़िए यहाँ पे समझिए एक प्रकार का रुतुबम संधि र वाला है तो र में का अ और ल प पल्पय अलपय का मतलब होता है कि थोड़े से अल्प का मतलब ही होता है थोड़े से उसके बाद करुणाया का मतलब तो आप जान ही रहे दयालु भीम भानव का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में निदागे का मतलब होता है तेज धूप में जिनका हिंदी कोर्स ए होगा साथ में पढ़ना तो आपको याद होगा उत्साह तथा अट नहीं रही है निधाग मतलब क्या हुआ गर्मी कि हे बादल गरजो बादल गरजो क्या हो तो पूरा जो सकल जन है यानी कि पूरा दुनिया गर्मी से परेशान है तो निधाग का मतलब हुआ गर्मी सर मेरा तो हिंदी नहीं है तो एक जिनका उनको रिलेट कर दिए हैं तो निधागे का मतलब हुआ गर्मी या तेज धूप मालाकार का मतलब होता है माली व्यर व्य व्ययरचि का मतलब होता है की गई ठीक है उसके बाद यहाँ पर पुष्टि का मतलब हुआ पोषण ठीक उसके बाद सात का मतलब आप जान ही रहे ये सब तो बताने वाला है नहीं उसके बाद जनयतु मही मीही का मतलब होता है क्या उत्पन्न करने के लिए उसके बाद आप जान ही रहे सब मतलब लगभग तो जान ही रहे प्राविश नियन का मतलब होता है क्या तो वार्षिक कालिक से वाराम का मतलब पानी जल ठीक उसके बाद ई का मतलब क्या हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए ई का मतलब अत्र हो जाएगा ठीक है यहाँ पर ई जो है म को अगर हटा के संधि करके लिखा गया है, तो आपको बताए कि बीच में शब्द नहीं लगता ऐसे होता है तो ई का मतलब ये हो गया तो ये सब शब्दार्थ है अब आपको तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं कहने का मतलब ये है स्टूडेंट एक बार श्लोक को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा ठीक है और थोड़ा सा अनोखत का श्लोक हार्ड हार्ड पड़ता है क्योंकि एक तो इनडायरेक्टली किसी का तारीफ या बुराई किया जा रहा है और इस बार नया ही ऐड हुआ तो आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ऐसे जो भी स्टेट बोर्ड समय से होता है वहाँ ये चैप्टर पहले से ही है तो कहने का मतलब ये है कि त्वेल अल्पे रपी करुणाया भीम भानव निधागे मालाकार वे रचि भवता या तोरस्य पुष्टि कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जब क्या होता है तो भीम भानव का समय होता है भीम भानो निधागे का समय यानी जब गर्मी का समय होता है तो कौन तो थोड़े से पानी को लेकर वह करुणा पड़े यानी कि एकदम दयालु कौन तो माली क्या करता है सभी पैरों की रक्षा करता है ठीक है और सभी पैरों का क्या करता है तो क्या करता है तो पोषण करता है यानी कि पालन पोषण करता है तो रस्य पुष्टि तो पहला जो ये दो लाइन है क्योंकि श्लोक में यहाँ से स्टार्टिंग है इसमें पहले गर्मी का सीजन है तो अभी हम समझा रहे अभी टेंशन नहीं लीजिए तो इस लाइन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि भीम भानव निधा यानी कि जब बहुत गर्मी पड़ता है हार्ड गर्मी पड़ता है तब क्या होता है तो एक मालाकार रहता है एक माली रहता है जो बड़ा दयालु रहता है वह क्या करता है तो थोड़े ही पानी में यानी कम ही पानी में क्या करता है तो पूरे पेड़ को पोषित पोषण देता है मतलब पूरे पेड़ को पानी देता है तो आप देखते हैं सिचुएशन याद कीजिए अगर आप छत उत पे फूल लगाए हैं या कहीं अपने कैंपस में लगाए तो आप देखते होंगे कि आप क्या उसमें पानी का अंबार लगा देते नहीं दो बाल्टी ही यानी बकेट दो बकेट आप पानी लिए और क्या किए थोड़ा 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 सब में पटा दिए किस समय का बात हो रहा है गर्मी का जब पेड़ पौधा एकदम सूखता रहता है एकदम सूख रहा है और उस समय थोड़ा थोड़ा जल आप सबको दे दिए वह उसी के बारे में कहा गया है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो अगले लाइन में पता चलेगा सा किम सकिया जनियुतु मही प्राविशनयन वारम धारा सारा नापी विक्रीता और कहा गया है कि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है यह का काम का कि आपसे पूछा गया है कि क्या उसका वैल्यू ज़्यादा है जब क्या होता है तो वर्षा के समय में यानि कि जब क्या कौन सा पीरियड आता है तो देखिए प्राविस तो इसका मतलब क्या हुआ वर एकदम वर्ष काल वर्षा कालिक से यानी कि जब बारिश के टाइम में चारों ओर क्या होता है तो वाराम ही रहता है यानी कि जल ही रहता है तो आप देखते हैं चारों ओर क्या होता है तो धारा आसान धारा आसनान का मतलब हुआ कि चारों ओर वर्षा के टाइम में पानी बहता रहता है और हर पेड़ में पानी चल जाता है क्या उसका वैल्यू इसके सामने है ये हुआ इसका मतलब अब आप अपने भाषा में आपको सिंपल मतलब समझाते हैं कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि कभी जो है जो भी ये श्लोक लिखे हैं वह ये बताना चाहते हैं कि जब पेड़ सूख रहा है ठीक है दुनिया का सारा पेड़ सूख रहा है और वहाँ पे कोई माली एक बाल्टी पानी लेकर आए और थोड़ा थोड़ा सब पेड़ को दे के जीवित कर दे तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले जब वर्षा हो रहा है और चारों तरफ पानी ही पानी है तो इस श्लोक से आपको यही शिक्षा दी जाती है कि जब आपको ज़रूरत है किसी चीज़ का ठीक और उस समय थोड़ा ही मिल जाता है जैसे एग्ज़ाम में थोड़ा ही चीट मिल गया तो कितना लगता है हाँ 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 एग्ज़ाम दे के आते तो पूरा तो पढ़ाई वीडियो सब रहता है रहता है कि नहीं तो एकदम समझिए एकदम बाढ़ी रहता है पढ़ाई का लेकिन उसका कोई महत्व हो जाता है आपके सामने नहीं एग्ज़ाम तो अब ख़त्म हो चुका है ठीक तो ये मतलब समझाया जा रहा है तो इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में बैठें तीन घंटे के एग्ज़ाम में तो एग्जाम में आप बैठे तो एग्जाम में क्या जरूरत है तो जितना आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा उतना ही से लिखिएगा तो वो कॉन्सेप्ट क्या आपका बुक और जितना भी टीचर उससे ज्यादा रहता है नहीं ना रहता है? कोई भी एग्जाम में आप बैठते हैं मान लीजिए कि आप मैथ के एग्जाम में बैठे तो आप मैथ टीचर से तो ज्यादा नहीं अभी जान रहे यस सर तो आप जितना जान रहे उतना ही मैंने आप पूरा अपना पेपर दे के नंबर ले आते हैं जी सर आप एग्जाम दे के आते हैं तो आपके सामने तो पूरा ज्ञान का भंडारे है तो आपके अभी आपके लिए कोई काम का है नहीं तो यही कहा गया है कि उस समय महत्व है उस माली का जिसने क्या किया है तो बड़े मेहनत से उस पेड़ पौधों को पाला है उस समय क्या काम का वो जो धारा प्रवाह आया और पानी ही पानी हो गया तो ये नहीं कि वो धारा प्रवाह से फायदा नहीं हो रहा है उससे भी पेड़ पौधा का फायदा हो रहा है जब बाढ़ आ जाए या वर्षा हो जाए लेकिन उस समय क्या उस बात का वैल्यू दिया जा सकता है जो उस समय कोई नहीं था मदद करने वाला और उस माली ने किया तो ये प्रशंसा की गई है किसकी मालिक अब चलिए स्टूडेंट तीसरे श्लोक का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो कह भीम भानव निधागे तरो पुष्टि व्यो री व्यो तो कह मतलब कौन भीम भानव यानी कि भीम भानव का मतलब कथी बताएं ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी में निधागे का मतलब गर्मी में ठीक है और यहाँ पर स्टूडेंट पूछ रहा है कि कौन जो है गर्मी में जो है क्या करता है तो ये पेड़ पौधा की रक्षा करता है पानी उनी कर देता है तो क्या हो जाएगा मालाकार से क्वेश्चन था तो सिंपल मालाकार उसके बाद है मालाकार कियत तोये, तोये तरो पुष्टिम करोती तो मालाकार तो जान ही रहे तोय का मतलब क्या हुआ थो तो, जल से तरो पुष्टिम करोती तो इसका मतलब यह हुआ कि मालाकार कियत तोए मतलब कितने पानी में सबकी पुष्टि करता है मतलब कि सबको मतलब कि तर तो ये क्या कहते हैं मतलब पेड़ पौधा की रक्षा करता है पोषण करता है पुष्टि का मतलब हुआ तो अल्पय यानी कि कम पानी में ये कियत तो तोय मतलब कितने पानी में तो आपको बताए कि तोय अल्पय ठीक है अल यानी कि कम पानी में कह अल्पय तोय मतलब कौन देखिए यही तो है यही वाला क्वेश्चन अल्पय तोय तरो पुष्टि में करोती है. कौन कम पानी में पुष्टि करता है तो ये यहाँ पे पूछा है दूसरा में कि मालाकार कितने पानी में पोषण करता है पुष्टि का मतलब हुआ पोषण करना सॉरी पुष्टिम है तो पुष्टिम का मतलब हुआ पोषण करना है. कौन करता है मालाकार की देखिए फिर से समझिए दूसरा में पूछ रहा है कि मालाकार कितने पानी में करता है पोषण पोषण का मतलब हुआ पोषना सेवा करना है. और तो अल्पे पानी में और यहाँ पे पूछ रहा है कौन अल्पे पानी में ये करता है पोषण करता है तो मालाकार तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मालाकार उसके बाद है विष्वतः वारिदा कान बिकर बिकी रति तो ये विश्वतः का मतलब क्या हुआ का मतलब हुगा? सभी और चारों ओर वारिदे वारिदह का मतलब यहाँ पे वारिदेन है ठीक है तो वारिदह वारिदह का कट के क्या हो जाएगा वही बादलों से कान विकी रीति का मतलब बरसाते या छिड़कते तो क्या हो जाएगा वारा नाम धरास यानी कि जो वो जो मतलब कि धाराओं का प्रवाह है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया क एक एक वाक्य का मतलब एक पदेन अलग एक पदेन का मतलब वन वर्ड और एक वाक्यन का मतलब होता है पूर्ण वाक्यन पूर्ण वाक्यन का मतलब हुआ पूरे सेंटेंस में और एक वाक्यन का मतलब हुआ एक सेंटेंस में तो दोनों का मतलब एक ही है तो एक वाक्यन दे या पूर्ण वाक्यन बात यही है एक पदेन अलग होता है पद है और वाक्य है दोनों में फर्क है क वारा नाम धरासनम विकी तो आपको पता है कि अभी ऊपर में बताया कि वारिदह वारा नाम धरासनम विकी उसके उसके बाद है तरो पुष्टि पुष्टि माला कारक क्या करो तो वही अल्पे तोय मतलब कि पानी से कम पानी से क्या करता है कर देता है सेवा उसके बाद है श्लोके पद से विशेषण पदम किम अस्ती तो अल्पय तोय क्या विशेषता मतलब हो गया क्या जल पानी पानी की विशेषता यहाँ पर क्या है तो वो कम है अल्प है तो यहाँ पर अल्प क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा भवता करुणाया अस्य पुष्टि वे रचिति अत्र क्रिया पदम किम तो क्या हो जाएगा वे रचित वे रचिति बोला गया सॉरी व्य रचि व्य रचि का मतलब होता है करोती यानी करने का काम तो काम हो रहा है तो ये क्रियापद है अस्मिन से इति क पर्याय आगत वृक्ष का क्या यहाँ पर पर्याय वाची है तो तरो यहाँ पर वृक्ष का पर्याय वाची है तरो का मतलब होता है वृक्ष व्य रचि भवता या तरो पुष, तरो पुष्टि यानी कि जो वृक्ष है तरो है उसका पोषण कौन करता है माली करता है तो तरो का मतलब वो हो गया उसके बाद यहाँ पर अगला है असमी श्लोकम आ, 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 आ तपे के जगह हाँ पर क्या यूज किया गया है तो आ तपे का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्मी तपना तपे का मतलब ही हो गया तपना धूप ठीक है तो धूप ता, गर्मी का क्या यहाँ पे तो गया है. है तो निधागे है ठीक है तो श्लोक तीन यहाँ पर हुआ अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं चौथे नंबर श्लोक पे अब सबसे पहले आपको मीनिंग बताते हैं पढ़ पढ़ के ये इसका वर्ड मीनिंग और फिर आपको पढ़ाते हैं देखिए स्टूडेंट आप धीरे एक अलग शब्द है देखिए यहाँ पे उत्तम संधि हो रहा है देख रहे हैं ड वाला है तो आपे धीरे का मतलब होता है पालिए ठीक उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर ओड में अ है और अंबर पथम अंबर पथम का मतलब होता है आकाश मार्ग आकाश मार्ग मतलब क्या हुआ अंबर का मतलब होता है आकाश आसमान और पथम का मतलब रास्ता यानी कि आकाश वाला रास्ता परिता का मतलब होता है सब ओर ठीक है पतंगा का मतलब होता है खगा कि चिड़िया पक्षी ठीक भूंगा का मतलब होता है भवड़े ठीक है आगे पीछे घूमते हो भवड़ों की तरह ठीक रसाल मुकुलानी का मतलब होता है आम की मंजरिया आम की मंजरिया मतलब क्या होता है तो अभी हम लोग इधर बिहार में उसको आम का मोजरा बोलते हैं मतलब आम फरने से पहले आप देखेंगे उसमें मंजरिया निकलता है ठीक है अनार का ऊपर का दाना दाना देखे हुए हैं का उसी टाइप का जो देखे होंगे आम के पेड़ जिनके पास होगा या जो देखे होंगे उनको पता होगा उसके बाद संकोच मचती का मतलब होता है संकुचित होने पर बाद स्टूडेंट उसके बाद मीना का मतलब होता है मछली हंता का मतलब होता है अरे ठीक है स्टूडेंट और यहाँ पर अभ्युपैतु का मतलब होता है प्राप्त करें तो इस श्लोक के माध्यम से यह कहा गया है कि जो आपे धीरे तो आपे धीरे अंबर पथम परितह पतंग का तो पतंग का मतलब हुआ पक्षी यानी कहा गया कि पक्षी जो है वो क्या है तो परित यानी कि परितह यानी चारों ओर कहाँ पे तो आपे धीरे अंबर पथम यानी कि क्या कर रहा है पक्षी चारों ओर आकाश में घूम रहा है ये अनुकृत्य वाला जितना भी श्लोक है लास्ट तक आइएगा तभी समझ में आएगा इसका मीनिंग तो पहला लाइन का मतलब ये हुआ कि जो पक्षी है वो चारों तरफ आकाश में घूम रहा है कोई दिक्कत नो सर भूंका भूंका का मतलब क्या बता है भवरे और जो भवरे हैं ठीक है जो भौरे हैं भौरा आप देखे होइएगा गाना भी आया हुआ है कि वो आगे पीछे घूमते हो भौरों की तरह या भवड़ों की तरह तो कहा गया है कि जो भौरे हैं वह कहाँ पे चले आए वह कहाँ पे चले आए तो वह आ गए रसाल मुकलानी यानी आम के मंजरियों में आ गए आप आम के मंजरी में देखिएगा भोड़ा लगा रहता है वह यहां पर आ गए ठीक है मतलब भौड़े जो है उसका क्या लेते हैं तो समाश्रेयंत यानी कि सरल ले लिए किसका आम की मंजरियों का उसके बाद है <coughs> उसके बाद है संकोच मचती सरस्वती दीन दिनों मीनो नुहत गतिम अभ्यूप कहने का मतलब ये है कि संकोच अंशति यानी संकुचित होने पर क्या तो तालाब तो कहने का मतलब ये है कि श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि जो पक्षी है वह कहाँ घूम रहा है पूरा आकाश में जहाँ हुआ घूम सकता है भवरे जो है वह आम के मंजरियों में सरल लेते हैं लेकिन जब क्या हो जाएगा तालाब जो है संकुचित हो जाएगा ठीक है तो जो मीन है वह मछली है उसका क्या होगा कष्ट है तालाब तुम्हारे पर कि तुम क्या हो संकुचित हो चुके हैं अब बेचारी मछली को कौन गति प्राप्त करेगा तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है तालाब की निंदा की जा रही है तालाब की बुराई की जा रही है कैसे समझिए कहा जा रहा है स्टूडेंट कि हे तालाब तुम जब सूख जाते हो तो जो मछलियाँ होती है वो तो बेचारी मर जाती हैं वहीं पे है अब पानी रहेगा तालाब में तब ना मछली इधर उधर घूमेगी ठीक अगर आप देखिएगा पक्षी सब भी तालाब में आता है आता है कि नहीं आता है तो मान लीजिए कहा गया कि तालाब सूख जाएगा तो पक्षी तो आसमान में उड़ रहा जहां जो है वो तो आम के वृक्ष पे है लेकिन मछली का क्या होगा बेचारी उसका तो तालाब ही शरण है हे तालाब तुम क्यों सूख जाते हो कष्ट है तुम पर ठीक है तो इसमें तालाब की जो है बुराई की गई है अब चलिए इसका कराते हैं क्वेश्चन एंड आंसर तो कहने का मतलब है यहां पर स्टूडेंट पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है देखिए <laughs> परिता पतंगा कम आपा आपे धीरे तो आपे धीरे का मतलब क्या हुआ पालिए पतंग का परिता पतंग का कम आपे धीरे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अंबर पथम कहने का मतलब है कि अम, आ, ये पतंग का यानी कि जो पक्षी या चिड़िया है कम मतलब क्या आपे धीरे आपे धीरे मतलब क्या क्या पा लिया तो क्या पा लिया तो अंबर पथम यानी कि आकाश के रास्ते को पा लिया कहानी ये श्लोक से ये समझाया जा रहा है कि मछली बेचारी कहां जाएगी अगर तालाब का पानी खत्म हो गया तो कहा जा रहा है कि पतंग का यानी कि जो चिड़िया है वह क्या आ, कम आपी दीरे, या आपे, देरे, आपे दीरे, मतलब क्या पा लिया तो वो क्या पा लिया अम्बर पथम यानी आसमान का रास्ता मुक मुकुलानी समाश्रयंते तो आपको यहां पर रसाल मुकुलानी का मतलब क्या बताएं आम के मंजरी ठीक है तो यहां पर पूछ रहा है कि यहां पर पूछ रहा है क्या स्टूडेंट कि कौन जो है समाश्रियंत मतलब कौन जो है आम के मंजरियों का शरण लेता है तो कौन लेता है तो भूंग का यानी कि जो भबड़े होते हैं वो क्या करते हैं आम के वृक्षों का शरण लेते सॉरी आम के मंजरियों का शरण लेते हैं उसके बाद है भूंका कानी सम्रा श्रियंत यानी भूंका किसका शरण लेते हैं तो यहाँ पर पूछा है दूसरे नंबर में कि कौन आम के वृक्ष का सॉरी आम के मंजरियों का शरण लेता है तो भूंका और यहाँ पर पूछ रहा है कि भूंका किसका शरण लेता है तो आपको पता है कि आम के वृक्ष का सॉरी आम के मंजरियों का तो क्या हो जाएगा रासा रसाल मुकलानी तो यही आगे पीछे करके पूछा है ठीक है आपका क्या नाम है और मेरा नाम आयुष कुमार है ठीक उसी को आगे पीछे करके पूछा कि कौन लेता है आम के मंजरियों का शरण और यहाँ पे पूछ रहा है कि भूंग का किसका शरण लेता है ठीक ये हो गया एक पदेन और ये है एक वाक्यन जिसको पूर्ण वाक्यन के नाम से भी जाना जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूर्ण वाक्यन लिखा रहेगा तो इसको जो है का ठीक है चलिए ठीक है चलिए पूर्ण वाक्यन उसके बाद पूछ रहा है कि सरसी संकोच मचती कह कताम गतिम अभ्यु पैतु तो सरसी सरसी मतलब क्या हुआ अभी आपको बताया सरसा का मतलब तालाब हुआ तालाब जब सूख जाएगा ठीक है संकोच मति का मतलब होता है सूख जाना ठीक है संकुचित होना काताम गति अभ्यु पैतु किसकी गति रुक जाएगी तो मीन यानी मछली की गति रुक जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे आगे पीछे वही लिखेंगे और यहाँ पर दीन दिना का मतलब क्या होता है दीन दिनो आप लिखिए ठीक है दीन दिनो यहाँ पे दीन दिनो है ना तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिन दिनों मीना ठीक है काताम गतिम अभ्युपैतु यानी कि अगर तालाब जो है सरसी संकोचित हो जाती है तो जो गरीब मछलियां हैं वो जो है क्या हो जाएगी बेचारी दिन का मतलब होता है गरीब बेचारा और ये वाला दिन का मतलब होता है दिवस जो दे डे जिसको इंग्लिश में कहते हैं तो ये मछली बेचारी कहाँ जाएगी मीन कदा दीनाम गतिम प्राप्त न मीन कब गरीब हो जाएगी मतलब बेचारी हो जाएगी तब जब क्या होगा तालाब ही सूख जाएगा तो सरसी संकोच मचती मीन दिनाम गति प्राप्त होती यानी मीन का जो गति है वह क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यानी मछलिया जो है कम उसका अब पानी नहीं रहेगा तो कहाँ तैरेगी बेचारी के अंबर पथम आपे धीरे के मतलब कौन अंबर पथम मतलब आकाश रास्ता को आपे धीरे यानी कि पा लिया तो कौन पा लिया तो पतंग का अंबर प्रथम आपे धीरे यानी जो चिड़िया है वो क्या पा लिया आकाश के रास्ता को पा लिया तो इसमें तालाब की निंदा की गई है मछली के बात को लेकर उसके बाद है है गति गति इति विशेषण विशेषण पदम पहले होता है और गती, गती जो है उसकी विशेषता होगी गति कैसी है अच्छी है कम है तो गति हो गया विशेष और ये हो गया विशेषण तो इसमें विशेष पूछ रहा है तो गति में लिखे अस्मिन आपी धीरे इति क्रिया कतरी पदम की आप एक क्रिया है बिल्कुल है पालिए आप ही का हिंदी क्या बताए पालिए तो पा लेना एक काम है तो इस श्लोक का भैया सॉरी आप ही का कर्त पदम की तो पतंग का पतंग का क्यों तो कौन पा लेता है कुछ तो पतंग के ना पा रहा है जी सर आप ही धीरे अम्बर पथम परीता पतंग का यानी पतंग का क्या पा लिया तो अंबर पथ को पा लिया ठीक तो कौन पा लिया तो पतंग का पा लिया श्लोके भमरा देखिए इसमें है श्लोके भमरा इतर्थे किम पदम प्रयुक्तम भमरा के जगह यहाँ पर किसका यूज किया गया तो भुंग का। भूंग का का मतलब होता है भमरा या भमरा तो ये इसका सही उत्तर हो गया अब चलिए स्टूडेंट चलते हैं पांचवें नंबर श्लोक पे आराम आराम से एकदम मजे में पढ़िए कोई आपको दिक्कत नहीं होगा देखिए पांचवा श्लोक क्या कहता है कि सबसे पहले देखिए एक एक का मतलब एक हुआ एक का मतलब ही अभी बताए खग का खगो यहाँ पर तो ये तो विभक्ति के अनुसार है लेकिन इसका होगा मूल शब्द खग खग का मतलब होता है पक्षी मानी का मतलब होता है अभिमानी अहंकारी वने का मतलब आप जान ही रहे हैं ठीक है उसके उसके बाद पीपा सीता का मतलब होता है क्या प्यासा ठीक चातक जो है एक प्रकार का पक्षी होता है उसके बाद है यहाँ पर याचते याचते का मतलब होता है मांगता है और पूरम का मतलब होता है क्या इंद्र को तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि इस श्लोक के माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्ति की बड़ाई की गई है कहने का मतलब है कि एक एव खगो मानी वने वास्ती चात का यानी कहा गया है कि चात का मतलब हुआ एक प्रकार का पक्षी ठीक कहा गया है यहाँ पर स्टूडेंट कि अकेला जो है एक ही पक्षी होता है ठीक है ठीक है एक ही चातक होता है जो वन में क्या होता है रह जाता है यानी एक ही कोई स्वाभिमानी मानी का मतलब हुआ अहंकारी नहीं कहना ठीक रहेगा यहाँ पे स्वाभिमानी कहना ज़्यादा ठीक रहेगा ठीक है <coughs> अहंकारी यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए मतलब ये अहंकार उस संदर्भ में जो पहले जमाने के लोगों में सिद्धांत होता था ना कि हम कह दिए इधर से नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे उस संदर्भ में कहा गया तो कहने का मतलब ये है कि <coughs> एक, एक ऐसा पक्षी होता है जंगल में जो क्या होता है स्वाभिमानी होता है भले वह पिपासी तो यानी कि कितना भी प्यासा रहेगा लेकिन वह जंगल में ही रहता है और इंद्र से बस यातना करता है और इंद्र पुरंद्रम का मतलब क्या हुआ इंद्र को यानी कि भगवान इंद्र से ही प्रार्थना करता है कि पानी बरसे और वो पिए अगर नहीं बरसा तो वही जंगल में रहेगा मर जाएगा लेकिन उसका स्वाभिमान कभी भी नहीं डोलेगा तो यह बात बताना चाहता है इस श्लोक के माध्यम से आप लोगों को कभी ये बताना चाहते हैं कि बउआ हमेशा सिद्धांत व्यक्ति को रखना ही चाहिए आपका कोई ना कोई सिद्धांत होना चाहिए ठीक है मान लीजिए आपका दो घंटा रोज पढ़ने का सिद्धांत है तो पढ़ लीजिए आकाश इधर हो पताल उधर हो नीचे हो ऊपर हो लाइट हो बत्ती हो घर में शादी हो विवाह हो उससे कोई मतलब नहीं है सिद्धांत है तो है कि हाँ दो घंटा हमको पढ़ना है तो ऐसे लोगों को स्वाभिमानी लोग कहा जाता है कि वो अपने स्वाभिमान और सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं करते लेकिन अगर मान लीजिए आज आप पढ़ रहे हैं तीन घंटा पढ़ लिए कल मैच है तो वही बैठ के देख लिए ठीक है तो फिर गड़बड़ वाला बात हो गया तो वही कहा गया कि एक ना एक पक्षी रहता है शुभिमानी जंगल में जो हमेशा जंगल में ही रहता है ये नहीं कि जंगल छोड़ के भाग जाता है भले वो प्यासा मर जाए लेकिन मतलब कि वह प्यासा ही मर जाए लेकिन वह क्या करता है हमेशा इंद्र से प्रार्थना करता है और इंद्र भगवान की से याचना करता है याचना का मतलब वह प्रार्थना करता है कि पानी बरसे उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहा है कि चातक की खग वर्तते चातक जो है चातक एक प्रकार का पक्षी होता है चातक कैसा कैसा खग वर्तते चातक कैसा पक्षी होता है तो सर काला होता है गोरा होता है नहीं यहाँ पर कैसा पक्षी है तो चातक जो है यहाँ पर मानी पक्षी है मानी का मतलब सौ मानी है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मानी हो जाएगा उसके बाद है कह बने वस्ती कह बने वस्ती यानी कौन बन में बसता है तो कौन बसता है तो चातकह बने वस्ती उसके बाद है यहाँ पर कह पीपा सीता कह पीपा सीता कह पीपा सीता यानी पिपा सीता का मतलब प्यासा और मृियते का मतलब मर जाता है कौन प्यासा मर जाता है लेकिन कभी भी बाहर नहीं निकलता जंगल से चातक उसके बाद है कह मानी अस्थि कह मतलब कौन मानी है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चातकह किर्दिशा खग बरता तो चा किर्दिशा मा, मानी खग वर्तते तो इसको पूर्ण वाक्य में पूछेगा तो पूरा में लिखे तो ये पूछ रहा है कह मानी अस्ति कौन मानी है तो चातक मानी है अभिमानी है अभिमानी मतलब स्वाभिमानी चातक कुत्र वस्ती चातक कहाँ रहता है तो वन में रहता है उसके बाद है किर्दिशा चातकह मृियते ठीक है तो ये देखिए वही वाला है कि पिपासीता चातकह मृियत जो प्यासा चातक रहता है वो क्या होता है मर जाता है तो यही न पूछ रहा है यही क पूर्ण वाक्यन चातक किमर्थम मानी कथ्यते ठीक है चातक को हम लोग क्यों मानी कहते हैं मानी का मतलब अभिमानी कहते हैं इसलिए क्योंकि चातक जो है क्या करता है प्यासा ही रहता है लेकिन इंद्र से प्रार्थना करता है कि भगवान इंद्र ही वर्षा करेंगे तो वो पानी पिएगा ठीक है चलिए उसके बाद है उसके बाद है कह पुरंदरम याचते कह पुरंदरम याचते तो चातकह पुरंदरम याचते याचते का मतलब प्रार्थना करना पुरंदरम मतलब इंद्र और चातक मतलब चातक यानि कहने का मतलब है कि कौन इंद्र से प्रार्थना करता है तो चातक प्रार्थना करता है मानी विशेषण पद से मानिक विशेषण पद है तो बिल्कुल मानी विशेषण पद है मानी का मतलब हुआ मानी तो मानी किसी की विशेषता होगी तो विशेष क्या है तो किसकी विशेषता है तो यहाँ पर खग की नहीं यहाँ पर जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो है चातक खग दोनों चल सकता है ठीक तो यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है देखिए मानी लिखा हुआ है तो मानी जो है खग ही सही उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में खग है तो यही सही उत्तर माना जाएगा लेकिन मार्किंग स्कीम में दोनों दिया होगा ठीक आप लोग लिखे खग चाँत का स्लेस दे कोई दिक्कत नहीं उसके बाद उसके बाद है अश्विन श्लोके मृियतेंति क्रिया पदस्य से मृियते एक क्रियापद है तो कर्त पदम किम तो कौन मृियत है तो यहाँ पे चात कह मृियत तो दूसरा का क्या हो जाएगा चात कह हो जाएगा अस्मिन सोलोके मरणम प्राप्तनोति तर्थे क शब्द प्रयुक्तम मरणम प्राप्तनोति यानी मर मरने को प्राप्त हो जाता है इसके जगह कौन सा शब्द यूज किया गया है तो मृयते का यूज किया गया है चातका वस्ति चातक वस्ति इत, इत्यादि क्रियापदम किम तो चातका मत पक्षी हो गया तो ये तो क्रियापद होगा नहीं यही तो स्मार्टनेस है बुआ लगाइएगा दिमाग से तभी एकदम 100 में 100 छपेगा 100 में 100 छपना समझ रहे हैं कि एकदम परफेक्ट बच्चा है तो एकदम परफेक्ट बनना होगा चातका वस्ती तो चातक क्या हो गया कर्ता हो गया वस्ती यहाँ पर क्रिया अंति जिसमें लगा हो था लगा हो क्रिया होता है तो ये ध्यान में रखिएगा चातक कोई बच्चा क्रिया लिख देगा तो सोचिए ना चातक क्रिया हो सकता है चातक का मतलब होता है पक्षी नहीं चातका वस्ती कर्तपदम की तो वस्ती यहाँ पे क्या है कर्तृपद है ठीक अब हम लोग चलते हैं छठे में स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लास्ट श्लोक यानी छठे श्लोक पे तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अन्य कत्य का जितना भी श्लोक है वो किसी की प्रशंसा है या निंदा है मतलब बुराई है तो जैसे और वो भी कैसे तो अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि इनडायरेक्टली तो इनडायरेक्टली बुराई किसका हो रहा है कब समझ में आता है जब लास्ट में बात पहुंचता है तब जैसे वो लड़का चश्मा वाला है वो अच्छा गाता है तो अब दिमाग में दोहराना वह कौन है चश्मा वाला तो लास्ट में जब पूरा बात फाइनल हो जाता है तब आता है इसलिए पूरा श्लोक फाइनल हो तब आप लोग जो है समझिएगा किसके बारे में कहा गया और इस श्लोक से जो है मेघ की यानी कि जो वर्षा है उसकी तारीफ की गई है तो देखिए आश्वास्य का मतलब होता है स्टूडेंट संतुष्ट करके पर्वत कुलम का मतलब होता है पर्वतों के समूह को तपो सन तप देखिए यहाँ पर जो है यह शब्द जो है और यह, यह सब एक साथ ही लिखा गया ये बहुत बड़ा शब्द है इसको एक साथ मान के चलिए मान के क्या चलिए एक साथ ही लेकिन फिर ये टूटेगा तो तपो न स न तम मम तक टूटेगा तो इसका मतलब होता है सूर्य की गर्मी से तपे हुए और इसी म तक कटेगा उसके बाद ऊ है तो आपको बताए थे संधि में कि बीच में ऐसे ऊ नहीं अगर ऊ आता है तो ऊ आता है तो बीच में ऐसे लगता नहीं ऐसे नीचे लग जाता है तो म तक कट गया तो अब क्या बचा तो उधा क्या बच गया तो उधा सॉरी ऊ द दाओ विधू तो इसका मतलब हुआ ऊंचे पेड़ से रहित तो जब भी आप देखिएगा हलंत और द तो ये डब इस प्रकार से लिखा जाता है कंप्यूटर में तो वही समझिए वही है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे तो उदाम दाओ विधू अलग करके यानी ऊंचे पेड़ से रहित तो पहला का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि आश, आश्वास्य इसका मतलब हुआ संतुष्ट करके भाई किसको तो पर्वतों के समूह को किस से तो सूर्य की गर्मी से ठीक है उसके बाद ऊंचे पेड़ से रहित च कानी तो संतुष्ट किया जा रहा है ध्यान से समझिए लास्ट में आइएगा तब समझ में आएगा अभी फिलहाल समझिए लास्ट में पत्ता खुलेगा कि किसका तारीफ किया जा रहा है कह रहा है कि संतुष्ट करके आश्वास्य का मतलब हुआ संतुष्ट करके किसको तो पर्वत कुलम यानी कि पर्वतों के समूह को यानी ग्रुप ऑफ पर्वत किस से तो भाई गर्मी से और यानी कि ऊंचे पेड़ से रहित ऊंचे पेड़ से रहित क्या तो ज कानानी कानानी का मतलब हुआ जंगल आप अभी बुद्धि बलवती सदा में पढ़े ना गहन कानाने कानाने का मतलब क्या हुआ जंगल हुआ कांतरे का मतलब क्या होता है जंगल होता है यानी तुम संतुष्ट करते हो किसको तो जो मतलब कि ऊंचा जो पर्वतों का ग्रुप है जो सूर्य की गर्मी से तपे हुए हैं, और जो क्या है तो ऐसा जंगल जहाँ पे क्या है ऊंचे ऊंचे बन नहीं है ठीक है स्टूडेंट तो ये मतलब हुआ उसके बाद हुआ कि देखिए ध्यान से देखिए नाना नदी नाना नदी नद सतानी इसका मतलब हुआ अनेकों सैकड़ों नदी चौपड़ित और अनेक सैकड़ों नदी को तुम क्या कर देते हो सैकड़ों नदी नालो जितना भी यह सबको भर देते हो रिक्तोसी यज जलद सैब तपो तमाशरी और तुम क्या हो जाते हो खाली हो जाते हो हे मेघ यही तुम्हारी क्या है तो शोभा है यहाँ पर जलद का मतलब हुआ हे मेघ बारिश तो इसमें जो है बारिश की तपस्या तारीफ की गई है कि हे बारिश यहां से समझिए हे बारिश तुम्हारी शोभा बढ़ जाती है कब जब तुम खाली हो जाते हो तो बारिश खाली कब हो जाएगा जब वो क्या करेगा ऐसे पर्वतों पे बरस जाएगा जो पर्वत क्या हो मतलब कि गर्मी से एकदम पड़े जले हुए हो सोचिए पत्थर है क्योंकि देखिए साहित्य में क्या होता है ये साहित्य है लिटरेचर है तो लिटरेचर में नॉन लिविंग थिंग्स में भी जान माना जाता है तो कह ये रहा है कि जो पत्थर गर्मी से परेशान है हे मेघ तुम उसको क्या कर देते हो तो आश्वास्य कर देते हो यानी कि संतुष्ट कर देते हो बरस के कर देते हो तुम क्या करते हो कि जो ऐसे जंगल है जिसमें ऊंचे-ऊंचे पेड़ नहीं है ऊंचा पेड़ नहीं है जंगल में तो पूरा धूप से पूरा जंगल का आदमी सब परेशान हो जाएगा जानवर उन्वर सब उसी में भी बरस के तुम क्या करते हो उसको भी संतुष्ट कर देते हो तुम क्या करते हो नदी नाली सबको भर देते हो हे मेघ जब तुम खाली हो जाते हो अब जब सबका भर उड़ दिया सब बारिश करा दिया तो मेघ तो खाली हो गया अब बादल खत्म हो गया तो हे मेघ तभी तुम्हारी शोभा बढ़ती है तभी तुम्हारी क्या बढ़ती है शोभा बढ़ती है तो इसका मतलब यह हुआ अब आपको कराते हैं क्वेश्चन एंड तो पर है। पहला है कि अस्मिन श्लोके कम संबोध्य कवि कह रहा है कि इस श्लोक में किसको संबोधित करते हैं कौन तो कवि तो कवि जो है किसको संबोधित करते हैं जलत को जलत का मतलब क्या होता है देखिए यहां पे लिखा हुआ है ये, 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 ये काट के पढ़िए जलद जलद का मतलब होता है बारिश बचपन से आप लोग याद किए होंगे पर्यावाची हिंदी का सब न काम आता है ठीक है सब काम आता है इसलिए सब क्लास का पढ़ाई ध्यान में तंका बहुत रहना ही चाहिए तो जलद का मतलब होता है बारिश तो कभी किसको संबोधित किए हैं तो जलद को अगर रहता है कह संबोधित तो जलद तो यहाँ पर कम से है तो क्या हो जाएगा जलदम उसके बाद है जलदा किर्दिशम पर्वत कुलम आश्वस्यति यानी कि जो जलद है वह कैसे पर्वत को आश्वस्त यानी कि संतुष्ट कर देता है तो ऐसे पर्वत को जो क्या हो तो तपोनस न तप्तम यहाँ पे म लगा दीजिएगा ये वाला म जो गर्मी से परेशान हो सूर्य की गर्मी से तो ये हमने लिख दिया जो यहाँ पर आपको हमने बताया है सूर्य की गर्मी से ठीक है तप्तम सूर्य की गर्मी से इसको ठीक कर लीजिएगा ये पूरा लिखेगा तप्तम यहाँ लगता है और ऊ उदाद, उद उदध, दाम विदुरानी अलग हो जाता है तो ये हो गया उसके बाद है स्टूडेंट न, नदी न, नदी, न, नदी नद दस्तानी पूरी वाह क रिक्त भक्ति नदी नाली को पूरा कर कर कौन रिक्त यानी रिक्त मतलब खाली हो जाता है तो आपको पता है जलद यानी कि जो बादल है वो खाली हो जाता है ठीक है तो जल्द यहाँ पर आंसर हो गया उसके बाद स्टूडेंट यहां पर उसके बाद क्या है ध्यान से देखिएगा चलिए उसके बाद क्या है कि जल जलदह एक वाक्यन का मतलब हुआ पूर्ण वाक्यन ठीक है तो आप लोग में पूर्ण वाक्यन लगा तो पूर्ण वाक्यन पढ़िए उसके, उसके बाद क्या है जलदह कानी पूरी स्वयं रिक्तो भवती जलद जो है किसको पूरा कर कर अपने आप को रिक्त कर देता है तो आपको पता है कि जलदह किसको पूरा कर देता है तो जितना भी नदी नाली है उसको क्या करके पूरा करके अब स्वयं को रिक्त कर लेता है तो यह श्लोक से लिखेगा कि जलदा जो है ना नाना नदी दस्तानी चौपुरित रिक्तो भक्ति यानी कि पूरे न, नदी नाली को भर कर क्या करता है स्वयं को रिक्त कर लेता है खाली कर लेता है तो कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जानबूझ के क्वेश्चन बोर्ड देगा क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ये सब लिख देते हैं कि इसको पर्वत को भी भर देता है नहीं पर्वत और जंगल को संतुष्ट करता है लेकिन नदी नाली को भरता है ठीक है तो ये मान में रखिएगा कि क्या पूछ रहा है अगर संतुष्ट पूछ रहा है संतुष्ट यहाँ पर क्या होगा तो आश्वस्य पूछ रहा है तो आप दीजिएगा पर पर्वत के बारे में और जंगल के बारे में कानानी के बारे में लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है पूरा किसको करता है तो नदी नाली को उसके बाद है नाना नदी सतानी पुरीतवा जलदी भक्ति जब नदी नाली को पूरा कर देता है तो जलद कैसा हो जाता है तो आपको पता बस कैसा के जगह आंसर देना है तो रिकता हो जाता है खाली हो जाता है तो वही भरी उत्तमा श्री अन्य विशेषण पदम किम की विशेषण पदम किम तो विशेषण पहले वाला क्या हो जाएगा उत्मा हो जाएगा उत्तमा श्री अन्यो विशेष पदम तो श्री बाद वाला विशेष हो जाएगा ठीक है अत्र स्लोके पर्वत कुलम इत विशेषण विशेष अत्र श्लोके पर्वत कुलम इति विशेष्य तो पर्वत कुलम एक विशेष्य है बिल्कुल सही पर्वत कुलम का मतलब हुआ पर्वतों का ग्रुप यानी पर्वतों का समूह तो ये विशेष्य है यानी कि इसके बारे में कुछ न कुछ विशेषता होगी तो वही पूछ रहा है कि क्या विशेषण है इसकी तो इसकी विशेषणता विशेषण यानी कि विशेषता यह है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम लोग लिखेंगे तपोनस न तप्तम उसके बाद है आशी तपसा एव अत्र क्रियापदम कर्तृपदम किम ठीक तो ये क्वेश्चन को कट कर दीजिए ठीक ये नहीं परफेक्ट है चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है गलत टाइप हो जाता है <kuh> पूछना चाहिए कुछ है और एंगल में पूछ देता है कुछ और एंगल में आगे चलते हैं अब चलिए स्टूडेंट लास्ट वाला पे चलते हैं ठीक है तो इसमें देखिए स्टूडेंट इस श्लोक के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि बहुत लोग देखावा उखावा व्यवरा करते हैं ठीक है तो सबसे उम्मीद नहीं रखना चाहिए ठीक और दीन वचन को नहीं बोलना चाहिए जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक शादी में आप गए ठीक है तो शादी में गए एकदम सब झाड़ झूर के आया हुआ है एकदम पाँच पाँच हज़ार का साड़ी पाँच पाँच हज़ार का कोट पैंट पहन के सब रिश्तेदार सब आपका पहुंचा तो लग रहा है कि सौ पचास पचास रुपया हमको देगा तो भाई एकदम आज पंद्रह सौ रुपया यहाँ से लूट के चलेंगे या शादी में पैसा उड़ाया जाएगा काफ़ी अमीर शादी लग रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि शादी में पैसा उड़ाया ही जाएगा वही मतलब यहाँ पर बताया गया है ठीक है कि जो गरजता है जरूरी नहीं कि वो बरसता है और सबके सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए आराम से रहना चाहिए और दीन वचन को नहीं बोलना चाहिए <coughs> तो ये चातक पे धर के कहा गया है तो आपको पता है इनडायरेक्टली कहा गया रे रे चातक यानी कि अरे रे रे रे, रे चातक तो रे रे संबोधन हुआ ठीक तो ठेठी में तो बिहार में हम लोग रे रे हुआ रे कार पाना रे इधर आ तो इ, तो इस तरह से रे नहीं हुआ रे रे का मतलब हुआ सम्मान से रे रे यानी अरे मित्र अरे मित्र सावधान मनसा मित्र यानी कि क्या करो तो सावधान मन से क्या करो रे रे चातक तो चातक पक्षी आपको बताते रे रे मित्र चातक सावधान मनसा यानी कि एकदम मन से सावधानी से मित्र छनम सूर्यता यानी कि सूर्यताम सूर्यताम ये जो है देख रहे हैं ये लगा हुआ है तो ये सब साथ ही लिखा हुआ ठीक तो कह रहा है कि रे मित्र छनम यानी कि कुछ छनम मतलब हुआ कुछ छन के लिए मुझे क्या करो तो सुनो और यहाँ पे सूर्यताम जो है ऐसे होगा ठीक है और यह म हलंत हो गया तो मेरे यहाँ पर तो पूरा म है अरे यहाँ पर पूरा म है म इक्वल टू क्या होता है म हलंत प्लस औषधि में बताएं हलंत लग गया यानी आधा म इधर गया तो सूर्यताम मतलब सुनना यानी छन पर मेरी बात सुनो अम्बोधा तो यहाँ पर क्या बच गया अ बच गया अम्बोधा का मतलब इस बार अबे में भी आया था क्या होगा बारिश होगा ठीक क्या होगा बारिश थोड़ी होगा मेघ होगा ठीक तो कहता है कि अम, संति तो कहने का मतलब है कि निश्चित तौर पे आकाश में क्या है तो बहुत अंबोधा यानी कि बहुत बादल है ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के सभी बादल क्या हो सर्वे पी नैता दृशा यानी कि सभी के सभी बादल बरसे ही के भीरा दरयती वसुधा गरजंती केचित वृथा और इसमें से कुछ जो वृष्टि यानी कुछ जो बादल है वह क्या होते हैं बरसते हैं और क्या करते हैं तो पूरा वसुधाम वसुधाम का मतलब हुआ वसुधा का मतलब धरती धरती को क्या कर देते हैं पूरी तरीके से गिली कर देते हैं लेकिन कुछ बेकार में ही क्या करते हैं तो गरजते हैं तो यही हुआ कि एकदम जरूरी नहीं कि जो बादल गरज रहा है जो एकदम शॉर्ट पैंट पहन के आपके रिश्तेदार आए हैं शादी में पचास पचास रुपया आपको देंगे ही कुछ देंगे वही बताया गया है यम यम पश्यसी यम यम पश्यसी और यहाँ पे क्या हुआ यम यम पश्यसी तस् तस्य पुरतो मा बुरही दीनम बच कहने का मतलब है कि तुम जिस जिस मेघ को देखते हो उ, उस उसके सामने क्या हो बरसने के लिए दीन वचन मत बोलो यानी कि उससे कभी भी आशा मत लगाओ ठीक तो ये चातक से निवेदन करके ये बताया गया है चातक पे रख के कि आप ही लोग देखते हैं बादल जाए हे भगवान है बरसो है बड़ा गर्मी पड़ रहा है नहीं जरूरी नहीं है क्या आप सबके सामने हाथ फैलाए कि बरसो बरसो बरसना हुआ तो अपने आप बरस जाएगा गाना गाएगा बरसो रे मेघा मेघा ठीक है और माम ब्रूही दीनम वचन यानी कि क्या करो दिन वचन को मत बोलो एकदम दिन मतलब गरीब के तरह बाल रहा है बरसो ना बरसो ना जरूरी नहीं कि बरसेगा और जिसको बरसना होगा वो बरस के धरती गीला कर देगा ठीक है अब चलिए इसी बात पे सभी लोग अपना अपना पढ़ाई करेंगे और क्वेश्चन आंसर को करा देते ये चैप्टर हो गया एंड अम्बोधा कुत्र संति अम्बोधा मतलब मेघ कहाँ है तो भैया कहाँ है तो गगन में है यानी कि गगने यानी कि ऊपर आकाश में तो सर आकाश नहीं लिखेंगे नहीं नहीं या देखिए ना संति गगने ठीक है अम्बोधा वह वो वह वो ही संति गगने के वृष्टि भी वसुधाम आद्रयंती कौन वृष्टि करके वसुधाम यानी धरती को आद्रयंती कर देगा तो अम्बोधा अम्बोधा नहीं अम्बोधा किदिशा वच माँ ब्रूही कैसा वचन वच जो है ब्रूही ब्रूही का मतलब क्या होता है बोलना कैसा वचन जो है नहीं बोलना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे दीनम ठीक को मत बोलो अम्बोधा वृष्टि भी काम आद्रयती तो अम्बोधा वृष्टि से किसका कल्याण होगा ठीक है गिला कौन होगा तो बसुधाम तो वही तो पूछा है देखिए ना के वृष्टि भी वसुधाम आद्रयंती तो अम्बोधा आ, अम्बोधा वृष्टि भी काम आद्रयंती सब तो सेमे है तो क्या हो जाएगा बसुधाम गगने ही वह के संति तो गगने ही वह अम्बोधा संति यानी गगन में कौन वह मतलब घूम रहा है तो वह वो यानी कि मेघ घूम रहा है सावधान मनसा क सुनो तो यानी सावधान मन से किसको सुनना चाहिए तो सावधान मनसा चातका सुनो तो यानी किसको कहा गया है सुनने के लिए तो चातका को कहा गया है ठीक है अत्र कवे मित्रम कस्थि अत्र कवे मित्रम कस्थि वेरी वेरी इंपोर्टेंट कवि मतलब कभी अत्र मतलब यहाँ मित्र मतलब मित्र क मतलब कौन अस्थि मतलब है यानी कि यहाँ पर कवि का मित्र कौन ka, ka है तो रे रे चातक रे रे का मतलब हुआ अरे मित्र अरे मित्र तो कभी अरे मित्र किसको कहे है चतका को तो मित्र का कवि का मित्र कौन है तो चतका है तो चतका लिख देंगे अत्र कवि मित्रम चातक अस्ति ठीक है तो दीन वचा। मा अत्र क्रियापद तो क्रिया मतलब क्या काम होना तो ब्रूही का मतलब बोलना तो यहाँ पर ब्रूही काम हो रहा है तो ब्रूही होगा ये उचित अर्थ में भी पूछा था कि ब्रूही का मतलब क्या होता है तो हिंदी में बोलना और संस्कृत में बद व अम्बोधा अन्यो पदे विशेषण पदम किम तो अम्बोधा सॉरी बार बार माफ कीजिएगा अम्बो अम्बो हम लोग के इधर जो है ना बिहार में थोड़ा सा उच्चारण हम लोग का इधर उधर हो जाता है तो अम्बो अम्बोधा पूछ रहा है कि इसमें विशेषण पदम किम है तो अम्बोधा का विशेषता क्या है तो वह वह तो यहाँ पर आगे वाला विशेषण हो जाएगा उसके बाद है सलोके समक्षम इतस्य पर्याय पदम किम यानी समक्षम के जगह क्या पर्याय पद है तो पूर्त उसके बाद है शोषियंती इत्य विलोम पदम किम प्रयोगतम तो शोषियंती मतलब शोषण का ना आद्य मतलब कल्याण टाइप का हो गया तो ये हो गया विलोम बन गया नमस्ते चैप्टर खत्म तो चलिए स्टार्ट करते हैं अन्वय को तो एग्जाम में जब आप जाएंगे तो वहां पर अन्वय नहीं अन्वयम लिखा रहता है तो उससे कोई भी मतलब होना नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में इस बार इस टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ठीक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सर क्यों पहले ये टॉपिक 1 नंबर का आता था फिर दो नंबर का आता था तो स्टूडेंट सब कोई इस टॉपिक को वैल्यू नहीं देते थे चल हट उसके बाद इस इस टॉपिक का बार जो है है नंबर नंबर बढ़ाकर कर दिया गया है। अब जैसे ही सब सुनता है चार नंबर तो फट से कहता है चल चल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल और इस टॉपिक में घुस जा ठीक है तो वही माहौल हो गया है तो चार नंबर है और देखिए क्वेश्चन कितना आसान है जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको एक अनवय श्लोक दिया रहेगा ऐसे दिया रहेगा और ऐसे में से चार में से यहाँ सेट कर देना है सेट कर दिए चार नंबर अपने इलाका में आ गया तो कितना आसान टॉपिक है जी सर अब एक काम कीजिएगा आप सभी स्टूडेंट कि यहाँ पर अनवय का जो है आप ये वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद अगर आप बोर्ड बूस्टर बैच में हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस कराए हैं तो उस सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए तो उसको लगा लीजिएगा और जो टेस्ट सीरीज में है या नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए वहाँ पर भी अन्वय का पूरा दे चुके हैं तो एकदम करके प्रैक्टिस जाइए एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पर अन्वय क्या होता है सबसे पहले वह समझ लीजिए एक मिनट में जिनको नहीं समझना है आगे अभी आप बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखिए समझ लीजिएगा तो अच्छी बात है अन्वय का सिंपल अगर मोटा मोटी भाषा में आपको बताया जाए सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में तो अन्वय का मतलब होता है संस्कृत का संस्कृत में एक्सप्लान जैसे आप देखते होंगे कि कोई टीचर यूट्यूब पे ही हो चाहे आपके स्कूल में ही हो जैसे मान लीजिए एस एस टी पढ़ा रहे हैं ठीक तो उसका एक्सप्लानेशन इंग्लिश में करें ठीक है चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उसका एक्सप्लानेशन इंग्लिश में करें ठीक तो उसी तरीके से संस्कृत में श्लोक का एक्सप्लानेशन संस्कृत में क्या कहलाता है अनवय कहलाता है सर ये क्या एक्सप्लानेशन बताएं जैसे यह श्लोक आपको दिया हुआ है पिता इ क्षति पुत्राय बाल्य विद्याधनम महत तो पिता जो है देते हैं बचपन में ए, बच्चों को विद्या रूपी धन वो सबसे बड़ा धन देते हैं सबसे बड़ा गिफ्ट देते हैं तो इस श्लोक का मीनिंग हम कैसे समझाएं हिंदी भाषा में मान लीजिए इस श्लोक का मीनिंग हम चाहे तो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है कि फादर गिव टू यू ए, क्या नॉलेज स्टडी इन बचपन में ठीक इंग्लिश में हो गया जी सर तो इसका संस्कृत में भी समझाया जा सकता है वही अनवय कहलाता है तोड़ के पूरा एक्सप्लेनेशन ठीक है चलिए अब देखिए अनवय बनाने का सबसे सिंपल टेक्निक होता है अनवय गलत नहीं होगा किसी भी बच्चे का आज के क्लास करने के बाद देखिए क्या होता है सबसे पहले आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए जो जो इसमें लिखा है वो श्लोक में काटते चलिए काटते चलिए अरे पिता है जी सर ऐसे काट दीजिए ठीक लाल से काटिए एकदम बढ़िया रहेगा पुत्राय है जी सरकार पुत्राय महता है जी सरकार है यक्षति है सरकार है अस्य पिता नहीं है सर तप है हाँ सर तप है ये तप है ठीक है ताप यहां तो के सर यहाँ तो तप विसर्ग से तपह नहीं अरे ये विसर्ग वाला तप था और तेपे था ओहो राजा जी यही विसर्ग का आधा बन के ये हो गया तो तपह काट दिए इति देखिए यहां से इति कट गया जी सर तत्क्रियगता ये सर ये कट गया सर और सर मन्यते चलिए सर ठीक है जितना आपको क्षति है यह आपका एक क्षति कटी है जितना आपको समझ में आए उतना जो है आप यहाँ पर काटते चलेंगे इसमें नहीं काटेंगे उसमें जो है आप काटते चलेंगे अब देखिए श्लोक में क्या होता है कि दो लाइन का श्लोक है जी सर दो लाइन का है तो आप क्या देखिएगा क्वेश्चन भी दो लाइन में क्वेश्चन है. है, है, भी क्या में है दो लाइन में है समझिए क्या हम बताना चाह रहे हैं अब पहला जो लाइन होगा श्लोक का ट्रिक है पहला जो लाइन होगा उसमें जो वर्ड बच गया वही नाइन परसेंट होगा ओ सर सर तो पहला में क्या बच गया बाल्य और विद्याधनम बच गया तो हुजूर बाल्य और विद्याधनम 99 क्या 100% परसेंट चांस है कि पहला या दूसरा में होगा बाद में हम लोग चेक भी कर लेंगे घबराइए नहीं लेकिन अभी भरते पहला या दूसरा में होगा कन्फर्म है ये यही ये, ये दोनों या तो पहला में होगा या तो दूसरा में होगा नहीं तो नहीं हो सकता है कहीं ये तीसरा चौथा में कभी नहीं होगा क्यों क्योंकि पहले लाइन का है तो पहले लाइन का एक्सप्लेनेशन देखिए यहां तक या पूर्ण विराम है ना अच्छा सर आ दूसरा लाइन का एक्सप्लेनेशन ये है तो विद्याधर्म वाले तो पहला लाइन का मतलब है तो ये दूसरा में कहा सेट हो जाएगा टेक्निक समझे अब कोई बच्चा विद्याधर्म वाले यहां में से कहीं भर दे उठपटांग जगह तू तो गलत हुआ अब सुनिए पिता पुत्रा डैश महत तो यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं महत सर विद्याधन महत भर देते हैं गलत हो जाएगा श्लोक का क्या मतलब अनवे का क्या मतलब है संस्कृत का संस्कृत में एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा सा मतलब भी तो समझिए ठीक है सर यहां पर नहीं पता चल रहा है अगला लाइन पर ही आपका सेट हो जाएगा डैश यक्षति तो यक्षति का मतलब क्या हो गया देता है समझिए टेक्निक से क्या हमें पता लगा कि विद्याधनम और बाल्य यही दोनों में कहीं ना कहीं सेट करना है इसको नीचे नहीं सेट करना है अब सुनिए ध्यान से डैश डैश देता है यक्षति यक्षति का मतलब होता है देते। है देते तो देते देते हैं 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 पिताजी तो सर य क्षति का मतलब नहीं पता अरे एक बार क्लास करिए कि बोर्ड देने जाइएगा अभी नहीं पता है वो जब प्रेशर आएगा अठारह फरवरी को लेकिन चैप्टर आप पढ़ के जाएंगे वो उस दिन पता चल जाएगा कि यति मतलब देते हैं तो डैश देते हैं अगर हम बोले कि डैश खाते हैं अब डैश के जगह क्या भरा सकता है कि कोई आदमी खाते हैं कोई फल खाते हैं कोई यह हम भर सकते हैं खाना खाते हैं ये थोड़ी बोलेंगे ट्रक खाते हैं बस खाते हैं तो डैश यानी डैश देते हैं तो इस श्लोक में पिताजी क्या देते हैं तो विद्याधन देते हैं तो विद्याधनम जो है यहां पर हमारा सेट हो गया विद्याधनम क्या हुआ यहां पर हमारा जो है सेट हो गया ये हो गया विद्याधनम सेट ओहो सर ये बात हाँ। अब कोई कहेंगे कि ये महता है और में यही यहाँ पे लिख देंगे तो गड़बड़ न हो जाएगा ठीक है वो ऐसे सिंपल चीज रहता थी सब क्वेश्चन नर्सरी में भी नहीं पूछता दसवा के बोर्ड में पूछेगा लाज शर्म क्वेश्चन बनाने वाला को है कि नहीं फांसी पे चढ़ जाएगा तो इसको एक्सप्लानशा है इसको करिए अब देखिए अब ये हो गया अब बचा बाल्य तो यहां पर भरिए और मह, मतलब भी देख लीजिए पिता पुत्राए बाल्य महत यानी पिता बचपन में पुत्र के बचपन में महत क्या देते हैं महत्वपूर्ण विद्याधनमे क्षति देते हैं तो यही बताए कि एक्सप्लेनेशन है जो हिंदी में समझा ना वही संस्कृत में समझा रहे हैं तो ध्यान से बनाइएगा अस्य पिता किम तपह अब बच गया ये उक्ति और तेपे अब देखिए तपह तेपे इसके लिए पिताजी क्या तपस्या तेपे यानी करते हैं इति डैश ये उनके प्रति क्या है यही कथन ये स्टेटमेंट तो तो अभी तो स्टेटमेंट जब पूरा होगा तब ना आप कहिएगा ये, ये स्टेटमेंट फाइनल तो उक्ति जो है हाँ पर सेट हो गया चार चार में उत्तर हाँ पर हमारा आ गया ठीक है तो होश में यहाँ पर जोश नहीं खोना है ठीक है होश न जोश देखने वाला ठीक है अभी रील चलता था ना कोई होश में न जोश में देखने वाला भुला गया कोई बादलों को मोर देखा मन को चकोर देखा देते नदी दो बाला होश न जोश मने मचने वाला ठीक है ऐसी कुछ था जीता था जिसका लिया भाई बहनों जिसके लिया मरता था वो एक ऐसी लड़की थी जिस प्यार भाई बहनो करता था एक क्वेश्चन पूछू मोदी जी हाँ पूछो ना रोनाल्डो भाई युवा कैसे बनेगा बताओ ना रोनाल्डो भाई बनाइए इसका बनाइए आंसर ठीक है जिसके लिए सूट है तू ही तो नहीं दरभंगा से सहरसा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होते हुए आता हूँ हाजीपुर तू ही तो नहीं तेरे लिए जिसका दिल धड़कता है वो कौन है तू ही है ठीक है पटना से आता हूँ अंतिम भागलपुर तक जाता हूँ समस्तीपुर में तेरे लिए खरीदता हूँ मुजफ्फरपुर में बस पकड़ता हूँ और दरभंगा स्टेशन पे अनाउंसमेंट करता हूँ टू ही तो नहीं जिसके लिए दिल में रहिए बेचैन है वो कौन है है ठीक है चलिए ठीक है ये है कौन है फूफा जी है ड्यूटी के बाद तो पैसेंजर पकड़ के जयनगर वाली एक्सप्रेस से सीतामढ़ी आता हूँ सीतामढ़ी में अपना घर है कहाँ है सीतामढ़ी में है ठीक है तू ही तो नहीं ठीक चलिए ये बनाइए एक मिनट का टाइम दिए बना रहे होंगे ठीक तब तो किन्जॉय हो जाए ठीक है चलिए साडी गलिया जाना दिल लाया तो दिल को चोर साडी गलिया जाना ये बना ये बोर्ड का पिछला बार का सवाल है अब देखिए पहले श्लोक का मतलब हम जानेंगे ठीक ये श्लोक आप सभी के लिए स्पेशल जो है सीबीएसई ये लिखता है ठीक है श्लोक का छटैया हो रहा था कि कौन छाटा जाए तो ये भी हो रहा था कि इसको हटाया जाए लेकिन जो वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने बोला कि नहीं इसको रहने दो ठीक है तो हम लोगों ने कहा ठीक है सर बहुत बढ़िया है कहते हैं कि मिर्गा मिर्गे याद है संघ का मनुबरजंती यानी घोरा हिरन हिरन के साथ ओ सर गाय गाय के साथ घोरा घोरे के साथ मूर्खाश्च मूर्खे मूर्ख मूर्ख के साथ समान सील में सुसंख्य मित्रता हमेशा समान वालों से ही होती है जैसे मान लीजिए कि आप नेता आपका भी मित्र नेता आप अवैध धंधा करते हैं तो आपका मित्र भी अवैध धंधा ही कर रहा होगा अगर मान लीजिए कि आप कोई अगर पियकर है तो उसका दोस्त भी पियक्कर ही होगा सभ्य आदमी नहीं होगा तो सभ्य का दोस्त सभ्य होता है यानी हम जैसे हमारा दोस्त भी वैसा ही वही ये श्लोक है ठीक है हाँ मतलब हम जनरल ये सबको बताए हैं वीडियो बहुत लोग देखते हैं अब देखिए यहां पर क्या है अनवय है इसको तोड़ना है अब देखिए यहां पर चार श्लोक है चार लाइन का है जी सर तो गारंटेड है अच्छा सर आप बताए हैं ना पिछला में टेक्निक बता दिए हैं सर सराजी आप तो बता ही दिए हैं कि हाँ दो ऊपर होगा अरे बाबू दो लाइन का श्लोक था तब नहीं चार लाइन का मतलब एक एक हिस्सेदारी सबका होगा अच्छा सर ठीक है अब देखिए मिर्गा कट गया जी सर मिर्गा कट गया अब देखिए यहां पर देखिए ध्यान से संगकम हुजूर संगकम ये भी कट गया जी सर Osionfish. उसके बाद गावस चावस च सर कट गया गोभी भी, भी काट दिए चलिए बंदा बचा हुआ है तुर गए तुर गए सर काट दिए चलिए मुरखा मुरखा मूर्खा मूर्ख है कट गया ठीक है तो स नहीं कटा वो सब संधि है वो सब का कोई मतलब सुधी सुधी कट गया सर जी सुधी भी लीजिए ये भी कट गया ठीक है ये तो लूट पीट गया ठीक चलिए समानशील शील हाँ चलिए ये भी समानशील कट गया सु वलवाई काट दिए चल आगे बता ठीक है आगे बढ़ू ठीक है गजल आगे बढ़ ठीक आजकल का एक नया ठीक है गजल आगे बढ़ा ठीक है एक कमेंट आया था अब तू पढ़ा रहा है ये एक अभी ये जान रहे एग्जाम से एक घंटा पहले भी कोई देखने आ जाए ये आते हैं तो कहते हैं हाँ सर सीख के चले गए एक दो कहीं का पता नहीं कहाँ का बच्चा आ जाता है एक दो ही रहता है अबे अब तू ये क्या कर रहा है

गाबस च गोभी तुर्गा मुरखा मुरखे सुधी सुधी देखिए सबका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ये पता चल गया तो निश्चित तौर पे पहला वाला में मिर्गे है तो गारंटेड हंड्रेड परसेंट है कि मिर्गे यहां पे भराएगा ठीक है दो रूल से पता चल गया एक तो वो टेक्निक से हमें पता चल गया कि मिर्गे बचा पहला में तो मिर्गे गाबस च गोभी डैश तुर्गे तो यहां पे देखिए घुया तुर्गा तो यहां पर तुर्गा हो गया कोई यहां नहीं है हो गया पहला वाला लाइन में मिर्गे बचा तो यहाँ मिर्गे सेट हो गया तुर्गा बचा तो यहाँ तुर्गा सेट हो गया हो गया अब दूसरा टेक्निक सुन लीजिए आप देखेंगे कि श्लोक में जो चाचा है सीबीएसई चाचा ने क्या किया है चाचा जी ने क्या किया है कि गावस चोभी गाय गाय के साथ मूर्ख मूर्ख के साथ विद्वान विद्वान के साथ तो कॉम्बिनेशन यही बनेगा हिरन हिरन के साथ घोड़ा घोड़े के साथ ये हो गया सुधीप संग संगम अनुवर्जंती देखिए संगम अनुवर्जंती यानी कि पीछे चलता है ठीक है पीछे चलता है अनु ब्र जंती ये आप यहां पर लिख दिए और डैश सुभक्ति डैश सिल वालों से होती है हमेशा क्या सख्यम सख्यम का मतलब हो गया संख्यम नहीं है सख्यम सख्यम का मतलब हो गया मित्रता ठीक है सखी सहेली एक एफ हम चलता था इधर दरभंगा साइड में उस पर आता था प्रोग्राम सखी सहेली उसी में बार बार बोलता था संख्यम समानशील वैनेशु भवती ठीक है तो वहां से पता चल गया ये हो गया तो इसी प्रकार से अनबे में चार में चार अगर जिसको नहीं आया समझ लीजिए वो बच्चा है बीमार ठीक तो सर बीमार है तो हो गया आज ये लगा दिए इंजेक्शन आपको ना लगा दिए ठीक आप जाइए कहीं बगल उगल में ब्लड टेस्ट कराइए टेस्ट में अगर अरे अरे तुम्हारे खून में तो अनवय दौड़ रहा है ठीक है तो एक बार अनवय का डोज आपका लग गया अब आपको चार में चार नहीं आ रहा था तो अभी थे आप बीमार अब आप हो गए एकदम तरोताज़ा ठीक है अब अनवय में आपका चार में चार आएगा जाइए आशीर्वाद है ठीक चलिए तो एकदम जो है अब आपको क्या करना है जितना भी है उसको इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ठीक तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाबू सोना के साथ वीडियो जरूर शेयर करें जय हिंद वंदे मातरम और जो भी बोर्ड बूस्टर बैच में नहीं है या कहीं भी हमसे पढ़ाई नहीं की है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सारा क्वेश्चन एकदम लगा लीजिएगा ठीक है एक बात है कि टेस्ट सीरीज करने के बाद कोई भी आपको जो है कहीं से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है उसी में सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएगा बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सारा क्वेश्चन आपको हु बहू दिखेगा ठीक तो एकदम बनाइए और मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं आपको पता होगा सभी टीचर हमको बोलते रहते हैं कि सर आप ये बात बोलिए बच्चों को बोलिए जितने भी एस एस टी के इंग्लिश के सब हमको बताते रहते हैं कि सर आप बोलिए ये बात जो भी हम बोलने वाले कि बच्चे सब थोड़ा सा समझते हैं ठीक है जब आप बोलते हैं बेबाकी से ठीक तो जो बात है हम आपको बताते हैं जैसे देखिए ये कोई भी टीचर आपको अभी रिवीजन शॉर्ट चला रहे हैं या कोई भी वीडियो बना रहे हैं कोई भी चैप्टर का एस है इंग्लिश है कोई भी तो देखिए इसमें उनका प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि ये वीडियो जैसे अनवय का हम दिए हैं ये डाउनलोड करके आप देख रहे हैं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे जी सर डाउनलोड करके देख रहे हैं तो डाउनलोड करके देखें अब उससे क्या होता है कि कुछ इस पर इनकम उनकम नहीं आता है ठीक है ये शौखिया हम लोग का है कि हाँ भाई पढ़ाना है तो पढ़ाना है उसमें पढ़ा रहे ठीक तो यही है कि मेहनत इधर से हो रहा है तो आप भी मेहनत करें इससे ये नहीं है कि एग्जाम टाइम है तो भाई व्यू छपा रहा है तो उसमें वीडियो देते रहो वैसा वाला बात नहीं है काम की वीडियो इसलिए दे रहा है ठीक इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है एक यूट्यूब वीडियो से आपको झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ पर हम लोग को 200 300 भी इससे रेवेन्यू वन्यू नहीं आता होगा यूट्यूब से एक तो कितना व्यूज रहता है दस बारह हज़ार इस पे अनबे पे व्यूज आएगा जी सर दस बारह हज़ार व्यूज आया मतलब कि सात आठ हज़ार बच्चा ने देखा दो बार एक हो जाता है बच्चों सबका आप भी क्लिक करते होंगे दो तीन बार देख लेते होंगे तो काउंट हो जाता है मिनिमम सात हज़ार लगभग यहाँ पे आंकड़ा रहता है पाँच हज़ार पचपन सौ जो है वो वीडियो जो है डाउनलोड होकर दिख जाता है ठीक तो ऐड कितना में चला एक हज़ार बच्चों में उसमें भी कोई हम लोग हुकरा टुकड़ा थोड़ी है जो दस दस मिलियन आ रहा है तो इधर पैसा पैसा बन रहा है ऐसा नहीं है ठीक एकदम जो है एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे देखिए ये ये पत्र लेखन का डाले हैं ठीक है तो बहुत लोग तो कहता है कि भाई YouTube मनी दिखाओ उखाओ नहीं हम लोग वो सब नहीं मानते हम लोग जो बात है सो बात है देख लीजिए आप यहाँ पत्र लेखन का है देखिए कितना व्यू चढ़ गया होगा यहाँ पर दस हज़ार से ऊपर ही चल गया अभी अपडेट नहीं हुआ है देखिए कितना इसमें है एक सौ चौरासी रुपया ठीक है ठीक तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैसा कमाई हो रहा है तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है मेहनत हो रहा है क्यों, क्यों क्योंकि आपका एग्ज़ाम है आपका रिज़ल्ट छपे ठीक है आपका रिजल्ट में एकदम सौ में छः छपे तो आप एकदम याद रखें कि हाँ एक मास्टर से पढ़े थे जो था एकदम अच्छा मास्टर एक को तो लाइफ में अच्छा मास्टर मिला आपसे पूछा जाएगा कि आपके लाइफ में बेस्ट कौन आप बोलेंगे हाँ सर हमारे मम्मी पापा हैं ठीक है सर रिश्तेदार सर रिश्तेदार का छोड़िए सर वो सब तो अति हमसे जल रहा है कुछ कुछ के रिश्तेदार जलते रहते लगभग सभी के कुछ कुछ के ही बढ़िया है नसीब वाले के तो आपका हम ही है रिश्तेदार ठीक है हम ही हैं आपका पटीदार हम ही हैं आपका बटैयादार हम ही हैं आपका दियाद ठीक तो मम्मी पापा के बाद और जो खास आपके मित्र दोस्त एक दो रिश्तेदार होने के बाद कोई भी अगर आपसे पूछे हाँ एक मास्टर साहब थे सीतामढ़ी के थे जो हाँ हमारे दरभंगा साइड में मतलब हमारा दरभंगा में घर है सर का वहां से दस बीस किलोमीटर बाद है हाँ एक सर थे वही मेरे एकदम है रिश्तेदार है वैसा वाला फीलिंग है इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि दिल मिले दीवार से मतलब दिल जब जुड़ जाता है तो आदमी कहीं भी पढ़ा पढ़ा सकता है जाके ठीक है ठीक है तो ये मोहब्बत है प्यार मोहब्बत है बना रहे आपके तरफ से भी हमारे तरफ से तो बना ही हुआ है ठीक है तो एकदम मज़ा कीजिए और आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है घटनाक्रम क्लास टेन संस्कृत बोर्ड एग्जाम का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको दिलाएगा टोटल चार नंबर तो आज आपको घटनाक्रम पूरा का पूरा बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से घटनाक्रम के क्वेश्चन को बनाया जाता है और साथ में बोर्ड में किस तरीके से लिखना है अगर उस तरीके से आप नहीं लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका घटनाक्रम सही होने के बावजूद भी आपको नंबर नहीं मिलेगा तो टोटल चीज आपको पढ़ाने वाले हैं तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक घटनाक्रम सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि घटनाक्रम को दो तीन और नामों से भी जाना जाता है जैसे कथा कर्मानुसार कथा लेखनम कहानी लेखनम तो ये सब एक ही है जैसे आपका स्कूल में नाम होता है आदित्य अंकित सिंह और घर पे क्या नाम होता है चिंटू मिंटू जी छोटा बाबू ये सब नाम होता है ना जी सर तो उसी तरह घटनाक्रम के भी दो चार नाम है तो आपने देखा अब चलिए स्टूडेंट आपको बताते हैं कि घटनाक्रम आएगा किस किस चैप्टर से तो एक बात आपको बताते हैं क्वेश्चन को बना बनाना सिखाने से पहले दो तीन मिनट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा बहुत स्टूडेंट आते हैं लिखते हैं स्टार्ट फ्रॉम फोर पॉइंट जीरो जीरो तो वो जो चार मिनट पहले का है वो बकवास नहीं वो आपके लिए जरूरी बात है हालांकि कोई अगर चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते लेकिन जरूरी बात है वो तो बताना पड़ेगा क्लास है तो बताएंगे ही सेमूसी जो है वो आपका बुक है जी सर तो सेमूसी बुक से जो है घटनाक्रम कौन कौन चैप्टर से आने वाला है वो आपको बताते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखते हैं है चैप्टर है फाइव जननी तुलब और तीसरा है चैप्टर एट विचित्र साक्षी और इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बोर्ड एग्जाम के लिए जो उन्नीस फरवरी को सीबीएसई अंक लेंगे उसमें चैप्टर एट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत 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 ज्यादा उसके बाद चैप्टर फाइव फिर चैप्टर टू सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एट है इस बार

और चार नंबर का रहता है जितना आप सही अरेंजमेंट करके बुआ लिख देंगे उतना आपका आधा आधा नंबर जुड़ता चला जाएगा ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताते हैं अगर आप घटनाक्रम के आंसर को इस प्रकार लिखेंगे जैसे यहाँ पर रोमन नंबर में है तो आप अगर ऐसे लिखते हैं पहले टू फिर फिर फाइव फोर फिर सिक्स या क ख ग में है तो पहले ख फिर ग फिर घ तो ये जो है गलत टेक्निक है आपका आंसर सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं है या आपका जो है गलत हो जाएगा ठीक ये हम बार बार बताते इसको ध्यान रखिएगा आप इस तरीके से आंसर नहीं करेंगे पूरा लाइन को दोबारा से लिखना रहता है समझे तो पहले जो है इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा देखते हैं कॉपी में बहुत सारे बच्चे इसी प्रकार से लिखते हैं जिनका जो है गलत हो जाता है भले आंसर सही है उससे कोई भी मतलब नहीं है अब देखिए घटनाक्रम बनाने का जो है दो टेक्निक है तो दोनों टेक्निक आपको बताएंगे सबसे पहला सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं ठीक है पहला जो दो काम दोनों टेक्निक में करना है वो आपको बताएंगे देखिए सबसे पहले आपको यह पता करना है कि यह घटनाक्रम किस चैप्टर का है अब यहीं पे आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये तो आप बड़ा गड़बड़ बात बताएं कैसे पता चलेगा कि सर यह किस चैप्टर का है तो वही आपको हम बताएं कि हम जब भी पढ़ाए हैं सेम उसी बुक को एनसीआर को ही पकड़ के पढ़ाएं क्योंकि आप मार्केट में देखेंगे बहुत हिंदी बुक आता है नीचे में हिंदी लिख देता है या यूट्यूब पे एक दो मिनट में ग्रीन स्क्रीन पे कोई वीडियो बना के डाल दिया बुद्धिमती आई जंगल गई उससे नहीं होगा आप जब तक एन को नहीं देखेंगे लाइन ही नहीं पकड़ पाएंगे ठीक तो आप अगर पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर तस्य भारिया बुद्धिमती बुद्धिमती देवलाख्योग्रामा सॉरी चैप्टर हमको याद आ रहा है बुद्धिर बलबती सदा जो चैप्टर नंबर टू है उसका घटनाक्रम है पहला यही टेक्निक होता है पकड़ने का अब आप क्या करेंगे आपको जो बोर्ड एग्जाम में आंसर सीट मिलता है ठीक आंसर सीट तो अभी है नहीं एक था दिखाए थे आपको लाइव क्लास में तो आंसर सीट के आप पीछे चले जाएंगे और वहां पर आप जो है रफ वर्क या हिंदी में रफ कार्य लिख के रफ वर्क लिख दीजिएगा आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना भी लाइन है उसका हिंदी मतलब आप लिखेंगे अब बता रहे बता रहे शांति से रहिए अब यहीं पे क्वेश्चन उठता है कि सर हिंदी मतलब नहीं पता चलता है ऐसा नहीं होगा दो बार आप चैप्टर पढ़ लीजिए 19 फरवरी को एग्जाम है एक बार सुबह में देख लीजिए ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आएगा हिंदी मतलब और कोई शुद्ध शुद्ध हिंदी मतलब नहीं जानना है टूटा फूटा भी हिंदी मतलब आप जान जाइएगा लाइन का कम से कम पांच लाइन का भी तो घटनाक्रम आपका सही हो जाएगा इस बात की पूरी गारंटी है ठीक है टूटा फूटा ही जैसे मान लीजिए कि कोई सेलेमोन भाई को कोई आई हीरोइन बोली आई लव यू सेलेमोन भाई को हिंदी नहीं आ रहा है इंग्लिश नहीं आ रहा है वो बोले मी टू माई लव यू तो इस बात से ये तो गड़बड़ इंग्लिश है लेकिन सामने वाला पार्टी समझ गया कि बंदा आई लव यू टू बोलना चाह रहा है ठीक है तो यही चीज है टूटा फूटा भी आपको समझ गए बात खत्म ठीक इस्टिस्ट गोइंग लिट्टी गोइंग बोलता है ना सिनेमा सब में जी सर तो टूटा फूटा समझना है अब देखिए पहला लाइन है व्याघ्र ताम व्याघ्र मारी मतवा अधावत सर नहीं पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है कहे ना आपको पांच छह लाइन भी पता कर लीजिएगा बहुत है दूसरा लाइन है तस से भारिया बुद्धिमती आशित सर ये लाइन हमको जाना जाना लग रहा है सर तस से भारिया भारिया का मतलब होता है सर पत्नी उसकी पत्नी बुद्धिमती थी ठीक है तो आप लिख दीजिए उसकी पत्नी बुद्धिमती टू एक्स में कर लीजिए बुद्धिमती थी चलिए मार्गे सा एकम एक व्यागरण दर्दशा मार्ग यानी रास्ते में वह एक बाघ देखी जी सर तो यही चैप्टर पढ़े रहिएगा फट से बना दीजिएगा पहला हमको पता है भारी है तो आप नहीं बनाएंगे मतलब वो भी हल्का है लेकिन पहले हल्का हल्का लाइन लिखते हैं रास्ते में रास्ते में उसने बाघ देखा एकदम कोई सजावट करके नहीं लिखना है एकदम लहरिया कट मारिए बाघ देखा ठीक अब उसके बाद है बुद्धिमती व्याघ्र जाद भयात मुक्तवा नहीं पता चला है कोई दिक्कत नहीं लाइन देखिए चौथा लाइन के लिए स्पेस देंगे कि बाद में मतलब पता चल जाए सिंह नाम राजपुत्र अवस्थी वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था जी सर वहां ये बोर्ड क्वेश्चन है पिछले बार का है राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था राजपुत्र रहता था एकदम जो है फटाफट लिख लेना है अस्थि देवलाख्यो नाम ग्राम ओहो देवल नाम का क्या था गांव था छठा में हमने लिख लिया देवल नाम का क्या था गांव था देवल नाम का गांव था गांव था सात पुत्र देव पिता पितृगिरी हम प्रति चलते हाँ सर दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चल पड़ी तो सातवां लाइन क्या हो गया सातवां लाइन हो गया कि दोनों पुत्रों के साथ पुत्रों के साथ एकदम कोई यहाँ पर अच्छा से लिखना नहीं क्योंकि रफ है पुत्रों के साथ पिता के घर चल पड़ी पिता के घर चल पड़ी एकदम ऐसा नहीं कि सर अच्छा से नहीं लिखे एकदम हम एक अपने आप को स्टूडेंट मान के लिख रहे हैं कि हम स्टूडेंट रहते तो कैसे लिखते एकदम लिखिए देखिए कितना लाइन हमको पता चल गया सात आठवा है सा वाक्य चातुर्यन बुद्धे च प्रयोगेन व्याग्रम भयवीतम कृतवती चलिए सर इसका मतलब नहीं आ रहा है अब सुनिए अब ध्यान से सुनिए अब दूसरा स्टेप क्या है पहला स्टेप क्या हम लोगों को हिंदी लिखना है अब यहां पर थोड़ा सा जगह बनाते हैं और आपको बताते हैं देखिए अब दूसरा स्टेप क्या है घटनाक्रम सही करने का क्योंकि टाइम देके बनाइएगा तो ही बनेगा चार नंबर का ये भी है तो जितना संधि टाइम लिया उतना तो ये भी लेगा कोई ऐसी टॉपिक में नंबरिंग नहीं हो जाता है चार दिया है मतलब इसमें भी पांच से दस मिनट लगेगा अब जो है ये हमारा काम हुआ अब हम क्या करेंगे कि जो लाइन बच गया है उसका भी हिंदी मतलब जानने की कोशिश करेंगे जो बच्चा इतना हिंदी मतलब लिख देगा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा वो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसका हिंदी मतलब ना जाने। अब देखिए ये मतलब लिखना मैंडेटरी नहीं है रफ में में मान लीजिए कि कि हमने देखा कि नाम तो तो हमारे मन में ही है, देवल नाम का गांव था लेकिन आप प्रैक्टिस में उतना नहीं है तो आप जरूर लिखिए अब क्या है व्याघ्र मारियम मतवा अधावत आपको याद होगा कि व्याघ्र यानी बाघ जो है बाघ जो है बाघ मारने वाली स्त्री समझकर यानी बुद्धिमती को बाघ मारने वाली समझकर भाग गया मारने वाली समझकर भाग गया समझ कर भाग गया क्या हुआ भाग गया कोई दिक्कत नहीं सर सा वाक्य चातुर्यन वह बोलने में चतुर थी आपको पता होगा कि बुद्धिमती लास्ट में क्या कहती है कि रे सियार तू तो बोला था तीन बाघ लाएंगे एक ही लेके आया तो बोलने में ये थी बोलने में क्या थी चतुर थी बुद्धिमती तो उस बोलने की चतुराई से जो है अपना बुद्धि के प्रयोग से व्याघ्रम भयभीतम कृतवती यानी बाघ को भयभीत कर दी क्या कर दी बाघ को जो है यहां पर भयभीत जो है बुद्धिमती कर दी तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ बाघ को भयभीत कर दी आप देखिए आप क्या करते हैं सब आपको लाइन याद है अभी आपको चैप्टर याद भी नहीं होगा जब हम बनाना फोकस किए लाइन तो आप कैसे मतलब कि सोच सोच के हम जितना हम सोच रहे वही आप मतलब सोच रहे होंगे हमने लिखा कि देवल नाम का गांव था आप सोच रहे होंगे देवल ना, देवल नाम का गांव है या देवल नाम का गांव होगा मतलब यही होगा आपका तो यही कहें टाइम दीजिएगा तभी बनेगा टाइम भरपूर रहता है आप सोचेंगे आए फटफट फट, एक दो एक दो अरेंजमेंट कर दे नहीं होगा टीचर को भी दो मिनट लगता है अरेंजमेंट करने में ठीक है तो आप तो स्टूडेंट है थोड़ा तो आपको टाइम देना होगा यह पहला स्टेप खत्म हुआ अब इसके बाद क्वेश्चन बनाने का दो मेथड होता है सबसे पहला और सिंपल मेथड आठों लाइन का हमें मतलब पता चल चुका है अब हम क्या करेंगे तो हिंदी कहानी हमको पता ही है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको रीअरेंजमेंट कर देंगे और फिर से घटनाक्रम लिख देंगे हो गया कहानी खत्म अब दूसरा मेथड बताते हैं जो आप लोग इसी मेथड का कोशिश करें कि यूज करें दूसरा मेथड यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें से जो लाइन आपको लगे जो इच्छा हो जाए जो लाइन वही लाइन को पहला आप मान लीजिए और उसको बीच में लिख दीजिए क्या स्टेप है जो लाइन आपकी इच्छा हो जाए सर ऐसा थोड़ी होता है आंसर तो फिक्स होगा बता देंगे वो आंसर आ जाएगा वो ऐसे ऐसे पज्जल आप लोग करते हैं ना ऐसे ऐसे जो एक पज्जल वाला गेम आता है रंग मिलाने वाला वही खेल है यहाँ पे जो लाइन आपको इच्छा लगे मान लीजिए कि मेरा मन कर रहा है कि पांचवा तो पांचवा को ले लिए अब जो है छठा लाइन को आप लीजिए सातवां को ले लीजिए जो आपको मन करे फिर से एक लाइन लीजिए छठा को हम ले लेते हैं मान लीजिए अस्थि देवलाख्यो नाम ग्राम देवल नाम का गांव था अब लाइन का हिंदी मतलब आपको पता है और पांचवा लाइन जो लिए उसका मतलब क्या है तत राज सिंह नाम राजपुत्र बस्ती समा वहां पे राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था अब एक बात जरा सोच के गौर करके बताइए कि ये जो छठा लाइन है यह इस लाइन से पहले होगा कि इस लाइन के बाद होगा कंफ्यूज मत होइए। इस लाइन का मतलब हुआ देवल नाम का गांव था और इस लाइन का मतलब हुआ कि राज सिंह नाम का राजपुत्र वहां पे रहता था तो आप बताइए देवल वाला पहले होगा कि ये वाला पहले होगा आप फट से कहेंगे कि सर आप बुर्बक है क्या बुक में भी लिखा हुआ है कि पहले देवल नाम का गांव था वहां पे राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था जी सर तो पहला बार जब आप प्रैक्टिस करें तो बुक देख कर करें ठीक है अभी हम बोले आलिया भट्ट यस सर आ गया सर वो पर्क के प्रचार में ऐसे हंस रही है सर हाँ सर तो ऐसी बुक दो तीन गह, बार देख लीजिएगा ना दो तीन घंटा तक ऐसे तो आपके सामने में फोटो आ जाएगा कि अस्थि देव लाख्योग्राम तथराज नाम राजपुत्र अव अस्थि समय तत् भारिया बुद्धिमती पुत्र देवन पिता के से कार्यन पुत्र देवन प्रतिचलिता मार्गे गहन काना ने व्याग्रम दर्द अरे सर तो क्यों पढ़ाते पढ़ाते आप देख लीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा तो आपको पता है कि देवल वाला लाइन जो है पहले होगा तो हम इसके पहले लिख देंगे कोई दिक्कत अब सुनिए अब नीचे से लाइन ले लीजिए सा पुत्र देव पिता पितृग्रहम प्रतिचलिता हम्म चलिए सर अब बताइए ये लाइन कहाँ पे सेट होगा इससे इस भी पहले होगा किसके बीच में होगा किसके बाद होगा आप कहेंगे कि सर आप पागल हैं ऊपर से पढ़िए अस्थि लाख्यो नामक ग्रामा देवाल नाम का गांव था राजपुत्र नाम का राज ये रहता था क्या राजपुत्र रहता था फिर सर उसकी भार्या बुद्धिमती थी यानी कि क्या हो जाएगा बताइए अस्थि देवलाख्यो ग्राम यानी छठा फिर आ गया कि राजपुत राज, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था फिर उसकी भारिया बुद्धिमती थी तो यहाँ पर ये जो है दूसरा जो है यहाँ पर सेट होगा अभी जो चल रहा है हम लोग सेट कर लिए देखिए ये ये जरूरी नहीं कि फिक्स डिपॉजिट है फिर बीच में भी कोई नंबर यहाँ पर घुस जाएगा ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है कोई भी नंबर यहाँ पर घुस जाएगा तो इसी तरीके से इधर उधर करते करते जो है कि हाँ पाँचवा से ये पहले चौथा के ये बाद आपका जो है सही लाइन बनेगा आपका घटनाक्रम बन जाएगा फोकस करके समझिए जब तक आप बुक नहीं पढ़िएगा आप कंफ्यूज रहिएगा एग्जाम में आपको इसी तरीके से बनाना होगा वहां पर कोई आपके साथ नहीं होगा हो सकता है कि एक दो यहाँ पर नीचे गाली भी हमको दे दे कि अब बताना बे सिखाना इसमें मैं क्या सिखाऊ ठीक गुस्सा नहीं हो रहा है जो एक तो हम देखे कल भी एक अनबे में गाली था अब तू कहा था हो जाएगा तूने बताया नहीं अबे मैं सिखा रहा हूँ बे पहले तो पढ़ ले तो आराम से सीखिए ठीक मजाक में लीजिएगा ठीक है आराम से सीखिए देखिए तो ये जो है आपको इसी तरीके से एग्जाम में आगे पीछे आगे पीछे करना होगा ठीक है तभी जाकर आपका घटनाक्रम सही होगा अब तीन चीज आपको हम बताते हैं अब जैसे मान लीजिए कि ये तीन लाइन लेते ये लेते हैं ये ये वाला लाइन ले, लेते हैं मार्गी सा एकम व्याघ्रम दर्दशा और ये है कि व्याघ्र ताम व्याघ्रमारी मतवा अधावत अब आपसे पूछते हैं कि मार्गे वाला लाइन पहले होगा कि ये वाला पहले होगा आप कहेगा कि सर मार्गे वाला पहले होगा क्यों क्योंकि सर मार्ग में पहले वो बाघ देखेगी तब तो बाघ बाघ मारने वाली समझ कर भाग जाएगा वहां से अब कोई बच्चा पहले यही लाइन लिख दे उसके बाद ये लाइन ले तब तो ये गड़बड़े है कि अभी बाघ देखी नहीं आप पहली बाघ जो है इमेजिन की दुनिया से समझ गया कि बाघ मारने वाली डमरू बजा के कोई आ रही है तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर बोर्ड में ऐसे ऐसे जो है आप करेंगे कि कौन लाइन इधर है कौन लाइन उधर है तो ये अप्रोच होता है ठीक है और इसी तरीके से फाइनल में आपका जो है बन जाएगा आप तीन से तीन जो है वो आगे रहेगा एक से तो आप कहीं पे लिख लीजिए तीन आगे चल रहा है करते करते लास्ट में आप देखिएगा दस मिनट में आपका जो आंसर सामने आ जाएगा अब जो है इसको हम फाइनल रूप से जो है अभी बना के आपको बताते हैं और आप ध्यान से देखिएगा हाँ बिना चैप्टर पढ़े तब तो अरे चैप्टर अगर कोई नहीं पढ़ेगा आप सोचिए कि हमको कोई उर्दू यहाँ पे लिख के दे दे या कोई ऐसा चैप्टर दे दे जिसका हम कहानियाँ नहीं पढ़े हैं जैसे वो फिल्म आ गया है एक लुट पुट गया अब उसका कोई हमको इधर उधर कहानी दे दे तो हम सेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ठीक नहीं कर पाएंगे तो पहले कहानी जानना जरूरी है अब कहानी पे फोकस कीजिए कि पहले क्या था तो सर देवल नाम तो नाम का राजपुत्र तो कोई दिक्कत फिर उसकी भार्य थी बुद्धिमती सर तीसरा में ये हो गया उसके बाद है कि वह पुत्रों के साथ अपने बेटुआ सबको लेकर पिता के घर चल पड़ी ये हो गया फिर उसने रास्ते में मार्गे गहन का ना ने उन्हें दिया है रास्ते में एक बाघ देखा ये हो गया तो अब जो है ये, ये आपका रहा कि मार्ग में उसने बाघ को देखा चल भाई यहां पर मार्ग में बाघ को देखा अब जो है बुद्धिमती व्याघ्र व्याग्रजा भयाद मुक्तवाहबत यही लाइन लिख देते हैं नहीं सर ये तो लास्ट लाइन है कि बुद्धिमती बाघ के भय से मुक्त हो गए तो आप खुद सोचिए कि अभी बुद्धिमती अपना चतुर्थता दिख चतुर्थता नहीं चतुरता ठीक है तोड़ के बोलने में तोतला जाते हैं थोड़ा सा कुछ लोग लिखता है कि अबे हम देखते हैं ऐसा कहना कुछ एक दो एक एक जो था कल कोई क्या नाम था छपड़ी ही रहा होगा कोई लिखता है कि तुझे बोध बोलने नहीं आता है तू पहले खुद एग्जाम पास कर ले ठीक है तो हम क्या कहें ठीक छोड़िए माफ़ी मांग रहे हैं आपसे क्या बोले छोड़िए ठीक है तो वही जो है कभी कभी बोध बोला जाता है नहीं खुलता है मुंह नहीं खुलता ऑपरेशन ही करा के काट लेंगे तो पूरा खुलेगा ओगी के तरह ठीक तो माफ़ कीजिएगा तो अब हम पचमा लाइन लिखे आप कहेंगे नहीं सर ये आप नहीं लिखेंगे तो अब जो है अपनी बुद्धिमती चतुरता दिखाकर चतुरता दिखाकर जो है बाघ को भयभीत करेगी कैसे तो अपने पुत्र को चाटी मारेगी ठीक अब जो है तो ये आपका छठा लाइन हो गया अब जैसी चाटी मारी ये जो है बाघ मार ये जो है समझेगा कि ओ भूतनी ही तो बाघ मारने वाली लेडी आ गई तो ये हो जाएगा सातवा और ये हो जाएगा आपका आठवा ये कॉम्बिनेशन सही बना अब इसके बाद भी एक बार जांच लीजिएगा कभी कभी हम लोग भी पढ़ाते वक्त जो है इधर उधर लिख देते हैं तो हो जाता है तो ऐसा कोई चिंता का बात नहीं है एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्योंकि समझाने में बहुत चीज़ समझाने में कुछ हो जाता है इधर उधर तो चेक कर लेते हैं अस्थि देवलाख्यों ग्राम राशि नाम का राजपुत्र रहता था उसकी पुत्री गृह प्रतिचलिता चलिए नहीं नहीं, नहीं नहीं हाँ हाँ देखिए कुछ बच्चे ये भी लिखे थे टेस्ट लिए थे कि पुत्र देव पिता पितृगृह प्रति चलते अभी तो भारिया बुद्धिमती क्लियर है नहीं है तो कहाँ से पिता बेटा को लेके चल पाएगी तो अपने में हंसी मजाक में लाइन जो है इसको सुधार के लिख लेना है हिंदी से आप यहाँ पर हेल्प लेंगे यहाँ पर मिनिमम आप बोर्ड में दस से पंद्रह मिनट का टाइम जो है आप देंगे अब हो गया अब ये जो है आप लोग में से अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि अब क्या कॉम्बिनेशन करेंगे तो कहेंगे कि छठा पहला है तो ऐसे लिख दिए छठा पहले या कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं सात तीन पांच आठ दो तो ये सब चेक ही आपका नहीं होगा ऐसे नहीं चेक होगा ठीक है ऐसे लिखिएगा तो बोर्ड में क्रॉस मिलेगा कोई नंबर घटना क्रम में नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे सर कैसे लिखना है तो अब जो है हम लोग को नंबरिंग करना है ऐसे पहला पहला में कौन सा लाइन हमने सोचा है तो अस्थि देवलाख्यो नामा ग्रामा. तो ये जो है हम लिख देंगे लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा कुछ लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं गड़बड़ कर देते देते हैं हैं इसको लिख देते में कि सारी दिया हुआ है तो छठा में लिख देते नहीं नहीं अभी पहला हो चुका है क्योंकि आप खुद सोचिए ये छठा नंबर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब छठा का लाइन है तो छठा का लाइन से चेक होगा तो क्वेश्चने आप उतार दिए तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि छठा उठा नहीं लिखना है नंबरिंग सही करके लिखना है ये पहला में लिख देना है जो लाइन है शुद्ध शुद्ध लिख लीजिए अस्थि देखो ग्राम जो है उसको लिखिए फिर उसके बाद दूसरा में जो आपका लाइन यहाँ पर बने दूसरा में कौन आप बना है तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र बस्ती समा तो आप यहाँ पर लिखेंगे तत्र राज सिंह नाम अच्छे से फ्रेश में लिखेगा ऐसे राइटिंग लिख दीजिएगा तो और नहीं चेक होगा ठीक तो ये जो है यहाँ पर लिख देंगे आप अच्छे से लिखेंगे फिर तीसरा में जो लाइन है तत् भार्या बुद्धिमत आसित तो आप लिखेंगे तस्य भारुद्धिमती आसित एकदम सही से फिर एक बार और जब सही लिख लीजिएगा तो अच्छा से और चेक हो जाएगा मतलब कि एक बार चेक भी हो जाएगा कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं फिर जहाँ तक है आठवां तक लाइन लिख दीजिए तब आपका ऐसी चेक होता रहेगा पहला में लाइन होगा चल छट 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 चार में चार आपको मिल जाएगा ठीक एकदम आराम से ठीक है और कॉम्बिनेशन गलत करेंगे तो फिर आपका गलत नंबर हो जाएगा अब जैसे मान लीजिए कोई कहे कि आलिया भट्ट का बच्चा हुआ आलिया भट्ट का एंगेजमेंट हुआ शादी हुआ तो कॉम्बिनेशन क्या होगा शादी हुआ नहीं एंगेजमेंट हुआ शादी हुआ बच्चा हुआ कोई मान लीजिए पहली बच्चा हुआ इंगेजमेंट शादी इधर उधर कर देगा क्या नंबर मिलेगा नंबर नहीं मिलेगा जूता मिलेगा तो यहाँ पर तो जूता मास्टर मार नहीं सकता है लेकिन मास्टर कॉपी पे दो चार हाथ देता है और बाद में नंबर काट लेता है तो ये सावधानी रखिएगा हाँ कोई इस इमेजिन काल्पनिक दुनिया में है कि भाई हमको कोई ट्रिक वगैरह बता दे कोई एक वीडियो डाल दिया घटनाक्रम ट्रिक तो वो सब नहीं पॉसिबल है जब तक हम चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे नहीं या स्मार्टनेस नहीं लगाएंगे पता ही नहीं चलेगा ठीक है अगर हम चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे तो काय का घटनाक्रम सजाएंगे सजा सकते नहीं सजा सकते हम आपके स्कूल में कभी गए ही नहीं है तो क्या दो बच्चा का भी नाम बता सकते हैं स्नेहा नेहा सुप्रिया आशीष अभिषेक को छोड़कर ये सब तो कॉमन नाम है कोई ख़ास नाम बता सकते नहीं कोई टीचर क्या पढ़ाता है बता सकते नहीं वहाँ पर रहेंगे तभी कहानी जानेंगे ठीक है और जो है यहाँ पर तीन चैप्टर 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक ये एक ये तो एक घटनाक्रम और करा देते हैं अभी तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ का ठीक है और एक बात बताते हैं जो भी स्टूडेंट वीडियो देख हैं है ये वाला जी सर आप सभी टॉपिक का वीडियो वन शॉट देखिए इसको जो है एकदम बढ़िया ढंग से देखिए पढ़िए सीखिए और उसके बाद मास्टर साहब ऐप पर जाके टेस्ट सीरीज़ में पूरा क्वेश्चन घटनाक्रम का लगाइए और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा कि सिंपल पेपर यूं ही आपको मिल जाएगा पूरा ठीक है तो बहुत फ़ायदा होगा टेस्ट वीडियो देखने के बाद टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिएगा और 19 फरवरी को आप आके कह दीजिएगा कि सर हमको फायदा नहीं हुआ जो आप बोलिएगा वो हार मान जाएंगे आपके सामने ये चैलेंज है आप आके हमको दिखाइएगा कि सर हम ये वीडियो देखे थे जो आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए क्वेश्चन लगाए थे सेम टू सेम नहीं आया सर आप बोले थे जो आप बोल दीजिएगा कि हाँ सर अपना ये हमारे नाम कर दीजिए ये बोर्ड हमारे नाम कर दीजिए नाम कर देंगे ठीक है झूठ आपसे नहीं बोलेंगे ये चैलेंज है हमारा ठीक तो चलिए ये घटनाक्रम और करते हैं करते हैं क्लास को एंड अब स्टूडेंट आपके सामने एक क्वेश्चन है अब आगे आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए देखिए स्टूडेंट यह जो क्वेश्चन हम उठाए हैं यह 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है यानी कि आप जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उसी का सिंपल पेपर का उठाए हैं अंकल जी का ऑफिशियल सैंपल पेपर का अब घटनाक्रम को बनाते कैसे सु सुनिए अगर हुलबुल्ली में ये लाइन वहां झट 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 करेंगे तो मेरा भी गड़बड़ हो जाएगा तो हम लोग तो टीचर हैं इतना दिन से पढ़ा रहे हैं इतना बच्चा को पर्सनली गाइड करके उसको हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड स्कोर करवा चुके हैं फिर भी हम भी बनाते हैं तो पेशेंस से बनाते हैं तो आप लोग तो एकदम बनाइए समझ गए बात को अब देखिए सबसे पहला काम घटनाक्रम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि चैप्टर कौन सा है किस चैप्टर से कहानी उठ के आया है यह सबसे पहला काम होता है आप लोग डायरेक्ट देखते हैं कहाँ बैठेगा नहीं तरीका ही गलत है सबसे पहला काम यह करिए बउवा कि पता करिए कि यह चैप्टर कौन सा है ठीक अब चलिए सर कैसे पता चलेगा एकदम पता चलेगा लाइन पढ़िए अब आपके मन में सवाल होगा कि सर लाइन का संस्कृत तो पढ़ लेंगे सर लेकिन सर इसका हिंदी नहीं पता चलता इसके लिए कुछ बताइए ना तब इसका मतलब है कि ये चैप्टर ही आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि जो भी लाइन है रहेगा घटनाक्रम में वो सारा लाइन आप पहले से पढ़ के जा रहे होंगे एग्जाम में क्योंकि ये सब आपके सेमूसी बुक से लिया गया लाइन है और उन्हीं चैप्टरों से जो आपके सिलेबस में है तो वो तो सारा पढ़ा दिए क्वेश्चन आंसर करा दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा नो सर अब ये आठवा नंबर चैप्टर का है ठीक है अब देखिए आठवा नंबर चैप्टर से ये पूछा है अब बना के बताइए अब सुनिए शांति से कैसे पता चला सर तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है पुत्रम द्रस्टुम बस यानम बिहाय पदाति रे प्राचलत कुछ कुछ पता चल रहा है हिंदी अरे पता चलेगा ही बउआ क्योंकि ये सब सेम उसी बुक में पहली आपको पढ़ा दिया गया है कि वह पुत्र को देखने कहाँ चला गया तो बस को छोड़कर क्या चीज से चला गया तो पैदल ही चला गया कौन वो गरीब व्यक्ति वाला कहानी याद आ रहा है जी सर तो पहला लाइन का मतलब ये हुआ तो ये तो है कि चैप्टर पता चल गया कि वो तो विचित्र साक्षी की कहानी है क्योंकि आप जान रहे हैं चैप्टर आइडेंटिफाई करने का भी ट्रिक बता देते हैं सर बता दीजिए ना देखिए सिंपल सा ट्रिक है कि देखिए अगर शिशुलालनम से पूछता है घटनाक्रम तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भगवान राम लव कुश का बात हो रहा होगा कहीं पे आपको लग रहा है ऐसा नो सर क्रॉस कीजिए अगर सौहार्दम पर कहते हैं शोभा से पूछेगा तो यहाँ पर शेर उड़ बगुला हाथी घोड़ा ये सब आएगा ही आएगा क्योंकि वही कहानी है उससे लग रहा है नो no, सर खत्म कीजिए बुद्धि बलवती से पूछेगा देखिए तो बुद्धि बलवती व्याघ्रह वग्रह का कहीं चर्चा है नो सर आइडेंट खत्म हुआ जन्मी तुले बदसलाह से पूछेगा तो देखिए माता सुर भी इंद्र भगवान दो बैल गिर गया उस सब का कहानी लग रहा है no, नो सर हंड्रेड परसेंट ही विचित्र साक्षी का है तो किसी भी प्रॉब्लम को देख के अगर घबरा जाइएगा लाइफ में तो फिर घबरा ही रहिएगा प्रॉब्लम को देखिए और उसका सॉल्यूशन खोजिए अगर आपके जिंदगी में भर दिन प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ाई में हो या जिंदगी जीने में हो तो समझिए आप लकी इंसान है सर कैसे लकी इंसान है क्योंकि आपके आप आपको वो चीज़ एक मजबूत इंसान बना देगा अगर उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढते हैं बार बार तो ठीक अभी आप लोगों से प्रो बैच में हम जुड़े हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं बैच में तो सबका मैसेज आता रहता है ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम तो सोचिए जब भी मैसेज खोले नया प्रॉब्लम तो हम कितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बताते तो हमको उसमें मजा आता है प्रॉब्लम से खेलते खेलते ठीक तो आप भी मज़ा लीजिए अब बताइए चैप्टर आइडेंटिफाई में रो रहे हैं सर नहीं पता चला है कौन सा चैप्टर का है अब तो हमको लगता है चुटकी में पता चल गया कि हाँ ये चैप्टर का है मन से पूछे ना कि रे मन ये शिशु लाललम है नो मन क्यों क्योंकि राम जी का यहाँ पे कुछ बातें नहीं है शिशु शिशुलालम कैसे हो जाएगा लव कुछ का बातें नहीं शिशु शिशुलालम कैसे हो जाएगा तो इस टाइप से खोजिएगा उसके बाद हिंदी समझने की कोशिश कीजिएगा और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हिंदी समझने में दिक्कत है तो चैप्टर ठीक से नहीं पढ़े क्योंकि कोई नया वर्ड नहीं देगा ये आपके चैप्टर का देगा यानी चैप्टर पर फोकस करके पढ़िए उसके बाद हिंदी में ये नहीं कि पूरा हिंदी मतलब क्या चल पड़ा पैदल चल पड़ा यह पहला लाइन का हिंदी हुआ आराम से फोकस करके बनाइए यह पहला लाइन का हिंदी हुआ न्यायाधीश तम अतिथि स मुक्तवान न्यायाधीश ने उस अतिथि को क्या कर दिया तो मुक्त कर दिया अब मान लीजिए कि ये लाइन को हम पहला लाइन लिखे तो क्या आप मेरा साथ देंगे क्या आप कहेंगे कि यस सर आप सही कर रहे रहे अगर हम हम कह रहे हैं। हमने कहा कि बउआ ये लाइन को हम फर्स्ट में लिखेंगे बताइए क्या ये सही होगा तो आप कहेंगे नो सर सही नहीं होगा जब हम आपसे पूछेंगे कि बउआ सही क्यों नहीं होगा तो आप कहेंगे कि सर इस लाइन का हिंदी मतलब यह है कि न्यायाधीश ने उस अतिथि को ससम्मान मुक्त कर दिया तो सर अभी तो अतिथि गांव में पहुंचा ही नहीं चोरी हुआ ही नहीं मामला हुआ ही नहीं जेल गया ही नहीं तो सर आप पहले मुक्त करवा दीजिएगा आप बताइए कोई बात हुआ तो ये क्या हो जाएगा उसी समय गलत हो जाएगा ठीक अब ऊपर के दोनों लाइन में कंपेरिजन करते चलिए अब बताइए कि वह पुत्र को देखने बस से गया और न्यायाधीश ने उसको मुक्त, मुक्त कर दिया तो बताइए कौन लाइन पहले बैठ रहा है यही वाला बैठ रहा है ये पीछे चलेगा इसके समझ गए उसके बाद है तस्मिन गृह रात्र क्वेश्चन चौरा गृह गृहभ्यंतरम प्रविष्ट उस घर में रात में कोई चोर आ गया हाँ सर चोर आ गया अब बताइए रात में चोर आ गया ठीक है चोर आ गया तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम कहें कि बउआ ये चोर वाला लाइन पहले लिखते हैं तो आप मानेंगे बात को आप कहेंगे नो सर क्यों आप कहेंगे सर अभी चोर अभी तो घर में वो जो व्यक्ति है गरीब व्यक्ति गया ही नहीं चोर आ गया सर ये तो सर बैठ नहीं रहा समझ गए अगर हम कहें कि एक बात बताइए क्या ये न्यायाधीश वाला लाइन से पहले ये लाइन होगा मतलब बहुत पहले या थोड़ा पहले पहले होगा कि बाद में होगा पहले होगा तब न चोर आया होगा तब न वो पकड़ाया होगा तब न न न्यायाधीश मुक्त किए होंगे तो ये जो है लास्ट वाला लाइन होगा मतलब एकदम लास्ट के हिस्से का कहानी समझ रहे तो कहानी नहीं पकड़िए मार्गे रात्रो करुणा परो गृह तो मार्ग में क्या किया करुणा कि दयालु आदमी ने घर में आश्रय दे दिया गरीब व्यक्ति को कोई निर्धन क्या किया तो धन का उपार्जन किया चोर चौरस्य पादिना अतिथि प्रबुद्ध अवत यानी कि चोर के पैर की आवाज सुनकर बेचारा जाग गया न्यायाधीश ने क्या किया दोनों को पूरा घटना वापस से सुनाने के आदेश दिए पठन काले छात्रावास यानी कि पढ़ाई के आ, मतलब कि उसका जो बेटा था वो पढ़ाई कर रहा था छात्रावास में और बीमार पड़ गया अब बताइए कि कहानी कैसे कैसे बनेगा तो सबसे पहले क्या रहा होगा कोई ना कोई निर्धन व्यक्ति रहा होगा जो क्या किया होगा तो धन का उपार्जन किया होगा तो पहला में ये लाइन हम लोग लिखेंगे अब धन का उपार्जन किया जी सर पहला लाइन तो यही देवे किया हुआ है आप बुक उठाइएगा उसमें भी तो पहले घटनाक्रम का प्रैक्टिस बुक देख देख के कीजिए तो कोई निर्धन व्यक्ति था जिसने क्या किया तो धन का उपार्जन किया अब मान लीजिए ये कम में हमने लिखा मान क्या लीजिए इसी को लिखा हमने अब इसके बाद हम ये वाला लाइन लिखते हैं पहला वाला सपुत्र द्रष्टु यानी पुत्र को देखने बस को छोड़कर वह पैदल चल पड़ा आप कहेंगे सर क्या बात कर दिए हैं सर अभी उसका पुत्र बीमार ही नहीं हुआ तो चल क्यों पड़ेगा सर जी जी सोचिए ना थोड़ा अगर मान लीजिए आप इसी तरह बोर्ड में जब बैठिएगा एग्जाम देने तो अपने मन से क्वेश्चन कीजिएगा मन से बात करते हुए लिखेगा कि अगर आपने ये लाइन के बाद ये लाइन लिखना उचित समझा कि हम ये लाइन लिख देते हैं तो आपका मन तुरंत कहेगा कि भैया अभी पुत्र को देखने क्यों जाएगा अभी तो उसका बेटा बीमार ही नहीं पड़ा है तो बीमार वाला जो लाइन है वो किस में हो जाएगा दूसरा में हो जाएगा किस में हो जाएगा तो दूसरा में हो जाएगा बीमार वाला जो लाइन है वो किस में हो जाएगा स्टूडेंट तो दूसरा में हो जाएगा उसके बाद बीमार पुत्र को देखने को क्या किया तो पैदल चल पड़ा क्योंकि पैसे की कमी थी तो पैसा वाला लाइन नहीं दिया है तो ये जरूरी नहीं कि एकदम लाइने से घटनाक्रम दे देगा कहानी कहीं कहीं से भी उठा उठा के देगा देख रहा है एकदम स्टार्टिंग किया है कि धन का उपार्जन किया इसके बाद था कि महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया वो वाला लाइन नहीं है लेकिन आपको सीरियल से समझाना होगा जो भी लाइन दे एक के बाद एक कौन कहानी हुआ तो पुत्र बीमार पड़ा उसके बाद बस से जाएगा अब बस से जाएगा तो करुणा पड़े घर का आदमी उसको क्या दे देगा तो आश्रय दे, दे देगा अब उसी घर में रात में चोर आ गया अब चोर की आवाज़ सुनकर ही बेचारा उठा अब उठा तो पकड़ा गया जेल में तो सब लाइन नहीं दिया है उसके बाद क्या था कि न्यायाधीश दोनों को अपना घटना मतलब कि अपना कहानी बताने का दोबारा आदेश दिए कि दोबारा से बताओ फिर न्यायाधीश ने क्या किया सबको ससमान मुक्त कर दिया तो ये लाइन सेट कर लीजिए इस प्रकार से अब फिर वही जो है यहाँ पर क्या करिए लिख दीजिए अच्छा से तो ये नहीं कि क्वेश्चन निर्धनो व्यक्ति अंग में है तो यहाँ पे चट से अंग टपका दिए नहीं क लिखिए इसमें जो पहला लाइन है उसको लिखिए ऐसे ऐसे चेक होता रहेगा और जितना लाइन आपका सही बैठेगा चार नंबर आपको मिल जाएगा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को पढ़ना जिसका नाम है उचित अर्थ उचित अर्थ का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द यानी उसका सेम टू सेम मीनिंग और संस्कृत में उचित अर्थ है इसका मतलब हुआ संस्कृत का संस्कृत में ही लगभग मतलब ठीक है उपयुक्त अर्थ यानी कॉरेक्ट मीनिंग क्या हो सकता है उस क्वेश्चन का ठीक तो ये जो टॉपिक है ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है अगर पूरा चैप्टर आप फोकस होकर पढ़े हैं तो एकदम जो है ये टॉपिक आपसे बन जाएगा इसमें कहीं कोई नंबर नहीं करता है चार क्वेश्चन एमसीक्यू में रहता है तीन क्वेश्चन ही आपको बनाना रहता है ठीक चलिए जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो ये नहीं कि आप रटने लगे वर्ड मीनिंग दिया रहता है संस्कृत का संस्कृत में मतलब बगल में हिंदी में मतलब स्पेशली संस्कृत का संस्कृत में मतलब एक बार नज़र मान लीजिएगा हो जाएगा ये कंप्लीट एग्जाम जो उन्नीस फरवरी को है तो अट्ठारह फरवरी को आप देख लीजिएगा चैप्टर वन चैप्टर टू और चैप्टर फाइव इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीन चैप्टर ठीक है इसको देख लीजिएगा और आप बोर्ड बूस्टर में होंगे तो पहले से जो हम क्वेश्चन आपको दिए हैं ठीक या आप हमसे पर्सनली पढ़े हैं ऑफलाइन प्रो बैच में वहाँ भी दिए हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जो नहीं है किसी बैच में चैप्टर एन बुक है आपके पास वहाँ से कीजिएगा या आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर भी सब क्वेश्चन दिए हैं तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है जब आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो इसी प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा जब आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको जो है चार क्वेश्चन दिया रहेगा ठीक है और चार में से कोई भी आपको तीन क्वेश्चन बनाना रहता है जो आपको सबसे अच्छे ढंग से आए कोई मुश्किल नहीं है अब देखिए कैसे जैसे पहला सवाल है तस्य भार्या बुद्धिमती अब हमको भार्या का उचित अर्थ बताना है तो भारिया मतलब क्या होता है भारिया मतलब होता है पत्नी आपको पढ़ाए थे ठीक यहां पर स्मार्टनेस काम करेगा और स्मार्टनेस वो कौन प्रचार करती है मामी गौतम क्या नाम है यामी गौतम उसके फेयर लवली और सल्लू भाई के फेयर हैंडसम लगाने से नहीं होगा कॉमन सेंस लगाने से होगा जैसे तस से भारिया बुद्धिमती किस चैप्टर का चैप्टर नंबर टू राज सिंह नाम का राजपुत रहता था उसकी पत्नी बुद्धिमती तो बुद्धिमती भारिया है तो क्या थी बहन थी ननद थी भौजाई थी चाची थी दादी थी क्या थी पत्नी थी तो क्या हो जाएगा पत्नी यहाँ पर सही हो जाएगा भ्राता मतलब हुआ भाई कहीं से जायज है नहीं सर भगनी का मतलब यहाँ पर बहन वहन का हुआ भार हुआ ये जायज है नहीं तो क्या हो जाएगा पत्नी जो है उपयुक्त हो जाएगा चलिए <coughs> उसके बाद जो है ब्रूही है चलिए सर ये ब्रूही जो है ये तो श्लोक वाला चैप्टर का गड़बड़ा गर, रहे हैं हमको नहीं याद है मतलब हमें तो याद है आपको नहीं होगा आगे बढ़ जाइए सबसे लास्ट में आइए सतस कटियानम धूममुच्चती सतस कटियानम धूममुची किस चैप्टर का है सूची पार्वरणम का लाइन है कि सैकड़ों मोटर गाड़ी धुआं मुचीती धुआं खाती है छोड़ती है क्या धुआं मुच्चीति सुनिए अब देखिए धाबती का मतलब हुआ धाबर धाबक देखते हैं ना जो दौड़ता है क्या धुआं दौड़ता है ऐसा लेखक बोले थे नो सर चलती का मतलब हुआ चलता है सैक्रो मोटर गाड़ी चलता है न कि धुआं चलता है धुआं में चलती होगा नो सर पीबती का मतलब होता है पीता है सैक्रो मोटर गाड़ी धुआं पीता है नो सर बहुत लोग ये भी ऑप्शन मारे थे तो सोच समझ के मारिए स्मार्टनेस यहाँ काम करेगा स्मार्टनेस इज नॉट कमिंग फ्रॉम मामी गौतम फेयर हैंडसम एंड फेयर लवली ठीक ग्लो एंड लवली या लख्मी का आइकॉनिक ही खास लख्मी की तरफ से ये लगाने से नहीं आता है ठीक है ये जो आता है स्मार्टनेस से आता है तो क्या होता है धुआं को छोड़ती है तो छोड़ती का होता है मुचिती और यहां पर त्यजती त्यजती का भी मतलब होता है छोड़ना त्याग करना तो उपयुक्त उप्रियुक्त उपयुक्त का मतलब होता है सबसे बेहतर यही आंसर है तो ये सही हो गया अब जैसे देखिए तद देखिएमी चैप्टर आप बिना चैप्टर पढ़े इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं चैप्टर आपको एक बार पढ़ा रहना जरूरी है वो भी वो भी एनसीईआरटी से बुक से इसीलिए यूट्यूब पे आप देखिएगा कि एक दो मिनट में भी बुद्धि बलबती समाप्त कर देता है कोई कोई उससे कोई फायदा नहीं होगा हम एनसीईआरटी से क्यों पढ़ाते हैं क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा घटनाक्रम भी बन जाएगा प्रश्न निर्माण भी बन जाएगा उचित अर्थ भी बन जाएगा चैप्टर का कहानी आपको याद है उचित अर्थ प्रश्न निर्माण घटनाक्रम अनुभव ये सब बन ही नहीं रहा तो किस काम का हुआ पढ़ाई बेकामिले हुआ मान लीजिए चैप्टर हम पढ़े उससे कुछ हो ही नहीं इसलिए बोलते फोकस होकर पढ़िए अभी भी संस्कृत का जितना चैप्टर है एनसीआर टी वाला रिकॉर्ड कर करके हुए उसको पढ़िए और एनसीआर टी भी कितना आधा एक घंटा आधा घंटा पैंतालीस मिनट में कोई भारी मतलब है टू एक्स में देखिएगा फटाफट हो जाएगा ए तेन आरक्षिना अध्वनिम तद्यामी अब अध्वनि का मतलब ध्वनि से कुछ लोग समझ लेते हैं धोनी महेंद्र सिंह धोनी नहीं ठीक है यहाँ नहीं थाला फॉर रीजन ऑप्शन चूज कर दीजिएगा अध्वनि का मतलब समझ लेते हैं आवाज नहीं ए तेन आरक्षिना अध्वनि आपको चैप्टर नंबर एट में पढ़ा है कि आरक्षिना यानी कि वो जो चौकीदार था हवलदार वह रास्ते में जो है ये सब बोला बंकिम चंद्र जज वाला कहानी याद है बंकिम चंद जी के सामने वो सब जो है चदर उठा के जो है निकलता है अरे दादा कहता है ओ सर रास्ता में ये सब बोला है ये बात तो अध्वनि का मतलब क्या हो गया मार्गे हो गया ठीक है और माँ ब्रूही दीनम बचा ब्रूही ब्रूही मतलब बोलना वाला नहीं होगा वाहक नहीं होगा वाला नहीं होगा क्या होगा वद तो तीन बन गया हमको उसी में बिन बजाना है ठीक तीन बन गया काम खत्म खत्म हो गया तो यही है अब देखिए ये देखिए ये देखिए क्वेश्चन है अब इसमें हमको लगता है चार में से आप चार नहीं तो तीन तो एकदम बना दीजिएगा सुनिए ध्यान से सा, पुत्रो, चपेट्या प्रहत्य जगाद बताइए इसका मतलब क्या हुआ प्रहत्य का उचित मीनिंग खोजना है याद कीजिए बुद्धिर बलवती सदा चैप्टर तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना दिल रोया भर आई किसी से अब क्या कहना ठीक है याद कीजिए आपको हम बता रहे तब तक आप एक मिनट में सोचे कि इसका मतलब क्या होगा आपको याद होगा कि बुद्धिमती ने चपेट्या, चपेट्या का मतलब क्या हुआ चाटी जगाद बोली जगाद का मतलब बोली तो चाटी खा कर की चाटी मार कर की चाटी पी कर सर आप कहेंगे कि सर आप शराब पी लिए कि जो इस तरीके का बात कर रहे हैं सर पढ़ते यानी कि मारकर चाटी मारकर ठीक है तो पढ़ते का मतलब क्या हुआ मारना हुआ अब देखिए प्रशंसा कृतवा ये मतलब होगा नहीं होगा जिसको नहीं भी आता होगा समझिए स्मार्टनेस हम क्यों बोल रहे इस टॉपिक में जिसको नहीं भी आता होगा इसका हिंदी वो भी कहेगा कि सर प्रशंसा कृतवा नहीं होगा प्रशंसाम का मतलब हो गया किसी की तारीफ कृतवा मतलब करना इतना तो आपको पता होगा आप सिलेबस खत्म हो रहा है जी सर इतना आइडिया होगा तो बुद्धिमती अपने ये बच्चों का तारीफ की थी नहीं तो ये कहाँ से है हट निकल यहाँ से इसको निकालिए विचारम कृतवा बुद्धिमती कुछ विचार करके पुत्र को मारी सीधा चपका दी ये होगा यही है है वो प्रोत्साहन ये होगा नहीं सर ये नहीं होगा प्रोत्साहन कहां यहां आ गया तारीफ कहां आ गया यानी कि पिटाई करके तो ये हो जाएगा उसके बाद देखिए दुबले सूते मातु कृपा भवती दुबले जो सूते होते हैं उस पर माता की कृपा अधिक होती है जननी वत्सला चैप्टर में याद कीजिए सुरभि माता वाला चैप्टर में कि कृष्ण भगवान को सूर्भि ये इंद्र भगवान को सुरभि माता क्या बोली कि जो कमजोर पुत्र होते हैं हे प्रभु उनपे तो थोड़ा सा कृपा अधिक होगा ही तो दुबले सूते का मतलब क्या हो गया कमजोर पुत्र तो वीर पुत्र होगा नहीं चैप्टर में आपको क्या बताया गया कि कमजोर पुत्र पे प्यार अधिक होता है माता के कि वीर पुत्र पे मतलब जो मजबूत पुत्र है उन पे सर कमज़ोर पुत्र पे तो वीर पुत्र होगा नहीं होगा धीरे सूते होगा नहीं धीरे सूते तो ऐसी लिख दिया ही तो होगा नहीं प्रदत्तम सर्वम न निर्बले पुत्र यानी कि जो निर्बल पुत्र है उस पर माता की कृपा अधिक होती है तो दुबले सूते का मतलब होता है निर्बले पुत्र देखिए ये किस चैप्टर का देखिए अर्थ का पदाति रे प्राचलत पदाति रे प्राचलत किस चैप्टर का अरे विचित्र साक्षी में याद होगा आपको कि वो जो आदमी था गरीब आदमी निर्धन व्यक्ति जो महाविद्यालय यानी कॉलेज में अपने बेटे का एडमिशन कराया था उसके पास पैसा ही नहीं था तो पदाती रे चल यानी कि पैदल ही चल पड़ा ठीक है तो डैश पीडता पीड़िता का मतलब क्या हो गया कोई ना कोई पी, पी, पीडता का मतलब कुछ लोग पिटा पिटाई समझ लेते नहीं पीड़िता का मतलब हो गया पीड़ित होना तो वो किससे पीड़ित था बुखार से ठीक या रास्ते में कुछ उसको खाने का नहीं मिल रहा था ठीक है या कहीं पे ठेका ओका नहीं मिल रहा था ऐसा कोई बात था नहीं किससे पीड़ित था बेचारा धन नहीं था इसीलिए तो बस छोड़ के पैदल चल पड़ा तो इसका मतलब क्या होगा धन अभाव यानी कि धन के अभाव में तो ये जो है आपका सही हो गया ये क्या हो गया आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर ये सही हो गया किसका फोन आ रहा है ठीक है फोन भी बता देते हैं उठा लेते हैं एक मिनट रुकिए अब चलिए अगला सवाल है पासानी सभ्यता निसर्गे न नासयात चैप्टर पढ़े जी सर देखिए लाना है जी सर तो सौ आता कैसे है जब आपके तरफ से फुल मेहनत हो और हमारे तरफ से फुल मेहनत हो तो हमारे तरफ से आप देख लीजिए यूट्यूब छान मारिए या कोई भी बैच है बैच छान मारिए कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपका एक नंबर कट रहा होगा कहीं नहीं जहाँ आपका नंबर कट रहा है वहाँ पे पहुँच जाते कि बुआ ये काम कर लेना है नंबर बच जाएगा ठीक है ठीक तो ये हम क्यों कह रहे हैं अब आपको सौ चाहिए जी सर चाहिए तो अब आप खुद समझ रहे हैं कि उचित अर्थ में चैप्टर पढ़ा रहना जरूरी है जी सर तब आपका हमारा काम हो गया हम पूरा क्लियर कर चुके हैं अभी थोड़ा और क्लियर करेंगे कि कैसे क्वेश्चन करना है लेकिन आपको ध्यान रखना हो कि अब आपको काम करना है बऊआ ठीक है आपको जो है बहुआ साहब जी आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ के रखना है छोटा बाबू आप लोग को समझिए ध्यान से तब जाके यहाँ तीन में तीन लाइएगा नहीं तो बीन बच जाएगा ठीक और नहीं तो थोड़ा स्मार्टनेस रखिए स्मार्टनेस तो ऑन रखिए, अब जैसे क्वेश्चन रखिएगा सभ्यता निसर्गे सयात। आपको पता है ना लेखक क्या बोले थे तो पासानी सभ्यता में यह समान आ जाए क्या समान आ जाए धरती ठीक है तो आप देखिएगा कि धरती जो है पृथ्वी व्यायाम वहां पर जो है जो है लिखा हुआ है ठीक अब यहां पर आप क्या करिएगा पृथ्वी क्लिक कर दीजिएगा लेकिन कभी पृथ्वी को धरती में समाने की बात नहीं कर रहे थे कभी का मानना यह था कि जो इन्वायरमेंट है जो अभी सूची गांव में बचा हुआ है सूची का मतलब हुआ क्लीन सूची पार्वर क्लीन एन्वायरमेंट गांव में बचा हुआ है यानी जो प्रकृति है जो नेचर है वो कहीं नहीं पासानी सभ्यता में समा जाए तो प्रकृत जो है इसका सही आंसर जो है होगा तो इस तरीके से जो है उचित अर्थ बनता है ये क्लास टेन संस्कृत का जो है लास्ट टॉपिक है अब जान लीजिए कि उचित अर्थ का जो है आप लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे तो अभी तो ये फाइनल चल रहा है वन शॉट सीरीज तो इसको तो सभी बच्चे देख रहे हैं जी सर सभी देख रहे हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं क्लासीफाई करके देखिए जो भी पहले जो भी बूस्टर बैच के स्टूडेंट होंगे जो बोर्ड बूस्टर बैच में पढ़े हैं जो लाइव क्लास चल रहा था मास्टर साहब ऐप पर तो आप जो है क्या काम कीजिएगा उचित अर्थ वाला जो क्लास वाला जो लेक्चर है उसको देखिएगा और उसमें जितना क्वेश्चन कराए हैं ठीक है उसमें खोलिएगा तो सारा वीडियो पी सब आपको उचित अर्थ में मिलेगा वहाँ से कर लीजिएगा हो जाएगा बस थोड़ा स्मार्टनेस रखिएगा जो ऑफलाइन में हमसे मदद लिए हैं या प्रो बैच में थे तो वहाँ जैसे क्लास में कराए हैं पी डी एफ वगैरह है उस सबसे कीजिएगा उसके बाद तीसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टेस्ट सीरीज में होंगे तो टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दे चुके हैं तो वहाँ से आप लगा लीजिएगा ठीक है बूस्टर वाले बैच को बैच के स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज लेने का कोई जरूरत नहीं है सारा क्वेश्चन बूस्टर में ही करा दिया गया है उसके बाद जो यूट्यूब पे स्टूडेंट हैं तो आप जो है घबराइए नहीं आपका भी सब जुगाड़ है सबका जुगाड़ लेके बैठे हुए हैं ठीक है ये हम इसलिए बताते हैं कि हर जगह पे हर एंगल से बताना पड़ता है ठीक है जैसे ये अभी लास्ट वीडियो तो इसमें ट्रिक के माध्यम से बताएं वहाँ पे चैप्टर पढ़ाए होंगे जिस बैच में तो वहाँ पे उस तरीके से बताए होंगे तो अप्रोच बदलता है ठीक लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है अब सुनिए मेन क्या है क्वेश्चन हम अब यूट्यूब पे जो होंगे कहेंगे सर हमको भी दे दीजिए अरे बिल्कुल आपको मिल जाएगा क्वेश्चन हम कहाँ से दिए हैं तो आप एन बुक लीजिएगा वहीं से क्वेश्चन बनता है जितने भी वर्ड मीनिंग है संस्कृत के संस्कृत में तो सर तो बहुत ज्यादा है तो उतना घबराइए नहीं चैप्टर वन चैप्टर फाइव और चैप्टर टू ये तीन चैप्टर कर लीजिएगा खेल कर दीजिएगा बोर्ड में बस इतना कर लेना है आपको ठीक है यही जो है आप एकदम अच्छे ढंग से कर लीजिएगा एनसीईआरटी से हो गया अब इसी में से चुन चुन के सब दे दिए हुए हैं तो बाकी सबको जो है अपना हो जाएगा ठीक इसलिए बता दिए कि आप लोग को एनसीआर बुक खोलने की जरूरत नहीं, नहीं, नहीं है तो आप ये एनसीआर में से कर लीजिए तो वो तो फ्री में अवेलेबल है आप बुक सेक्शन में जाइएगा आपको बुक जो है मिल जाएगा ठीक अब एक बात बता देते देखिए हम एक बात सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे कोई यहां पर ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने का इरादा है पैसा कमाने का इरादा रहता तो और भी बहुत सारा काम है वो हम करते हैं ठीक देखिए टेस्ट सीरीज जो है हम कहेंगे कि सभी बच्चे उसको ज्वाइन जरूर करें अगर आप किसी भी बैच में हमसे नहीं पढ़े तो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें ठीक है ज्वाइन करवाना रहता तो सबको बोल देते लेने के लिए ठीक रोज मैसेज आता हम बूस्टर में टेस्ट सीरीज लें तो आप नहीं लीजिए वहां क्वेश्चन करा चुके हैं तो का है फिर यहाँ पैसा है। लेकिन कोई किसी बैच में नहीं है वो बिल्कुल टेस्ट सीरीज पेपर भी उसी में आपको मिल जाएगा ठीक और बूस्टर वाले आपका भी तो सैंपल पेपर उसमें मिल ही गया है लेकिन जो किसी भी बैच में नहीं है आप आंख मून के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए इससे क्या होगा कि आप वन शॉट देखिएगा टेस्ट सीरीज का सारा क्वेश्चन कर जाते हैं हम कह रहे हैं कि आपका कोई भी पोजीशन होगा ना अभी आप सोच रहे ये टॉपिक कैसे इसका क्वेश्चन कहां से करें इस बुक से करें बुक वगैरह जो है वो सीबीएसई एग्जाम के लिए बेहतर नहीं है आप कहेंगे कि सर सर आप बुक बुक बनाने वाला को हंस रहे हैं अपना तारीफ तारीफ करें नहीं करे। कोई भी बुक लिखा जाता है ना तो ग्लोबल लिखा जाता है ठीक है ग्लोबल का मतलब आप समझ रहे हैं जैसे मान लीजिए एनसीआरटी बुक लिखा गया तो एनसीआरटी सिर्फ सीबीएसई सी के लिए नहीं है एनसीआरटी जो है बिहार बोर्ड के लिए भी है सरकार की सभी के लिए यूपी बोर्ड के लिए भी है राजस्थान के लिए भी है महाराष्ट्र के लिए भी है लेकिन जो हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए स्पेशल सीबीएसई के लिए ये बात है बुक लिखा जाता है तो उसमें सारा तरह तरह का का दुनिया भर क्वेश्चन डाला जाता है ठीक है इसीलिए बताया कि ऐसा नहीं कि बुक खराब है लेकिन बुक में जो तो है बहुत इधर उधर का चीज सब है ठीक जो सीबीएसई में लास्ट टाइम में वो सब में मेहनत आपका बेकार जाएगा इसीलिए बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए उसका सारा क्वेश्चन कीजिए आप वन शॉट देखिए टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कीजिए उसके बाद आप उन्नीस फरवरी को आके कहेंगे कि सर आप सही बोले आप मेरा कहना बस मानिए कोई अगर घबरा गया हो कि सर कैसे करे कुछ नहीं आ रहा है सर 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 बड़ा गलती हो गया लास्ट टाइम में आए हैं किसी भी तरह सर मुझे अस्सी के पार पहुंचा दीजिए अरे आप मेरा कहना मानिए थोड़ा सा स्मार्टनेस ऑन रखिएगा तो हंड्रेड में हंड्रेड नहीं तो छियानवे पंचानवे तो आपसे कोई छीन के नहीं ले जाएगा काम क्या करना है हर टॉपिक का वर्ड देख लेना है यूट्यूब पे से ठीक लास्ट में दो तीन दिन पहले आए हैं तो अभी छोटा छोटा पांच सात मिनट का ट्रिक वाला वीडियो सब डालेंगे ठीक है जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं कुछ ने बनाना सिंपल ट्रिक से सिखा रहे होंगे उसको देखिए आप उस टॉपिक का जाके टेस्ट सीरीज में जितना क्वेश्चन है उसको लगा लीजिए निकलिए वहां से अब देखिए उन्नीस फरवरी को आप गदर काट दीजिएगा ठीक है आप आके कह दीजिएगा कि सर वन शॉट देखे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन किए सर ये मेरा जो है एग्जाम बेहतर नहीं गया आप जो बोलेंगे वो मैं हार जाऊंगा आपसे ठीक है जो आप बोल देंगे कहेंगे सर ये बोर्ड मेरे नाम कर दो नाम कर ऑन स्टेटमेंट रिकॉर्ड रख लीजिए दावा है अगर आप इतना काम कर लेते तो इसीलिए बोले इसको आराम ढंग से कीजिए लास्ट टॉपिक था इसीलिए इतना जो है आपसे बात की माफ कीजिएगा ठीक और अंत में यही कहेंगे कि ये कभी रील में गाना चल रहा है ना कि सोलह बरस के थे दो कदम चौखट के बाहर क्या गए के दिन आ गए तो ये जो है वो रील वाला लड़की से रिलेट ना करे आप भी सोलह तो से बाहर आपके दो कदम उन्नीस तारीख को निकलेंगे ठीक है उन्नीस तारीख को आ जाएंगे कुरबानी के दिन तो आपका नहीं सी बी अंकल का ये संस्कृत में उल्टा है बाकी सब्जेक्ट में सी बी अंकल आप पे चढ़े रहेंगे और संस्कृत में आप ही सीबीएसटी अंकल पे चढ़े रहेंगे और गाएंगे टेर कुर्बानी के दिन आ गए ठीक है ठीक नगर मिलते ही नजरों से नजर को चुराए कैसी है या जो तेरी तू पलकों को झुकाए जो पोचीडा है उसको निहारे तू और रगजूरा है उसको तारे तू हुआ चार ओर सहना तुम मेरी ओर दम निकला कर प्रेम लोग तू दिल किशोर वो तेरी ओर दम निकला रा हुआ मैं तेरा दो पुरिया डोपुरिया ठीक है तो बीमल खा के एकदम गडर काट देना है ठीक एग्जाम में कोई मास्टर अगर बीमल खा के आए तो आप भी उसको दो पुरिया बीमल धराए काम हो जाएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरा नमस्कार से कल प्रणाम धन्यवाद वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और तेरी कुर्बानी आ गए